हेलो हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को कैसे हैं आप सभी एक बार वॉइस और वीडियो और चेक करके बता दो वॉइस वीडियो ओके है क्या एक बार बताना कमेंट करके वॉयस और वीडियो दो चीज़ बता दो बस कमेंट करके बता दो वॉयस ठीक ठाक है वीडियो ठीक ठाक है ना जी जय माता दी राम राम नमस्ते जय हिंद भाई सभी को आखिरकार वो दिन अपना आ ही गया जब हमने कंप्लीट सीटी कंप्यूटर लिटरेसी जो है पढ़ना है आज जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका अच्छा रिवीजन होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो शुरू से पढ़ेंगे लास्ट तक पढ़ेंगे ठीक है ना आज जो है हम लगभग 560 के लगभग पेज हैं इस क्लास के तो हम शुरू से और बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे कोई पीडीएफ बनाने की सॉरी कोई भी नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पीडीएफ कल सुबह आपको टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर विद लाभ सिंगन में मिल जाएगी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ठीक है ना कोई भी आपको जो है अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है अलग से किसी को भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई पी आपको प्रोवाइड की जाएगी उम्मीद है सब कुछ ओके है तो शुरू करें लेके प्रभु का नाम करें शुरू अपना काम जी जय हिंद राम राम भाई तो हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम पढ़ें ये जो आप लोग मेहनत करोगे इतनी देर बैठ के वो आपके काम आए तो हे भगवान जो भी ये पढ़ें वो इनके अच्छे तरीके से काम आए तो चलिए करते हैं शुरू आ जाओ भाई तो कंप्यूटर की मैराथन जो है अपनी आज की बिल्कुल बेसिक के टॉपिक से स्टार्ट होती है बिल्कुल बेसिक के टॉपिक से स्टार्ट होती है और बेसिक ही हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेसिक कंप्लीट करेंगे इसके अंदर एम एस ऑफिस जो है एम एस ऑफिस जो है इसमें नहीं होगा क्यों नहीं होगा एम एस ऑफिस इसमें क्योंकि एम एस ऑफिस की प्ले जो है प्ले जो है वो ऑलरेडी डली हुई है एम एस ऑफिस की प्ले लिस्ट जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है तो इसलिए एम एस ऑफिस इसके अंदर शामिल नहीं किया है मैंने तो चलिए भाई जय श्री राम जय श्री राम भाई करते हैं शुरू अपना काम जय श्री राम चलो आ जाओ देखो कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक है ये अपना कंप्लीट रहेगा कंप्यूटर बेसिक ठीक है जी जय माँ सरफते भाई चलिए देखो आ जाओ सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है कंप्यूटर जो आता है कहाँ से आता है कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड भी कह देते हैं कई से कई लेटिन वर्ड से भी कह देते हैं और कई जो है इसे जो है फ्रेंच वर्ड से भी कह देते हैं ग्रीक से भी कह देते हैं लेटिन से भी कह देते हैं फ्रेंच से भी कह देते हैं शब्द कौन सा है शब्द है कंप्यूट शब्द क्या है कंप्यूट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है टू कैलकुलेट क्या मतलब है टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना इसका मतलब है कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या है गणना करना है इसमें एक शब्द और शामिल होता है ध्यान रखना कंप्यूटर क्या शब्द शामिल होता है कंप्यूटेर शब्द शामिल होता है क्या शब्द शामिल होता है कंप्यूटर और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कंप्यूटर है ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंच भाषा का वर्ड है लेकिन आम तौर पर जो ये कंप्यूटर शब्द है आम तौर पर किताबों में ये लेटिन भाषा का शब्द मिलेगा कौन सी भाषा का शब्द मिलेगा लेटिन भाषा का शब्द मिलेगा भाई ठीक है क्लियर हुई बात सभी को चलिए तो सबसे पहले जो है At first very electronic device calculator was. ूज कैलकुलेटर सबसे पहले यूज़ किया जाता था क्या करने के लिए टू कैलकुलेट गणना करने के लिए टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले जो है भाई कैलकुलेटर होता था यानी कि कंप्यूटर से पहले क्या होता था कैलकुलेटर होता था लेकिन कैलकुलेटर भी कई फॉर्मेट में दो होता था सबसे पहले वाला कैलकुलेटर किसी प्रकार का था उससे बाद वाला किसी प्रकार का उससे बाद किसी प्रकार का फिर कैलकुलेटर बना फिर धीरे 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 आगे पढ़े आगे बढ़े तो जा करके क्या बना कंप्यूटर बना कैलकुलेटर से शुरुआत हुई थी और कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर पर जाके रुके किस चीज पर जाके रुके सीधा सुपर कंप्यूटर पर जाके रुके कैलकुलेटर से शुरुआत हुई थी तो ये कह रहा कि कैलकुलेटर से शुरुआत हुई थी बिल्कुल सही बात है तो सबसे पहले जो कैलकुलेटर से शुरुआत हुई वो कैलकुलेटर है आपका अबैक्स क्या है अबैक्स जिसे क्या कहा गया है जिसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा गया है एबैक्स को क्या कहा गया है काउंटिंग फ्रेम भी कहा गया है बैकस को भाई क्या कहा गया है काउंटिंग फ्रेम कहा गया है बहुत पुराने समय में एंशियंट टाइम में यूज होता था इसलिए यूज होता था कैलकुलेटिंग करने के लिए यूज होता है कैलकुलेशन में यूज होता था ठीक है ना और आमतौर पर जो ये प्रयोग होता था एनशियंट समय में ईस्ट ईस्ट के अंदर पूर्व के देश हैं जो उनमें यूरोप में रशिया में इन कंट्रियों में चाइना में ज्यादातर प्रयोग किया जाता था क्या प्रयोग किया जाता था कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं कौन सा कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं एबैक्स की बात कर रहे हैं जिसे काउंटिंग फ्रेम भी कहा गया है क्या कहा गया जिसे एबेक्स को भाई काउंटिंग फ्रेम भी एबेक्स को कहा गया है ठीक है क्लियर हुई बात ये अबैक्स है भाई ये जो डिवाइस है ये अबैक्स है ये इस प्रकार की डिवाइस होती थी अबेक्स साथ के साथ मैं आपके लिए फोटो भी लाया हूँ आपकी सुविधा के लिए जो है फ़ोटो भी लेकर आया हूँ ठीक है क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक अब आ जाते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर कि कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में है क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैसी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है इलेक्ट्रो नहीं है ना ही आपका ये मैग्नेटिक डिवाइस है ना ही मैकेनिकल डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी होती है जो निर्णय लेने में सक्षम हो जो क्या हो निर्णय लेने में सक्षम हो निर्णय लेने में सक्षम हो जो वो कौन सी डिवाइस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं कौन सी डिवाइस होती हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो जो निर्णय लेने में सक्षम हो वॉशिंग मशीन भी निर्णय लेने में सक्षम है वॉशिंग मशीन भी निर्णय लेने में सक्षम है आपका जो स्मार्ट टीवी आता है वो भी निर्णय लेने में सक्षम है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ख़ास बात क्या है डेटा और इंस्ट्रक्शन क्योंकि वॉशिंग मशीन भी तो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो कंप्यूटर नहीं है क्या वॉशिंग मशीन भी फिर कंप्यूटर है अरे वॉशिंग मशीन कंप्यूटर नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि कंप्यूटर की तो एक परिभाषा है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट के तौर पे लेगी उसे प्रोसेस करेगी जैसा उसको निर्देश दिया गया वैसा ही और हमें आउटपुट प्रदान करेगी इसलिए वॉशिंग मशीन जो है वॉशिंग मशीन कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर तो इनपुट के तौर पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेगा वो कंप्यूटर है ठीक है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो इनपुट के तौर पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को लेती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है कंप्यूटर होती है क्लियर है बात सभी को चलिए तो ये कंप्यूटर की बेसिक असेसरीज़ हैं कंप्यूटर के साथ आपका क्या क्या जुड़ा हुआ है कंप्यूटर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो नाम बताते रहिए फटाफट मेरे को नाम बताते रहिए क्या क्या है ये क्या है आपकी एल सी डी है भाई ये आपकी क्या है कीबोर्ड है ये आपका क्या है स्कैनर है ये आपका क्या है स्कैनर है, है? है और ये कौन सा स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर है ये क्या आपके स्पीकर हैं भाई ये क्या आपके स्पीकर ये क्या आपका चूहा है यानी कि माउस है ये क्या आपका प्रिंटर है और ये क्या आपकी पेन ड्राइव है ये क्या होती है आपकी पेन ड्राइव होती है और ये क्या होता है ये होता है यू पी एस क्या होता है यू पी एस होता है जो कंप्यूटर में पहले लगता है यानी कि पावर सप्लाई देने का काम करता है एक बच्चा ये ये क्या होता है कमेंट करके बता दो फटाफट बता दो जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट ये क्या होता है ये जो इस तरीके का दिखाई देता है ये क्या होता है बहुतों तो ने पढ़ा भी होगा समझा भी होगा देखा भी होगा इसको बता दीजिए फटाफट होता क्या है ये तो ये क्या होता है कई इसे सी कहते हैं ये सी नहीं होता है प्यारे भाइयों ये सी नहीं होता तो सी कौन सा होता है सी पी तो एक छोटी सी चिप होती है इस तरीके से एक छोटी सी चिप होती है सी तो ये सी नहीं है ये सी पी बॉक्स है ये क्या है सी पी बॉक्स है इसको टावर भी कह देते हैं क्या कह देते हैं इसको टावर भी कह देते हैं इसको कैबिनेट भी कह देते हैं क्या कह देते हैं इसको कैबिनेट भी कह देते हैं और यह कितने प्रकार का होता है ये जो टावर होता है असल में इसे केस कहते हैं क्या कहते हैं इसे केस कहते हैं और केस कितने प्रकार का होता है फटाफट कमेंट कर दो केस होता कितने प्रकार का है जल्दी जल्दी कमेंट कर दो बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो केस कितने प्रकार का होता है एक तो होता है भाई इसमें लॉन्ग टावर क्या होता है एक तो इसमें होता है लॉन्ग टावर एक होता है मिनी टावर क्या होता है मिनी टावर होता है एक होता है मिड टावर क्या होता है मिड टावर होता है एक होता है इसमें स्लिम लाइन क्या होता है स्लिम लाइन होता है एक होता है इसमें प्रोपैरटियर होता है क्या होता है प्रोपैटियर होता है और एक होता है लास्ट इसमें डेस्क टॉप होता है क्या होता है डेस्क टॉप होता है और डेस्क टॉप तीन प्रकार के होते हैं क्या होते हैं डेस्कटॉप अपने तीन प्रकार के होते हैं कौन से कौन से डेस्कटॉप होते हैं जो घर में कंप्यूटर रखा जाता है जिसमें ये सारे सामान उपलब्ध होते हैं उसको डेस्कटॉप कहा जाता है और जो डेस्कटॉप होता था पहले आता था, पहले आता था कंप्यूटर डेस्कटॉप में वो किस प्रकार का कंप्यूटर आता था जो पहले कंप्यूटर आता था इस तरीके से उसके नीचे ये सीपीयू बॉक्स पड़ा होता था ये सीपीयू बॉक्स पड़ा होता था इसके ऊपर एलसीडी रखी जाती थी इसको डेस्कटॉप यहीं से पैदा हुआ था इसको डेस्कटॉप कहा जाता था लेकिन जो डेस्कटॉप है स्क्रीन पर आती है डेस्कटॉप विंडो उसको भी डेस्कटॉप कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे भी डेस्कटॉप कहा जाता है जो आजकल एचपी एच की मशीन आती हैं एच की या डेल की मशीन जो आती हैं उनमें से ये कौन सी हैं बताओ कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ उनमें से ये कौन सी तो तो मशीन तो है जो आजकल छोटी छोटी मशीन आती हैं एच की आती है डेल की आती है या लिनोवो की आती है मशीन आती हैं छोटी छोटी इनमें से वो कौन सी मशीन है बताओ जरा कमेंट करके कौन सी मशीन है इनमें से तो वो मशीन होती हैं आपकी प्रॉपर्टीयर होती हैं क्या होती हैं प्रॉपर्टीयर होती हैं वो मशीन आपकी प्रोपेटियर होती हैं जी नमस्ते भाई सभी को चलिए कमेंट ऑफ़ नहीं है भाई कमेंट ऑफ नहीं है शायद वो तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ शायद उन उनका ऑफ़ है बाकी एक बार कमेंट देख लेना ठीक है ना तो देखो इसके बाद आता है यानी कि कंप्यूटर डेटा व इंस्ट्रक्शन लेता है इनपुट के तौर पे डेटा होता क्या है डेटा क्या होता है एच एस ने इसका क्या क्वेश्चन पूछा था डेटा क्या होता है कमेंट करके बताओ एक बार ये कह रहा है कि डेटा होता है एक सीक्वेंस क्या होता है डेटा एक सीक्वेंस होता है किस चीज का सीक्वेंस होता है एक या एक से ज्यादा निशानों का सीक्वेंस होता है निशानों का सीक्वेंस का क्या मतलब है यहाँ पर कह रहा है कि जरूरी नहीं है उसमें कैरेक्टर होगा जरूरी नहीं है उसमें क्या होगा कैरेक्टर होगा जरूरी नहीं है कि उसमें ऐसे लिखा जाएगा कह रहा है कि उसमें कोई निशान भी हो हो सकते हैं वो होता है डेटा वो क्या होता है डेटा होता है भाई क्या होता है डेटा होता है और डेटा हमेशा लेस होता है ध्यान रखना क्या होता है डेटा हमेशा लेस होता है भाई क्या होता है लेस होता है डेटा यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं होता एच ने क्या पूछा था यहां लिखने की जगह आप जो है लिख लीजिए इसको एचएसएससी ने पूछा था व्यक्ति से जुड़ी जानकारी का वह भाग जानकारी का वह भाग जिसका कोई अर्थ नहीं होता जानकारी का वह भाग जिसका कोई अर्थ नहीं होता जिसका अर्थ नहीं होता वो क्या होता है डेटा होता है जिसका अर्थ नहीं होता वो क्या होता है डेटा होता है क्या होता है, होता है।, क्या होता है? डेटा होता है भाई ठीक है ना जी राम राम भाई सभी ने राम राम शेयर कर देना बिल्कुल सही बात है लाइक शेयर कर देना देखो <laughs> डेटा कितने प्रकार का हो सकता है मैनी टाइप का हो सकता है न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है जीरो से नो अल्फ़ाबेटिक डेटा हो सकता है ए से जेड अल्फा न्यूमेरिक डेटा हो सकता है ए से जेड और जीरो से नौ शामिल हैं सिंबॉलिक डेटा हो सकता है जिसमें सिंबल शामिल है लेकिन कई बार सिंबॉलिक डेटा को अल्फा न्यूमेरिक डेटा ही कहा जाता है सिम्बोलिक जो डेटा होता है उसे अल्फा न्यूमेरिक डेटा ही कहा जाता है क्या कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा ही कहा जाता है चलिए इंफॉर्मेशन क्या होता है इन्फॉर्मेशन होता है इधर से हमने डेटा डाला कंप्यूटर में इधर से आलू डाला उधर जाके सोना निकला इधर से आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा क्या निकलेगा सोना निकलेगा अरे यहाँ से सोना नहीं निकलेगा यहाँ से तो जानकारी निकलेगी क्या निकलेगी जानकारी निकलेगी क्या डेटा को क्या करने पर जानकारी निकलेगी प्रोसेस करने पर जानकारी निकलेगी डेटा को प्रोसेस करोगे तो क्या निकलेगी जानकारी निकलेगी इसका मतलब क्या है प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन इसका मतलब क्या होता है प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है बात समझ में आ रही सभी को हाँ जी बिल्कुल डेटा डेटा इज को प्रोसेस किया जाए इट कन्वर्टेड में बदल जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की करेक्टरस्टिक्स कौन सी कौन सी हैं कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी कौन सी है इनमें से कंप्यूटर इन जो है क्वेश्चन uh, जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कंप्यूटर जो है रेलवे स्टेशन पर भी काम आता है कंप्यूटर जो है खेतों में भी काम करता है और कंप्यूटर जो है ऑफिस में भी रखा होता है तो वो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है ये ऑप्शन है तो वो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी कंप्यूटर रेलवे स्टेशन पर भी होता है खेतों में भी होता है ऑफिस में भी होता है घरों में भी होता है तो वो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है कौन सी विशेषता होती है वो कंप्यूटर की बताएं भाई कौन सी विशेषता होती है ओल का ऑप्शन ही नहीं है अरे ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव मार्क्स कट जाएंगे ओल का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है वर्सटैलिटी को दर्शाता है आगे आगे कमेंट आ गए आपके कि वर्सटैलिटी को दर्शाता है विभिन्नता को दर्शाता है किस चीज़ को दर्शाता है बहुमुखी प्रतिभा है क्या है बहुमुखी प्रतिभा है भाई अगर आपसे पूछे कंप्यूटर बिना थके काम करता है तो लगन है अगर आपसे पूछे कि काम सही करता है तो शुद्धता है अगर आपसे पूछे कि काम जल्दी करता है तो स्पीड है अगर आपसे पूछे कि याद रख सकता है कई सालों तक तो भंडारण है क्या है भंडारा नहीं है भंडारण है भंडारे पे बड़ा जल्दी टूट के पड़ते हो भंडारा है जी भंडारा है जी क्या बात है देखो भंडारण है वो क्या है भंडारण है स्टोरेज है भंडारा मत कह देना इसे ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बना है एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर कितनी चीज़ों से मिलकर बना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ों से मिलकर बना है हार्डवेयर का टेक्निकल नाम जो है उसे टेंजिबल कहा जाता है हार्डवेयर के टेक्निकल नाम को टेंजिबल कहा जाता है और सॉफ्टवेयर के टेक्निकल नाम को इनटेंजीबल कहा जाता है सॉफ्टवेयर का टेक्निकल नाम है इनटेंजीबल और हार्डवेयर का टेक्निकल नाम है टेंजिबल क्या नाम है टेंजिबल नाम है भाई बात समझ में आई सभी को जी बोलो हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं एनाटोमी ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कितने भाग हैं या कंप्यूटर कौन सी कौन सी चीज़ लिए बैठा है सी पी यू बिल्कुल मेन पार्ट है सी पी यू ये ध्यान रखना एक तो सी पी यू ये ध्यान रखना एक तो अपना सी पी यू जो कि चिप होती है वो वाला सी पी यू ना जो आप समझ रहे हो ठीक है ना एक तो चिप और एक होती है प्राइमरी मेमरी ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं दोनों मिलकर के कंप्यूटर बनाते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं इनको कोई अलग नहीं कर सकता इनको जो अलग करेगा उसे पाप लगेगा कहने का मतलब है कि कंप्यूटर ही नहीं रहेगा इनको आप अलग ही नहीं कर सकते ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं ठीक है ना ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं यानी कि रैम होगी प्राइमरी मेमोरी होगी तो सीपीयू का काम होगा अगर सीपीयू नहीं होगा तो प्राइमरी मेमोरी का भी काम नहीं होगा यानी कि ये नहीं तो ये कुछ नहीं काम का ये नहीं तो ये कुछ काम का नहीं है बात समझ में आई सभी को इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन इंटरफेस यानी कि बातचीत कैसे करता है कंप्यूटर ये सारी चीज़ें इस चीज़ का हिस्सा है भाई सारी चीज़ें क्या है इस चीज़ का हिस्सा है भाई बात समझ में आई सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये है सीपीयू अब देख लो ध्यान से अरे ध्यान से देखो मेरी आंखों से देखो आपकी आंखों से अगर ना दिखाई दे तो मेरी आंखों से देख लीजिए ये होता है सीपीयू आप लोग कहते हो उसे सीपीयू जो टावर होता है लेकिन ये होता है सीपीयू अब ध्यान से देख लेना इसको भूलना मत इसे भूलना मत ये सी होता है क्या होता है ये सी होता है ये जो चिप है आपकी जो चिप लगी हुई है ये ये सी होता है और ये जिस चीज़ में लगा होता है उसे सी पी यू सॉकेट कहते हैं क्या कहते हैं उसे सी पी यू सॉकेट कहते हैं भाई जिस चीज़ के अंदर ये लगा होता है उसे सी पी यू सॉकेट कहते हैं क्लियर होगी बात सभी को चलिए अब है पेरीफेरल डिवाइस कंप्यूटर के साथ जुड़ी होती हैं पेरीफेरल डिवाइस कौन सी डिवाइस जुड़ी होती हैं कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल डिवाइस जुड़ी होती हैं तो कंप्यूटर के आसपास जितनी भी आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस दिखाई देती हैं वो सभी पेरीफेरल डिवाइस होती हैं कौन सी डिवाइस होती हैं पेरीफेरल डिवाइस होती हैं स्पीकर पेरीफेरल डिवाइस है स्कैनर पेरी डिवाइस है कीबोर्ड पेरी डिवाइस है माउस कैमरा प्रिंटर पेरीफेरल डिवाइस है और मोनिटर भी आपका पेरीफेरल डिवाइस है अगर आपसे पूछा जाए मदरबोर्ड पेरिफेरल पेरीफेरल डिवाइस है कि नहीं है तो आप क्या कहोगे कमेंट करके बताओ जल्दी सॉरी मैम सॉरी कैमरा मदरबोर्ड अगर आपसे पूछा जाए मदरबोर्ड पेरिफेरल पेरीफेरल डिवाइस है कि नहीं है तो क्या बताओगे बताओ जरा मदरबोर्ड जो है वो पेरीफेरल होता है कि नहीं होता है और सी पी यू पेरीफेरल होता है कि नहीं होता है बताइए ये पेरीफेरल जो होती हैं ये वो होती हैं जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती क्या नहीं होती मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती जो डिवाइस वो पेरीफेरल डिवाइस होती हैं मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं, नहीं होती ठीक है ना तो वो क्या होती हैं पेरीफेरल डिवाइस होती हैं मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है और सीपीयू भी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है बात समझ में आ रही सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के साथ ही साथ ये जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी कौन सी कंप्यूटर में काम आने वाली जो मेमोरी डिवाइसेस हैं हार्ड डिस्क रैम रोम पढ़ेंगे इनके बारे में सीडी डीवीडी टेप पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड और फ्लोपी डिस्क इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या चीजें जुड़ती हैं क्या क्या चीजें कंप्यूटर में काम आती हैं भाई ठीक है ना चलिए कुछ और टर्म है कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ और टर्म कौन सी कौन सी है ये इंट्रोडक्शन चल रही है अभी कंप्यूटर की अभी कंप्यूटर की क्या चल रही है इंट्रोडक्शन चल रही है अभी तो हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ठीक है ना तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश निर्देश कह लीजिए अनुदेश कह लीजिए तो इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे घर वाले आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप एक काम करना आज आज यहाँ से डायरेक्ट सीधे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना और सीधे वापस आ जाना वो इंस्ट्रक्शन है क्या है इंस्ट्रक्शन है और अगर आपको एक हफ़्ते के लिए ऐसी ऐसी इंस्ट्रक्शन बना कर दे दी जाए कि आपने ये ये करना है आज ये करना है कल ये करना है परसों ये करना है तो एक हफ़्ते का आपका प्रोग्राम हो गया क्या हो गया एक हफ़्ते का प्रोग्राम हो गया आपका तो और अगर वो एक एक हफ्ते का प्रोग्राम आपको साल भर के लिए इकट्ठा दे दिया जाए इकट्ठा दे दिया जाए साल भर के लिए तो वो आप सॉफ्टवेयर की तरह काम करोगे वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा आप किसकी तरह काम करने लगोगे कंप्यूटर की तरह काम करने लगोगे क्योंकि क्योंकि जो आपको बोला गया है सिर्फ वही करोगे तो कंप्यूटर भी तो वही है जो इसको बोला जाता है वही तो करता है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन क्या होता है प्रोग्राम होता है और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है भाई क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है क्लियर है सभी को चलिए कुछ फैक्ट हैं कंप्यूटर के बारे में वो क्या हैं पहला कंप्यूटर जो है इंडिया में आया था 1956 कोलकाता के अंदर आईएसआई ये वो वाला आईएसआई नहीं है पाकिस्तान वाला ये इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है आईएसआई इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट जहाँ से आपका वो फॉर्मूला लिया जा रहा है हरियाणा पुलिस को क्या बोलते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए नमस्ते भाई सुमेण से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो फॉर्मूला लिया जा रहा है वो आईएसआई से लिया जा रहा है और ये वही आईएसआई है देख लो ये वही आईएसआई है देख लेना ठीक है ना 1956 में कोलकाता में आईएसआई के अंदर पहला कंप्यूटर बनाया गया था और फर्स्ट यूज़ ऑफ कंप्यूटर पहला यूज़ हुआ था 1986 में ऐसा नहीं है कि लेकर उन्नीस सौ में आए थे बरतिया फिर उन्नीस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये कंप्यूटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे ये डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ माइक्रो कंप्यूटर की बात नहीं हो रही यहाँ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है बात समझ में आई सभी को अब आप ये बताइए जब सबसे पहले भारत में कंप्यूटर आए थे वो कंप्यूटर बड़े थे यानी कि वो कंप्यूटर माइक्रो थे मीनी थे मेन फ्रेम थे या सुपर थे क्या थे सबसे पहले जो कंप्यूटर आए वो बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे या माइक्रो कंप्यूटर पहले आया था बताइए माइक्रो कंप्यूटर पहले आया या बड़े बड़े कंप्यूटर पहले आए बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं सम फैक्ट्स मोर पोस्ट ऑफिस डिजिटल पोस्ट ऑफिस जो है फर्स्ट डिजिटल पोस्ट ऑफिस वो दिल्ली में है और टिफ्रैक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक कैलकुलेटर इन्होंने बनाया था एटॉमिक कैलकुलेटर पहला कंप्यूटर बनाया था डेवलप किया था इंडिया के अंदर ही भारत में बनाया गया भारत का सुपर कंप्यूटर अरे पहले छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे पहले बड़े कंप्यूटर होते थे पहले छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे पहले बड़े कंप्यूटर होते थे छोटा कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर तो बहुत बाद में बना सबसे पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे माइक्रो तो छोटा सा तो साइज़ बहुत बाद में बना अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेना एक बात का अगर आपको साइज़ के हिसाब से कोई चीज़ पूछे अगर आपको स्पेस के हिसाब से कोई चीज़ पूछे स्पेस पहले पहले साइज़ तो था बड़ा स्पेस होता था कम यानी कि एम में कम स्पेस होता था बहुत कम एम में स्पेस होता था और आजकल साइज़ तो छोटा लेकिन एम में बहुत ज़्यादा जैसे आपके छोटे से मोबाइल के अंदर ही इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी इतनी सारी जी आ जाती है लेकिन पहले एक पूरे मकान जितनी हार्ड डिस्क होती थी उसमें सिर्फ दो एम का डेटा आता था कितने एम का सिर्फ दो एम का डेटा आता था तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो ठीक है क्लियर हुई बात सभी को और ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर में सिद्धार्थ रखा गया था ईसीआई के द्वारा किसके द्वारा ईसीआई के द्वारा रखा गया था भाई ठीक है क्लियर हुई बात चलिए आगे बढ़ते हैं पर्सन रिलेटेड टू कंप्यूटर ये दो कंप्यूटर के महान ज्ञाता हैं इनको सल्यूट है इनको याद नहीं करोगे तो किसको याद करोगे इन दोनों ने ही तो कंप्यूटर में क्रांति ला दी इन दोनों ने ही कंप्यूटर के अंदर क्रांति ला दी फादर ऑफ़ कंप्यूटर कौन है चार्लस बैवेज हैं इन्हें फादर ऑफ़ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर बनाया तो फिर कैलकुलेटर किसी ने बनाया था वो देखेंगे तो फिर कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है वो भी देखेंगे आज समझेंगे सीखेंगे कि क्या फ़र्क था ये फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर क्यों कहलाए इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये फादर ऑफ़ कंप्यूटर कहलाए ऐसी क्या कर दिया इन्होंने ये थे फ़ादर ऑफ़ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ़ कंप्यूटर साइंस कौन थे ये थे भाई साहब एलन ट्यूरिंग और ये थे भाई साहब चार्ल्स बैवेज और ये थी लेडी ऑगस्टा एडा ये थी पहली प्रोग्रामर क्या थी दुनिया की एकमात्र लेडी जो कंप्यूटर के इतिहास में जिसका नाम आता है वो है लेडी ऑगस्टा एडा क्या नाम आता है लेडी ओगस्टा एडा इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन में चार्लस बेवेज की हेल्प की थी चार्लस बेवेज की भी हेल्प की थी इन्होंने एनालिटिक इंजन के अंदर ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का जो है ब्लॉक डायग्राम यानी कि इधर से इनपुट लो इधर प्रोसेसिंग करो और उधर आउटपुट लो लेकिन ये सभी चीज़ें तो आटा पीसने वाली चक्की में भी होती हैं चक्की में भी आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ग्रांचाक्की हो तरह सारे गए ग्रां चाक्की ही है उसमें दाणे इनपुट का रूप में डले हैं और प्रोसेसिंग हो आटा आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है लेकिन उसमें भी इनपुट हुआ है प्रोसेस हुआ है आउटपुट हुआ है लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ इनपुट भी होगा प्रोसेस भी होगी आउटपुट होगा लेकिन डेटा इनपुट के रूप में जाएगा और इनपुट करेंगे किसकी सहायता से भाई कुछ ऐसी डिवाइस लेंगे जिसकी सहायता से इनपुट कराया जाएगा जैसे दाणे किसकी सहायता से डालेंगे कंप्यूटर यानी कि चक्की में दाणे जो डालेंगे वो किसकी सहायता से डालेंगे वहाँ बना होता है ऐसे ऐसे बना होता है उसके अंदर गेहूँ के दाने डालते हैं और इनपुट हो जाता है अगर वो हटा दें तो फिर हमें कोई डिवाइस लेनी पड़ेगी जिसकी सहायता से उसमें दाने डाले जा सकें तो ऐसे ही कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए हमें इनपुट यूनिट की आवश्यकता होती है और इनपुट यूनिट कौन सी कौन सी है कीबोर्ड है माउस है लाइट पेन है जोस्टिक एक्सेट्रा और ऐसे ही निकालने के लिए ऐसे ही निकालने के लिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस ये प्रिंटर प्लूटर मोनीटर ये सब चीज़ें होती हैं ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को जी राम राम भाई राम राम सभी ने राम राम तो ये है स्टोरेज डिवाइस ये क्या है आपकी स्टोरेज डिवाइस ये स्टोरेज डिवाइस लगी होती है बाई चांस बाई चांस डेटा हमें आउटपुट के रूप में नहीं लेना लेकिन हमने स्टोर करना है कंप्यूटर में तो इसलिए स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट लगा दी भाई क्या लगा दी स्टोरेज यूनिट लगा दी चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास कंप्यूटर का इतिहास शुरू करते हैं लेकिन जनरेशन से पहले का इतिहास है जनरेशन से पहले का इतिहास है जनरेशन का इतिहास नहीं है कंप्यूटर बिफोर जनरेशन यानी कि जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर था वो किस प्रकार का कंप्यूटर हुआ करता था चलिए भाई समझते हैं सीखते हैं देखते हैं सबसे पहले अबैक्स हुआ करता था क्या हुआ करता था अब एक्कस हुआ करता था इसका आविष्कार मैसो के लोगों ने किया था चीन ने इसमें बहुत सारे सुधार कर दिए चीन के नाम पर इसका नाम पड़ गया तीन हज़ार ईसवी पुरो कोई किताब कहती है पच्चीस सौ ईसवी पुरो कोई किताब कहती है तीन हज़ार ईसवी पुरो तो तीन हज़ार ईसवी पूर्व की बात है चाइना का नाम पड़ गया लेकिन नाम तो था मैसो वालों का बेचारों का नाम चाइना का पड़ गया क्योंकि चाइना ने बहुत सारे सुधार कर दिए भाई ठीक है तो अबेक्स के बारे में हमने पढ़ा था अबेक्कस को काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है एच एस ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिस लकड़ी का फ्रेम ऐसा कौन सा है जिसमें मनके होते हैं और इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से उसको जोड़ घटा गुना बाग करते हैं वो डिवाइस कौन सी है ये एच का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं क्या क्वेश्चन है एक लकड़ी का फ्रेम है जिसके दो भाग होते हैं उसमें मनके होते हैं और उन मनकों को इकाई ढाई सैकड़ा के हिसाब से जोड़ घटा गुना भाग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो अबैक्कस कहा जाता है क्या कहा जाता है अबैक्कस कहा जाता है उसे ध्यान रखना क्या कहा जाता है अबैक्कस कहा जाता है ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को जी चलिए भाई आगे बढ़ते हैं इसके बाद 1600 सौ यह बैकस तीन हज़ार पूर्व की बात थी कौन सी पूर्व की बात थी तीन हज़ार पूर्व पहले की बात कर रहे थे फिर हम डायरेक्ट 1617 सौ ईस्वी में आ गए इसके बाद 1642 सौ ईस्वी में चलेंगे इसके बाद 1673 सौ ईस्वी में चलेंगे इसके बाद 1800 18, में चलेंगे इसके बाद 1822 में पढ़ेंगे उसके बाद 1833 में पढ़ेंगे उसके बाद जो 1833 के बाद चार्लस बैबेज भाई साहब के आने के बाद फिर तो जो मर्जी पढ़ लो भाई चार्लस बैबेज ने ऐसा काम कर दिया फिर जितने मर्जी कंप्यूटर पढ़ लो ठीक है ना 1617 सौ ईस्वी में पढ़ेंगे 1617 सौ ईस्वी में आ गए जॉन नेपियर कौन आगे जॉन नेपियर आगे लोग्रिदम का आइडिया जिसने दिया था किस किस चीज़ का आइडिया दिया था लोग्रिदम का इसने बना दी एक डिवाइस ये डिवाइस क्या होती थी नंबरिंग रोड का एक सेट होती थी क्या होती थी ये डिवाइस नंबरिंग रोड का सेट होती थी जिसे जोन नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता था इसकी डिवाइस की सहायता से गुणा व भाग दोनों कर सकते थे क्या कर सकते थे गुणा कर सकते थे और भाग कर सकते थे भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को गुणा और भाग दोनों ही कर सकते थे चलिए आगे इसके बाद आता है, है पास क्लीन सोलह बयालीस ईस्वी में पहुंच गए क्या पहुंच गए क्लीन पर पहुंच गए भाई अभी तक कौन सी डिवाइस चल रही थी अभी तक 1617 सौ ईस्वी में बैठे थे और 1617 सौ ईस्वी में हुआ क्या 1617 सौ ईस्वी में जॉन नेपियर ने बनाया और अब जो है अब फ्रांसीसी गणितज्ञ इस महान व्यक्ति को भी सल्यूट है सलाम है इस महान व्यक्ति ने भी ऐसा काम किया था कंप्यूटर के इतिहास में इसका नाम बड़े सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है बड़े ही सम्मानजनक तरीके से कंप्यूटर के इतिहास में चार्ल्स सॉरी ब्लेज पास्कल का नाम लिया जाता है क्यों लिया जाता है क्योंकि ब्लेज पास्कल ही तो था जिसने शुरुआत कर दी भाई साहब ब्लेज पास्कल ही ऐसा व्यक्ति था जिसने शुरुआत कर दी इसने क्या बनाया इसने एक एडिंग मशीन बनाई कब बनाई सोलह सौ ईस्वी में बनाई एडिंग मशीन इसमें गियर होते थे इस मशीन के अंदर क्या होते थे गियर होते थे इस तरीके से इस तरीके से क्या होते थे इस मशीन के अंदर गियर होते थे ये नंबर को जोड़ने का काम करती थी ये जो मशीन बनाई नंबर को जोड़ती थी जल्दी से क्विकली क्विकली जोड़ती थी भाई ठीक है ना तो मशीन को पास्कलिन भी कहा गया पास्कल मशीन भी कहा गया और ब्लेज पास्कल की मशीन भी कहा गया और एडिंग मशीन भी कहा गया ठीक है ना क्लियर बात सभी को तो दिस मशीन वॉज कैपेबल टू ट्रांसफर कैरी ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट बात है हासिल ले जाने में भी सक्षम थी एक ऐसी मशीन बना दी भाई साहब अरे हमारे से तो बताने से नहीं बनती आज आपको बता दिया गया कि एक ऐसी मशीन बन सकती है जो अपने आप जोड़ करे और हासिल का भी ले जाए बताने के बाद बना के देखो कितना जोर लगेगा तो जोड़ ही मेन था क्योंकि होता तो जोड़ ही है घटा गुना भाग तो कोई नाम की चीज़ ही नहीं होती होता तो केवल जोड़ है कंप्यूटर के अंदर वैसे भी नॉर्मल लाइफ में होता तो केवल जोड़ ही है ना घटा तो होता ही नहीं गुणा होता नहीं भाग होती नहीं जोड़ ही होता है तो वो इस भाई साहब ने एक ऐसी मशीन बना दी जो जोड़ कर सके बस काम आसान हो गया फिर तो फिर तो काम आसान हो गया कैलकुलेटर का काम ही आसान हो गया ठीक है ना क्योंकि काम सारा जोड़ का था जोड़ का खेल था सारा का सारा जोड़ इसने दिया इसने मशीन बना दी करा जोड़ सकते हो भाई ठीक है ना तो जोड़ दिया भाई तो ये ब्लेज पास्कल की मशीन है इसमें गियर होते थे क्या होते थे गियर होते थे ऊपर हासिल ले जाने में सक्षम थी ये आगे से आगे आगे से आगे हासिल का भी ले जाती थी क्या थी हासिल का भी ले जाती थी भाई बात में सभी को ठीक है ना एक बार कमेंट करके बता दो सब कुछ ओके चल रहा है वॉइस वीडियो वगैरह सब कुछ ओके चल रहा है एक बार कमेंट करके बता देना ठीक है ना तो सबसे महान काम करने वाला ब्लेज पास्कल क्योंकि जोड़ करने वाली मशीन बना दी भाई साहब छोटी बात नहीं है जोड़ करने वाली मशीन बना दी ठीक है ना देखो फिर आया लिबटिन फिर तो सारे सारे एंडी पैक गए सारे शेर बन गए फिर तो न्यू का मैंने न्यू कर दिया मैंने न्यू कर दिया यार मेन काम तो ब्लेज पास कर लग रहा है मेन काम तो ब्लेज पास कर लग रहा ये आ आगे फिर लिप्टेंस कैलकुलेटर लिबटिन ने कैलकुलेटर बना दिया सोलह सौ सो तिहत्तर ईस्वी में कि कौन सी ईस्वी में बनाया सोलह सौ सो तिहत्तर ईस्वी में बनाया बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सब कुछ ओके चल रहा है जी 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 थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच किसी ने लाइक लुक ना करके तो वो देख लियो संभाल दे तो मैं ठीक है चलो देखो आ जाओ हाँ ऐसे होता था ये जर्मनी का गणितज्ञ था एक बात और देख लो गणितज्ञ थे सारे के सारे क्या थे मैथमेटिशियन थे, थे सारे के सारे बोले सर मैंने मैथ तो आंदा नहीं मैं कंप्यूटर पढ़ लींगा अरे पगले जिसको मैथ आता है उसी को तो कंप्यूटर आता है हाँ चलो माना एक बात तो हो सकती है कि मैथ से बच के आप कंप्यूटर के वहाँ तक तो पढ़ सकते हो इनपुट आउटपुट डिवाइस तो याद कर सकते हो मेमोरी मेमोरी लेकिन जिसे मैथ आता है कंप्यूटर को तो समझ तो वही सकता अच्छे से तो ठीक है ना तो मैथ से बच मत भागा करो मैथ आता है तो मैथ्स वालों ने ही तो कंप्यूटर बनाया है अब जो भी थे कंप्यूटर के बैकग्राउंड से नहीं थे वो मैथ के बैकग्राउंड में से थे भाई साहब मैथ के बैकग्राउंड से थे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा जी टेलीग्राम ज्वाइन में क्या दिक्कत आ रही है जी सिंह के नाम से है तो वहां ज्वाइन कर लेना एक बार क्लियर हुई बात सभी को हाँ तो देखो जर्मन मैथमेटिशियन ने एक्सटेंड कर दी इन्होंने कैपेबिलिटी एडिंग मशीन में क्षमता बढ़ा दी जोड़ अरे काम तो जोड़ने का था अब आगे तो करे कि मैंने जोड़ कर दिया जी दो जमा में दो करे जोड़ कर दिया देख कितना जबरदस्त काम करे जोड़ कर दिया करे ठीक है ना जोड़ कर दिया ले मैं देखे एक चीज जोड़ करके दिखाऊं मैंने माइनस कर दिया मैंने माइनस कर दिया अरे के कर दिया था ना माइनस करता कर दिया यू करे तो जोड़ है के करे है यू यू करे तो जोड़ है अगला जोड़ करके था इसने भी जोड़ कर दिया एक जोड़ आया ना मैंने गुणा कर दी दो जमा में दो जमा में दो नुका मैंने गुणा कर दी दो तय अच्छा हुए हैं, अरे करे तो जोड़ है अरे किया तो जोड़ है तो ये ये ले रहा करे मैंने ना एडिंग मशीन में नई चीज़ बढ़ा दी करे कि गुणा कर दी डिवीज़न कर दिया मल्टीप्लिकेशन कर दी ये सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी क्या कर दी सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी भाई लेकिन ये भी छोटी चीज़ नहीं है इस बंदे को हम छोटी चीज़ नहीं समझ रहे ये काम करना भी आसान नहीं है हमें पता चलने के बाद भी हमारे से नहीं होगा ठीक है ना ये पता चलने के बाद भी हमारे से नहीं होगा तो छोटा काम नहीं किया इस बंदे ने भी लिप्टिंस का कैलकुलेटर बन गया नाम हो गया इस बंदे का भी ठीक है ना क्लियर बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं ये लिप्टज का कैलकुलेटर था ब्लेज पास्कल की ही मशीन की क्षमता बढ़ाता रहा आगे से आगे आगे से आगे गुणा घटा भाग शुरू कर दिया इसने चलिए फिर आ गया जैकवर्ड्स लूम ले भाई ये व्यक्ति आ गया हालांकि ये व्यक्ति कंप्यूटर की फील्ड से नहीं है इतना जैकवर्ड्स लूम जोसेफ जैकवर्ड क्या है ये जोसेफ जैकवर्ड है भाई क्या है ये जोसेफ जैकवर्ड जोसेफ मेरी जैकवर्ड बल्कि जोसेफ मेरी जैकवर्ड जोसेफ मेरी जैकवर्ड है ठीक है ना जोसेफ मेरी जैकवर्ड है इसने एक मशीन बनाई थी लूम मशीन इन ऑर्डर टू मेक द कॉटन वेविंग प्रोसेस ऑटोमेटिक इस मशीन को इस बंदे ने सोचा कि मैं ऑटोमेटिक बनाऊं ये दरी खेस बुनने वाला होता था बेचारा दरी खेस बुनने वाला व्यक्ति है देखो कितना महान काम करके दिखाया इसने आप दरी खेस बुनने वाला में से भी नहीं हो कुछ तो महान करो तो ऑटोमेटिक जोसेफ जैकवर्ड ने डिवाइस किया किस चीज का आविष्कार किया पंच कार्ड का किस चीज का आविष्कार किया पंच कार्ड का आविष्कार किया 1801 सो ईस्वी की बात है लूम मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया बेचारा ने किस चीज को कंट्रोल करने के लिए लूम मशीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया भाई ठीक है किसने जोसेफ़ मेरी जैकवर्ड ने किसने जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने बनाया ठीक है ना सबसे पहले किसने बनाया जोसेफ़ मेरी जैकवर्ड ने बनाया भाई ऐतिहासिक चीज़ लेकर आया ये बात समझ में ऐतिहासिक चीज़ लेकर आया भाई ये इसकी कॉटन वीविंग मशीन में यूज़ होने वाले पंचकार्ड होते थे जिनकी सहायता से कोशिश करता था कि ये क्या हो जाए ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाए इसके बाद पंचड कार्ड में पंचड कार्ड आपका होता क्या है कह रहा कि एक पंचड कार्ड जो होता है पंच कार्ड कह लो इसको इसको पंचड कार्ड कह लो एक ही बात है ये कह रहा है कि स्टिफ पेपर का टुकड़ा होता था सख्त कागज का एक टुकड़ा होता था जो डिजिटल डेटा को कंटेन करता था क्या करता था डिजिटल डेटा को कंटेन करता था इसमें सुराख होते थे होल होते थे और सुराख जो होते थे वो जीरो वन जीरो वन को प्रदर्शित करते थे सुराख हो तो जीरो रूप में प्रदर्शित करते थे तो अब आज अब जो 1800 के दशक की बात है के, 1800 के एट ऑफ हंड्रेड सेंचुरी सेंचुरी तो 1800 सदी के अंत की बात है तो एक व्यक्ति आते हैं डॉक्टर हरमन होले कौन व्यक्ति आते हैं डॉक्टर हरमन होलीरित आते, आते हैं है भाई डॉक्टर हरमन होलीरिथ आते हैं भाई डॉक्टर हरमन होलीरिथ आ गए अब ये डॉक्टर हरमन होलीरिथ जो है इन्होंने क्या कर दिया इस पंचड कार्ड को कौन सी चीज को पंचड कार्ड को किस चीज में प्रयोग कर लिया अपनी टेबुलेटिंग मशीन में प्रयोग कर लिया पंचड कार्ड को किस चीज में प्रयोग कर लिया पंचड कार्ड को अपनी टेबुलेटिंग मशीन में प्रयोग कर लिया बात समझ में आई यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में टैबुलेटिंग मशीन में प्रयोग किया भाई कंप्यूटर के क्षेत्र में जो लेकर आए वो तो यही लेकर आए भाई टैबुलेटिंग मशीन में प्रयोग कर लिया भाई कंप्यूटर के क्षेत्र में तो यही लेकर आए ठीक है ना कंप्यूटर के क्षेत्र में लेकर आने वाले डॉक्टर हरमन होलीरित हैं किस चीज़ को लेकर आने वाले पंच कार्ड को और ये डॉक्टर हरमन होलीरित का पंच कार्ड है ये डॉक्टर हरमन होलीरित का पंच कार्ड है जय हिंद भाई सभी को जय हिंद और इस पंच कार्ड को इसीलिए डॉक्टर पंच डॉक्टर हरमन होलीरित कार्ड भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है होलीरित कार्ड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे होली कार्ड भी कहा जाता है भाई ठीक है ना क्या कहा जाता है होली कार्ड भी कहा जाता है जी जयराम जी की भाई चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद 1800 सो ईस्वी चली रही है 1800 सौ ईस्वी में पहुंच गए तो 1800 ईस्वी में पहुंचने पर क्या हुआ 1800 सो ईस्वी में एक व्यक्ति आए चार्लस वेवेज आ गया भाई अब अब क्रांतिकारी बदलाव आएंगे अब आएंगे क्रांतिकारी बदलाव एक व्यक्ति ने डिफरेंस इंजन बना दिया 1822 सो ईस्वी में अंग्रेजी गणितज्ञ था यानी यू भी मैथेमेटिशियन था इंग्लिश मैथेमेटिशियन थे अट्ठारह सौ बाईस ईस्वी में डिफ्रेंस इंजन बना दिया क्या बना दिया मशीन बनाई बनाइए जिसका नाम था डिफ्रेंस इंजन मैथेमेटिकल फंक्शन सोलव कर सके था ये और पोलिनोमियल एवोल्यूशन ये इक्वेशन सोल्व कर सकता था डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी मैथेमेटिक की वो सोल्व कर सकता था कौन डिफरेंस इंजन सोल्व कर सकता था 1822 में चार्ल्स बेबेज आया चार्लस व्यावेज ने देखा कि सभी के सभी कैलकुलेटर बना रहे हैं मैं कुछ अलग करता हूं। इसने कुछ अलग करने की कोशिश की बेचारे ने 1822 सौ ईस्वी में लेकिन ये सफल नहीं हो पाया हालांकि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह इसके अंदर सोल्व होनी शुरू होगी इस मशीन के अंदर लेकिन इससे कंप्यूटर ना बना भाई इससे अभी तक कंप्यूटर ना बना तो फिर कंप्यूटर कब बना तो ये क्या था ये कंप्यूटर नहीं था ये डिफरेंस इंजन था भाई क्या था ये ये डिफरेंस इंजन हुआ करता था इस प्रकार का इंजन हुआ करता है भाई ठीक है ना इस प्रकार का इंजन होता था चलिए अब आया एनालिटिकल इंजन इसके बाद एक और इंजन बनाया भाई इसने हालांकि ये इंजन ऐसा कहा जाता है कि ये भी पूरा नहीं हुआ है तो इंजन जो है इसके बाद आया एनालिटिकल इंजन इसकी तारीख़ नहीं है कोई किताब इसकी तारीख़ 1833 बताती है कोई किताब इसकी तारीख़ 1844 बताती है कोई किताब इसकी तारीख़ 1832 बताती हैं अलग अलग किताब अलग अलग तारीख बताती हैं तो इसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कर दिया और एनालिटिकल इंजन ही था जिसने क्या काम किया कुड परफॉर्म ऑल द फोर अर्थमेटिक ऑपरेशंस चारों के चार तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था जोड़ कर सकता था घटा कर, कर सकता था गुणा कर सकता था भाग कर सकता था और साथ की साथ कंपैरिजन भी कर सकता था यानी कि तुलना भी कर सकता था भाई किस चीज़ की तुलना कर सकता था कोई अक्सर किसी अक्सर से छोटा है बड़ा है बराबर है बराबर नहीं है ये चीज़ भी शामिल कर दी इस चीज़ के प्लस में ये चीज़ें शामिल कर दी भाई किसने एनालिटिकल इंजन में किसने कर दी ये ये चार्लस बेवेज ने कर दी भाई किसने कर दी चार्लस बैवेज में कर दी और चार्लस बैवेज ने जब ये चीज़ें की तो यहीं से क्या हुआ यहाँ से ही चार्ल्स वेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए और ये जो एनालिटिकल इंजन था क्या था एनालिटिकल इंजन ये बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा गया बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इसे कहा गया बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा गया वहीं से और यहीं से चार्ल्स वेबेज क्या बना फादर ऑफ़ कंप्यूटर बना भाई यहीं से चार्लस बैवेज क्या बना फादर ऑफ कंप्यूटर बना भाई फादर ऑफ कंप्यूटर बना यहीं से चार्लस बैवेज ठीक है क्लियर हुई बात सभी को हाँ अगर ये पूछा जाए कि ब्लू प्रिंट मॉडर्न कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट कौन सा कंप्यूटर है तो एनालिटिकल इंजन जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट है ठीक है ना बेसिक कंप्यूटर भी बेसिक बेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है इसके बाद तो लाइन लगी कंप्यूटर बनाने वालों की जना जना ने मतलब कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया मेरे जैसा आया एक मार्क वन बनाया भाई इसने मार्क वन बनाया होवर्ड एक्न ने बनाया था यू आई के साथ मिलकर 1940 सौ ईस्वी में आई के साथ मिलकर होवर्ड एक्कीन ने बनाया मार्क वन का नाम तो था कंप्यूटर था इलेक्ट्रो मैकेनिकल हुआ करता था ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था और इस कंप्यूटर में स्पीड फास्ट होगी पाँच सेकंड में दो दस अंकों की संख्याओं की गुणा कर सकता था यू पाँच सेकंड में दो दस अंकों की गुणाएँ कर सकता था भाई क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक की बातें है क्लियर हैं सभी को ये इतिहास था कंप्यूटर का मार्क वन कंप्यूटर ऐसा ऐसा होता था ये जनरेशन से पहले का क्या था इतिहास था एक लास्ट कंप्यूटर इसके अंदर बचा है एबीसी क्योंकि अब तो बहुत सारे कंप्यूटर आ गए थे फिर तो जनरेशन शुरू हो गई क्या हो गई जनरेशन शुरू हो गई एबीसी कंप्यूटर आ गया द अटन सॉफ़ बैरी कंप्यूटर अटन सॉफ़ साइंटिस्ट का नाम है बैरी जो है इसका सहायक होता था असिस्टेंट होता था बैरी क्या होता था इसका असिस्टेंट होता था असिस्टेंट था भाई असिस्टेंट रखा था बैरी इसमें इस पैंतालीस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था इस इस समय ए बी सी कंप्यूटर के अंदर पैंतालीस वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने में ये सक्षम था भाई वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था ठीक है क्लियर बात सभी को तो यहां तक जो है अभी तक कंप्यूटर का इतिहास चल रहा था अब कंप्यूटर की जनरेशन आ जाएंगे अब क्या आ जाएंगी जनरेशन आ जाएंगी भाई ठीक है ना कंप्यूटर की जनरेशन यानी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर की क्या होंगी जनरेशन होंगी यानी कि अब तो अब तो डिवाइसेस के हिसाब से हम जनरेशन पढ़ेंगे भाई हालांकि जनरेशन जो है वो किस प्रकार से होती थी जो जनरेशन होती थी वो यू नहीं बनाया गया था कि कोई कहता कि दस दस साल का गैप था एक जनरेशन के अंदर जी एक एक जनरेशन दस दस साल की थी भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दस दस साल का गैप था एक जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी के हिसाब से जनरेशन बनी है किसके हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से जनरेशन बनी है ध्यान रखना इस बात का टेक्नोलॉजी कुछ थी फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई तो जनरेशन बदल गई फिर तीसरी टेक्नोलॉजी आ गई तो जनरेशन बदल गई फिर चौथी टेक्नोलॉजी आ गई तो जनरेशन बदल गई और अभी तक पाँचवीं जनरेशन चल रही है कुल पाँच जनरेशन है कंप्यूटर की कुल कितनी जनरेशन है पाँच जनरेशन है कंप्यूटर की कुल कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की कुल पांच जनरेशन अभी कौन सी जनरेशन चल रही है फिफ्थ चल रही है तो फिफ्थ में तो भाई दस साल ऊपर हो क्यों नहीं बदली पांचवी जनरेशन में तो दस साल से भी ऊपर हो चुके क्यों नहीं बदली अभी तक भाई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो बदलेंगे उसी टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है ना तो इसलिए नहीं बदली तो चलिए फर्स्ट जनरेशन 1942 टू और भाई पहली जनरेशन ऐसा कहा जाता है कि उन्नीस से लेकर उन्नीस तक हुई थी ऐसी ऐसी वैकम ट्यूब का उसके अंदर प्रयोग हुआ था वैकम ट्यूब को बनाने वाले जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने ये बनाई थी और एच एस एस सी इसका क्या क्वेश्चन पूछती है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछती है एक ग्लास डिवाइस होती है ये क्या होती है एक ग्लास डिवाइस होती है जो क्या करती है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल व एम्प्लीफाई करती है क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल व एम्प्लीफाई करती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करती है कंट्रोल व एम्प्लीफाई करती है ठीक है ना कौन सी कौन सी करती है कंट्रोल एम्पलीफाई ये ग्लास डिवाइस करती है इस ग्लास डिवाइस का नाम क्या है इसका नाम है वैक्यूम ट्यूब क्या है वैक्यूम ट्यूब है सर स्पीड इंक्रीज करो भाई इस तरह तो ऊपर मेरी स्पीड नहीं है अस्सी की स्पीड है यार और अस्सी की स्पीड तो ऊपर इस मीटर में कोई मतलब संख्या नहीं लिख रखी है इसलिए दोबारा दोबारा स्पीड के लिए ना कहें रेस पे जो पैर है वो कितने दर लो अस्सी तो ऊपर नहीं जाना मतलब जो अपना बाइक का मीटर है उसमें अस्सी की स्पीड है और ये फुल स्पीड पर चल रही है क्लास बस ठीक है तो इस ये मशीन जो थी इसमें भाषा जो थी भाषा इसमें भाषा कैसी थी मशीन भाषा थी जो कि पोर्टेबल नहीं थी क्या नहीं थी पोर्टेबल नहीं थी भाई ठीक है ना मशीन भाषा पोर्टेबल नहीं थी डिपेंडेंट भाषा थी कैसी भाषा थी डिपेंडेंट भाषा थी मशीन पर निर्भर भाषा थी और डेटा स्टोरेज के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा था पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था किसका पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था भाई ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं ये तो फर्स्ट जनरेशन थी कौन सी जनरेशन थी फर्स्ट जनरेशन और पहली जनरेशन के कंप्यूटरों का एग्जाम्पल क्या है पहली जनरेशन के कंप्यूटरों का एग्जाम्पल क्या है ई एन आई ए सी ई डी वी ए सी ई डी एस ए सी यू एन आई वी सी पहली जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जैंपल हो सकता है भाई आपने कंप्यूटर पहले पढ़ रखा हो लेकिन ये क्लास उनके लिए भी है जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं सभी को लेकर के चल रहा हूँ अगर आप मतलब थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी तो देखो ई एन आई ए सी ई डी बी एस सी ई डी एस एस सी यू एन आई बी एस सी ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं तो पहली जनरेशन का ई एन आई ए सी जो है इस प्रकार का होता था ई एन आई ए सी बात समझ में आई और ई एन आई सी के बारे में क्या खास बात है ये कह रहा है कि पहला डिजिटल कंप्यूटर है और पहला क्या है पहला जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है और क्या है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है तीनों अगर तीनों के बारे में पूछा जाए तो तीनों के तीन ई एन आई ए सी है भाई क्या है एन आई ए सी है और ई एन आई ए सी क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर लेकिन इस कैलकुलेटर के स्थान पर आजकल यहां पर क्या लिखा जाता है कंप्यूटर लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सॉरी नॉट कैलकुलेटर ठीक है क्लियर हुई बात सभी को जय हिंद भाई सभी को तो फिर आ जाती है सेकेंड जनरेशन इसमें एक चीज रह जाती है इसमें रह जाता है ईडी क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भाई ऑटोमैटिक कंप्यूटर अब डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है जल्दी से कमेंट करके बताओ डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है कमेंट करके बताओ फटाफट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूएनआईवी सी क्या होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर तो डी का डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है डिस्क्रीट डिस्क्रीट का मतलब होता है जीरो वन डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है डिस्क्रीट का मतलब होता है जीरो वन ठीक है ना तो इनमें से सबसे पहला बिजनेस परपज बिजनेस आधारित कंप्यूटर कौन सा था बिजनेस परपज बिजनेस परपज बिजनेस परपज कंप्यूटर बिजनेस परपज कंप्यूटर था डिजिटल कंप्यूटर था कैसा कंप्यूटर था ये ये था आपका डिजिटल कंप्यूटर क्या था ये डिजिटल कंप्यूटर हुआ करता था भाई क्लियर होगी बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ दूसरी जनरेशन आई मैंने पहले ही कहा था कि दूसरी जनरेशन क्यों आएगी क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी बदल गई और टेक्नोलॉजी क्या आई वैक्यूम ट्यूब को बदल कर ट्रांजिस्टर ले आए भाई क्या ले आए ट्रांजिस्टर ले आए ट्रांजिस्टर, ले आए। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जॉन बार्डिन ने ठीक है ना किसने किया था जॉन बार्डिन और विलियम शोकले ने किया था भाई पोर्ट इसमें भाषा जो थी वो कैसी थी असेंबली भाषा होती थी कैसी भाषा होती थी असेंबली भाषा होती थी असेंबली भाषा में निमोनिक कोड का प्रयोग होता था किस चीज़ का प्रयोग होता था निमोनिक कोड का प्रयोग होता था पोर्टेबल नहीं थी ये भाषा और कंप्यूटर का जो टाइप था वो एनालॉग था क्या था किस प्रकार के कंप्यूटर हुआ करते थे एनालॉग कंप्यूटर हुआ करते थे भाई क्लियर होगी बात सभी को हाँ जी तो सेकंड जनरेशन में नए विकास क्या क्या हुए ट्रांजिस्टर आ गया इसके अंदर बिल्कुल सही बात है चुंबकीय कोर आ गई मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई इसके अंदर चुंबकीय डिस्क इसके अंदर आ गई मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी इसके अंदर आ गई जो जिसमें स्टोरेज किया जा सकता था कंप्यूटर और शक्तिशाली बन गए विश्वसनीय बन गए ये बात तो कॉमन है चलिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है हनी वाल चार सौ आई बी और सी डी सी ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे कौन से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर इसके बाद आई अपने पास थर्ड जनरेशन कौन सी जनरेशन आई इसके बाद अपनी तीसरी जनरेशन टेक्नोलॉजी बदल गई क्या टेक्नोलॉजी आई आई सी बनाया किसने आई सी को जैक क्लेयर किलबी ने जैक क्लेयर किलबी ने आई सी को बनाया और ये आई सी जो है दो फॉर्मेट में आई कौन से कौन से फॉर्मेट में आई एस एस आई सी और एम एस आई सी एस एस आई सी की फुल फॉर्म क्या है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एस एस आई की फुल फॉर्म क्या, क्या है कमेंट करके बताओ एक बार एस एस आई और एम एस आई की फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके जल्दी क्या फुल फॉर्म होती है फटाफट लाइक लुइक वाला मामला आप संभालते रहना भाई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होती है इसकी फुल फॉर्म और एम एस आई सी की होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन क्या होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होती है इंटीग्रेटेड मत कह देना क्योंकि इंटीग्रेटेड तो आई सी के साथ लगेगा इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है ना और इसमें पूछा था कितने ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है एस एस आई सी में दस ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है एम एस आई सी में सौ ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है ठीक है ना अब यहाँ आ जाइए यहाँ कह रहा है कि भाषा कौन सी थी एच एल एल थी क्या थी एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी एच एल एल और इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी थ्री एल थ्री एल कौन सी लैंग्वेज है थ्री एल का मतलब होता है एल 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 की फुल फॉर्म बताओ थ्री एल की फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके जल्दी थ्री एल की फुल फॉर्म क्या होती है और इसमें जो भाषा थी जैसे उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो जैसे कि आपकी बेसिक थी क्या थी जैसे कि आपकी बेसिक भाषा सी भाषा पास्कल भाषा और आपकी फोरटान भाषा कौन सी भाषा फोरट्रान भाषा है ये भाषाएं हुआ करती थी इस जनरेशन के अंदर जनरेशन कौन सी है तीसरी जनरेशन है एल 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 का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है लो लेवल लैंग्वेज एल 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 का क्या मतलब है लो लेवल की लैंग्वेज हुआ करती थी लो लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी इनमें कौन सी कौन सी आ गई लो लेवल लैंग्वेज में एक तो आ गई भाई आपकी असेंबली और एक आ गई मशीन भाषा दोनों ही एल 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 हुआ करती थी असेंबली भाषा और मशीन भाषा दोनों ही एल 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 हुआ करती थी ठीक है ना चलिए भाई इसके बाद फिर से फिर से टेक्नोलॉजी बदल गई और क्या टेक्नोलॉजी आई वी एल एस आई कौन सी टेक्नोलॉजी आई वी एल एस आई आई तो एल एस आई कौन सी जनरेशन में था कमेंट करके बता दो फटाफट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन के अंदर था बता दो जल्दी कमेंट करके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो तकनीक थी ये कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर थी चुपके से बता दो फटाफट कमेंट करके लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जी नमस्कार भाई बंसी तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी उन्होंने नहीं बनाई थी बस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बढ़ गई थी ठीक है ना यहाँ कौन सी भाषाएं आ गई नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आ गई इसका मतलब है इससे पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज हुआ करती थी बिल्कुल सही बात है यानी कि तीसरी जनरेशन की भाषाएं प्रोसीजरल थी लेकिन यहाँ पर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आ गई कौन सी लैंग्वेज आ गई नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आ गई आपका बिल्कुल सही उत्तर है एल आस आई फोर्थ जनरेशन में आया था एल एस आई कौन सी जनरेशन में आया था फोर्थ जनरेशन के अंदर ही एल एस आई आया था ठीक है यानी कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्वेरी बेस्ड भाषाएं आ गई कौन सी भाषाएं आ गई क्यूरी बेस्ड भाषा आ गई भाई क्यूरी बेस्ड भाषा आ गई क्यूरी क्यूरी क्या होता है क्यूरी होता है क्वेश्चन क्यूरी क्या होता है क्वेश्चन बेस्ड भाषा आ गई भाई क्या आ गई क्वेश्चन बेस्ड भाषा आ गई जैसे कि एस क्यू एल अरे एस क्यू एल की फुलफॉर्म बताना भाई एस क्यू एल एस क्यू एल की फुल फॉर्म बता दो जल्दी और ये भाषाएं क्या थी पोर्टेबल थी पोर्टेबल का क्या मतलब होता है तीसरी जनरेशन से पहले भाषाएं पोर्टेबल नहीं थी पोर्टेबल का क्या मतलब है पोर्टेबल का मतलब है एक मशीन में प्रोग्राम बनाया दूसरी मशीन में चल जाए वो तो होता है पोर्टेबल और पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन की भाषाएं जो थी वो पोर्टेबल नहीं थी पोर्टेबल का मतलब है एक मोबाइल में प्रोग्राम बनाया दूसरा में को नहीं चल रहा भाई वो पोर्टेबल नहीं थी वो पोर्टेबल नहीं थी तो ये पोर्टेबल आ गई क्यों क्योंकि जैसे फेसबुक आपके फ़ोन में नहीं बनी फेसबुक बनी तो किसी और फोन में है बनी तो किसी और कंप्यूटर में चल रही आपके फ़ोन में है तो ये फिफ्थ जनरेशन का ही तो कमाल है कह रहा कि पहले ऐसा नहीं होता था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था वो लैंग्वेज पोर्टेबल थी ही नहीं वो लैंग्वेज पोर्टेबल थी ही नहीं वो मशीन डिपेंडेंट थी तो ये मशीन इंडिपेंडेंट आ गई यानी कि मशीन पर निर्भर नहीं है ठीक है ना तो इसके अंदर जो है लगभग ये क्वेश्चन है और एस क्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है भाई स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है एप्पल टू क्रे वन एप्पल टू और क्रे वन अरे क्रे वन को तो जानते हो क्रे वन के बारे में क्या जानते हो कमेंट करके बताना क्रे वन के बारे में आप क्या जानते हो कमेंट करके बताओ फटाफट फिफ्थ जनरेशन आ गई लास्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन एंड लास्ट जनरेशन इसके अंदर आ गया यू क्या आ गया अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड नहीं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट किसकी फुल फॉर्म है यू एल एस आई सी की फुल फॉर्म बनेगी और अकेला आई दे रखा तो इसका मतलब इंटीग्रेशन बनेगा क्या बनेगा इंटीग्रेशन बनेगा अगर अकेला आई दे रखा हो तो आई सी देखा तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनेगा बिल्कुल सही बात है क्रेवन वन के बारे में आपका बिल्कुल सही जवाब है इसी बात पर आपको मिलते हैं छः लाख सात हज़ार छः सौ छिहत्तर करोड़ रुपये वो भी बोर्ड पे लिख के मिलेंगे चलो लिखना मुझे आता नहीं देखो मिल जाएंगे आपको भाषा कौन सी आ गई भाषा इसमें मरकरी भाषा आ गई जो कि पोर्टेबल है पोर्टेबल का मतलब आपको मैंने समझा दिया एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना पोर्टेबल होता है ओपीएस फाइव भाषा आ गई इसके अंदर प्रोलोग भाषा आ गई फीचर आगे कौन से ए आई का फीचर आ गया ए आई क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या होता है ए आई का फीचर ए आई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता का नाम बताना हु इज द बाबू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता का नाम बताओ जल्दी बताओ फटाफट बताओ फटाफट आने दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता का क्या नाम है और यहाँ पे कंप्यूटर हाइब्रिड बन गए भाई क्या बन गए हाई कंप्यूटर बन गए हाई हाइब्रिड कंप्यूटर बन गए क्या बन गए हाइब्रिड कंप्यूटर बन गए भाई हाँ जी जीरो बैलेंस के अकाउंट में पंद्रह पंद्रह लाख रुपए जल्द ही आपको मिल जाएंगे बिल्कुल सही बात है भाई एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही आंसर जॉन मैकार जॉन वॉन न्यूमन नहीं भाई जॉन वॉन न्यूमन नहीं गलती मत करो बिल्कुल बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई जॉन मैकार कौन थे जॉन मैकार भाई जॉन मैकार जो किसके पिता थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता थे भाई ठीक है ना जॉन मैकार ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जनरेशन ख़त्म होती है और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल ड्यूअल कोर क्वेड कोर परम एक दस हज़ार आई बी एम एस पी टू ये सारे के सारे क्या हैं आपके पाँचवीं जनरेशन के कंप्यूटर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर है भाई ये पाँचवीं जनरेशन के कंप्यूटर है ये ठीक है ना हाँ जी बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो जनरेशन तक हमने कितनी देर में कंप्लीट कर लिया एक बार बताना कमेंट करके बता दो यानी कि हम स्पीड से चल रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम स्पीड से चल रहे हैं बिल्कुल सही स्पीड से चल रहे हैं कि एक घंटे में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री और जनरेशन कंप्लीट कर ली है ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को तो अभी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार का है कंप्यूटर आपका कितने प्रकार का है भाई ये पढ़ेंगे तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले हम कंप्यूटर जो है तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार सॉरी दो प्रकार से कई प्रकार का होता है एक तो होता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ अगर मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं भाई कोई कुछ कमेंट में पूछे तो आप अगर बता सकते तो आप भी बता दिया अगर मेरे से स्किप हो जाए तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर नंबर दो ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज स्पीड और साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है स्पीड और साइज़ के हिसाब से कंप्यूटर और आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर कितने कितने प्रकार का होता है ठीक है ना चलिए भाई तो कितने कितने प्रकार का होता है सबसे पहले आंकड़े दिखाने के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर होता है और एनालॉग का जो सिग्नल होता है कंप्यूटर का वो यही होता है जो आपका सीटी वाली क्लास में बताया था मैंने ठीक है ना तो ये एनालॉग का सिग्नल होता है ठीक है एनालॉग कंप्यूटर का सिग्नल होता है ठीक है देखो एक एनालॉग कंप्यूटर भौतिक घटना जैसे कि यांत्रिक गति पर यानी कि मैकेनिकल मोशन पर विद्युत मात्रा के लगातार परिवर्तन करंट में लगातार परिवर्तन के पहलुओं पर काम करता है कौन एनालॉग कंप्यूटर ठीक है ना एनालॉग कंप्यूटर काम करता है भाई ठीक है क्लियर हुई बात सभी को और जैसे कि यह पारे में लगातार सत्र में परिवर्तन को मापता है जैसे कि क्या बोलते हैं उसको थर्मामीटर है जैसे कि आपका क्या है थर्मामीटर है एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है किस चीज का उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है चलिए यह एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है चाहे वो स्पीडोमीटर हो स्पीडोमीटर हो चाहे वो ईसीजी वाली मशीन हो चाहे आपका वोल्टेज हो ये कौन से कंप्यूटर के एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है सर जो आप मैराथन कंप्यूटर की ले रहे हो वो सीटी के लिए सफिशियंट है का? भाई सीटी के लिए तो ले रहे हो यार सुमित टाइटल भी लिख रखे है भाई भाई सी टी हत लिख रखे टाइटल जैदा लिख रखे है यार इतनी कॉपी पेस्ट क्यों कराए है चलो देखो इसके बाद आ गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर आ गया डिजिटल का ज़माना आ गया भाई फोर जी का ज़माना नहीं फोर जी का ज़माना ठीक है डिजिटल कंप्यूटर का ज़माना आ गया किसका ज़माना आ गया फोर जी का नमस्कार सर जी जी सर नमस्कार एच एस एस सी किंग अशोक कुमार जी नमस्कार जय हिंद राम राम स्वागत है आपका हमारी लाइव क्लास में हमारी तो क्या आपकी अपनी लाइव क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये सर जो है बच्चों की इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि कहने सुनने से परे है तो मैं इनके मैसेज जो है स्टूडेंट तक शेयर करता रहता हूँ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ बहुत बहुत ही ज़्यादा टूट के हेल्प करते हैं बच्चों की चाहे वो प्रीवियस ईयर शेयर करने के मामले में हो चाहे जो भी अच्छी क्लास शेयर करने के मामले हो जबरदस्त तरीके से जी स्वागत है अशोक जी आपका और मैं बच्चों से भी उम्मीद करूँगा कि सर का स्वागत करेंगे भाई तो कंप्यूटर में जो है जहां जीरो और वन की बात आती है कहां जहां किस चीज़ की बात आएगी डिस्क्रीट की बात आएगी अभी बताया था मैंने डिस्क्रीट वाला मामला डिस्क्रीट की बात आएगी तो जीरो वन की बात आएगी और जीरो वन की बात आएगी तो डिजिटल की बात आएगी किस चीज़ की बात आएगी डिजिटल की बात आएगी अगर जीरो वन की बात आएगी तो ठीक है ना इसमें द्वि मूल्य के माध्यम से दर्शाया जाता है यानी कि जीरो वन जीरो वन के माध्यम से डेटा दर्शाया जाता है डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है बिल्कुल सही बात है भाई ठीक है ना और बड़ी मात्रा में डेटा के लिए काफ़ी उपयुक्त है ये बड़ी मात्रा में डेटा के लिए क्या है काफ़ी उपयुक्त है इसमें जो है साइंटिफिक एप्लीकेशन वगैरह चल सकती हैं कौन से वाले में डिजिटल की बात कर रहा हूँ साइंटिफिक एप्लीकेशन वगैरह इसी में चल सकती हैं ठीक है ना तो यहाँ ये डिजिटल कंप्यूटर है कौन सा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर है जो लैपटॉप है वो क्या है कौन सा कंप्यूटर है बताओ कमेंट करके एनालॉग है या डिजिटल है एनालॉग है या डिजिटल है जो लैपटॉप आप यूज़ करते हो घर पे वो एनालॉग है या डिजिटल है चेक करके आना एक बार उसमें पानी वगैरह डाल के देख लेना पता चल जाएगा एना लोग है डिजिटल है उसमें पानी वगैरह तेल वगैरह सरसों का तेल उसमें अच्छे से डाल के देख लेना या फिर मटिया तेल ग्रा कहीं कर मिट्टी का तेल अरेण में कह रहे मटिया तेल मटिया तेल वगैरह गेड़ कर उसमें एक बार चेक कर लियो वो है के डिजिटल है पेरा पर्चा है ना हाँ हाँ रफली नोट करते रहा करें बिल्कुल सही बात है कॉपी पेन लेकर ये चीज़ें जो है रफली नोट करते रहा करें वो डिजिटल कंप्यूटर है बिल्कुल सही बात है वो कौन सा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर है भाइयों तो ये होता है डिजिटल जो इस तरीके से आंकड़े दिखाए वो डिजिटल है आजकल थर्मामीटर भी डिजिटल आ रहे हैं आजकल जो ये थर्मामीटर हैं है ये बुखार मापने वाले ये भी डिजिटल हैं ये भी आंकड़ों में दिखाते हैं पहले पारे में मापते थे यूं यूं करके देखता रहता डॉक्टर हम पे हमें पता नहीं चलता था कितना कितना बुखार है आजकल तो हम खुद चेक कर सकते हैं घर पे ले आओ इसको थोड़ी देर जो है दबाओ और चेक कर लो कि हाँ कितना होता है ठीक है ना कितना हो गया ठीक है हाँ जी बिल्कुल ये डिजिटल का ज़माना आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आ गया आगे आ गया, गया, गया हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में एच एस ने जो क्वेश्चन पूछा है एक बार क्वेश्चन कमेंट करके बता दो दो क्वेश्चन 2018 में और 2021 में एक क्वेश्चन 2018 का है एक क्वेश्चन 2021 का है तो दोनों के दोनों बता दो कमेंट करके एच एस ने कौन से कौन से पूछे जल्दी बताओ कमेंट करके फटाफट ये देखो एच एस एस सी किंग अशोक कुमार जी ने एक क्वेश्चन बता दिया जीके का मिट्टी का तेल बैन करने वाला पहला राज्य है यूटी दिल्ली है भाई

बता दो एच एस एस सी ने दो हज़ार अठारह में हाइब्रिड का कौन सा क्वेश्चन पूछा था और दो हज़ार इक्कीस में कौन सा क्वेश्चन पूछा था बताइए जल्दी कह रहा कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की तकनीक होती हैं होता क्या है एक्चुअल में एनालॉग जो कंप्यूटर होता है आपका कौन सा कंप्यूटर एनालॉग जो होता है उसमें तो होती है आपकी प्यारे बच्चों स्पीड होती है क्या होती है स्पीड होती है और जो डिजिटल होता है उसकी स्पीड इतनी नहीं होती लेकिन इसे एक्यूरेसी के नाम से जाना जाता है किस नाम से एक्यूरेसी के मामले में जाना जाता है एक्यूरेसी क्या होता है सत्यता यानी कि सही रिजल्ट के नाम से जाना जाता है और उसे स्पीड के नाम से जाना जाता है हाइब्रिड बना दिया अशोक सर जैसे ने दोनों को मिला दिया इंजीनियर थे भाई बहुत बड़े बड़े दोनों को मिला दिया कह रहा कि एक इसकी स्पीड ले लो इसकी एक्यूरेसी ले लो डिसएडवांटेज छोड़ दो तो दोनों को मिला दिया भाई तो कौन सा बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया ये क्या काम करता है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हवाई यातायात क्या बात है और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने में किया जाता है ये एक क्वेश्चन एच का दूसरा क्वेश्चन एच का कि कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को दर्शाने वाला कंप्यूटर कौन सा है क्या था दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को दर्शाने वाला कंप्यूटर कौन सा है सिमुलेशन को दर्शाने वाला कंप्यूटर कौन सा है कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन को दर्शाने वाला कंप्यूटर कौन सा है तो वो हाइब्रिड है कौन सा है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है भाई क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर है बात समझ में इस भी को हाँ जी हाइब्रिड है तो ये भी हाइब्रिड है जो राष्ट्रीय रक्षा और रडार को या फिर हवाई यातायात को दिखाएगा और ये भी हाइब्रिड है तो ये थे टाइप क्या थे टाइप ये हाइब्रिड कंप्यूटर है जो आईसीयू में यूज़ किया जाता है पेट्रोल पंप पे यूज़ किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर है कौन सा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर है भाई ये एग्जांपल है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के आगे बढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज़ भी आ जाते हैं कि ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज़ कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है यानी कि स्पीड के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से मापते तो कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है तो माइक्रो होता है मिनी होता है मेन फ्रेम होता है और सुपर होता है ये चार प्रकार का होता है इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है बताना एक बार कमेंट करके इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है हां जी टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी है डोंट वरी चिंता मत करो टॉपिक तो वाइज एमसीक्यू भी हैं लेकिन एमसीक्यू आपको मैंने आपको मैंने जोड़ कर दिए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस ख़त्म होंगी तो हम स्टोरेज यूनिट से पहले स्टोरेज यूनिट से पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ठीक है ना तो सबसे छोटा माइक्रो होता है बिल्कुल सही बात है ये इस तरीके से होते हैं यानी कि सबसे छोटा माइक्रो उससे बड़ा मिनी उससे बड़ा मेन फ्रेम सबसे बड़ा सुपर ठीक है ना एच एस एस सी ने यहाँ कन्फ्यूज़ कर दिया आप लोगों को क्या कन्फ्यूज़ कर दिया सबको कन्फ्यूज़ कर दिया एच सी ने एच सी ने कहा बड़ा कंप्यूटर होता है उसमें बड़ा कंप्यूटर होता है उसमें स्टोरेज ज़्यादा होती है प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होती है वो कौन सा कंप्यूटर है प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होती है वो कौन सा कंप्यूटर है एच सी ने सीधा पूछ लिया बड़ा कंप्यूटर होता है स्टोरेज ज़्यादा होता है प्रोसेसिंग क्षमता ज़्यादा होती है वो कंप्यूटर कौन सा है तो कौन सा है माइक्रो है मिनी है मेन फ्रेम है या सुपर है कौन सा है बताइए कौन सा है अरे आप लोग तो बता दो आप लोगों को तो मैंने बता रखा है पढ़ा रखा है समझा रखा है बताइए जल्दी क्या होता है मैंने, मैंने कहा बड़ा कंप्यूटर होता मैंने ये नहीं कहा सबसे बड़ा होता है मैंने कहा बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें प्रोसेसिंग पावर हाई होती है वो कौन सा कंप्यूटर है मैंने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है मैंने ये तो कहा ही नहीं मैंने कहा बड़ा कंप्यूटर होता है मैंने क्या कहा कि बड़ा कंप्यूटर होता है सबसे ज़्यादा सबसे नहीं कहा मैंने कहा हाई स्पीड होती है तो वो कौन सा होता है तो वो मेन फ्रेम होता है कौन सा होता है वो मेन फ्रेम होता है कौन सा होता है मेन फ्रेम होता है समझ में आई समझ गए सभी को और ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है ये सबसे बड़ा है सबसे सुपर पावर है ठीक है ना क्या है सुपर पावर सुपर कंप्यूटर है चलिए आगे बढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका शब्द एकल चिप बड़े पैमाने पर एकीकृत एक सर्किट यानी कि आई एल एस आई सी के आगमन के साथ पेश किया गया यानी कि जब एल एस आई आ गया था तभी ये कंप्यूटर आ गया था माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर आ गया था माइक्रो कंप्यूटर आ गया था भाई ठीक है ना हाँ यह सबसे छोटा एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है सबसे छोटा है एकल उपयोगकर्ता ये बात नोट करने वाली है एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है इसका क्या मतलब है इसका इंग्लिश में मतलब है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये रहा सिंगल यूजर समोलेस्ट सिंगल यूजर कंप्यूटर है कैसा कंप्यूटर है सिंगल यूजर कंप्यूटर एक के व्यक्ति चलाया इसके स्थिति इस कदम गणे जुने बैठ जो इस पर एक ही व्यक्ति चला सकता है इसको ज़्यादा व्यक्ति नहीं चला सकते सुपर कंप्यूटर सॉरी माइक्रो कंप्यूटर को एक व्यक्ति चला सकता है एक समय में यानी कि ये जो टैबलेट है ये जो फ़ोन है फ़ोन चलाओगे तो एक व्यक्ति एक समय में एक ही चलाएगा ज़्यादा व्यक्ति नहीं चला सकते माइक्रो कंप्यूटर को ठीक है ना जी राम राम भाई चंडीगढ़ से ठीक है सीपी इसका जो सी होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर होता है इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है बढ़िया बात आ गई भाई इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है इसको आपसे पूछेगा पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होता है सर तो क्या सुपर कंप्यूटर आंसर गलत है एच एस निकाला भाई मैं नहीं कह रहा गलत है मैंने कह रहा गलत है सुपर कंप्यूटर भी ठीक है लेकिन एच ने गलत निकाल दिया ठीक है इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा छोटे वॉल्यूम पर डेटा की छोटी वॉल्यूम पर काम करता है एंड वेरी वर्सेटाइल यही लाइन लिखी दे रही पेपर में वेरी वर्सेटाइल कैन हैंडल वी ऑफ एप्लीकेशंस यही तो लाइन लिखी थी एच ने एच ने कहा था ये बताइए सबसे ज्यादा एप्लीकेशन चलाने वाला सबसे धीमी गति का कंप्यूटर कौन सा है तो किसी ने धीमी गति तो देखा नहीं क्या देखा सबने देखा कि ये लिखा हुआ है सबसे ज्यादा एप्लीकेशन चलाने वाला कंप्यूटर कौन सा है तो सुपर कंप्यूटर पे टिक बिना सोचे समझे सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर भाई ये तो पढ़ लो पूछा क्या है पूरी लाइन तो पढ़ लिया करो ओवर कॉन्फिडेंस मत हुआ करो क्वेश्चन को तो पढ़ लो क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना सीखो बॉलर कितना भी कमजोर हो सचिन हर बॉलर को रिस्पेक्ट देता था तो क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दिया करो पूछा क्या है पूछा यह था कि कम गति से चलने वाला ज्यादा एप्लीकेशन चलाने वाला कंप्यूटर कौन सा है तो सुपर नहीं है माइक्रो है अब सुपर करेगी सुपर जी सुपर में फेसबुक थोड़े ना चलाओगे अरे सुपर कंप्यूटर को घर पे खरीद के लेगा हो फेसबुक चलाओगे उसमें अच्छा फेसबुक चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर खरीद के ले जाओगे सात सौ करोड़ रुपए का कंप्यूटर फेसबुक चलाने वास्तता है ड़ी खरीद देना है फेसबुक चलाना है तेरे सुपर तो कंप्यूटर कौन खरीदता है ना तो देखो इसे वर्क स्टेशन इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है वर्क स्टेशन क्या होता है वर्क स्टेशन होता है पावरफुलेस्क टॉप कंप्यूटर क्या होता है पावरफुल डेस्क टॉप कंप्यूटर होता है पावरफुल डेस्क टॉप कंप्यूटर होता है वर्क स्टेशन क्या होता है वर्क स्टेशन होता है याद रखिए इस बात ना ठीक है ना वर्क स्टेशन पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण ये लैपटॉप है डेस्कटॉप है नोटपैड है पेन टैबलेट है, है फोन है ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है किस चीज़ के माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है ये माइक्रो कंप्यूटर के ठीक है ना चलिए आगे आ गया एक्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल है वही है डेस्कटॉप है लैपटॉप है हाथ में पकड़े जाने वाले कंप्यूटर है पाम टॉप है डिजिटल कंप्यूटर है डिजिटल असिस्टेंट है हैंड डिवाइस है कंप्यूटिंग और टेलीफोन फैक्स और नेटवर्किंग की सुविधाओं को जोड़ती है जो पी है क्या है पी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पहले होता था आजकल तो नहीं होता आजकल तो फ़ोन में ही रखते हो ना आजकल तो फ़ोन ही आपका असिस्टेंट है आजकल तो आपका फ़ोन ही आपका क्या है असिस्टेंट है भाई ठीक है ना तो पहला माइक्रो प्रोसेसर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला माइक्रोपोसर उन्नीस सौ सत्तर उन्नीस सौ इकहत्तर आएगा उन्नीस सौ इकहत्तर में इंटेल में फोर जीरो जीरो फोर द्वारा विकसित किया गया था किसके द्वारा टेड होफ के द्वारा बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था टेड होफ के द्वारा बनाया गया था इंटेल कंपनी का था उन्नीस सौ इकहत्तर में बनाया गया था इंटेल फोर जीरो जीरो फोर नाम था तेईसों ट्रांजिस्टर उसमें प्रयोग हुए थे कितने ट्रांजिस्टर तेईसों ट्रांजिस्टर उसमें प्रयोग हुए थे साठ हज़ार इंस्ट्रक्शन साठ हज़ार इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है उसकी स्पीड हुआ करती थी सिक्सटी थाउजेंड इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है ठीक है ना थाजेंड में हुआ करती थी आजकल तो बिलियन मिलियन में है आजकल तो मिलियन में है बिलियन में है भाई ठीक है ना पाम टॉप कौन सा था पाम होता है हथेली हथेली पर रख कर चलाने जाने वाला कंप्यूटर पाम टॉप होता है बस उसमें हथेली पे के मे अंदर ले मतलब जो कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है वो पाम टॉप है पाम टॉप पाम के ऊपर टॉप ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आ गया मिनी कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर आ गया मिनी कंप्यूटर आ गया सर जी चाय पिलो चाय पियो भाई पियो अब पियो तीन घंटे के बाद हर तीन घंटे के बाद बोला है मैंने पाँच मिनट का ब्रेक हर तीन घंटे के बाद यानी कि तीन घंटे होंगे तो पाँच मिनट का ब्रेक लेंगे तभी चाय पियेंगे भाई हर तीन घंटे के बाद पाँच मिनट का ब्रेक बोल रखा मैंने तो अब आप देखो तो ठीक है ना जो नया कोई भी जुड़ता है उसको लाइक लुइक वाला बोलते रहना आप देख लेना ठीक है ना देखो मिनी कंप्यूटर आ गया इसमें क्या हुआ एक ये कंप्यूटर एक ही मशीन पर एक साथ काम करने वाले कई उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है सपोर्ट करता है एक मशीन पर एक कंप्यूटर है इस पर बैठे कई जने। एक के कंप्यूटर पर कई जने बैठे ऐसे कैसे बैठे ऐसे बैठे एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया यानी कि ये क्या है मल्टी यूजर मल्टी यूजर है ये क्या है मल्टी यूजर कहाँ गया कहां गया कहां गया कहां गया चलो इट हंड्रेड्स ऑफ़ यूजर यूजर बैठ सकते हैं सैकड़ों यूजर बैठ सकते हैं भाई ठीक है ना सैकड़ो यूजर बैठ सकते हैं भाई क्लास कितनी देर की है जी क्लास तो जब यूट्यूब मना कर देगा ना कि भाई साहब और नहीं इतनी अपलोड होगी तब तक है क्लास तो ठीक है ना तब तक है देखो मल्टी यूज़र हंड्रेड यूज़र इसमें शामिल हो सकते हैं छोटे बिजनेस में ये यूजफुल है वेरी इस डिपार्टमेंट कई डिपार्टमेंटों में ये इंस्टॉल होता है इंटरकनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर मेनली ऑर्गेनाइजेशन में प्रयोग इसका किया जाता है जहां पर कंप्यूटर जुड़े होते हैं छोटे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंटों को छोटे छोटे डिपार्टमेंटों को आपस में जोड़ते हैं या फिर स्मॉल बिजनेस में यूज़ किया जाता है या फिर स्मॉल बिजनेस में यूज किया जाता है भाई कौन सा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की बात है कौन से कंप्यूटर की बात है मिनी कंप्यूटर की बात है भाई ये मिनी कंप्यूटर है ये मिनी कंप्यूटर है आपका छोटे 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 जोड़े जोड़ हुए इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंटों को आपस में जोड़ रखा भाई ठीक है ना हिसार से राम राम भाई इसके बाद आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका कौन सा कंप्यूटर आ गया इसके बाद आपका इसके बाद आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर ये बहुत जबरदस्त कंप्यूटर है भाई ये सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है ये ध्यान रखना ये कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर तय गैट को नहीं हो गट्टा को नहीं हूँ सुपर कंप्यूटर जैसा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर हालांकि सुपर कंप्यूटर नहीं है ये बात सही है शक्तिशाली बहुदेशीय है बहुदेशीय भी है यू बहुदेशीय कंप्यूटर जो है एक साथ कई सैकड़ों हज़ारों उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है हज़ारों यूज़र इस पर एक साथ बैठ सकते हैं भाई हज़ारों यूज़र बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है उच्च मेमोरी क्षमता होती है बड़े संगठन जैसे कि बैंकों में उद्योगों में आदि के लिए उपयोग होता है बड़े डेटाबेस की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लेते हैं जहाँ बहुत बड़े डेटाबेस की जरूरत पड़ती है वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम में लिया जाता है ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है भाई ये क्या आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है इस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर है आपका ठीक है हाँ एज ए सर्वर यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का बिल्कुल सही बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आ गया सुपर सुपर सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर आ गया अब क्या आ गया सुपर यानी कि सबसे ऊपर सबसे तेज सबसे महंगे कंप्यूटर हैं स्पीड जो मापी जाती है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड बीआईपीएस स्पीड जो मापी जाती है बी आई पी एस इसका मतलब ये भी है जी आई पी एस क्यों है इसका मतलब क्योंकि जी का मतलब है गेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड क्या मतलब है गेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और गेगा का मतलब क्या होता है आपको बताया था गेगा का मतलब होता है बिलियन गेगा का मतलब क्या होता है बिलियन और मेगा का मतलब क्या होता है मिलियन तो बी आई पी एस में इसकी स्पीड जो है मापी जाती है एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है मल्टी प्रोसेसर भी हो सकता है ये वेपन रिसर्च में ये काम आता है भाई किस में काम आ वेपन रिसर्च में काम आवा है और रोकेटिंग साइंस में काम आवा है अटोमिक एनर्जी में काम आवा है और इसकी जो स्पीड है वो फ्लोप्स में भी मापी जाती है फ्लोप्स का मतलब क्या है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोप का मतलब क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है अरे ये क्या हुआ अच्छा चलो कोई बात नहीं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोप्स का मतलब क्या होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड भाई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका मतलब होता है बात समझ में इस सभी को क्लियर हुई बात है बिल्कुल सही बात है और पैटा फ्लोब में भी इसकी स्पीड मापी जाती है पैटा का मतलब क्या होता है दस की शक्ति पंद्रह पैटा का मतलब क्या होता है दस की शक्ति पंद्रह इतनी स्पीड है भाई इतनी स्पीड है इसकी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर ये है जो पहले ही दिखा रखा है टाटा सन के द्वारा ई e के ए कंप्यूटर ई e के ए सुपर कंप्यूटर है ई के ए जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा देश का बताइए एक बार कमेंट करके रेलवे स्टेशन पर मेन फ्रेम होता है भाई ई के ए सुपर कंप्यूटर कौन से देश का है बताओ जल्दी बताओ हाँ सिमुर करे बिल्कुल सही बात है वो तो सिमूर करे हैं बिल्कुल राइट आंसर वो तो सिमूर करे ही है ई के ए कौन से देश का सुपर कंप्यूटर है बताओ जल्दी हाँ मिसाइलों में है बिल्कुल सही बात है दरवाजे से इंजिन हो गए तो, तो हाँ गए भाई <laughs> आंखों के सामने होते हुए भी धोखा खा जाते हो कई बार है ना आंखों के सामने होते हुए भी ये लिखा इंडियन सुपर कंप्यूटर और ये लिखा ई के ए इंडियन सुपर कंप्यूटर ई के ए ठेके? इंडियन सुपर कंप्यूटर ई के ए के ए जो भारत का सुपर कंप्यूटर है किसका है भारत का सुपर कंप्यूटर है चलिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ फैक्ट हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या फैक्ट हैं कह रहा कि सीमूर मे सीमूर करे को जो है सुपर कंप्यूटर का पिता यानी कि बाबू कहा जाता है सीमूर मे के द्वारा डिजाइन किया गया सी डी सी छियासठ सो उन्नीस सौ चौंसठ में बन गया था सी डी सी छियासठ सौ बन गया था उन्नीस सौ चौंसठ में क्या बन गया था उन्नीस सौ चौसठ में और वेक्टर प्रोसेसिंग डिजाइन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला एक पहला सुपर कंप्यूटर बना सी क्रे के नाम से यानी कि सी क्रे ने बनाया क्रे वन बन। ये भी सीमुर क्रे ने बनाया था सी डी सी छियासठ सो बीच में छोड़ के बैठ गया कंपनी पीछे को दिए होंगे अरे पैसे पूरे नहीं दिए बीच में कंपनी छोड़ के चला गया सीमूर। सी मुर सी डी सी छियासठ न दूरा छोड़ गया बोले था मैं करके दिखाइए पूरा बनाइए सुपर कंप्यूटर कुकर बनाओगे और खुद की जाके कंपनी खोल ली और खुद की कंपनी में बनाया करे वन कौन सा बनाया करे वन पहले वाला तो ज्यादा पावरफुल बना दिया करे वन इसलिए कई बार तो आता है कि पहला सुपर कंप्यूटर सी डी सी छियासठ है कई बार आता है कि पहला सुपर कंप्यूटर करे वन है अलग अलग आता है तो क्रेवन वन जो है वो सुपर कंप्यूटर भारत का सॉरी विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे वन ठीक है ना क्या है क्रे वन है भाई क्लियर है बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड फोगाकू जापान का समिट यूएस का आजकल तो फ्रंटियर है आजकल क्या है फ्रंटियर है भाई फ्रंटियर फ्रंटियर जो है ये सुपर कंप्यूटर है सबसे फास्ट लेकिन उसके बाद फुगाकू उसके बाद समिट समिट जो है यूएस का है ये समिट को यहाँ शिखर सम्मेलन लिख गया शिखर सम्मेलन नहीं है ये ये शिखर सम्मेलन नहीं है चलिए एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर के कुछ ई के ए जो भारत में टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया था 2007 में 2007 के अनुसार ये एशिया का पहला और पूरे संसार का आठवां सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हुआ करता था जून 2000 की रिपोर्ट के अनुसार और क्रे थ्री जो है ये भी सुपर कंप्यूटर है एस एक्स थ्री आर ये भी सुपर कंप्यूटर है हाईटेक एस थ्री हंड्रेड ये भी सुपर कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जैंपल हैं ये सुपर कंप्यूटर के कुछ क्या हैं एग्जैंपल हैं चलिए इसके बाद आता है इंटरकनेक्शन बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो आपस में कैसे बात करते हैं वो आपस में कैसे बात करते हैं कैसे बात करते हैं इंटरकनेक्शन बिटवीन द फंक्शनल कंप्यूटर ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी डन इन मैनी कई तरीकों से होता है माइक्रो कंप्यूटर जनरली सी ए कॉमन बस आर्किटेक्चर ले भाई मेन बात तो यह है बस आर्किटेक्चर देखा जाता है माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर में क्या मिलता है बस आर्किटेक्चर मिलता है भाई ठीक है ना बस आर्किटेक्चर तो बस आर्किटेक्चर से बात समझ ही गए होंगे आप लोग कि बस क्या होती है बस जो होती है यू क्वेश्चन न्यू का न्यू एच एस एस सी ने पूछा हुआ है कि बस जो है एक ट्रांसमिशन पाथ होती है या सेट ऑफ कंडक्टिंग वायर होता है जिसके ऊपर डेटा और इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्मेट में जिस पर को डेटा जावा है उसकी बस कया जावा है उसकी क्या कह जावा है बस कहा जावा है भाई क्या कहा जावा है वह वह बस कहलाती है क्या कहलाती है बस कहलाती है भाई ठीक है ना तो बस जो है कितने प्रकार की होती है कमेंट करके बताओ बस कितने प्रकार की होती है बस कितने प्रकार की होती है बताओ से बस जो होती है वो कितने प्रकार की होती है सॉरी बस कितने प्रकार की होती है एक होती है इंटरनल बस एक होती है एक्सटर्नल बस इंटरनल एक्सटर्नल जो इंटरनल बस होती है उसे सिस्टम बस भी कहा जाता है जो एक्सटर्नल होती है इसे एक्सपेंशनल बस भी कहा जाता है एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है और ये दोनों ये तीनों जो है तीनों पार्ट इसके अंदर शामिल है इन दोनों के अंदर शामिल है इन दोनों में शामिल है तो एड्रेस बस मेन होती है एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस होती है एड्रेस बस एड्रेस लेके जाती है डेटा बस डेटा लेके जाती है कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल लेके जाती है बस बात ख़त्म इतनी सी कहानी है इनके बारे में देखो ये इस तरीके से जुड़ा होता है सिस्टम जो होता है इस तरीके से जुड़ा होता है सी मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस इन बसों की सहायता से कैसे जुड़े हैं कंट्रोल बस है एड्रेस बस है और आपकी डेटा बस है इन बसों की सहायता से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक किस तरीके से जुड़े हुए हैं भाई भाई जी सभी को चलिए अब तीनों बस आपने पढ़ ली तीनों बसों काम पढ़ ली तीनों बस किस तरीके से काम करती हैं तीनों बस जो है कौन सी कौन सी कंट्रोल बस एड्रेस बस और सिग्नल डेटा बस कंट्रोल बस क्या लेकर जाती है कंट्रोल बस जो होती है आपकी वो सिग्नल लेकर जाती है क्या लेकर जाती है सिग्नल लेकर जाती है कंट्रोल बस सिग्नल एड्रेस बस एड्रेस लेके जाएगी क्या लेके जाएगी एड्रेस बस एड्रेस लेके जाएगी डेटा बस क्या लेके जाएगी डेटा लेके जाएगी बस बात ख़त्म डेटा लेकर जाएगी एक क्वेश्चन बताओ इसके बारे में इसका एक क्वेश्चन बताओ फटाफट जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो सी से मेमरी तक सी से मेमरी तक एड सॉरी मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस पहुंचाने वाली बस को क्या कहा जाता है मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस पहुंचाने वाली बस को क्या कहा जाता है कमेंट करके बताओ जल्दी बताओ फिर फटाफट आने दो फटाफट आने दो फटाफट -फट फटा क्योंकि क्लास अपनी बहुत लंबी है जल्दी जल्दी आने दो मेमोरी से सीपीयू की तरफ डेटा एड्रेस पहुंचाने वाली बस को क्या कहा जाता है जी राम राम भाई सबना राम राम मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस पहुंचाने वाली बस को क्या कहा जाता है भाई एड्रेस पहुंचाने वाली बस को एड्रेस बस ही कहा जाएगा डेटा बस क्यों कह रहे हो चलो एड्रेस बस भी नहीं कहा जाएगा मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूँ मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने कहा प्राइवेट बस ऑप्शन है प्राइवेट बस ऑप्शन दूसरा है पब्लिक बस ऑप्शन तीसरा है एक्सटर्नल बस एक्सटर्नल बस ऑप्शन चौथा है इंटरनल बस तो क्या कहा जाता बताओ कमेंट करके ये ऑप्शन है अरे उसे तो एड्रेस बस ही कहा जाएगा नो डाउट एड्रेस बस ही रहेगी वो मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस पहुंचाने वाली एड्रेस बस है अब मैंने कहा वो तो एड्रेस बस रहेगी मैंने अब ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने कहा प्राइवेट बस पब्लिक बस एक्सटर्नल बस इंटरनल बस कौन सी बस होगी बताओ कौन सी बस होगी वो अरे प्राइवेट बस तो पढ़ाया ही नहीं ना क्यों प्राइवेट बस कह रहे हो प्राइवेट बस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं प्राइवेट बस होती ही नहीं बस ही दो होती है इंटरनल और एक्सटर्नल तो इंटरनल बस प्राइवेट बस क्यों कह रहे हो प्राइवेट बस अरे थोड़ा सा तो समझा करो प्राइवेट बस ठीक है हाँ इंटरनल बस इसी को सिस्टम बस कहा जाता है इसी को क्या कहा जाता है सिस्टम बस कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बूटिंग यानी कि अब हम कंप्यूटर के बारे में जान चुके हैं हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लिया है हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ ली है हमने कंप्यूटर में जो इधर उधर डिवाइसें लगी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली है अब जो है हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स पर दो बटन होते हैं एक होता है कौन से कौन से बटन होते हैं बताओ कमेंट करके बताओ जल्दी ये सीपीयू बॉक्स पर दो बटन होते हैं पहले बटन को क्या कहा जाता है दूसरे बटन को क्या कहा जाता है कमेंट करके बताओ और उनसे होती है बूटिंग क्या होती है उनसे बूटिंग होती है बूट होता क्या है जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो बूट प्रोग्राम की एक कॉपी मुख्य मेमोरी यानी कि रोम में से लाई जाती है और इसी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है रोम में से रैम पर लोड की जाती है उसी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है क्या कहा जाता है उसी प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है भाई ठीक है ना नमस्ते भाई नमस्ते सभी को नमस्ते हाँ एक बटन होता है पावर बटन एक कौन सा बटन होता है पावर बटन होता है और एक कौन सा होता है रीसेट बटन कौन सा होता है रीसेट बटन एक पावर बटन होता है एक रीसेट बटन होता है बिल्कुल बहुत होशियार हो भाई ऑन ऑफ करें करे सर एक ऑन ऑन बटन होता है एक ऑफ बटन होता है क्या बात है बहुत होशियार हो भाई कोल्ड और हार्ड बूटिंग दो प्रकार की होती है बूटिंग दो प्रकार की होती है कोल्ड बूटिंग होती है यानी कि ये हार्ड बूटिंग भी कहलाती है कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग कब कहते हैं जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टेट से जब सिस्टम को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया जाए तो कोल्ड बूटिंग होती है कौन सी बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग होती है और इस कोल्ड बूटिंग को ही क्या कहते हैं हार्ड बूटिंग कहते हैं ठीक है ना क्या कहते हैं इसी को हार्ड बूटिंग कहते हैं एच एस एस सी बड़े क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ऐसे इसको, है? इसको और क्या कहा जाता है इसको और क्या कहा जाता है इसको और क्या कहा जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछते हैं एच एस एस सी ठीक है ना चलिए फिर आता है वार्म बोटिंग और सॉफ्ट बोटिंग वार्म बोटिंग और सॉफ्ट बोटिंग आता है नरम बोटिंग या गर्म बोटिंग ठीक है ना जब सिस्टम को पुनर्प्रारंभ किया जाए यानी कि रीस्टार्ट किया जाए तब कंप्यूटर में कौन सी बोटिंग होती है सॉफ्ट बोटिंग या वार्म बोटिंग होती है रीसेट बटन दबाया जाए जब रीसेट बटन दबाया जाए तो वॉम बूटिंग होती है सॉफ्ट बूटिंग होती है इसमें डेटा लॉस्ट होने का चांस रहता है और सिस्टम डैमेज होने का चांस रहता है क्यों क्योंकि पावर जो है इस डेटा को सेव जो है प्रॉपरली हमने नहीं किया होता इसलिए इसमें डेटा व सिस्टम क्रैश होने का चांस ज़्यादा रहता है ठीक है ना उसमें ज़्यादा रहता है चांस ठीक है क्लियर बात चलो अब ये जो स्टार्टिंग होती है ये जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कैसे होता है कंप्यूटर स्टार्ट जो होता है वो कैसे होता है सी सबसे पहले एक जंप इंस्ट्रक्शन चलाता है रोम में कॉपी आने के बाद CPU क्या चलाता है जंप इंस्ट्रक्शन चलाता है जो कि बायोस बायोस क्या होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में ट्रांसफर होता है और एग्जीक्यूट होने लगता है बायोस स्वयं एक परीक्षणों की एक श्रृंखला चलाता है जिसका नाम है पोस्ट क्या नाम है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट चलाता है जिसका नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भाई क्या है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है तो इसके बाद क्या होता है बायोस बूट सेक्टर को लोड करने के लिए बूट करने योग्य ड्राइव का पता लगाता है अगर वो ड्राइव यहाँ पर हुई तो एग्जीक्यूशन को बूट सेक्टर पर बूट स्टेप लोडर करप की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड और एग्जीक्यूट कर देता है तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ की आसान तरीके से जो प्रक्रिया बता रखी है वो ये है किस तरीके से है वो ये है प्रक्रिया आपकी यानी कि सबसे पहले पावर ऑन करते हैं क्या करते हैं पावर को ऑन किया ऑन करते ही यहाँ पे क्या चलेगा यहाँ पे जो रोम है वो रैम की सहायता से सीपीयू तक संदेश पहुंचाएगी और सीपीयू से संदेश पहुंचने के बाद बायोस चलेगा बायोस के बाद पोस्ट चलेगा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट के बाद फिर आ जाएगा बूट सीक्वेंस क्या आ जाएगा बूट सीक्वेंस आ जाएगा जिसमें क्या आएगा बूट स्ट्रैप लोडर आएगा जिसमें क्या आएगा बूट स्ट्रैप लोडर आएगा और बूट स्ट्रैप लोडर क्या काम करेगा एम बी आर को ढूंढेगा एम बी आर क्या है मास्टर बूट रिकॉर्ड है एम बी आर क्या है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड है और ये मास्टर बूट रिकॉर्ड ही क्या काम करेगा यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को लोड करेगा भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों क्या करेगा लोड करेगा भाई ठीक है ना अब क्या क्वेश्चन पूछा था एच एस एस सी ने पूछा कि ये बताइए विंडो टेन का बूट सेक्टर कौन सा होता है विंडोज़ का बूट सेक्टर कौन सा होता है बताओ कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी बताओ विंडो टेन का बूट सेक्टर कौन सा होता है बताइए जल्दी बताइए कमेंट करके फटाफट इससे पहले एम बी आर के बारे में पूछा गया था एच एस एस सी में एम बी आर क्या होता है एम बी आर होता है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड एक स्पेशल टाइप का सेक्टर होता है जो बिल्कुल शुरुआत में होता है जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क स्टोरेज के पार्टीशन बनाए गए हैं जो भाग बनाए गए हैं उनके बिल्कुल शुरू में होता है और फिक्स्ड डिस्क और रिमूवेबल डिस्क जो होती है आपकी जैसे हार्ड डिस्क उसके बिल्कुल शुरू में बिठाया जाता है एम जी आर होता है बिल्कुल सही बात है विंडो का टेन का बूट सेक्टर जो होता है वो एम जी आर होता है एम जी आर का मतलब होता है. Manager, बूट होता है क्या होता है बूट मैनेजर होता है बिल्कुल सही बात है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो मशीन साइकिल देखते हैं क्या देखते हैं मशीन साइकिल मशीन साइकिल के कितने भाग होते हैं बताओ भाई अरे मशीन साइकिल के कितने भाग होते हैं कमेंट करके बताओ तो मशीन जो साइकिल होता है यानी कि जब हम मशीन बनाएंगे यानी कि मशीन जो हमारी चलेगी वो किस प्रकार चलेगी मशीन में कौन से कौन से स्टेप होंगे पहला स्टेप होगा फैच दूसरा स्टेप होगा डी तीसरा स्टेप होगा एग्जीक्यूट तो फैच होगी इंस्ट्रक्शन डी होंगी और एग्जीक्यूट होंगी जब फ़ैच होंगी फ़ैच का मतलब क्या होता है मेमरी से सी की तरफ डेटा आना फैच होता है डी का मतलब होता है कंप्यूटर के समझने लायक डेटा को बनाना डिकोड होता है और प्रोसेसर जब काम करता है तो उसे एग्जीक्यूट कहा जाता है क्या कहा जाता है उसे एग्जीक्यूट कहा जाता है तो कई बार ऐसा आता है कि मशीन जो साइकिल होता है उसके दो भाग होते हैं एक तो होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है एग्जीक्यूशन साइकिल होता है तो ये इसमें होता क्या क्या है देखो यहाँ जो है सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ जो है प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर पड़े हैं मेन मेमोरी से डेटा यहाँ पर लेकर आए इसको फैच बोला जाता है यहाँ डेटा आ तो गया बीस और तीस आ गया लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ में आता बीस तीस क्या है उसको जीरो वन जीरो समझ में आता है तो डी कोड किया जाता है जीरो वन जीरो समझ में आ गया कि यह क्या है तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और चलाया जाता है काम किया जाता है और जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो वापिस स्टोर किया जाता है क्या किया जाता है वापिस से स्टोर किया जाता है भाई आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सही स्टेप कौन सा है यानी कि सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर यानी कि मशीन साइकिल के अंदर मशीन साइकिल का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है ऑप्शन आ जाते हैं फैच होता है डिकोड होता है एग्जीक्यूट होता है या स्टोर होता है बताए जल्दी कमेंट करके जल्दी बताएं मशीन इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता मशीन साइकिल के अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है सबसे पहला स्टेप होता है फैच होता है क्या होता है सबसे पहले तो डेटा फैच ही होगा मेमोरी से डेटा आएगा मेमोरी से डेटा कंप्यूटर के पास आएगा कंप्यूटर के पास आया तो कंप्यूटर कह रहा है कौन है भाई आप मुझे समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हो आप तो उसको डिकोड किया जाएगा उस कोड को डिकोड किया जाएगा कंप्यूटर के समझने लायक बनाया जाएगा और जब कंप्यूटर के समझने लायक बन गया कंप्यूटर उस पर काम करेगा पता चलेगा कंप्यूटर को बागपत यूपी से नमस्कार भाई तो जब वो समझ में आ गया कंप्यूटर ने काम कर दिया उसके बाद मेन मेमोरी में फिर से स्टोर कर दिया जाएगा मेन मेमोरी में फिर से स्टोर कर दिया जाएगा भाई तो इस तरीके से होता है ये प्रोसेस आगे आगे अब अब मेमोरी में डेटा कहाँ से आया मैंने कहा मैंने कहा मशीन साइकिल के अंदर क्या होता है मशीन साइकिल में पहले मेमोरी से डेटा उठाया जाता है ये मेमोरी थी मेमोरी से डेटा उठाने की प्रक्रिया को फैच कहा जाता है मैंने कहा मेमोरी में डेटा कहाँ से आया मेमोरी में डेटा आया कहाँ से बताओ कहाँ से आया मेमोरी में डेटा मेमोरी में डेटा कहां से आया बताओ बेटा बताओ जल्दी बताओ अरे मेमोरी में जो डेटा पहुंचा है हमने कहा मेमोरी से डेटा उठाया है मेमोरी से डेटा उठाया है सीपीयू के पास पहुंचाया है उस प्रक्रिया को फैच कहते हैं मैंने कहा मेमोरी में डेटा कहां से आया है ना मेमोरी में डेटा कहां से अरे बाहर से आया होगा डेटा बाहर से कैसे आया अरे बाहर से इनपुट डिवाइस की सहायता से आया होगा ना डेटा बिल्कुल सही बात है इनपुट डिवाइस की सहायता से मेमोरी तक डेटा पहुंचा इनपुट डिवाइस की सहायता से मेमोरी में डेटा पहुंचा और मेमोरी से डेटा फैच हुआ सीपीयू के पास ये सीपीयू भाई साहब है इसके पास जो डेटा है वह मेमोरी से आया और मेमोरी से आने वाली प्रक्रिया को फैच कहा गया जब इसको नहीं समझ में आया तो इसको डी करके दिया गया जब इसने डॉर्ड कर दिया तो इसने काम कर दिया एग्जीक्यूट कर दिया और वापस मेमोरी में, में भेज दिया जिसको हम स्टोर कहते हैं बिल्कुल सही बात है इनपुट डिवाइस से आया डेटा कहाँ से आया इनपुट डिवाइसिस से डेटा आया सी पी यू के पास यानी कि मेमोरी में तो हम इनपुट डिवाइस ही पढ़ लेते हैं भाई बिल्कुल सही बात है हम इनपुट डिवाइस ही पढ़ लेते हैं जिसकी सहायता से मेमोरी में डेटा पहुंचा क्यों ना पढ़ लें बिल्कुल सही बात है तो डिवाइसेस पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस पढ़ लेते हैं वैसे तो डिवाइसेस इनपुट होती है प्रोसेसिंग होती है आउटपुट होती है स्टोरेज होती है लेकिन पहले इनपुट हुआ है फिर प्रोसेस होगी फिर आउटपुट आएगा फिर स्टोर होगा तो हम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस इन डिवाइसेस को पढ़ेंगे यानी कि सबसे पहले हम इनपुट पढ़ेंगे भाई ठीक है ना चलिए तो इनपुट करना है तो इनपुट डिवाइसेस से करना होगा और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये मशीन से बात करवाती हैं आपकी आपकी मशीन से आपके मोबाइल आपसे बात करता है कि कर नहीं करता कमेंट करके बता दो आप अपने मोबाइल से बातें करते हो किस फॉर्मेट में करते हो आप अपने मोबाइल से बातें आप अपने मोबाइल से तो बातें करते होंगे ना आप अपने मोबाइल से बातें कैसे करते हो बताना जरा कमेंट करके विद इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाई एक्सेप्टिंग और रीडिंग डेटा फ्रॉम एंड प्रोग्राम कह रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइस से बाहरी डिवाइसों से डेटा इसके अंदर लेने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की सहायता की जरूरत पड़ेगी आप अपने मोबाइल से बातें करते हो टच करके आप अपने मोबाइल को बोलते हो ना अरे अपने मोबाइल को बोलते हो गैलरी खोल दो गैलरी कैसे खोलते हो आप अपने मोबाइल को बोलते हो गैलरी खोलो तो कैसे खोलते हो गैलरी मोबाइल गैलरी कैसे खोलता कैसे समझता मोबाइल आपकी बात को आपकी बात को नहीं समझता मोबाइल समझता तो है आप बोलो गैलरी खोलो खोल गैलरी क्यों नहीं खोल रहा व्हाट्सएप खोल तो समझता है कि नहीं समझता तो तरीका अलग है समझता तो है इनपुट कर रहे हो आप उसको बता रहे हो यानी कि टच करके बता रहे हो टच करके बता रहे हो कि गैलरी खोल टच करके बता रहे हो व्हाट्सएप खोल आजकल तो आजकल तो आईफोन आज तो में सीरी भी आ गया सीरी सीरी जो बोलने पर ही काम करता है।, है।, है सीरी को बोल दो ब्राउजर ओपन करो सीरी ब्राउजर ओपन करेगा सीरी को बोल दो गैलरी खोलो मेरी गैलरी खोलेगा सिरी को बोलो मेरी फोटो दिखा सेल्फी वाली सेल्फी वाली फोटो दिखाएगा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ठीक है ना हाँ बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्यों ना इनपुट डिवाइस डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस पढ़ ली जाए सबसे पहले ऑनलाइन या डायरेक्ट ऑनलाइन का मतलब क्या होता है यहाँ ऑनलाइन कीबोर्ड भी है यहाँ ऑनलाइन वालों में कीबोर्ड भी शामिल है क्या मतलब है ऑनलाइन का यहाँ पर यहाँ ऑनलाइन का क्या मतलब है ऑनलाइन का आपके लिए तो एक ही मतलब है बस उधर से ग्रीन सिग्नल है ऑनलाइन है ऑनलाइन है ऑनलाइन है ना अरे नहीं ऑनलाइन का मतलब होता लाइन पे रहना लाइन पे रहना लाइन पे रह लाइन पर है ना लाइन पर है लाइन पर रह तो ऑनलाइन का मतलब है तार से जुड़े रहना तार से जुड़े रहना हाँ सर गूगल से पूछ रहा है गूगल में कौन हूं बेरोजगार है ना बिल्कुल सही बात है अब बेरोजगार है ऑनलाइन ठीक है ना ऑनलाइन का मतलब होता है तार से जुड़े हुए तो कीबोर्ड तार से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है लोकेटर डिवाइस जुड़ी हुई है इंटरफेस और पिक डिवाइस जुड़ी हुई है कंप्यूटर से सारी चीजें ये जुड़ी हुई है ठीक है ना चलिए आगे आ जाओ बैटरी शेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है बैटरी शेयर कर सकते हो आप अपने मोबाइल से किसी दूसरे का मोबाइल शेयर कर सकते हो ऐसा ऑप्शन आ चुका है मोबाइल में लेटेस्ट मोबाइल लो पैसे लगाया करो ये लिए फिरते हैं मतलब चार सौ चार सौ रुपये के मोबाइल को ढंग का मोबाइल लिया करो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपया किडनी वगैरह बेचो ऐसे थोड़े काम चलेगा चलिए कीबोर्ड क्या है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड क्या है मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है और मॉडर्न कीबोर्ड में आमतौर पर 104 की होती है 100 भी ऑप्शन में आता है चार की होती हैं इसे क्वालिटी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई क्वालिटी भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसका जो सीक्वेंस होता है की का टॉप रो में वो यही तो होता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई होता है क्या होता है क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई होता है ठीक है ना चलिए ये कीबोर्ड है भाई अगर आपने नहीं देखा हो ना कभी तो ऐसा ऐसा कीबोर्ड होता है ऐसा ऐसा होता है कीबोर्ड अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो ऐसा ऐसा होता है ठीक है इस कीबोर्ड में जो है ऊपर फंक्शन की होती हैं क्या होती हैं ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबिश होता है ये होता है एस्केप की कौन सी की एस्केप की ये अल्फाबेट की होती हैं ये डायरेक्शनल की होती हैं और ये आपकी न्यूमेरिकल की होती हैं और यहां स्टेटस लाइट होती है क्या होती है स्टेटस लाइट होती है भाई बात समझ में आई सभी को हाँ जी यहां तक की बातें क्लियर है एस्केप की फंक्शन की डायरेक्शन की स्टेटस लाइट न्यूमेरिक की होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें चीजें पढ़ लेते हैं यानी कि कीबोर्ड की पढ़ लेते हैं यानी कि अब क्या पढ़ लेते हैं हम कीबोर्ड पढ़ लेते हैं मैं सबसे पहले सॉरी are... कीबोर्ड पढ़ लेते हैं कीबोर्ड में एंटर की होती है एंटर की किस लिए होती है बता दो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो फटाफट कीबोर्ड में एंटर की किस लिए होती है भाई एंटर की का क्या काम होता है मोस्टली स्टूडेंट का एक ही जवाब मिलेगा देखता हूं आप लोगों को क्या जवाब मिलेगा क्योंकि ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं तो कीबोर्ड की एंटर की का क्या काम होता है प्रणाम भाई प्रणाम लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट जैसी उम्मीद थी वैसे ही आंसर आ रहा है अभी तक तो वैसा ही आंसर आ रहा है <स्थ> <स्थ> हाँ बारह होती है फंक्शन की बारह होती है बिल्कुल अरे वाह क्या बात है किसी कमांड को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है एग्जीक्यूट करने के लिए किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है इसका प्रयोग या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता हो सकता है कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इसका प्रयोग होता हो लेकिन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इसका प्रयोग सामान्यता नहीं होता ठीक है ना नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए नहीं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए इसका प्रयोग होता है टैब की जो टैब की होती है वंस प्रेस वंस टू मूव फाइव स्पेस मूव करती है कितने स्पेस मूव करती है पांच स्पेस राइट ऑफ द कर्सर यहाँ है तो इसके राइट right साइड में पांच स्पेस जंप करती है कितने स्पेस पांच स्पेस जंप करती है भाई ठीक है इंसर्ट की कौन सी की होती है क्या चीज इंसर्ट की जो होती है वो कौन सी होती है ये कह रहा है कि एक बार दबाओ रिप्लेस करेगी ओल्ड कैरेक्टर को जो अभी अभी टाइप होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राम इंसर्ट की जो होती है मान लीजिए कर्सर है यहाँ पर और अभी इंसर्ट की दबा दी तो यहाँ आर ए एम को हटा करके एस ए आई एम ऐसे लिखा आएगा इसको हटा करके पहले वाले को हटा देगा इंसर्ट ओवर राइट करेगा क्या करेगा ओवर राइट यहाँ पर क्या करेगा ओवर राइट करेगा इसके ऊपर ही लिख देगा अगर एक बार इंसर्ट की दबा देंगे तो यहां कर्सर है अगर हमने यहां पर राम लिखा है तो यहां कर्सर होने पर अगर मान लीजिए श्याम लिखेंगे तो राम को आगे धकेल देगा राम को आगे धकेल कर यहां श्याम लिखा जाएगा यहां श्याम लिखा जाएगा राम को आगे धकेल देगा लेकिन इंसर्ट की अगर एक बार दबाई है तो वो इसके राम के ऊपर ही लिख देगा भाई ठीक है ना राम के ऊपर ही लिख देगा ठीक है क्लियर हुई बात सभी को चलिए डिलीट की क्या काम करती है डिलीट की बता दो फटाफट कमेंट करके बताओ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ जैसे मैंने लिखा आपका नाम कोई भी नाम लिख देता मेटू लिख देता मीतू 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 सॉरी मेटू नहीं मीतू तो अब मेरा कर्सर है यहाँ पर ई से पहले है ई के बाद है टी से पहले है एम ई ई टी यू अब कर्सर यहाँ पर है कर्सर यहाँ पर है तो डिलीट का बटन दबाऊंगा टी डिलीट होगा या ई डिलीट होगा डिलीट का बटन दबाने से टी डिलीट होगा या ई बताओ डिलीट का बटन दबाने से टी डिलीट होगा या ई डिलीट होगा बताओ फिर पढ़ते हैं इसको जल्दी बताओ टी डिलीट होगा बिल्कुल सही बात राइट आंसर टी डिलीट होगा भाई यहाँ से टी डिलीट होगा अगर बैक स्पेस दबाएं तो ई डिलीट होगा बैक स्पेस तो भाई साहब क्या डिलीट करेगा लेफ्ट साइड को डिलीट करेगा और डिलीट जो है राइट साइड को डिलीट करेगा राइट साइड को डिलीट करेगा डिलीट ठीक है ना क्लियर बात सपोज करो चलो मान लीजिए यहां कर्सर है यहां लिखा है मीतू अब क्या अब बैक स्पेस दबाने से क्या डिलीट होगा बैकस्पेस दबाने से क्या डिलीट होगा भाई अरे अब, अब मैं बैकस्पेस दबाता हूँ क्या डिलीट होगा बताओ बैकस्पेस दबाता हूँ तो क्या डिलीट होगा अब सर मोबाइल में बैकस्पेस स्पेस होता है हाँ मोबाइल मत यूज करो ना मोबाइल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है ना इसको तो हटा दो बेच दो इसको लैपटॉप से क्लास देख लिया करो ना अब क्या डिलीट होगा अब कुछ भी डिलीट नहीं होगा बैक स्पेस दबाने से अब कुछ भी डिलीट नहीं होगा ठीक है ना कुछ भी डिलीट नहीं होगा डिलीट कर रहे हैं बताओ अरे कुछ भी डिलीट नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इस साइड कोई कर्सर इस साइड कोई कैरेक्टर है ही नहीं इस साइड कोई कैरेक्टर है ही नहीं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं कैप्स लॉक की आ गई आगे कौन सी की आ गई कैप्स लॉक की एक बार दबाओ कह रहे कि अल्फ़ाबेट जो है अपर केस में हो जाएंगे बड़े अक्षरों में आ जाएंगे अपर केस लेटर में दूसरी बार दबाओ लोअर केस में आ जाएंगे इसीलिए इसको टोगल की भी कहा जाता है क्या कहा जाता है टोगल की भी कहा जाता है टोगल की कौन सी होती है एक बार दबाने से कुछ होता है उसकी उसी को दूसरी बार दबाओ तो कुछ होता है उसको टोगल की बोला जाता है क्या बोला जाता है टोगल की बोला जाता है फिर आ गई शिफ्ट की कौन सी की आ गई शिफ्ट की आ गई और ये कौन सी की होती हैं आपकी अल्टरनेट की होती हैं अल्टरनेट की होती है मोडीफायर की, की, की जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं मोडीफायर मोडिफायर नहीं मोडीफायर की बोलते हैं ठीक है ना मोडीफायर की होती है शिफ्ट की होती है आल्ट की होती है और कंट्रोल की होती है ये कौन सी होती हैं मोडीफायर की होती है भाई तो इसमें क्या होता है अगर कैप्सुल ऑफ है अगर मान लीजिए ए ऐसे आ रहा है शिफ्ट के साथ दबाओ शिफ्ट के साथ दबाओ ऐसे आएगा अगर ए ऐसे आ रहा है शिफ्ट के साथ दबाओ शिफ्ट के साथ दबाओ ए ऐसे आएगा यानी कि इनपुट को मॉडिफाई कर दे जो हमने इनपुट दिया था उसको मॉडिफाई कर दिया भाई हम तो दोबारा से छोटी है बड़ी बढ़िए मैं दोबारा छोटी है आरी बढ़िए मैं दोबारा बढ़िए आरी छोटी है इनपुट को ही मॉडिफाई कर दिया ऐसे ही अल्ट अल्ट अकेली दबाओ कोई काम नहीं करेगी अल्ट प्लस एफ दबाओ फाइल खोलेगी मैं तो दोबारा एफ अल्ट दबाने के बाद ये फाइल खोल रहा नमस्कार भाई नमस्कार प्रणाम जय हिंद सभी को ये फाइल खोल रहा मैं अल्ट दबा रहा मैं दोबारा कंट्रोल के साथ एफ वो फाइंड फाइंड करने जा रहा फाइंड करने ठीक है ना तो ये मोडिफायर की होती हैं ये तीनों अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट नेक्स्ट आ जाओ फंक्शन की कितनी होती है फंक्शन की बारह होती हैं क्या होती है फंक्शन की कितनी होती है बारह की होती हैं तो एफ वन किस काम आती है मेनली हेल्प के काम आती है याद रखना एफ टू किस काम आती है रीनेम करने के काम आती है नाम बदलने के काम आती है एफ थ्री किसके काम आती है एफ थ्री मान लीजिए मेन तौर पर सर्च करने के काम आती है की पॉइंट बना लो स्टार लगा लगा के अरे स्टार लगा लो स्टार चांद सितारे बबल सारे कुछ लगा लो आज स्टार लगा लगा के ये चीज़ लिखना है ना सिर्फ एफ़ वन जो है हेल्प के काम आती है एफ़ टू जो है रिनेम के काम आती है एफ थ्री जो है सर्च करने के काम आती है विंडो में सर्च करती है ठीक है चलिए क्या हम क्या हम एक ऐसी फाइल बनाई थी मैंने कंप्यूटर में उस फाइल का मैं नाम भूल गया क्वेश्चन है आपके लिए एक फ़ाइल बनाई थी मैंने कंप्यूटर में मैं उसका नाम भूल गया तो क्या मैं उस फाइल को सर्च कर सकता हूँ एफ थ्री की सहायता से फ़ाइल बनाई थी मैंने उसका नाम भूल गया मैं क्या फिर भी मैं उस फाइल को सर्च कर सकता हूँ एफ थ्री से अगर सर्च कर सकता हूँ तो कैसे पता ना बताओ जी गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाँ पीडीएफ मिलेगी भाई पीडीएफ मिलेगी पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी फाइल का नाम भूल गया ऐप सी से कैसे रिसर्च कैसे सर्च करो फाइल का नाम में भूल गया मैं <laughs> नाम याद कर ले जी अरे आजकल सुविधा है आप सर्च कर सकते हो फाइल में यह पता होना चाहिए फाइल में क्या लिखा था फाइल में कुछ लिखा था यह पता होना चाहिए थोड़ा बहुत फाइल में लिखा क्या था ढूंढ लेगा कंप्यूटर ये कंप्यूटर का काम है ढूंढ लेगा कोई दिक्कत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं एफ़ फोर से क्या होगा एक तो Alt प्लस एफ फोर से क्या होता है जो ओपन हुई विंडो थी वो बंद हो जाएगी एक एफ फोर जो है टोगल की होती है टोगल की किस में होती है एक्सल में काम आती है एक्सल में किस काम आती है ये ये एक्सल में आपकी रेफरेंसिंग मोड को चेंज करने के काम आती है और कंट्रोल प्लस एफ फोर दबाओगे तो ये ओपन विंडो जो करंटली में खुली हुई है एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर उसको बंद कर देगी ठीक है ना उसको क्या कर देगी बंद कर देगी एक्टिव विंडो को यानी कि दोनों ही विंडो को बंद करने के काम आते हैं दोनों ही विंडो को बंद करने के काम आते हैं रिसेंटली यूज में मिल जाएगी सर अरे नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं हाँ बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं एफ फाइव किस काम आती है एफ फाइव आती है रिफ्रेश करने के काम एफ सिक्स इसका मत है गो टू एड्रेस बार गो टू एड्रेस बार किस चीज़ का एड्रेस बार है मोजिला फायरफॉक्स में इंटरनेट एक्सप्लोर में एड्रेस बार नहीं होता तो ऊपर यू आर एल लिखा जाता है यहाँ पर वहाँ एफ़ सेवन ग्रामर एंड स्पेलिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करिए भाई एफ़ सेवन चेक करिए क्या स्पेलिंग और ग्रामर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में चलिए एफ एट एफ एट बहुत कम पूछी जाती है वैसे तो सेफ मोड में चलाने के लिए होती है सेफ मोड क्या होता है एक क्वेश्चन पूछा था HSSC ने सेफ क्या पूछा था एक बार बताओ कमेंट करके कौन कौन बताएगा आप में से? See, आप में में से से लेट लेट मी मी सी कौन कौन बताएगा एफ एड का एक क्वेश्चन पूछा था एच ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ एफ एड का क्वेश्चन पूछा था एच एस एस सी ने सॉरी लिख लो लिख लो एक बार क्या कंप्यूटर को कंप्यूटर को लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ चला देती है लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ चला देती है कंप्यूटर को लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ चला देती है कौन से मोड चला देता है एफ़ एट मोड ठीक है ना एफ़ एट मोड चला है भाई ठीक है ना सेफ मोड में एफ़ एट सेफ मोड में चला देता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एफ़ एट ही चलाएगा अलग अलग में लैपटॉप में अलग की होती है गाइड की कौन सी होती है गाइड की गाइड की होती है एफ़ और जे होती है जो ये गाइड की होती है एफ़ और जे कौन सी की होती है गाइड की होती है ठीक है ना चलिए एफ़ टेन किस काम आती है एफ टेन टेन आती है एक्टिवेट करने के लिए मेनू बार को मेनू बार फाइल एडिट इनको एक्टिव करेगी फ़ाइल को एडिट को इनको एक्टिव करेगी कीबोर्ड की फंक्शन की एफ़ ग्यारह किस काम आती है फुल स्क्रीन मोड करने के काम आती है एफ़ ग्यारह किस में मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र में एफ़ ग्यारह दबाने से एक बार स्क्रीन फुल हो जाएगी दूसरी बार फुल स्क्रीन को फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे ठीक है ना एफ ग्यारह ही फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए है एफ ग्यारह ही फुल स्क्रीन मोड करने के लिए है दोनों के लिए एफ ग्यारह है ठीक है एफ बारह एफ होती है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 क्या काम करेगी सेव एज मोड ओपन करेगी कौन सा मोड ओपन करेगी सेव एज मोड ओपन करेगी भाई तो ये अपनी किताब की ऐड आ गई मसूरी गई भाई मसूरी गई मसूरी एडवर्टीजमेंट आ गई यानी कि ये अपनी किताब है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों उसमें उपलब्ध है दोनों भाषाओं में हिंदी व अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है सभी दुकानों पर आपको मिल जाएगी सभी ज़िलों में मिल जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजन अपना बुक टेला डॉट कॉम विच बुक इज बेस्ट ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी पर जो है अपनी बुक आपको उपलब्ध मिल जाएगी ठीक है इंग्लिश में भी है इंग्लिश मीडियम में भी है हिंदी मीडियम में भी है कंप्लीट बेसिक प्लस एडवांस है और 1200 से ज्यादा कुछ इसके अंदर एम सी क्यू है प्रीवियस ईयर एम सी क्यू है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज हम कंप्लीट बेसिक कंप्यूटर करने जा रहे हैं जो कि लाभ सिंह नैन के द्वारा है लाभ सिंह नैन कौन है ये मुझे भी नहीं पता तो आगे आ जाते हैं locator device. जाते है? लोकेटर डिवाइस क्या आ जाते हैं लोकेटर डिवाइस पढ़ते हैं लोकेटर डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं जो कर्सर को लोकेट करेंगी जो कर्सर को क्या करेंगी लोकेट करेंगी वो होती हैं लोकेटर डिवाइस क्या करेंगी कर्सर को लोकेट करेंगी वो लोकेटर डिवाइस होती हैं भाई हाँ जी सभी जगह उपलब्ध है भाई क्लात क्लूत क्लात पे पेवा चंडीगढ़ सभी जगह उपलब्ध है भाई सब जगह ऑलमोस्ट उपलब्ध है ठीक है ठीक है आ जाओ लोकेटर डिवाइस आर यूज टू कंट्रोल द लोकेशन लोकेशन को कंट्रोल करने के लिए और पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए किस चीज की कर्सर की पोजीशन रहे कर्सर की पोजीशन कहा स्क्रीन पर स्क्रीन पर कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं लोकेटर डिवाइस कौन सी लोकेटर डिवाइस भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को तो लो कर्सर होता क्या है कर्सर क्या होता है कर्सर कर्सर होता है वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन ये इस तरीके की लाइन होती है ब्लिंक करती रहती है ऐसे ऐसे तो ये ब्लिंकिंग लाइन जो है ये कर्सर होता है क्या होता है कर्सर होता है भाई ठीक है दैट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर एनी थिंग दैट इज टाइप विल अपियर कह रहा कि जो भी कुछ लिखा जाएगा यहां पर आएगा सारा का सारा ठीक है चलिए लोकेटर डिवाइस कौन सी कौन सी है माउस है जिसे पक भी कहा जाता है माउस को पक भी कहा जाता है भाई माउस को पक भी कहा जाता है ट्रैक वो लोकेटर डिवाइस है टचपैड डिजिटाइजिंग टैबलेट, जो स्टिक ये सारी क्या है आपकी लोकेटर डिवाइस है भाई क्या है लोकेटर डिवाइस हैं चलिए तो सबसे पहले लोकेटर डिवाइस माउस की बात कर लेते हैं एक छोटी सी हाथ में पकड़े जाने वाली डिवाइस है जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर कहाँ रोल होती है रोलिंग इट ओवर माउस पैड माउस पैड पे ये चलाई जाती है कई प्रकार की डिफरेंट डिवाइस है कौन सी कौन सी है फिजिकल ऑप्टिकल और लेजर माउस तीन प्रकार के माउस हैं फिजिकल है ऑप्टिकल है, है और लेजर माउस है भाई फिजिकल माउस जो है ये काम करता है प्रिंसिपल पर कौन से प्रिंसिपल पर मूवमेंट ऑफ बॉल एक बॉल की मूवमेंट पर काम करता है जबकि ऑप्टिकल और लेजर माउस जो होते हैं वो काम करते हैं लाइट सिग्नल पर किस पर काम करते हैं वो काम करते हैं आपके लाइट सिग्नल पर उनके अंदर कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होती तो तीन प्रकार के माउस हो गए कौन से कौन से माउस हो गए जो आपका मैकेनिकल माउस हो गया ऑप्टिकल माउस हो गया और लेजर माउस हो गया ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को बहुत बढ़िया बढ़िया बुक है जी इसकी वजह से एचसीएम में सीएमटीआर के सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे से बहुत-बहुत बधाई भाई आपको बहुत अच्छी बात है भाई हो तो जाना चाहिए टाइटल तो ऐसे लिखा मैंने टाइटल पे मैं ये भी लिख सकता था वैसे इससे बाहर कुछ नहीं कंप्यूटर लिखता था पूरा कंप्यूटर करें इससे बाहर कुछ नहीं है ना लेकिन हम ऐसे करते नहीं ना हम ऐसे टाइटल बनाते नहीं लेकिन कोशिश करेंगे इसमें बहुत कुछ हो ठीक है ना कोशिश होगी बहुत कुछ हो अपना अपना तरीका होता टाइटल बनाने का ठीक है ना आप उसमें बातें मत करो चलिए आगे आ जाओ ट्रैक बॉल ये होती है ट्रैक बॉल मूवेबल बॉल होती है माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ स्टेशनरी बेस किसी भी स्टेशनरी बेस जैसे की बोर्ड ऊपर लगी होती है मूवेबल बॉल होती है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है ठीक है ना जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है जी जी अभी तो देखते जाओ अभी तो क्लास क्या अभी तो 109 पेज हुए हैं 540 पेज हैं अपनी क्लास के 109 पेज हुए हैं 540 टोटल पेज हैं चलिए देखते जाइए टच पैड क्या होती है ये होती है टच पैड फ्लैट होती है सेंसिटिव होती है सेंसिटिव का मतलब क्या होता है संवेदनशील होती है संवेदनशील का मतलब क्या होता है भाई थोड़ा बहुत भी हाथ लग जाए तो कर्सर इधर का उधर चला जाएगा होता है ना थोड़ा बहुत भी हाथ लग जाए ना ऐसे ऐसे तो कर्सर इधर से उधर चला जाता है तो सेंसिटिव होती है सेंसिटिव है ना चलिए डिजिटाइजिंग टैबलेट होती है डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या होती है डिजिटाइजर जो यूज किए जाते हैं आर्किटेक्चर के द्वारा भाई नक्शे बनाने वालों को द्वारा इंजीनियर के द्वारा प्रयोग किया जाते हैं कंप्यूटर एडिट डिजाइन में सी में कैड में यूज़ किया जाते हैं ठीक है ना जहाँ पर बिल्डिंग कार के नक्शे बिल्डिंग के नक्शे मैकेनिकल पार्ट्स के नक्शे रोबोट के नक्शे बनाए जाते हैं वहाँ पर यूज की जाती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिजिटाइजिंग मैप मैज मैप का डिजिटाइजिंग करना हो उसमें भी प्रयोग की जाती है भाई ठीक है क्लियर हुई बात सभी को चलो ये डिजिटाइजिंग टैबलेट है ये जैसा आप जैसा व्यक्ति कोई चला रहा है इसको कितना जबरदस्त तरीके से चला रहा है देखो जो स्टिक पैड क्या होता है जो स्टिक इज़ ए वायर्ड और वायरलेस कंट्रोल डिवाइस होती है जो यूज की जाती है प्लेइंग वीडियो गेम वीडियो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाती है जरूरी नहीं इससे वीडियो गेम खेला जाएगा इससे ज्यादा चलाया जा सकता है जो स्टिक से और जो स्टिक जो है तीन डिग्री पर रोटेट होता है क्या होता है तीन डिग्री पर रोटेट होता है जो स्टिक 360 डिग्री पर रोटेट हो सकता है जोस्टिक कौन सा जोस्टिक हो सकता है रोटेट ठीक है ना क्लियर हुई बात को चलिए ये वीडियो डिजिटाइजर है पीछे आया था जो वीडियो डिज... अच्छा वीडियो डिजिटाइजर तो अभी नहीं आया ना ये जोस्टिक पैड है ये क्या आपका जोस्टिक पैड है भाई ठीक है ना जोस्टिक पैड ये वीडियो डिजिटाइजर के बारे में कह रहा है वीडियो क्या होता है वीडियो टीवी सेट से वीडियो कैमरा से या वीडियो रिकॉर्डर से डिजिटल फॉर्मेट लेने के लिए यानी कि उनसे थोड़ी बहुत पिक्चर लेने के लिए और जो उनसे थोड़ी बहुत पिक्चर ली जाती है उसको फ्रेम ग्रैबिंग कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेम ग्रैबिंग कहा जाता है जो थोड़ी बहुत पिक्चर ली जाने मान लीजिए जैसे वीवा वीडियो वीवा वीडियो यूज करते हो जैसे आप ठीक है ना जी सर नमस्कार वीवा वीडियो नहीं यूज करते आप वीवा वीडियो चलती मूवी में से कोई क्लिप काटने के लिए तो वीडियो डिजिटाइजर

कितने प्रकार के स्कैनर याद हैं एक बार कमेंट करके बताओ कितने प्रकार के स्कैनर याद हैं भाई हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है नहीं ये तो बन चुका 2021 में एच ने पूछ लिया राजन सोनी पूछ लिया भाई ये तो हाँ पूछ लिया तो जी गुड इवनिंग भाई तो स्कैनर कितने प्रकार के हो सकते हैं फ्लैट बेड स्कैनर हो सकता है जो कि सीसीडी यूज़ करता है सीसीडी क्या होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस होता है सीसीडी चार्ज कपल्ड डिवाइस यूज करता है इमेज स्कैन सेंसिंग के लिए 1500 से लेकर चौवन डीपीआई तक होते हैं इसके 1500 से चौवन डीपीआई तक फ्लैट बेड स्कैनर के हैंड हेल्ड स्कैनर भी होता है और ड्रम स्कैनर भी होता है हैंड हेल्ड स्कैनर होता है ड्रम स्कैनर होता है और आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है ठीक है ना क्लियर बात और सबसे हाई क्वालिटी होता है आपका ड्रम्स के अंदर आठ हजार से ग्यारह हजार डीपीआई होता है डीपीआई आठ हजार से ग्यारह हजार स्कैन डीपीआई होते हैं इसके अंदर क्या होता है डीपीआई ये सीसीडी यूज करता है लेकिन ये हाई क्वालिटी नहीं है इसमें पंद्रह सो से लेकर चौवन सो डीपीआई तक ही है लेकिन डीपीआई क्या होता है डी क्या होता है भाई ब्रेक आउटपुट डिवाइस के बाद लेंगे ये इनपुट डिवाइस चल रही है इसके बाद आउटपुट डिवाइस है सी के बाद तो आउटपुट डिवाइस के बाद ब्रेक लेंगे यानी कि नेट तीन घंटे के बाद ब्रेक लेंगे अभी थोड़ा रुको हाँ सीट फैट स्कैनर भी होता है एक बिल्कुल सही बात है डी होता है डॉट पर इंच बिल्कुल सही बात है डोट पर इंच होता है डी क्या होता है डॉट पर इंच होता है, है? डी स्पीच रिकॉग्निशन ये क्या होता है आवाज डालना यानी कि स्पीच रिकॉग्निशन होता है स्पीच रिकॉग्निशन जो होता है आपका वो क्या होता है यानि कि माइक से आपकी आवाज टेक्स्ट के रूप में बदलना माइक से टेक्स्ट के रूप में यानि कि वॉयस से टेक्स्ट में बदलना वॉयस टू टेक्स्ट वॉयस टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जैसे आप बोल गए आजकल लिखते कहाँ हो आजकल बोल के करता हूँ ना सारा काम बोल बोल के गूगल से गूगल से कुछ ना गूगल में क्या हूँ बेरोजगार है ना तो उसमें भी टेक्स्ट के रूप में फिर वॉइस बदलती है वो आउटपुट डिवाइस है वो भी बताएंगे कौन सी होती है ठीक है ना गुलगुले बनवाओ जी गुलगुले बनवाएंगे बिल्कुल सही बात है गुलगुला पार्टी रिमोट कंट्रोल होता है बिल्कुल सही बात है ये भी इनपुट डिवाइस होता है ये भी इनपुट डिवाइस होता है ये क्या है एम ये क्या आपका एम एस आर मैग्नेटिक स्ट्रीप रीडर क्या होता है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर होता है भाई मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर होता है एम एस आर मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या होता है एम एस आर होता है ठीक है ना एम एस आर ठीक है ना थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे आ गया मिडी मिडी क्या है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस डिजिटल इंटरफेस क्या होता है ये होता है म्यूजिक की एंट्री लेने के लिए किस लिए होता है म्यूजिक की एंट्री लेने के लिए होता है बात समझ में आई चलिए आगे बढ़ते हैं ये ओ एम आर सीट चेक करने के लिए होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर ये दिखाई दे रहा है ऊपर वाला ऊपर वाला तो आपको कहाँ दिखाई देगा ना ऊपर वाला दिखाई नहीं देता आसानी से चलो कोई ना ऊपर वाला वैसे यहाँ लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर दोनों होता है ठीक है ना और ये होता ओ सी आर जो आपके कैरेक्टर आपके कैरेक्टर को नहीं पढ़ता ये आपके लिखे हुए कैरेक्टर को कभी सोचो कैरेक्टर ही पढ़ देगा ना ऐसा कुछ नहीं है आपके लिखे हुए कैरेक्टर को जो पढ़ता है वो ओ सी आर है वो क्या है ओ सी आर है भाई क्या है वो ओ सी आर है भाई आपके लिखे हुए कैरेक्टर को जो पढ़ देता है चलिए ये है एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो कि बैंक के चेक को पढ़ता है ये एम आई सी आर कोड है नीचे ये है एम आई सी आर कोड इसको बैंक के चेक को पढ़ता है भाई ठीक है ना <laughs> बैंक के चेक को पढ़ने का काम करता है अब आ गया बी सी आर बी सी आर बी सी आर वो वाला बी सी आर नहीं वो वी सी आर होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है लेकिन ये बी सी आर है बार कोड रीडर या बार कोड रिकोगग्नीशन है ठीक है ना ये क्या करता है लेजर बीम का प्रयोग करता है किस कि चीज़ का प्रयोग करता है लेजर बीम का प्रयोग करता है किस कि चीज़ के लिए पढ़ने के लिए क्या पढ़ने के लिए सीरीज पढ़ने के लिए कौन सी सीरीज जो मोटे अक्षरों में लिखी है पतली लाइनों में लिखी है रिप्रेजेंट करती है बार कोड नंबर को उनको पढ़ने का काम करता है

तीसरा भाग जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट कोड को इसमें भी पांच डिजिट होती हैं पहले में पहले में दो होती हैं फिर पांच होती हैं फिर पांच होती हैं एंड फाइनल डिजिट विच रिप्रेजेंट द चेक डिजिट जो आखिर में होती है वो चेक डिजिट होती है यानी कि ऐसे होता है दो प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस, प्लस एक ऐसे होता है ठीक है ना तेरह होती हैं कितनी होती हैं तेरह होती हैं भाई तेरह डिजिट होती हैं इसके अंदर ठीक है चलिए तो ये होता है बार कोड रिकंडीशन इसमें तेरह होती हैं देख लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह है भाई तेरह डिजिट होती हैं इसके अंदर ठीक है ना क्लियर सभी को हाँ जी बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आ गया अब सी पी यू यानी कि अब हमने क्या कर लिया है अब हमने इनपुट तो लिया कर अब बारी आती है इस भाई साहब की इस भाई साहब की बारी आ गई प्रोसेसिंग करेंगे अब फिर हम आउटपुट लेंगे अभी किसकी बारी आएगी सी की बारी आ गई यानी कि सी पढ़ेंगे सी वो वाला नहीं ये वाला सी जो आप देख रहे हो ये वाला सी पी प्रोसेसिंग डिवाइस है प्रोसेसिंग डिवाइस कितनी होती है कमेंट करके बताओ ऑप्शन है एक दो तीन चार प्रोसेसिंग डिवाइस कितनी होती हैं ऑप्शन है एक दो तीन चार कितनी होती हैं कमेंट करके बताओ जल्दी अरे जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। <laughs> सर बुक कौन सी है बुक है भाई निर्मल पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक है निर्मल पब्लिकेशन के नाम से बुक है कंप्यूटर की बुक है जी थैंक यू सो मच बताओ जल्दी होती हैं वाह क्या बात है क्या बात है शेरो बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है कौन से देश से आए हो अरे कहा से आए हो कौन से देश से आए हो आप लोग युगांडा से आए हो वेस्ट डीज से आए हो मैक्सिको से आए हो या नन ऑफ डीज एक होती है प्रोसेसिंग डिवाइस भाइयों और बहनों एक ही डिवाइस होती है क्या होती है एक ही डिवाइस होती है वो होती है सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए एक ही जो डिवाइस होती है वो होती है सीपीयू। क्या होती है सीपीयू होती है एक ही तो डिवाइस होती है और सीपीयू होती है ठीक है ना जी बिल्कुल तो चलिए ये सीपी होता है सीपीयू में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता सीपीयू में तो बहुत कुछ होता है ये सीपी होता है सीपी के तीन भाग होते हैं कंट्रोलिट एल यू और रजिस्टर कंट्रोल यूनिट इसका भाग होता है एएल यू यानी कि आर्थमैटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर इसका भाग होता है रजिस्टर को एमयू कहा जाता है यानी कि मेमोरी यूनिट कहा जाता है क्या कहा जाता है रजिस्टर को मेमोरी यूनिट कहा जाता है क्या कहा जाता है मेमोरी यूनिट कहा जाता है दूसरे गोले से है सर अच्छा बिल्कुल सही बात है तो मेमोरी यूनिट कहा जाता है क्या कहा जाता है मेमोरी यूनिट कहा जाता है भाई यानी कि ये सीपीयू है आपका ये क्या है आपका सीपीयू है जिसके तीन भाग होते हैं कंट्रोल होता है ए होता है और सीयू होता है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं सीपीयू पी यू करा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है दिमाग है जो आप में नहीं है है ना जो हम में नहीं है कंप्यूटर में है तो क्या काम है इसका प्रमुख गणनाएं करना और इसकी तुलनाएं करना सीपीयू के अंदर ही की जाती हैं सारी चीजें सीपीयू अन्य इकाइयों के संचालन को सक्रिय और नियंत्रित करने के लिए भी जिम्मेवार होता है सारी जिम्मेवारी इस पर सौंप रखी है भाई ठीक है ना सारी जिम्मेवारी इसके ऊपर सौंप रखी है ठीक है ना क्लियर हो बात सभी को तो सीपी का डायग्राम जो होता है वो इस प्रकार का होता है कुछ ऐसा होता है जो सी होता है उसके तीन भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट आर्थमैटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट इधर से इनपुट डालो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो यानी कि आउटपुट यूनिट उधर होती है इधर इनपुट होती है उधर आउटपुट होती है ठीक है ना क्लियर हवा गो डन और सी ये वो वाला सी है जो आप समझते हो वो वाला सी नहीं है ठीक है ना सी क्या होती है सी कंट्रोल यूनिट क्या होती है कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू कह रहा हैं कि क्या होती है कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू पी यू करती है क्या और इंटरप्रेट करती है इंटरप्रेट का मतलब होता है खोलना प्रोग्राम को और इंस्ट्रक्शन को तब कोऑर्डिनेट करती है किसके साथ अदर एग्जीक्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करती है ये तो कोऑर्डिनेट करती है ये तो सेलेक्ट करती है ये तो इंटरप्रेट करती है तो बताती है तो निर्देश देती है ये तो निर्देश देती है कहाँ किसने क्या करना है ये तो निर्देश देती है ये तो मैनेजर है सी तो अपना क्या है मैनेजर है सीपीयू अपना मैनेजर ये तो निर्देश देने का काम कर रहा है ठीक है ना यानी कि सीपीयू तो अपना आर्किटेक्चर है मकान बनाना है पापा ने मकान बनाना है पुराना मकान हो चुका है मकान बनावांगे पापा पहला तो लेवांगे नक्शा इब वाला तो रखे नक्शा वाला बैठा है सीयू करा कि एक काम करे भाई भाई साहब करा कि इतना इतना ना उरसरी तो टॉयलेट बाथरूम बना लेरसरी तूड़ी वाला बना ले लेरूसरी बेडरूम बना ले लेरूसरी किचन बना ले इस इसको में यू गेट छोड़ दे उरेसरी को पौड़ियाँ चढ़ जाएंगी ठीक है ना उरेसरी मैं बन जाएंगी भाई ठीक है करेगी ये काम है तो इसके बाद बारी आई ए एल यू की जी राम राम भाई सबना राम राम सी पी यू डज एंड डज नॉट डू सी पी यू क्या करता है क्या नहीं करता सी पी यू डज नॉट सॉरी सी यू डज नॉट परफॉर्म एनी एक्चुअल प्रोसेसिंग वास्तविक प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जो है वो सी पी यू सी यू बिल्कुल भी नहीं करता ये बात दिमाग में बिठा लो सी पी यू यानी कि सी पी यू के अंदर जो सी यू है जो डेटा की वास्तविक प्रोसेसिंग है वो सी यू बिल्कुल भी नहीं करता को नहीं करता सी यू बिल्कुल भी नहीं करता सी यू करता क्या है ये तो इंस्ट्रक्शन लेता है एक प्रोग्राम से जो मेन मेमोरी में, में स्टोर होता है उसको खोलता है और सिग्नल इशू करता है इशू सिग्नल दैट कोज अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट दैम दो और दूसरों को कहता है ये काम करो भाई ये काम आया है ये काम करो ठीक जय हिंद भाई तो सी यू ये देखो कितनी बड़ी कंट्रोल यूनिट है ये है मैनेजर ये है मैनेजर और ये है वर्कर ये काम करे भाई ये काम करेगा और एम यू जो होता है एम यू मजदूर यूनिट कहता हूं मैं इसको ये मजदूर हैं बेचारे छोटे 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 बैठे हैं ये इनकी हेल्प करेंगे किसकी हेल्प करेंगे ए एल यू की हेल्प करेंगे किसकी हेल्प करेंगे ए एल यू की हेल्प करेंगे भाई ठीक है ना ए एल यू की हेल्प करेंगे ये जो मजदूर यूनिट है यानी कि मेमोरी यूनिट जो है वो ए एल यू की क्या करेंगे हेल्प करेंगे ठीक है ना तो चलिए पढ़ते हैं ए एल यू के बारे में एल यू क्या होता है <coughs> देखो ए एल यू क्या होता है एल यू जो सीपी का भाग होता है जहां एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस जहां वास्तविक प्रोसेसिंग होती है ए एल यू होता है ये स्टार लगा लो इस पॉइंट को तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन यही तो होती है एक्चुअल एग्जीक्यूशन यही तो होती है जब भी डेटा कोई प्रोसेस होता है तो वक्के में ए एल यू ये काम करता है क्यों क्योंकि ए एल यू ही तो है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट आती हैं ये कंट्रोल करता है जब भी कंट्रोल यूनिट के पास जब भी कंट्रोल यूनिट के पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आती हैं जिसमें या तो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या फिर उसके अंदर लॉजिक ऑपरेशन हो तो कौन परफॉर्म करेगा कंट्रोल यूनिट उसको भेज देती है ALU के पास रहा तू तो वहां जा, तेरा काम वहां है लॉजिक ऑपरेशन में क्या क्या आ गया लेस देन आ गया इक्वल टू आ गया ग्रेटर देन आ गया ये uh, सारे लॉजिक ऑपरेशन में आ गए में आ गए लॉजिक ऑपरेशन के अंदर आ गया भाई अब आ गया प्रोसेसर यानी कि माइक्रोप्रोसेसर का पार्ट एमयू भी आएगा इसी के अंदर ठीक है व्हेन एंटायर सीपीयू बोथ सीयू एंड एलयू जब दोनों सीपीयू यानी कि सीपीयू में सीयू और एलयू को एक सिंगल सिलिकॉन की चिप पर सिलिकॉन की चिप पर इकट्ठा कर दिया जाए तब यह माइक्रोप्रोसेसर कहलाता है सीयू और एलयू को एक चिप पर इकट्ठा कर दिया तो यह क्या कहलाया सिलिकॉन चिप पर माइक्रो प्रोसेसर कहलाया क्या कहलाया माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेसर कहलाया भाई रजिस्टर क्या होते हैं ये मेमोरी यूनिट आ गई स्पेशल मेमोरी यूनिट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्पीड अप द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रजिस्टर्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की स्पीड को अप करते हैं बढ़ाते हैं ठीक है ना रजिस्टर आर यूज टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन टेंरी बेसिस ये टेम्परेरी बेसिस पर रजिस्टर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं और पार्ट होते हैं सीपीयू का नोट मेन मेमोरी स्टोर तो करते हैं लेकिन मेन मेमोरी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होते ये ध्यान रखने योग्य बात है मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होते हालांकि स्टोर करते हैं लेकिन मेन मेमोरी का हिस्सा नहीं होते ठीक है देखो रजिस्टर का साइज कितना होता है लेंथ ऑफ रजिस्टर जो होती है इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट बिट के बराबर होता है कौन सी बिट के बराबर इट कैन स्टोर जितनी बिट ये स्टोर कर सकता है उतनी बिट के बराबर इसका साइज होता है जैसे कि अगर आठ बिट स्टोर कर सकता है तो आठ बिट का रजिस्टर है बत्तीस बिट स्टोर कर सकता है तो बत्तीस बिट का रजिस्टर है आजकल नॉर्मल तौर पर कितने बिट का रजिस्टर चल रहा है कमेंट करके बताओ और कुछ समय तो इसी रजिस्टर के साइज को वर्ड साइज भी कहा जाता है रजिस्टर के साइज को क्या कहा जाता है वर्ड साइज कहा जाता है जो आजकल रजिस्टर चल रहा है वो कितने बिट का रजिस्टर चल रहा है बताओ एक बार कमेंट कि करके कि, कितने बिट का रजिस्टर चल रहा है हाँ रजिस्टर फास्ट होते हैं बिल्कुल सही बात है आजकल जो रजिस्टर चल रहा है वो कितने बिट का चल रहा है जल्दी बताओ बिल्कुल <ख्�> सही चौसठ बिट कितना चौसठ बिट का रजिस्टर चल रहा है बिल्कुल सही बात है और जैसे जैसे रजिस्टर का साइज बढ़ेगा स्पीड ऑफ ऑपरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी बढ़ेगी भाई ठीक है क्लियर हुई बात चलो इस क्वेश्चन का आंसर करें क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन का आंसर करें इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें फिर आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से आंसर करें जो लेट जुड़े बाद में जुड़े लाइक कर देना भाई वीडियो को हेलो थोड़ा गुनगुना पानी देना गर्म करके गर्म थोड़ा सा नवाया सा गुनगुना पानी तो ये क्या कहा जाता भाई पानी का ही ब्रेक लेंगे चिंता ना करो अभी क्वेश्चन का आंसर करो कह रहा कि साइज ऑफ रजिस्टर विच इज समाइम कोल्ड डैश साइज इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डेटा विच इज कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम तो उसे क्या कहा जाता है वर्ड साइज कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्ड साइज कहा जाता है बिल्कुल राइट right आंसर है सभी का अगला क्वेश्चन सॉरी कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट रजिस्टर हैं वो कौन से कौन से हैं एम ए आर एम बी आर पी सी ए सी सी आई आर आई ओ ये कुछ कॉमन रजिस्टर हैं जनरल पर्पज रजिस्टर हैं रजिस्टर वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन ये जनरल पर्पज़ कुछ सामान्य उद्देश्य वाले रजिस्टर हैं भाई कुछ सामान्य उद्देश्य वाले रजिस्टर हैं तो सबसे पहले है एम ए आर क्या है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है सबसे पहले क्या है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है सबसे पहले भाई क्या है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर सबसे पहले है यह क्या काम करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस एड्रेस रजिस्टर तो एड्रेस रखेगा भाई कौन सी मेमोरी का एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखेगा एक्टिव मेमोरी लोकेशन का और इट इज़ लोडेड फ्रॉम प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर से लोड किया जाता है मेन मेमोरी लोकेशन का एड्रेस और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन रखता है एम ए आर एम ए आर कौन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है भाई ये देख लो ये मेमोरी है मेमोरी मेमोरी में से जो डेटा आएगा इसको संभालेगा कौन इसको संभालेगा एम ए आर कौन संभालेगा एम ए आर एड्रेस बस की सहायता से जो डेटा आएगा उसको कौन संभालने वाला है एम ए आर संभालने वाला है एम बी आर क्या होता है मेमोरी बफर रजिस्टर इसका दूसरा नाम क्या है कमेंट करके बताओ अरे बताओ कमेंट करके मेमोरी बफर रजिस्टर का दूसरा नाम क्या है बताओ ये क्या है मेमोरी बफर रजिस्टर है भाई मेमोरी बफर रजिस्टर मेमोरी बफर रजिस्टर है इसका दूसरा नाम क्या है एम डी आर एम डी आर क्या होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है भाई एम डी आर क्या होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है बिल्कुल सही बात है ये क्या काम करता है ये कंटेंट को होल्ड करता है वो तो एड्रेस को होल्ड किया था ये डेटा को होल्ड किए है जिस पर काम होना है ठीक है ना जो वर्ड मेमोरी में स्टोर होगा लोकेशन मस्ट बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू एम बी आर वो सबसे पहले एम बी आर में आएगा कहाँ आएगा एम बी आर के पास आएगा सबसे पहले जैसे जो लोकेशन में स्टोर है सबसे पहले एड्रेस तो आएगा एम ए आर के पास लेकिन डेटा आएगा एम डी आर के पास डेटा किसके पर आकर बैठेगा एम डी आर के पास ए एल यू बैठा है बिल्कुल शांत जब ए एल यू के पास कोई डेटा आएगा ये एक सेकंड में काम करेगा और वापिस सौंप देगा इसीलिए ये मज़दूर बिठाए हैं क्योंकि इसके पास समय नहीं है ए के पास कोई समय नहीं है भाई काम करने के लिए मतलब इतनी इसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है करा कि मेरे को बंदे चाहिए फटाफट 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 फटा, फटा, जो होल्ड कर सकें ये तो एड्रेस लिए बैठा मेमरी में से जो डेटा आया ये डेटा लिए बैठा ये नेक्स्ट ऑपरेशन जो काम होना है उसको लिए बैठा ये काम क्या होना है उसको लिए बैठा अब सभी तैयार बैठे हैं डेटा डूटा लेके मतलब तलवार भाले वगैरह लेके सब तैयार बैठे हैं एकदम से इसको सौंप दिए जाएंगे जैसे 20 प्लस तीस का जोड़ करना है इसको सौंप दिया जाएगा तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसको सौंपेगा इसके पास समय ही नहीं है इसके पास समय ही नहीं है फाइनल रिजल्ट इसके पास सौंपेगा और ये जो है सी के माध्यम से फाइनल रिजल्ट जो है डिस्प्ले पर शो कर देगा फाइनल रिजल्ट कहा शो कर देगा डिस्प्ले पर शो कर देगा भाई पी क्या होता है पी बहुत बार पूछा जाता है पी क्या होता है पी की फुल फॉर्म बताओ फटाफट प्रोग्राम काउंटर होता है पी क्या होता है प्रोग्राम काउंटर होता है पी क्या होता है प्रोग्राम काउंटर होता है भाई डॉक्टर के गए हो कदे दे डॉक्टर का गए हो जे कदे क्या डॉक्टर ने न्यू पता है कि नेक्स्ट मरीज कौन आएगा क्या डॉक्टर को इस बात का पता होता है कि नेक्स्ट पेशेंट कौन आएगा अगर डॉक्टर को नहीं पता होता तो किसको पता होता भाई बताइए एक बार किसको पता होता है अगर डॉक्टर को नहीं पता कि नेक्स्ट मरीज कौन आएगा तो किसे पता होता बताओ एम आई एल भाई राहुल एम आई एल प्रोग्राम काउंटर बिल्कुल सही बात है वो प्रोग्राम वो काउंटर वाले को पता होगा काउंटर वाले को पता होगा और ये प्रोग्राम काउंटर को पता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएंगी जिन पर काम होना है वो किसे पता है प्रोग्राम काउंटर को पता है किसको पता है प्रोग्राम काउंटर को पता है भाई तो नेक्स्ट वाले को ये संभालेगा कौन प्रोग्राम काउंटर संभालेगा भाई नेक्स्ट वाले को चलिए ए सी सी क्या काम करेगा ये क्यों बैठा है ए सी सी ए सी सी है अपना एक्मूलेटर क्या है एक्मूलेटर है ए सी सी ये क्या काम करता है इट होल्ड द डेटा ऑपरेटेड अपॉन जिस पर काम हो लिया उस डेटा को संभालेगा ये इंटरमीडिएट रिजल्ट को संभालेगा या फिर फाइनल रिजल्ट को संभालेगा ऑफ प्रोसेसिंग रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग फाइनल रिजल्ट को संभालेगा भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए ए सी सी यहाँ बैठा है इसलिए ए एल यू के बिल्कुल नजदीक बैठा है ये फाइनल रिजल्ट को संभालेगा इंटरमीडिएट बीच वाले रिजल्ट को आई आर क्या काम करेगा इंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आई आर क्या है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है आई आर भाई आई आर क्या होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है आई आर तो यह क्या होता है ये करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जिस पर काम होना है करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जिस पर काम होना है बस ये चीज ध्यान में रखियो आगे बढ़ते हैं ये आई आर बैठा यहाँ पर बैठा है आई आर आईओ रजिस्टर क्या होते हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर इनपुट आउटपुट रजिस्टर इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इनपुट आउटपुट डिवाइस आउटपुट इनपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बिठाया गया है यह बेचारा बिठाया गया है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ है बातचीत करने के लिए भाई इनपुट पे भेजना इनपुट डिवाइस से लेना कुछ आउटपुट डिवाइस पे भेजना कुछ उसके लिए बिठाया गया प्रोसेसर की स्पीड आ गया तो जनरली आमतौर पर प्रोसेसर की स्पीड को किसमें जाता है कमेंट करके बताओ आमतौर पर प्रोसेसर की स्पीड को किसमें जाता है सामान्यतः प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापा जाता है सामान्यतः प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापा जाता है बताओ जी सामान्यतः प्रोसेसर की स्पीड को एम एच जेड में मापा जाता है किसमें एम एच जेड मेगा हर्ज में मापा जाता है और ये क्या होता है देखो स्पीड जो होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन क्लॉक स्पीड में होती हैं वो पहले से क्लॉक की स्पीड होती है और क्लोक स्पीड को मापा जाता है हर्ज में हर्ज में मापा जाता है क्लोक स्पीड को और सी की गति को मेगा हर्ज में मापा जाता है एम आई पी एस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कंप्यूटर की गति और सी पी यू गति को मेगा हर्ज में मापा जाता है लेटेस्ट वाले को गीगा हर्ज में मापा जाता है मेगा का मतलब दस की शक्ति छः गीगा का मतलब दस की शक्ति नौ no. और इनका मतलब है साइकल हर्ज का मतलब क्या होता है हर्ज का मतलब है साइकिल पर सेकंड हर्ज का मतलब क्या होता है साइकिल पर सेकंड होता है भाई हर्ज का मतलब क्या होता है साइकिल पर सेकंड होता है भाई तो बस की स्पीड कितनी होती है कमेंट करके बताइए एक बार बस की स्पीड कितनी होती है जल्दी बताओ जो बस होती है ना बस यानी कि कंप्यूटर की जो बस होती है बस की स्पीड कितनी होती है बस की स्पीड कितनी होती है बताओ जल्दी बस की स्पीड कितनी होती है सीपीयू की स्पीड के बराबर होती है सीपीयू की स्पीड के बराबर होती है सीपीयू की स्पीड से टाई करती है बस की स्पीड ठीक है ना हर्ज में मापी जाती है हर्ज में ही मापी जाती है ठीक है चलिए प्रोसेसर के बारे में ही है कह रहे हैं कि जो गोल होता है प्रोसेसर डिजाइनर यह कह रहा है कि प्रोसेसर डिजाइनरों ने सबसे पहले एक बढ़िया प्रोसेसर बनाने की सोची लेकिन क्या क्या बन गया प्रोसेसर के टाइप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर सी आई एस सी आर आई एस सी ई पी आई सी मल्टी कोर सी आई एस सी की फुल फॉर्म लिख दो सी आई एस सी आर आई एस सी की फुल फॉर्म लिख दो फटाफट देखो सी आई एस सी क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर आई एस सी क्या होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ईपीएससी फुल फॉर्म क्या होती है एक्सप्लीसिटली एक्सप्लिसिटली parallel इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग parallel इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग एक्सप्लिसिटली parallel इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है ठीक है ना हाँ जी बिल्कुल तो सबसे पहले CISC, सीएससी में क्या होता था लार्ज इंस्ट्रक्शन यूज होती थी याद रखेगा इस बात ना ठीक है ना इसलिए इसको सी आई एस सी कहा जाता था सी आई एस सी क्या होता था कॉम्प्लेक्स बन गया था किस वजह से कॉम्प्लेक्स बन गया था क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में इंस्ट्रक्शन यूज होती थी इसलिए लार्ज हो गया था क्या हो गया था लार्ज इंस्ट्रक्शन हो गई थी ठीक है ना लार्ज हो गया था कॉम्प्लेक्स हो गया था सी आई एस सी में ही चीजें यूज है सी आई एस सी प्रोसेस मैनी प्रोसेसिंग फीचर मशीन लैंग्वेज कुछ खास बात नहीं इसमें ल, ये खास बात है मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर ऑफ टुडे यूज सी आई एस सी प्रोसेसर आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर है वो सी आई एस सी प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं आर आई एस सी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसमें क्या होती है फिक्स लेंथ होती है ध्यान रखिए एक एक चीज एक एक पॉइंट फिक्स लेंथ होती है लेंथ अंदर इंस्ट्रक्शन होती रेफरेंस रेफरेंस टू मेमोरी मेमोरी यानी कि के रिड्यूस कर कम कर दिए दिए गए गए कम इसलिए थोड़ा ये फास्ट हो, 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 हो गया भाई सी आ गया इसके बाद क्या ई पी आई सी कंप्यूटिंग इसने क्या काम किया ब्रेक कर दिया क्या तोड़ दिया इसने थ्रू सिक्वेंशियल नेचर ऑफ कन्वेंशनल प्रोसेसर जो पहले वालों का सिक्वेंशियल नेचर था उसको तोड़ दिया सीक्वेंस में काम होता था पहले उस नेचर को इसने तोड़ दिया अब काम होने लग गया पैरलली क्या काम होने लग गया अब पैरलली काम होने लग गया भाई इसमें क्या होने लग गया पैरलली काम होना शुरू हो गया जो पहले ट्रेडिशन चलता आ रहा था उसको तोड़ दिया इसने ठीक है E ने, किसने तोड़ दिया ईपीआईसी e ने तोड़ दिया भाई और ये जो होता है प्रोसेसर बेस्ड ऑन e आर्किटेक्चर ये सिंपल भी होते हैं और ज्यादा पावरफुल भी होते हैं सीआईएससी की अपेक्षा ठीक है ना सी आई एस सी आर आई एस सी की अपेक्षा अब आ गया मल्टी कोर अब क्या आ गया मल्टी कोर आ गया मल्टी कोर <laughs> मल्टी कोर चिप जो है नेसेसरी रन एज फास्ट एज द हाइएस्ट परफॉर्मिंग सिंगल कोर मॉडल जैसे सिंगल कोर होता है ये इतनी फास्ट नहीं होती जैसे सिंगल कोर फास्ट होता है ऐसे नहीं होती लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो इसकी हाई होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस वैसे डेढ़ गुणा फास्ट होता है ये वन मल्टीप्लाई फास्ट होता है जो चिप होती है जिसमें एक चिप होती है उससे ज़्यादा डबल होती है जिसके अंदर जैसे सॉरी आउटपुट डिवाइस आ गया तो इसमें ड्यूल कोर आ गया कौन सा कौन सा आ गया इसके अंदर मल्टी कोर के अंदर ड्यूअल कोर इसके अंदर आ गया क्वेड कोर इसके अंदर आ गया क्वेड कोर ओक्टा कोर इसके अंदर आ गया ओक्टा कोर ठीक है ना जो आज आपके लेटेस्ट चल रहे हैं वो मल्टी कोर के अंदर आ गए तो मल्टी कोर फास्ट है वास्तव में या आपका ईपीआईसी फास्ट है कौन सा फास्ट है मल्टी कोर फास्ट है या ईपीआईसी फास्ट है बताइए एक बार ईपीआईसी फास्ट है ये मल्टी कोर फास्ट है आपके हिसाब से अब तक जो पड़ा उसमें क्या लगता है आपको कौन सा फास्ट है बताओ कौन सा फास्ट है मल्टी कोर या ईपीआईसी? डुअल कोर सी कोर बिल्कुल बिल्कुल ये तो थे ही ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल ये तो थे ही बिल्कुल थे मल्टी कोर अच्छा देखो अगर हम अब मेरी सुनो अगर हम एक हाथ से बॉल फेंकें वो ज्यादा दूर जाएगी या दोनों हाथों से बॉल फेंकें वो ज्यादा दूर जाएंगी एक हाथ से बॉल फेंकें वो ज्यादा दूर जाएगी या दोनों हाथों से बॉल फेंकें वो ज्यादा दूर जाएंगी बताओ <laughs> बस आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा एक हाथ से ना तो सिंगल चिप वाला तेज हुआ ना देखो हाँ सिंगल चिप वाला फास्ट हुआ ना अब होता क्या है दोनों हाथों से बॉल फेंकी वो दूर तो नहीं गई स्पीड तो नहीं थी उसकी लेकिन काम दो हो गए काम दो हो गए एक हाथ वाले से काम एक हुआ था लेकिन स्पीड से हुआ था दोनों हाथों से काम तो दो हो गए लेकिन स्पीड उतनी नहीं थी जितनी पहले वाले की थी तो ईपीआईसी फास्ट था एज कंपेयर टू मल्टी कोर मल्टी कोर वाले की अपेक्षा सी ये फास्ट था ठीक है ना बात क्लियर हुई सभी को हाँ एग्जाम्पल तो अपने ऐसे ऐसे मिलेंगे ठीक है एग्जाम्पल अपने ऐसे ऐसे मिलेंगे चलो ब्रेक से पहले का लास्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइस तीन घंटे की क्लास के ब्रेक से पहले का लास्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइस ये पढ़ते ही ब्रेक लेंगे पाँच मिनट का चाय पाने का ब्रेक लेंगे देखो अब आज आउटपुट डिवाइस क्या होता है आउटपुट डिवाइस इलेक्ट्रो मैकेनिकल होती है यानी कि उनके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट भी होती है भाई उनके अंदर क्या होती है मैकेनिकल मूवमेंट भी होती है जो एक्सेप्ट करती है डेटा को कंप्यूटर कंप्यूटर से एंड ट्रांसलेट करती है उनको इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर देती है कि यूजर को समझ में आए इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर देती है कि यूजर को समझ में आए ठीक है ना एक हाथ से कम पावर क्यों लगती है हाँ स्पीड डिवाइड होगी बिल्कुल सही बात है चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट आउटपुट कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं हम दो प्रकार से सॉफ्ट कॉपी के रूप में हार्ड कॉपी के रूप में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में दो प्रकार से आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो हम प्राप्त करते हैं वो पेपर पर नहीं होता इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर पेपर पर नहीं होता टेम्परेरी नेचर में होता है होता है कहाँ होता है टर्मिनल स्क्रीन पर होता है कहाँ होता है टर्मिनल स्क्रीन पर होता है आपका आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में टर्मिनल स्क्रीन पर आपका आउटपुट होता है ठीक अब जो टर्मिनल क्या होता है टर्मिनल क्या होते हैं बताओ कमेंट करके टर्मिनल होता क्या है आखिर? टर्मिनल कह रहा है कि एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जो यूज की जाती है या तो डेटा एंटर करने के लिए ऑनलाइन फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन रिमोट लोकेशन से दूर बैठ के डेटा एंटर करने के लिए यूज की जाती है या फॉर रिट्रीविंग डेटा डेटा को निकालने के लिए प्रयोग की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पर टर्मिनल में भी क्लासिफाइड एज इंटेलिजेंट और डम टर्मिनल टर्मिनल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और आपके डम भी हो सकते हैं ठीक है ना टर्मिनल आपके अरे डेटा पाथ नहीं है भैया डेटा पाथ नहीं है तो देखो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है वो पेपर पर निकाला जाता है और आउटपुट पेपर पर जो प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है या फिर प्लूटर के द्वारा निकाला जाता है आउटपुट जो है पेपर पर या तो प्रिंटर के द्वारा निकाला जाता है या प्लूटर के द्वारा ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और उसमें कौन है इसमें टर्मिनल है टर्मिनल आपके दो प्रकार के हो सकते हैं इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और डम्प भी हो सकते हैं इंटेलिजेंट आपके दो प्रकार के होते हैं कौन से कौन से एक तो जॉब ओरिएंटेड होता है और एक जनरल पर्पज होता है एक जॉब ओरिएंटेड होता है एक जनरल पर्पज होता है दो प्रकार के होते हैं ठीक है क्लियर हुई बात सभी को चलिए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस अब आ आउटपुट डिवाइस कौन सी कौन सी होती है मोनिटर होते हैं बिल्कुल होते हैं टर्मिनल जिसे हम कह सकते हैं वी डी यू जिसे हम कह सकते हैं जिसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करोगे वी डी यू की फुल फॉर्म क्या होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होती है विजुअल डिस्प्ले

स्क्रीन होती है जो मोनिटर होता है सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है सॉफ्ट कॉपी प्रोड्यूस करती है दो से तीन प्रकार के मोनिटर होते हैं सीआरटी होता है एल होता है एलईडी होता है हालांकि बहुत प्रकार के मोनिटर होते हैं हालांकि मोनिटर जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं ठीक है ना तो सी आर टी कैथोड रे ट्यूब सीआरटी क्या होता है कैथोड रे ट्यूब होता है सी आर टी कैथोड रे ट्यूब एल सी डी क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल सी डी दो प्रकार की होती हैं एक तो होती है आपकी पैसिव एक होती है आपकी एक्टिव पैसिव और एक्टिव एल ई डी क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है एल ई डी लाइट इमिटिंग डायोड होता है एल ई डी लाइट इमिटिंग डायोड होता है एल ई डी एल ई डी बात समझ में बाय बाय चलिए आगे बढ़ते हैं पिक्सल क्या होते हैं मोनिटर स्क्रीन में पिक्सल चीज आएगी पिक्सल होते क्या है सबसे छोटा एरिया स्क्रीन पर जो दिखाई देता है जिसे फोर्स फोर्स डोट कहा जाता है फोर्स फोर्स डॉट जिसे कहा जाता है वो पिक्सल कहलाता है क्या कहलाता है पिक्सल वेरी स्मॉल इंडिविजुअल एरिया ऑन कंप्यूटर स्क्रीन जो मिलकर के क्या बनाता है इमेज बनाता है उसे पिक्सल कहा जाता है बिल्कुल छोटे छोटे डॉट जो मिल के इमेज बनाते हैं वो आपका क्या बनाते हैं वो कौन बनाते हैं पिक्सल बनाते हैं भाई रिजोल्यूशन क्या होते हैं फिर पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन डिजिटल इमेज इज कॉल्ड रिजोल्यूशन वो क्या कहलाते हैं रिजोल्यूशन कहलाते हैं रिजोल्यूशन स्क्रीन पर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं रिजोल्यूशन जो होते हैं स्क्रीन पर मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं किस फॉर्म में होते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं स्क्रीन पर रिजोल्यूशन ये चीज याद रखना ठीक है ना एमसीक्यू अभी आने वाले हैं भाई मोनिटर ये मॉनिटर है जो टीवी के तरह की स्क्रीन होती है यहाँ कैथोड रे ट्यूब इसको कहा जाता है यहाँ इलेक्ट्रॉन गन का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलती हैं जो स्क्रीन होती है फोस फोर सेंट से कोटिड uh, होती है ये स्क्रीन और इस पर फोस फोर सेंट होते हैं जिसकी वजह जिस पर इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती हैं जिसकी सहायता से ये चमकते हैं और यहाँ तो मैग्नेटिक कोयल होती है जिसे डिफ्लेक्शन कोयल भी कहा जाता है योग भी कहा जाता है मैग्नेटिक कोयल इन बीम को संभाल के रखने का काम करती है बीम्स को संभालने का संभाल कर रखने का काम कौन करती है इलेक्ट्रॉन बीम को संभालने का काम मैग्नेटिक कोयल तो 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 करती है कौन तो तो करती है मैग्नेटिक कोयल करती है भाई ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को चलिए तो CRT मॉनिटर मोनिटर जो होता है वो किस तरीके से काम करता है इलेक्ट्रॉन गन जो होती है वो नॉट स्कैन इट रैंडमली रैंडमली स्कैन नहीं करती यहाँ से यहाँ स्कैन कर लिए यहाँ से यहाँ ना ना ना, ना रैंडमली स्कैन नहीं करती ये इन ए फैशन में डिज़ाइन करती है इलेक्ट्रॉन गन स्कैन करती है लेफ़्ट टू राइट लेफ्ट से लेकर राइट right तक ऐसे स्कैन करती है स्क्रीन को इलेक्ट्रॉन बीम और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है रिफ्रेश करती है एवरी फोर्स फोर्स डॉट को इन जिगजैग पैटर्न और इस जिगज़ैग पैटर्न में हर फोर्स डॉट को क्या करती है रिफ्रेश करती है जब वो चमकते हैं तो इमेज बनती है ठीक है ना क्लियर आवाज सभी को, जी हाँ पी मैंने आपको पहले ही बताया कि पी आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल में इस पूरी क्लास की जो पी है वो मिलेगी भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात अब आ जाते हैं प्रिंटर क्या आ जाते हैं प्रिंटर आ जाते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करती है क्या प्रिंट करती है जो भी कैरेक्टर मिले जो भी इमेज मिले उसको प्रिंट करती है सिंबल मिले उसको प्रिंट करती है कहाँ प्रिंट करती है पेपर पर प्रिंट करती है वो डिवाइस क्या होती है प्रिंटर होती है क्या होती है प्रिंटर होती है तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है प्रिंटर कितने प्रकार के हो गए दो प्रकार के हो गए भाई ठीक है ना कितने प्रकार के दो प्रकार के हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कौन से कौन से होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं एक तो करेक्टर प्रिंटर होता है और एक आपका लाइन प्रिंटर होता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं करैक्टर और लाइन होते हैं करैक्टर प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं एक तो डेजी व्हील होता है एक डोट मैट्रिक्स होता है और लाइन प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं एक चेन होता है एक ड्रम होता है एक चेन होता है और एक ड्रम होता है तो तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं कौन सा कौन सा कहाँ कहाँ होता है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटर है ध्यान देना यहाँ पर एक एक बात पर ध्यान देना भाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है स्मॉल पिन यूज करता है छोटी छोटी पिन यूज करता है जो पेपर पर टकराती हैं इमेज बनाने के लिए ये सस्ते होते हैं लोएस्ट रनिंग कॉस्ट इनकी होती है ये आजकल ज़्यादा प्रयोग में नहीं लिए जाते लेकिन वहाँ पर लिए जाते हैं जहाँ डिलीवरी नोट तैयार करने हो और एक कॉपी तैयार करनी हो क्वालिटी नहीं इम्पोर्टेंट हो वहाँ पर अभी भी प्रयोग किए जाते हैं कार्बन कॉपी का जहाँ प्रयोग हो कार्बन कॉपी जहाँ निकालनी हो वहाँ पर आज भी प्रयोग किए जाते हैं कौन से प्रयोग किए जाते हैं डोट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रयोग किए जाते हैं भाई कौन से प्रयोग किए जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रयोग किए जाते हैं डेजी व्हील का तो कुछ काम में कौन है डेजी व्हील का तो कम में है नहीं समझ ले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है सारा का सारा क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है सारा का सारा ये मैट्रिक्स प्रिंटर है इस तरीके का प्रिंट इसमें से निकलेगा इस तरीके का प्रिंट ये डॉट 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 करके प्रिंट निकलेगा जैसे ऐसे जैसे मान लीजिए कि ये डॉट डॉट से आपने क्या लिखा हाय लिखा हाय इस हाय की हाय लगेगी आपको क्योंकि आपने इसके टुकड़े टुकड़े करके लिखा है ये डोट डोट करके लिखेगा क्या लिखेगा डोट डोट करके ही तो लिखेगा बात समझ में आई चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या है यानी कि डोट मैट्रिक्स प्रिंटर के क्या फायदे हैं डोट मैट्रिक्स प्रिंटर के जो फायदे हैं अवेलेबिलिटी जो है प्रोड्यूस कार्बन कॉपी ये कार्बन कॉपी बनाता है इसका सबसे मेन फायदा है सस्ता होता है मेन फायदा है मल्टीपल कॉपी निकाल सकते हैं फायदा है लो कॉस्ट है ये भी फायदा है डिसएडवांटेज क्या है शोर बहुत करता है स्लो बहुत है ठीक है ना और लोअर क्वालिटी का आउटपुट निकालता है आउटपुट जो है वो लोअर क्वालिटी का प्रोड्यूस करता है कौन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ठीक है ना कौन करता है डॉट है प्रिंटर करता है और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में एक ही बात है जो स्पीड है वो मापी जाती है सी में ये तो करैक्टर प्रिंटर की स्पीड ही सी में मापी जाती है करैक्टर प्रिंटर दो प्रकार के हैं डोट मैट्रिक्स और डेजी व्हील इन दोनों की स्पीड इन दोनों की स्पीड करैक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है किस में मापी जाती है करैक्टर पर सेकंड में मापी जाती है कैरेक्टर पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है डॉट मैट्रिक्स की भी और डेजी व्हील प्रिंटर की भी इससे अगले वाले जो प्रिंट प्रिंटर आएंगे वो लाइन प्रिंटर हैं चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर ये कौन से प्रिंटर हैं? लाइन प्रिंटर है और इनकी स्पीड जो है एलपीएम में मापी जाती है एलपीएम क्या होता है लाइन पर मिनट होता है एलपीएम क्या होता है लाइन पर मिनट होता है एलपीएम भाई जो एलपीएम होता है इसमें क्या है वन लाइन एट ए टाइम एक लाइन एक समय में प्रिंटर करता है कोई ख़ास बात इनकी है नहीं लाइन प्रिंटर वगैरह की खास बात नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर होते हैं कौन से कौन से होते हैं ये चेन प्रिंटर होता है ये आपका बैंड प्रिंटर होता है वो चेन प्रिंटर है जिसमें पूरी चेन लगी है और ये बैंड प्रिंटर है जो कि बैंड है इस तरीके से ड्रम प्रिंटर कौन से होते हैं ये प्रिंट करते हैं पूरी लाइन को एक समय में ड्रम प्रिंटर पूरी लाइन को एक समय में प्रिंट करते हैं ये ड्रम प्रिंटर होते हैं यानी कि एल में इनकी स्पीड मापी जाती है ठीक है ना एल पी एम में इसकी स्पीड मापी जाती है ये ड्रम प्रिंटर है इस तरीके से गोल 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 ऐसे ऐसे राउंड 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 होके प्रिंट करता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से कौन से होते हैं एक तो लेजर प्रिंटर होता है नॉन इंपैक्ट और एक इंक जेट प्रिंटर होता है ये दोनों के दोनों नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं हाई क्वालिटी वाले प्रिंटर होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं भाई ठीक है ना हाँ जी बिल्कुल ये आउटपुट डिवाइस पढ़ लें एक बार उसके बाद पाँच मिनट का ब्रेक लेंगे डोंट वरी चिंता ना करो ब्रेक जरूर लेंगे पाँच मिनट का ब्रेक लेंगे एक बार ये आउटपुट डिवाइस कंप्लीट कर लें क्योंकि इनके बाद एम सी क्यू है ब्रेक के बाद एम सी क्यू शुरू करेंगे ठीक है ना ब्रेक के बाद हम एम सी क्यू शुरू करेंगे भाई ठीक है क्लियर है बात ब्रेक के बाद हम एम सी क्यू शुरू करेंगे डोंट वरी चिंता ना करो आप ठीक है ना तो लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर है भाई इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की खास बात क्या है इंकजेट प्रिंटर की खास बात यह है इसमें लिक्विड इंक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है लो प्राइस है सस्ता पड़ता है ठीक है ना ठीक-ठीक सी क्वालिटी निकाल लेता है कोई खास नहीं है नॉइजलेस है शोर नहीं करता ठीक है ना 360 डीपीआई इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है 360 डॉट पर इंच तीन डॉट पर इंच जो है ये क्या कर देता है प्रिंट कर देता है ठीक है ना चलो ये इंक जेट प्रिंटर है आपका इंक जेट प्रिंटर का एडवांटेज क्या है एडवांटेज तो ये है कि ये सस्ता होता है हल्का होता है डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो बहुत है लेजर प्रिंटर से की अपेक्षा और इसकी स्याही जो लिक्विड शाही होती है वो जल्दी सूख जाती है और जो कलर कार्ट्रेज होती है इसके अंदर वो बहुत महंगी पड़ती है कलर कार्ट्रेज जो इसमें डलती है वो बहुत महंगी पड़ती है ठीक है ना हाँ टीनी इंक नोजल प्रयोग होते हैं लेजर प्रिंटर की क्या खास बात है लेजर प्रिंटर जो होता है ये अपना पेज प्रिंटर होता है पेज प्रिंटर यानी कि लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर दोनों की स्पीड पी पी एम में वापी जाती है पी पी एम पी पी एम क्या है आपका पेज पर मिनट है पी पी एम क्या है आपका पेज पर मिनट है पीपीएम में मापी जाती है वन पेज एट ए टाइम लेजर प्रिंटर लेजर बीम से प्रयोग करता है लेजर बीम का प्रयोग करता है मल्टीसाइडेड मिरर होता है इसके अंदर और एक फोटो कंडक्टिव ड्रम होता है इसके अंदर और टोनर होता है 1200 dpi इसकी कैपेसिटी होती है तो आपसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन फोटो कंडक्टिव ड्रम किस में होता है तो किस में होता है अब तो बता दो फोटो कंडक्टिव ड्रम किस में होता है बताओ बताओ फोटो कंडक्टिव ड्रम किस में होता है फोटो कंडक्टिव ड्रम लेजर प्रिंटर के अंदर होता है कौन से प्रिंटर के अंदर होता है लेजर प्रिंटर के अंदर होता है चलिए आगे बढ़ते हैं ये लेजर प्रिंटर है क्या है ये लेजर प्रिंटर है आपका इसके बाद प्लूटर आ जाता है क्या आ जाता है प्लूटर प्लूटर क्या है प्लूटर होता है इंजीनियरिंग डिजाइन निकालने के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन बिल्डिंग के डिजाइन मैकेनिकल कंपोनेंट के डिजाइन निकालने हो कार वगैरह के जहाज के निकालने हो हाई क्वालिटी के साथ निकालने हो और लार्ज सीट पर अगर आउटपुट निकालना हो तो प्लूटर काम आएगा भाई कौन काम आएगा प्लूटर काम आएगा स्पेशल टाइप की डिवाइस है कहते हैं आगे बढ़ते हैं थर्मल प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है थर्मल जो प्रिंटर होता है कह रहा है कि ये प्रिंटेड इमेज सेलेक्टिवली हीटिंग कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर पर प्रिंट निकालता है थर्मोक्रोमिक पेपर पर ए टीएम देखे ए टी एम में गए ए टी एम में गए ए टी एम अरे पीछे तो कटाए होंगे तो नहीं कटाए तो कोई नहीं कटा के देख लियो ज़्यादा नहीं दस रुपये कटा के देख लियो तो वो जो स्लिप निकलती है स्लिप वो जो स्लिप होती है वो स्लिप थर्मोक्रोमिक पेपर होता है उस पर स्याही जो है जल्दी मिट जाती है ठीक है ना थर्मल प्रिंटर प्रिंट वो मोर क्वाइटली बहुत चुपचाप तरीके से प्रिंट कर देते हैं फास्ट होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा और छोटे से होते हैं लाइटर होते हैं कंज्यूम लेस पावर बैटरी से चलते हैं जो उसमें होते हैं यार बस में होते हैं जो बस में होते हैं टिकट काट के देते हैं पता भी नहीं चलता टिकट कब कट गई बस में होते हैं ठीक है क्लियर हुई बात सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये थर्मल प्रिंटर है ये वी वी पैट वाली मशीन जो होती है वो वही है ये थर्मल प्रिंटर वीवी वी पैट वाली जो मशीन है ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब आगे है क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगा के जाता हूं और अभी हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट का ब्रेक सिर्फ पांच मिनट का ब्रेक तो इसके बाद बहुत सारी चीजें पड़ी हैं बहुत सारी चीज़ें इसके बाद पड़ी हैं पांच मिनट का ब्रेक सिर्फ इसलिए है पानी वगैरह पी लो उसके बाद मिलते हैं एम सी क्यू के साथ उसके बाद एम सी क्यू के साथ मिलते हैं तब तक इस क्वेश्चन का आंसर कर देना जो फ्री है तो ना जो अभी जुड़े एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो एक बार क्लास को लाइक कर दो अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो और शेयर कर दो जिसने शेयर नहीं किया जिसने शेयर नहीं किया शेयर कर दो भाई फटाफट आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ भाई फटाफट भा फटा इस क्लास को शेयर करके आ जाओ जल्दी से जल्दी मैं भी शेयर कर देता हूँ मैं भी जो है शेयर कर देता हूँ अपने वाले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं एटलीस्ट जो है अपने वाले ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं ये क्लास और आप भी जल्दी से शेयर करके आ जाओ फेसबुक वगैरह पर शेयर कर दो भाई इंग्लिश वॉय जोगिंदर सर भी जुड़े हैं जोगिंदर सर आपका उस बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच लाइव क्लास की शोभा बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच सर जी और जोगिंदर सर जो हैं वो इंग्लिश की क्लास भी कुछ इसी तरीके से लेने वाले हैं मेरे ख्याल से स्वागत है जोगिंदर सर आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है सर सर ये क्लास सी के लिए काफ़ी क्या है ही सी के लिए भैया सी के लिए ही तो है ये हाँ जी जोगिंदर सर जी धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत 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 धन्यवाद सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर एनर्जेटिक जी जी थैंक यू सो मच सर इस क्वेश्चन का आंसर तो बी होगा देख लेते हैं क्या होगा देख लेते हैं भाई क्या होगा दुबई वाला भी आ गया दुबई वाला कह रहे राम राम जी राम राम भाई राम राम भाई दुबई वाले राम राम शेर सिंह टांगो जी नमस्ते भाई शेर सिंह नमस्ते स्वागत है आप सभी का इस लाइव मैराथन क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है जियानु मोस्ट वेलकम है आप सभी का अभी जो है सिर्फ और सिर्फ दो मिनट का ब्रेक बाकी है इसके बाद जो है क्लास शुरू होगी दोबारा से फिर अभी लगभग तीन घंटे की क्लास अपनी हो चुकी है और हमने जो है कंप्यूटर का इतिहास कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी ठीक है सर ये क्लास से अलग क्या और पढ़ना पड़ेगा कुछ नहीं कह सकते एच एस एस सी है भाई एच एस एस सी है क्या पता क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भाई एक मिनट और सिर्फ एक मिनट सिर्फ मैंने भी चाय नहीं पी ना अभी तक जी सिर्फ एक मिनट हेलो हाँ जी आ जाओ भाई समय समाप्त हुआ ब्रेक का जो समय है वो समाप्त हुआ अब हम क्लास शुरू कर लेते हैं ठीक है आर यू रेडी एक बार रेडी लिख दो या थम्सअप कर दो और अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो लाइक कर दो जल्दी आ जाओ फटाफट आ जाओ क्विक 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 गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलो आ जाओ फटाफट फट आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट जल्दी कीजिए रेडी है सर ओके यस सर डन है चलो करते हैं शुरू आ जाओ क्वेश्चन आ जाओ फटाफट फट आ जाओ तो यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर क्या है यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर इज द राइट आंसर सभी का सही उत्तर है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डेटा संग्रह उपलब्ध था जिसमें डेटा स्टोरेज उपलब्ध था भाई वो बताओ बताओ फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डेटा संग्रहण जिसमें क्या चीज डेटा संग्रहण यानी कि डेटा को स्टोरेज किया जाता था तो ईडीएससी कहा है? EDVAC, EDVAC है इसमें कहीं ईडीएसी है नहीं ईडीएसएसई क्या है ईडीएसएस इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट सॉरी डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर ई डी एस ए सी ई डी एस ए सी बी इज राइट आंसर ये क्या पूछ रहा है डेटा संग्रहण डेटा स्टोरेज पूछ रहा है भाई क्या पूछ रहा है डेटा स्टोरेज पूछ रहा है तो ईडीएस e आंसर आएगा अगर दोनों ऑप्शन में हो ई डी वी सी को तो कई बार जो है ईडीएससी e को माना गया है किसको माना गया है ई को माना गया है ठीक है ना अगर वो होता तो ई मैं तो टिक करता ई लेकिन ई बहुत बार जो एच ने नहीं एस ने ई माना है ठीक है तो ई तो ई राइट आंसर अगर वो नहीं है तो ये दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा गया दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है एलन ट्यूरिंग क्या है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस टीम बर्नरली क्या है एच के प्रवक्ता स्टीव वोजनी क्या है इन्होंने एप्पल कंप्यूटर बनाया था तो एडा लवलेस कौन है एडा लवलेस हैं अपने फर्स्ट प्रोग्रामर दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है एडा लवलेस है भाई ठीक है एडा लवलेस है राम राम भाई लर्न कंप्यूटर इन हिंदी बाई मोहन पांचाल जी स्वागत है मोहन जी आपका लाइव क्लास में और एस के कत्याल जी पहुँचे हैं भाई रीजनिंग के धुरंधर स्वागत है जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास ने लाइक और शेयर जरूर कर दियो एल्गोरिदम <coughs> और अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है वो कौन माना जाता है भाई बताओ कंप्यूटर विज्ञान का जनक एक ही व्यक्ति माना जाता है बी एलन ट्यूरिंग कौन माना जाता है एलन ट्यूरिंग माना जाता है कौन माना जाता है एलन ट्यूरिंग हरमन होलिथ का नाम जुड़ा है पंच कार्ड से किस चीज़ से नाम जुड़ा है हरमन होलिथ का पंच कार्ड से नाम जुड़ा है जुड़ा है जोसेफ मेरी जैकवर्ड का भी पंच कार्ड से नाम जुड़ा है ब्लेज पास्कल का एडिंग मशीन से नाम जुड़ा है किस चीज़ से नाम जुड़ा है ब्लेज पास्कल का एडिंग मशीन से नाम जुड़ा है भाई एडिंग मशीन से नाम जुड़ा है ब्लेज पास्कल का ठीक है क्लियर है बात चलिए आगे बढ़ते हैं सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है वो कौन है तो विज्ञान जहां भी विज्ञान की बारी आएगी वहां एलन ट्यूरिंग आया एलन मैथिसन ट्यूरिंग एलन मैथिसन ट्यूरिंग इज राइट आंसर विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया विश्व के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है वो कौन सी कंपनी ने किया ये पूछ रहा है कंपनी तो सबसे पहले आया था सी डी सी क्या आया था सी डी सी कुछ लोगों ने उसको माना सुपर कंप्यूटर कुछ लोगों ने उसे सुपर कंप्यूटर नहीं माना जीनियस अकेडमी महेंद्रगढ़ से राम 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 जी मिस्टर सिंघम जी शेयर कर देना भाई सभी के साथ जीनियस वालों के साथ <laughs> चलिए पहला सुपर कंप्यूटर जो 1964 में बनाया गया जिसका नाम है 1964 में तो यही बना था सी डी सी छियासठ मैंने कहा भी सी डी सी छियासठ सौ उन्नीस में बना था और इसके पाँच सात साल बाद क्या आ गया था अपना जो आपका वन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो भारत का परम है क्या है परम जो है वो भारत का सुपर कंप्यूटर है like कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर भारत का सुपर कंप्यूटर है भाई आप कुछ कुछ विद्यार्थी जो है वो पीछे चल रहे हैं एक बार यूट्यूब को रिफ्रेश कर लो एक बार यूट्यूब क्लास को रिफ्रेश कर लो कुछ आप लोग पीछे चल रहे हो मुझे लग रहा है जहाँ तक एक बार यूट्यूब को रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा उसमें हो जाएगा और जो नए जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर देना वीडियो को ठीक है देखो वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर अब ये सक्सेसफुल की बात आ गई देखो पहला कंप्यूटर और पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर जैसे पहली हरियाणवी फिल्म और पहली सफल हरियाणवी फिल्म ठीक है ना तो ये था क्रे वन क्या था ये करे वन था भाई क्या था करे वन था भाई ठीक है ना कितनी देर होगी जी क्लास को क्लास होगी भाई लगभग साढ़े तीन घंटे तीन घंटे कुछ हो गए होंगे चलिए कंप्यूटर में प्रविष्ट किया गया डेटा व सूचना क्या कराती है कंप्यूटर में जो प्रविष्ट किया गया जो एंटर किया गया डेटा व सूचना होती है वो क्या कहलाती है भाई क्या कहलाती है बताएँ कंप्यूटर में किया गया डेटा व सूचना जो एंटर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे इनपुट कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है इनपुट कहा जाता है उसे इनपुट कहा जाता है बिल्कुल सही बात है कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं क्या चीज़ यूज़ टू इनपुट एनी डेटा इन टू कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के सिस्टम में कोई भी डेटा एंटर करवाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है भाई क्या चीज़ यूज़ की जाती है इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है क्या चीज़ इनपुट डिवाइस यूज की जाती है भाई आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोर मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पहले मेन चार फंक्शन कौन से कौन से हैं कंप्यूटर के मेन चार फंक्शन जो हैं कंप्यूटर के वो कौन से कौन से हैं तो मेन चार फंक्शन कौन से कौन से हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज इनपुट करना प्रोसेस करना आउटपुट देना स्टोरेज करना ये चार फंक्शन होते हैं और इनमें से तीन हम पढ़ चुके हैं एक दो तीन तीन हम पढ़ चुके हैं चौथा रहता है ठीक है ना थ्योरी में तीन पढ़ चुके हैं चौथा रहता है वट आर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज कलेक्टिवली कोल्ड ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएँ तो क्या गलाएँगे

इनपुट क्या होगा वो इनपुट होगा भाई क्या होगा इनपुट होगा क्या होगा इनपुट होगा कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूजर को डेटा देते हैं सीपीयू को डेटा देते हैं और बी और सी यूजर से डेटा लेते हैं और सीपीयू को डेटा देते हैं बी एंड सी बी एंड सी दोनों यूजर से डेटा लेते हैं और सीपीयू को डेटा देते हैं यूजर से लेकर के सीपीयू को डेटा देते हैं।, हैं भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को अब बताइए इनपुट और आउटपुट या इंफॉर्मेशन में बदल इनपुट को आउटपुट में या फिर इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है इनमें से बताइए प्रिंटर बदलता है सी बी बदलता है या मेमोरी बदलती है या इनमें से कोई नहीं जीरो पॉइंट नाइन फाइव नंबर कटवाना चाहोगे या इसका आंसर देना चाहोगे बताइए कौन बदलता है सीपी बिल्कुल राइट आंसर है कौन बदलता है सीपी बदलता है सीपी यू बदलता है सीपी यू बिल्कुल सही उत्तर है सभी का चलिए लेजर किरणों के माध्यम से कौन से माउस काम करते हैं विच माउस वर्क बाई मीन ऑफ लेजर रेस लेजर किरणों के माध्यम से कौन से कौन से माउस काम करते हैं लाइट सिग्नल की सहायता से कौन से कौन से माउस काम करते हैं बाकी लाइट सिग्नल की सहायता से जो काम नहीं करता माउस वो तो एक ही है मैकेनिकल माउस है वो कौन सा है मैकेनिकल माउस है भाई ठीक है ना हाँ जी तो ये दोनों है वायरलेस और ऑप्टिकल माउस जो है दोनों होते हैं वायरलेस माउस ऑप्टिकल माउस दोनों होते हैं माउस के बटन होते हैं लेफ्ट बटन होता है राइट बटन होता है स्क्रोल बटन होता है तीनों होते हैं माउस के तो तीनों बटन होते हैं ऑल ऑफ द अबो इज राइट आंसर चलिए स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले पेज या पिक्चर को टॉप बॉटम करने के लिए क्या किया जाता है पिक्चर को पेज या पिक्चर को टॉप करना है बॉटम करना है तो उसको करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है स्क्रोल बार यूज किया जाता है कौन सा बटन यूज किया जाता है स्क्रोल बार यूज किया जाता है भाई कौन सा बटन स्क्रोल बार यूज किया जाता है भाई सही बात आगे बढ़ते हैं माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का काम क्या है जो पहिया होता है उसका काम क्या है वेब पेज पर क्लिक करना ना सेलेक्ट आइटम को क्लिक करना ना सट डाउन करना ना स्क्रोल करना हाँ स्क्रोल करना होता है उसका काम क्या होता है स्क्रोल करना होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस का खालिस्तान क्लिक किया जाता है शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस का राइट क्लिक किया जाता है या लेफ्ट क्लिक किया जाता है या एक बार किया जाता है दो बार किया जाता है तीन बार चार बार तो दो बार क्लिक करेंगे तो वर्ड को सेलेक्ट करेंगे दो बार क्लिक करने से वर्ड को सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट बटन से दो बार क्लिक करोगे तो वर्ड सेलेक्ट होगा तीन बार क्लिक करोगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट होगा कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो सेंटेंस सेलेक्ट होगा बात समझ में आई क्लियर है बात चलिए अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस की तरफ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर अब अगला टॉपिक शुरू होता है ठीक है अगला टॉपिक शुरू होता है स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी शुरू होता है अगला टॉपिक अब शुरू होता है अपना मेमोरी ठीक है मेमोरी देखो क्या होता है जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है स्टोर प्रोग्राम डेटा जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है उसको और प्रोग्राम जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है मेमोरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो मेडअप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल बहुत बड़ी संख्या में सेलों से बनी होती है बहुत बड़ी संख्या में छोटी छोटी सेलों से बनी होती है ईच सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेल जो है एक बिट इंफॉर्मेशन की स्टोर कर सकती है एक सेल एक बिट स्टोर कर सकती है बाइंड्री नंबर में किसमें बाइंड्री नंबर में भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को अब तक हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री कंप्यूटर के टाइप इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस ये पढ़े हैं भाई ठीक है ना सभी को चलिए तो ये है, ये मेमोरी समझ में आ गई आपको तो इसका मतलब आपको मेमोरी क्लियर हो गई ये मेमोरी हायरकी जिसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई इसका मतलब उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा सबसे ऊपर मेमोरी हायरकी में रजिस्टर होते हैं क्योंकि यहां पर तो सीपीयू बैठा होता है सी पी यू के नज़दीक लगते कौन होते हैं रजिस्टर होते हैं रजिस्टर के नज़दीक लगते कौन होती है कैश मेमोरी होती है कैश मेमोरी के नज़दीक लगते मेन मेमोरी होती है मेन मेमोरी के नज़दीक लगते सेकेंडरी मेमोरी होती है और ये भी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है ठीक है इसको जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन बोर्ड भी कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक इन बोर्ड कहा जाता है या इन लाइन कहा जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है अब ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना जैसे ही नीचे से ऊपर जाओगे तो मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी क्या बढ़ेगी मेमोरी की स्पीड इंक्रीज होगी जैसे ऊपर से नीचे सॉरी नीचे से ऊपर जाओगे तो मेमोरी की स्पीड बढ़ेगी यानी कि सबसे टॉप जो मेमोरी है वो सबसे फास्ट मेमोरी है ठीक है ना सबसे टॉप जो मेमोरी है वो सबसे फास्ट मेमोरी है ठीक है ना सबसे टॉप जो मेमोरी है सबसे फास्ट मेमोरी यानी कि रजिस्टर सबसे फास्ट है गुड इवनिंग भाई रजिस्टर सबसे फास्ट है फिर उसके बाद कैश फास्ट है उसके बाद मेन मेमोरी उसके बाद मैग्नेटिक ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क फास्ट है सॉरी मैग्नेटिक टेप फास्ट है ठीक है अब ऊपर से जैसे ही नीचे आओगे तो मेमोरी का साइज बढ़ेगा मेमोरी का क्या है साइज बढ़ेगा यानी कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है सबसे नीचे है सबसे नीचे है सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है सबसे ऊपर है जो सबसे छोटी है वो सबसे तेज है जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो सबसे स्लो है वो सबसे स्लो है भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को इस तरीके से ये मेमोरी हायरकी है आपसे पूछा यह जाता है कि मेमोरी हायरकी में सबसे ऊपर कौन है या ये पूछा था सबसे नीचे कौन है ठीक है ना तो आइए मेमोरी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी कह रहे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है कह रहे कि मेमोरी तो तीन प्रकार की होती है कैन बी कंसिडर एट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी तीन प्रकार की मेमोरी हम पढ़ेंगे कौन सी, सी कौन सी कौन सी कौन सी मेमोरी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी प्राइमरी मेमोरी या जिसको हम मेन मेमोरी भी कह देते हैं और सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है तो आइए प्रोसेसर इंटरनल यानी कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी पढ़ते हैं इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये हाई स्पीड रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं जब हमने सीपीयू पढ़ा था सीपीयू में सीयू पढ़ा था और एमयू पढ़ा था और एलयू पढ़ा था जिस समय हम एमयू पढ़ रहे थे उस समय ये रजिस्टर की ही बात हो रही थी ये रजिस्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है क्लियर है बात सभी को जी बहुत बढ़िया है तो रजिस्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीसी सी रजिस्टर पढ़ चुके हैं आईआर रजिस्टर पढ़ चुके हैं हम एम ए आर रजिस्टर पढ़ चुके हैं हम एम बी आर रजिस्टर पढ़ चुके हैं एकबूलेटर पढ़ चुके हैं इसके बाद बहुत सारे और भी रजिस्टर होते हैं जो नेसेसरी होते हैं किसी सी के लिए मोस्ट एसेंश ये मोस्ट एसेंशियल सी पी यू हैं जो ये वाले सी पी यू हैं ये सबसे इसेंशियल सीपीयू है सॉरी रजिस्टर है बाकी जो और भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं लेकिन वो इतने जरूरी नहीं होते ये सबसे जरूरी है अब आ जाओ कैश मेमोरी की तरफ किसकी तरफ आ जाओ अब आ जाओ मेन कैश मेमोरी की तरफ कैश मेमोरी पढ़ लेते हैं भाई कौन सी मेमरी पढ़ लेते हैं अब कैशे मेमोरी पढ़ लेते हैं भाई देखो सर अब बादशाह नहीं 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 भाई बादशाह भाद सा देखो कैश मेमोरी जो होती है स्मॉल हाई स्पीड बफर मेमोरी होती है स्मॉल हाई स्पीड बफर मेमोरी होती है जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है टेम्प्रेरी टाइम पर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के दौरान थोड़े समय के लिए होल्ड करती है जहाँ ये होल्ड करती है बफर करती है कंटेंट को मेन मेमोरी के कंटेंट को क्योंकि सीपीयू तो बहुत तेज़ दौड़ता है मेन मेमोरी के अपेक्षा इसलिए बीच में बिठाई गई है सीपीयू और रैम के बीच में बिठाई गई है ठीक है ना ये सीपीयू है आपका सीपीयू सी पी यू बॉक्स है आपका सॉरी सी पी यू है जो आपका और यहाँ है रैम आपकी और इनके बीच में बिठा दी कैश ए मेमरी कौन बिठा दी कैश मेमरी ये टेबल बनाएगी ये क्या बनाएगी टेबल बनाएगी मेमरी से आने जाने वालों की टेबल बनाएगी मेमरी से क्या सी पी यू ले रहा है क्या दे रहा है इनकी टेबल तैयार करेगी ठीक है ना इनकी क्या तैयार करेगी टेबल तैयार करेगी पहले नंबर पे व्हाट्सएप खोला भाई साहब ने दूसरे नंबर पे फेसबुक खोली तीसरे नंबर पे मैसेंजर खोला चौथे नंबर पे इंस्टाग्राम खोला इन सभी की लिस्ट बना लेगी और जब भी जब भी सीपीयू कहेगा आप कहोगे सीपीयू को कि दोबारा से इंस्टाग्राम खोल तो कैश मेमोरी से आगे जाने की सीपीयू को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टाग्राम इसको यहीं से मिल जाएगा इसलिए कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू की स्पीड को फास्ट करने के लिए होती है राम राम भाई पंकज स्वागत है आपका भी ठीक है इसलिए सीपीयू की गति को फास्ट करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है किस चीज का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है भाई प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है बफर स्टोरेज होता है रफ कॉपी बफर स्टोरेज क्या होता है बफर स्टोरेज होता है रफ कॉपी जैसे टीचर बोलता है बहुत तेज़ आवाज़ में उस तेज़ आवाज़ में आप फेयर कॉपी में नोट नहीं कर सकते आप लगा लेते हो रफ़ कॉपी ऐसे ही सीपीयू जो होता है उसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा मेमोरी को जल्दी खाली कर देता है मेन मेमोरी को लेकिन इससे बचने के लिए बीच में एक बफर मेमोरी बनाई जाती है बफर मेमोरी से बफर मेमोरी में मेन मेमोरी से डाटा आ जाता है लेकिन सीपीयू फिर भी फिर भी सी पी यू उसको भी खाली कर देता है इसलिए बफरिंग होती है फिर क्या होती है बफरिंग होती है नमस्कार भाई विक्रम नैन स्वागत है अत तो जमड़ा बिठाओगे जी बस आज खत्म में कराएं खाने और के रोज रोज़ का यू थ्यूरी थ्यूरी क्लास जी थ्यूरी क्लास जी रोज़ रोज का के कहना है यू है आज न बैठांगे इसी देखो तो क्या है लार्ज मेमोरी होती है ये लार्ज मेमोरी इतनी भी नहीं होती लेकिन रजिस्टर उसे कैश से लार्ज होती है और फास्ट होती है परंतु कैश से फास्ट नहीं होती जितना इंटरनल रजिस्टर फास्ट है और कैश फास्ट है उतनी फास्ट नहीं होती प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं ठीक है ना प्राइमरी मेमोरी जो होती है इट्स सेल्फ इम्प्लीमेंटेड बाई टू टाइप्स ऑफ मेमोरी ये भी दो प्रकार की होती है प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये भी कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की मेमोरी होती है कौन सी कौन सी होती है प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की कौन सी कौन सी होती है <laughs> चाहे कहूँ जी चाय पी है भाई विक्रम बाकी और पी लेंगे ले जे चाहता कोई मना नहीं ठीक है चलो देखो प्राइमरी मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की है दो प्रकार की एक रैम है और एक रोम है लेकिन एन सी आर टी कह रही है एक तीसरी और है सी मोस है कौन सी है सी मोस है एक तीसरे प्रकार की मेमोरी कह रही है एन सी आर टी सी मोस भी है चलिए तो रैम इस प्रकार की होती है और रोम उस प्रकार की होती है यह रैम और रोम का जो दृश्य है बहुत ही सुनहरा दृश्य है रैम के बारे में क्या कहना है चलो देखो रैम जो होती है वो रेंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि फुल फॉर्म इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है अप्रोप्रिएट नेम है राम रैम का डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम क्या होता है रीड राइट आर डब्ल्यू एम क्या होता है रीड राइट मेमोरी होता है जो सी पी यू जो है रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है डेटा को एनी प्राइमरी मेमोरी लोकेशन पर किसी भी लोकेशन पर क्यों क्योंकि रेंडम है क्योंकि क्या है ये रेंडम मेमोरी है कैसी मेमोरी है रेंडम मेमोरी है भाई ठीक है ना बाद में आई क्लियर हुई बात को चलिए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप आर मिंट फॉर प्राइमरी स्टोरेज दे होल्ड टेम्परेरी डेटा ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग रैम के अंदर रुकते हैं प्रोसेसिंग से पहले प्रोसेसिंग के बाद रैम के अंदर रुकते हैं ये कौन रुकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर हो कोई भी प्रोग्राम हो तो वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम की ही बात चल रही है यहाँ पर भी वोलेटाइल मेमोरी होती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को तब तक रखती है जब तक लाइट ना चली जाए और सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल मोड्यूल एस आई एम एम जो होता है जिसके अंदर एक स्लोट होता है जिसके अंदर रैम डलती है रैम की जो कैपेसिटी होती है वो सोलह एम बी से लेकर के चार जी बी तक पर्सनल कंप्यूटर में होती है हालांकि आजकल तो पर्सनल कंप्यूटर में भी चार जी बी से आठ जी बी करवाने लग गए इस क्लास कब तक चलेगी सुबह छः बजे तक है ना पार्टी चलेगी ऑल नाइट टाइप्स ऑफ रैम क्या होता है रैम के टाइप क्या हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम और डायनेमिक रैम डी रैम होती है रैम के जो टाइप होते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी में रैम रैम के दो टाइप एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं ये डेटा को स्टोर कर सकती है जब तक जब तक पावर उसको दी गई है तब तक ठीक है ना और कंटेंट जो होता है इस मेमोरी का मेमोरी सेल ऑफ दिस रैम विल स्टे इन द गिवन स्टेट स्टोर अ बिट एक बिट को स्टोर करती है इनडेफिनेटली टाइम यानी कि जब तक लाइट नहीं चली जाती तब तक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर डेटा रहता है यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है ये रिफ्रेश नहीं होती क्या नहीं होती ये मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती कौन सी एस रैम जो है रिफ्रेश नहीं होती भाई तो मेन एप्लीकेशन ऑफ एस रैम किस एरिया में प्रयोग की जाती है जहाँ थोड़ी मेमोरी की जरूरत हो लेकिन फास्ट मेमोरी की जरूरत हो हाई स्पीड की जरूरत हो वहाँ एस रैम प्रयोग होती है जैसे कैश मेमोरी के अंदर भी एस रैम की तकनीक का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी के अंदर भी एस रैम की तकनीक का प्रयोग किया जाता है भाई तो एस रैम जो होती है एडवांटेज जो होती है एस रैम की क्या एडवांटेज है एस रैम जो है वेरी हाई स्पीड होती है इसकी लेकिन एस रैम जो होती है वो कॉस्टली बहुत होती है क्या होती है महंगी बहुत होती है भाई डी रैम डायनेमिक रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम क्या होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये डेटा को कैपेसिटर पर चार्ज के रूप में स्टोर करती है कैपेसिटर यूज होते हैं इसके अंदर क्या यूज होते हैं इसके अंदर कैपेसिटर प्रयोग होते हैं इसके अंदर और इसमें कैपेसिटर जो यूज होते हैं वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाते हैं लेकिन उनको जो है रिफ्रेश करना पड़ता है चार्ज करने के लिए रिफ्रेश करने यानि की आवश्यकता पड़ती यानी कि रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती है डी रैम मेमरी जो है रिफ्रेश होती है भाई टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है नमस्ते भाई सभी को नमस्ते टिपिकली ईच मेमोरी ऑफ सेल डी रैम ऑफ ए डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश एट एवरी टू टू टेन मिली सेकेंड दो से दस मिली सेकेंड में रिफ्रेश होनी जरूरी है नहीं तो इसका डेटा लॉस्ट हो जाएगा इसका डेटा लोस्ट हो जाएगा नहीं तो तो डी रैम का एडवांटेज क्या है कह रहे कि पावर कंजप्शन लो है और रिफ्रेशिंग डिसएडवांटेज है इसका बार बार रिफ्रेश होती है एक्सटर्नल रिफ्रेशिंग के लिए सर्किट लगाने पड़ते हैं ये इसका डिसएडवांटेज है ये क्या है इसका डिसएडवांटेज है भाई तो डी रैम जो होती है डायनेमिक जो वो रैम होती है वो अवेलेबल होती है किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है ई डी ओ रैम एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम एस डी रैम सिंक्रोनियस डी रैम या डी डी आर एस डी रैम यानी कि डबल डेटा सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इस फॉर्म में अवेलेबल होती है ठीक है चलिए ये रैम और रोम के बीच में अंतर दिया है एन सी ई आर टी का डेटा है ये रैम और रोम के बीच में जो अंतर दिया है ये ये जो डेटा देख रहे हो आप ये एन सी ई आर टी का डेटा है भाई ठीक है ना यू का यू मतलब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये एन का रोम क्या होता है रीड ओनली मेमोरी होता है रैम क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और ये जो है ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है वो जो है टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करती है ये परमानेंट करती है डेटा को स्टोर वो टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करती है ठीक है ना ये परमानेंट डेटा को स्टोर करती है और ये रैम जो होती है टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करती है ये इंफॉर्मेशन को खोती नहीं है जब स्विच ऑफ कर दिया जाए तब भी ये इन्फॉर्मेशन को खो खो देती है जब स्विच ऑफ कर दिया जाए तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है ये होल्ड करती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को जैसे बूट लोडर को होल्ड करती है ये होल्ड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम विच आर करंटली इन यूज़ जो वर्तमान में करंटली यूज में है वो वाले ठीक है और ये इसका टाइप है रोम के जो टाइप है पी रोम टाइप है ई पी रोम टाइप है ई ई पी रोम टाइप है रैम के जो टाइप है डी रैम टाइप है एस रैम टाइप है ये टाइप है ये इनके अलग अलग जो है क्या है क्लासिफिकेशन है भाई ठीक है जी 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 गुड इवनिंग भाई सारे ने गुड इवनिंग चलो आगे बढ़ दो रोम क्या होती है रोम जो होती है वो क्या होती है रोम होती है रीड ओनली मेमोरी क्या होती है रीड ओनली मेमोरी होती है रीड का मीन्स होता है रीड मैनी ट्रांसफरिंग डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट सोर्स टू कंप्यूटर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या डेटा देना रीड होता है और राइट uh, क्या होता है यानी कि कंप्यूटर से डेटा आउटपुट डिवाइस पर देना राइट होता है आउटपुट डिवाइस पर डेटा देना रोम चिप बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड चिप से डेटा निकाला तो जा सकता है परंतु मॉडिफाई नहीं किया जा सकता रोम की चिप से डेटा निकाला जा सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं किया जा सकता भाई सर आज पता चला सर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का हाँ वोलेटाइल होता है जिसमें से लाइट जाने पर डेटा लॉस हो जाए मनीष गुड इवनिंग भाई और नॉन वोलेटाइल होता है लाइट जाने पर भी डेटा लॉस ना हो ठीक है ना टू टाइप ऑफ रोम रोम दो प्रकार की है एक तो एम रोम है कौन सी है एम रोम है और एक आपकी यूपी रोम है कौन सी है यूपी रोम है भाई एम रोम कौन सी है मैन्युफैक्चर्ड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है और यूपी रोम कौन सी है यूजर प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी है एम रोम को मास्क्ड रोम भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मास्क्ड रोम भी एम रोम को कहा जाता है एम का मतलब मैन्युफैक्चर रीड ओनली मेमोरी है ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए तो मैन्युफैक्चर रीड ओनली मेमोरी जो होती है मैन्युफैक्चर्ड रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है रोम इज वन इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन इज इट्स परमानेंटली बाय मनुफैक्चर मैनुफैक्चर के द्वारा डेटा परमानेंट स्टोर कर दिया जाता है जैसे लोगो जैसे मान लीजिए वीवो का फ़ोन है तो वीवो का लोगो स्टोर कर दिया मनुफैक्चर के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन जो है परमानेंटली स्टोर कर दी जाती हैं जैसे कि आपका लोगो है किसी भी मोबाइल का तो परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है आप उसे अपेंड नहीं कर सकते आप उसे अपडेट नहीं कर सकते जब भी आप सिस्टम को बूट करते हो तभी तो वो आपके सामने जो परमानेंटली इंस्टॉल है वो आपके सामने आ जाता है यूज़र प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी कौन सी है जैसे वो लोगो लग गया उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी को दे दिया जाता है अपना मोबाइल तो सॉफ्टवेयर कंपनी को जब दिया जाता है तो पी रोम हो जाता है वो क्या हो जाता है वो अपना सॉफ्टवेयर डालते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या बना देते हैं उसको प्रोग्रामेबल बना देते हैं उस डिवाइस को रीड ओनली मेमोरी और यूज़र उसमें प्रोग्राम कर सकता है यानी कि यूज़र उस फिर उसमें कोई भी एप्लीकेशन डाल सकता है भाई कोई भी यूज़र जो है अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है उसके अंदर ठीक है ना जी धन्यवाद वेलकम भाई पी रोम इज़ ए मेमरी चिप ऑन विच वी कैन स्टोर ए प्रोग्राम पी रोम एक मेमरी है जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं परंतु एक बार पी रोम के बाद पी रोम में स्टोर होने के बाद वी कैन नॉट वाइप पीट हम इसे साफ़ नहीं कर सकते एंड क्लीन यूज़ इट टू स्टोर समथिंग एल्स और इसमें की जगह कुछ और नहीं डाल सकते पी रोम रोम जो है वो लाइक है पी रोम्स की एंड नॉन वॉलेटाइल पी रोम और

और ई ई पी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी बीच एक क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया जो ई पी रोम होती है ई पी रोम होती है ई पी रोम में से डेटा डिलीट किया जा सकता है कौन सी लेजर बीम की सहायता से डेटा इरेज किया जा सकता है किसकी सहायता से डेटा इरेज किया जा सकता है ई पी रोम में से ई पी रोम में से किसकी सहायता से डेटा डिलीट किया जा सकता है जी अमन सिंह जी थैंक यू सो मच हमें हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर किसी ने नहीं किया हो तो शेयर कर देना किसी ने अगर शेयर नहीं किया हो तो ई रोम में से डेटा को किसकी सहायता से डेटा डिलीट किया जा सकता है <coughs> बिल्कुल सही यू वी रेज की सहायता से यू वी अल्ट्रा वायोलेट राइट की सहायता से डेटा डिलीट किया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रिकल रेज की सहायता से डेटा डिलीट किया जा सकता है इसमें इलेक्ट्रिकली ड्रेज की सहायता से डेटा डिलीट किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर मेमरी हालाँकि सी मोस एक बैटरी होती है लेकिन सी मोस एक मेमोरी का टाइप होता है यानी कि इस प्रकार की एक मेमोरी होती है जो रोम में ही अवेलेबल होती है ये कह सकते हैं रोम ही सी मोस होती है रैम और रोम के अलावा एक तीसरे प्रकार की प्राथमिक मेमोरी एन सी कह रही है स्टोरेज है जिसे कहा जाता है सी मोस इसका उपयोग सिस्टम कन्फिग्रेशन याद रखना दिनांक समय और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है सिस्टम कन्फिग्रेशन मेमोरी कन्फिग्रेशन हार्डवेयर कन्फिग्रेशन डेट एंड टाइम को स्टोर करने के लिए सी मोस का प्रयोग किया, किया जाता है किस चीज का प्रयोग किया जाता है सी मोस का प्रयोग किया जाता है भाई बात समझ में आई सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आती है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी आती है इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है इसके बाद प्राइमरी मेमोरी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी जब जब ही तो सेकेंडरी मेमोरी लेकर आए क्या दिक्कत रही थी प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हम सेकेंडरी मेमोरी लेकर आए प्राइमरी मेमोरी में कुछ तो दिक्कत रही होगी तो सेकेंडरी मेमोरी लेकर आए ना तो प्राइमरी मेमोरी में क्या दिक्कत थी कि सेकेंडरी मेमोरी लेकर आए हालांकि पहले सेकेंडरी मेमोरी थी प्राइमरी फिर लेकर आए थे चलो तो प्राइमरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैज फॉलोइंग लिमिटेशन लिमिटेड कैपेसिटी ऐसा नहीं था इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो रैम की कैपेसिटी होती है 2GB 4GB कुछ ऐसा बस 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 इतना ही होता है ठीक है ना अब देखो वोलेटाइल नेचर वोलेटाइल होते हैं नेचर में क्या होते हैं नेचर में वोलेटाइल होते हैं मतलब नॉन वोलेटाइल नहीं है डेटा लॉस हो सकता है ठीक है चलिए आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पढ़ते हैं इसीलिए हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ते हैं फिर तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या हुआ सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है टोटली totally. क्या है नॉन वोलेटाइल है लो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज इसका क्या मतलब है बताओ कोई इस लाइन का मतलब बताओ कोई. इस लाइन का कोई मतलब बताओ मेरे को लो कॉस्ट है पर बिट स्टोरेज के हिसाब से पर बिट स्टोर करें तो कॉस्ट बिल्कुल ही कम पड़ती है इसका क्या मतलब है इस लाइन का क्या मतलब है बताओ मेरे को इस लाइन का क्या मतलब है पर बिट स्टोरेज में लो कॉस्ट पड़ती है अरे सस्ती है ये तो है ही इसका मतलब है देखो देखो कह रहे कि एक तो आपको बारह सो रुपए में बारह सो रुपये में दो जी बी मिलेगी रैम रैम दो जी बी मिलेगी बारह सो रुपए में यहां आपको पच्चीस रुपए में पांच सौ जी बी मिल रहा है पच्चीस सौ रुपए में पांच सौ जीबी पर बिट स्टोर करने के हिसाब से ये ठीक है पर बिट ये तो पर बिट में महंगी पड़ेगी एक बिट अपने को कितने रुपए की पड़ेगी 200 को डिवाइड कर दो बिट में बिट में डिवाइड कर दो, दो जी बी को बिट में डिवाइड कर दो उस हिसाब से कितने की पड़ेगी बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी ठीक है ना और ये पड़ेगी ये पड़ेगी सस्ती ये सस्ती पड़ेगी ठीक है ना इसलिए ये सेकेंडरी मेमोरी प्रयोग की जाती है भाई तो देखो फिर आगे तो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप आगे ये अपनी बुक में भी एज इट इज ग्राफ है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक तो सिक्वेंशियल टाइप की मेमोरी होती है एक डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है और सिक्वेंशियल जो होती है ये एक मैग्नेटिक टेप होती है और डायरेक्ट एक्सेस में एक तो मैग्नेटिक डिस्क होती है एक ऑप्टिकल डिस्क होती है और एक आपका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कोई और अदर हुई हो सकती है मैग्नेटिक डिस्क में फ्लोपी डिस्क और हार्ड डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम डीवीडी और सीडी RW होती है और मैग्नेटिक स्टोरेज में अन्य फ्लैश स्टोरेज जिसको हम कहते हैं उसमें आपका मेमोरी कार्ड होता है उसमें आपका क्या होता है मेमोरी कार्ड होता है चलिए सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी देख लेते हैं सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एक तो मेमोरी होती है सिक्वेंशियल और एक मेमोरी होती है डायरेक्ट एक्सेस देयर आर टू मेथड ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में से डेटा उठाने के दो तरीके हैं एक तो है आपका सीक्वेंस में डेटा उठाना एक है आपका डायरेक्ट कहीं से भी डेटा उठा लेना ठीक है ना डायरेक्ट कह लीजिए रैंडम कह लीजिए डायरेक्ट को रैंडम भी कह सकते हैं डायरेक्ट को रैंडम भी कह सकते हैं ठीक है ना चलिए तो मैग्नेटिक टेप जो है मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज हुआ करती थी पहले लार्ज डेटा के लिए आज भी है एक्सेस्ड एंड प्रोसेस्ड सीक्वेंसली ये सीक्वेंस मेमोरी है सीक्वेंसियल मेमोरी अकेली ही है और वो है मैग्नेटिक टेप वो क्या है मैग्नेटिक टेप है भाई तो मैग्नेटिक टेप ये वाली है भाई वी वाली कैसेट होती थी जो पहले टेप रिकॉर्डर होते थे जो उस पर क्या बोलते हैं ट्रैक्टर वगैरह पे यूज किए जाते थे टेप रिकॉर्डर वगैरह उसमें प्रयोग होती थी कौन सी मेमोरी मैग्नेटिक टेप मेमोरी कौन सी मेमोरी होती थी मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती थी ठीक है ना कौन सी मेमरी होती मैग्नेटिक टेप मेमरी होती थी तो, तो, तो मैग्नेटिक टेप जो है मीडियम जो है प्लास्टिक या मैग्नेटिक टेप का प्लास्टिक की होती थी प्लास्टिक का रिबन होता था आधा इंच चौड़ी होती थी आधा इंच चौड़ी ऐसे आधा इंच चौड़ाई होती थी पचास से चौबीस सौ फिट जो है लंबी होती थी पचास से चौबीसों फिट लंबी होती थी डेटा जो है टेप पर रिकॉर्ड किया जाता था टीनी इनविजिबल मैग्नेटाइज छोटे छोटे चुंबके धब्बे होते थे उस फॉर्म में यूज़ किया जाता था ठीक है ना टेप के ऊपर आधा इंच चौड़ी होती थी ये टेप जो होती थी टेप जो है आगे वर्टिकल कॉलम में डिवाइड की जाती थी, थी ये जो टेप होता था इसमें इस तरीके से वर्टिकल कॉलम होते थे उनको फ्रेम कहा जाता था इनको क्या कहा जाता था फ्रेम्स कहा जाता था और हॉरिजॉन्टल रो होती थी इन ये इस तरीके से रो होती थी इन्हें चैनल कहा जाता था चैनल कह लीजिए या ट्रैक कह लीजिए इन्हें चैनल्स कहा जाता था या कह लीजिए ट्रैक्स कहा जाता था क्या कहा जाता था ट्रैक्स कहा जाता था चैनल या ट्रैक्स कहा जाता था ठीक है तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है मेजर की जाती है बाइट में हमेशा ध्यान रखना बाइट पर इंच इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बाइट पर इंच में स्टोर की जाती थी बाइट पर इंच यानी कि एक इंच में कितने बाइट स्टोर हो सकते हैं वैसे भी स्टोरेज की जब हम बात करेंगे तो बाइट की बात करेंगे जब हम स्पीड की बात करेंगे तो बिट की बात करेंगे स्पीड की बात करेंगे तो बिट की बात करेंगे बिट वाला भी छोटा बी और जब हम स्टोरेज की बात करेंगे तो बड़ा बी की बात करेंगे स्टोरेज की बात करेंगे तो बड़ा बी की बात करेंगे यानी कि बाइट की बात करेंगे ठीक है ना किस चीज़ की बात करेंगे बाइट की बात करेंगे जो डेटा ट्रांसफ़र है वो मेज़र किया जाता है बाइट पर सेकेंड में कितने बाइट एक सेकेंड में डेटा ट्रांसफ़र किया बाइट पर सेकेंड में, में मेजर किया जाता है कितने बाइट डेटा एक सेकंड में ट्रांसफ़र किया और बाइट पर इंच यानी कि एक इंच जैसे एक इंच है एक इंच इसमें कितना बाइट डेटा स्टोर हुआ यह है ठीक है ना आठ बिट होते हैं एक बाइट में एक बाइट में कितने बिट होते हैं आठ बिट होते हैं चलिए मैग्नेटिक डिस्क इसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क ये पॉपुलर डायरेक्ट एक्सेस सिक्वेंसियल स्टोरेज सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है डायरेक्ट एक्सेस है ये ध्यान रखना ठीक है ना इट इज ए थिन सर्कुलर प्लेट प्लेटर भी कह देते हैं मेड अप ऑफ मेटल मेटल से बनी होती है या प्लास्टिक से बनी होती है एंड कोटेड ऑन बोथ साइड दोनों साइड से रंगी होती है विद ए रिकॉर्डिंग मटीरियल रिकॉर्डिंग मटीरियल से दैट कैन बी मैगनेटाइज सच एज आयरन ऑक्साइड जो कि आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मैग्नेटाइज होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोनों साइड में एक प्लेट होती है मेटल की हो सकती है प्लास्टिक की हो सकती है दोनों साइड मटीरियल आ सकता है ठीक है ना मेटल ऑक्साइड दोनों साइड जो है ऑक्साइड की सहायता से मटेरियल आ सकता है भाई ठीक है ना आयरन ऑक्साइड की सहायता से क्लियर चलिए ये मैग्नेटिक डिस्क है आपकी क्या है ये मैग्नेटिक डिस्क है आपकी ये ये मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या है स्पिंडल है स्पिंडल और स्पिंडल में ये प्लेट है प्लेटों के अंदर क्या होते हैं ट्रैक होते हैं ट्रैक के अंदर क्या होती है ये ट्रैक आपका ये ट्रैक होते हैं ट्रैकों के अंदर क्या होते हैं ये सेक्टर होते हैं ट्रैकों के अंदर क्या होते हैं सेक्टर होते हैं भाई और इनको रीड राइट हेड बोला जाता है इनको क्या बोला जाता है रीड राइट हेड बोला जाता है रीड राइट हेड होते हैं ये ठीक है ना क्लियर है बात चलो स्टोरेज कैसे होता है मैग्नेटिक डिस्क में स्टोरेज कैसे होता है तो कह रहे कि जो सरफेस होता है ना डिस्क का ये सरफेस ये डिवाइडेड होता है नंबर ऑफ इनविजिबल कॉन्सेंट्रेट सर्कल इस तरीके से इनविजिबल होते हैं ये ट्रैक कहा जाता है ने ईच ट्रैक विल बी डिवाइडेड इनटू एट सेक्टर एट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें सेक्टर कहा जाता है एक सेक्टर में लगभग 512 बाइट डेटा आ जाता है एक सेक्टर में लगभग कितना डेटा आ जाता है 512 बाइट डेटा आ जाता है एक सेक्टर में डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन ट्रैक्स डेटा जो ट्रैक में रिकॉर्ड किया जाता है ऑफ ए स्पिनिंग डिस्क सरफेस घूमती हुई डिस्क के सरफेस पर रीड फ्रॉम द सर्फेस बाई वन और मोर रीड राइट हेड रीड किया जाता है रीड राइट हेड के द्वारा डेटा को रीड किया जाता है रीड राइट हेड के द्वारा डेटा एक्सेस टाइम जो होता है वो क्या होता है डेटा एक्सेस टाइम कितने प्रकार का होता है डिस्क एक्सेस टाइम सॉरी डिस्क एक्सेस का टाइम जो होता है यानी कि डिस्क में से अगर डेटा उठाएं तो कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे क्या क्या कौन से टाइम को क्या बोलेंगे तो तीन प्रकार का होता है, तो सीक होता है एक तो सीख टाइम होता है एक आपका लेटेंसी टाइम होता है और एक आपका ट्रांसफर रेट होता है तीन प्रकार का होता है डिस्क में से डेटा उठाने का टाइम तो सीक टाइम जो होता है इसका मतलब क्या होता है जो टाइम जरूरत है पहुंचाना सीक टाइम कहलाता है यह डिस्क है यह ट्रैक है यहां रीड राइट हेड हेड जो है इस तरीके से मूव करता है ऐसे ऐसे कह रहा कि मान लीजिए डेटा यहां पर है अगर डेटा यहाँ पर है तो ये रीड राइट हेड जैसे यहाँ पर आ जाएगा यानी कि इस ट्रैक में तो डेटा आ गया इस ट्रैक में तो रीड राइट हेड आ गया तो रीड राइट हेड का डिज़ायर्ड ट्रैक में पहुँचना सीक टाइम कहलाता है क्या कहलाता है डिजायर्ड ट्रैक में पहुँचना सीक टाइम कहलाता है भाई ठीक है ना अब लेटेंसी टाइम क्या होता है ये ऐसा टाइम होता है जो रिक्वायर होता है स्पिन करने के लिए डिज़र्ड सेक्टर में पहुंचने के लिए रीड राइट हेड के डिजायर्ड सेक्टर में पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है जैसे मान लीजिए ये ट्रैक थे अपने ये ट्रैक थे और ये सेक्टर थे रीड राइट हेड यहाँ था यहाँ से यहाँ तक तो वो पहुँच गया था यहाँ से यहाँ पहुँच गया लेकिन डेटा यहाँ है अब इस डेटा तक पहुँचने के लिए इसको घुमा देंगे ऐसे डिस्क रोटेट हो जाएगी क्लॉक हो सकती है और एंटी क्लॉक हो सकती है दोनों ही तरीके से हो सकती है तो क्लॉक और एंटी क्लॉक रोटेशन करने में जो टाइम लग रहा है उसको रोटेशनल डिले टाइम कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है रोटेशनल डिले टाइम कहा जाता है उसको रोटेशनल डिले टाइम कहा जाता है भाई या उसको लेटेंसी टाइम कहा जाता है एच पूछती है लेटेंसी टाइम को और क्या कहा जाता है लेटेंसी टाइम को और क्या कहा जाता है रोटेशनल डिले टाइम कहा जाता है रोटेशनल डिले टाइम कहा जाता है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए ट्रांसफर रेट क्या होती है ट्रांसफर रेट रेफर्स टू द रेट एट विच डेटा इज डेटा इज रीड और रिटर्न फ्रॉम टू ए डिस्क कह रहा है कि डिस्क से डेटा को पढ़ना या डिस्क में डेटा को लिखने में जो टोटल टाइम लगा है उसे डेटा ट्रांसफर टाइम कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक अनिकेत जी जी अनिकेत जी स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत सर जी अपने जिक्के के धुरंधर है भाई जी जी स्वागत है अनिकेत जी आपका बहुत बहुत तो क्लियर है बात यहाँ तक डिस्क ड्राइव क्या होता है ने पूछा था ड्राइव क्या होता है ने क्या पूछा था ड्राइव होता क्या है तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क 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 इज माउंटेड ऑन ए ड्राइव ड्राइव जिस के अंदर रखी जाती है उसे डिस्क ड्राइव कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है डिस्क ड्राइव कहा जाता है भाई ठीक है क्लियर है बात सभी को क्या हो गया भाई सर जी आओ जल्दी से जाओ जल्दी से क्या हो रहा है क्या चल रहा है ये चलो कोई बात ना वीडियो को लाइक और शेयर करवा देना भाई ठीक है ना डिस्क ड्राइव ये डिस्क ड्राइव होती है जिसके अंदर ये चीज डाली जाती है इसको ड्राइव कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है ड्राइव कहा जाता है नमस्ते भाई नमस्ते फौजी वर्म जी फ्लोपी डिस्क इसके बाद क्या आ जाती है हमारी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के बाद फ्लोपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क को ही हार्ड डिस्क कह रहे हैं हम और इसके बाद आ जाती है फ्लोपी डिस्क फ्लोपी डिस्क क्या होती है फ्लैट होती है सर्कुलर होती है पीस ओ फ्लैक्सीबल प्लास्टिक कोटेड होती है विद मैग्नेटिक ऑक्साइड मैग्नेटिक ऑक्साइड से दे वर इंट्रोड्यूस बाय आईबीएम इन 1972 1972 में इंट्रोड्यूस की गई थी 1972 में इंट्रोड्यूस की गई थी पाँच से एक बड़ा चार इंच भी इसका साइज़ होता था जिसमें एक पॉइंट दो दो एम बी डाटा आता था फिर तीन से एक बड़ा दो का साइज़ भी आया इसका जिसमें एक पॉइंट चार चार एम बी डाटा भी आता है एक पॉइंट चार चार एम बी डाटा भी शामिल होता है क्लियर बात सभी को हाँ जी चलिए यह फ्लोपी थी इस तरीके से यह प्लास्टिक की कोटेड होती थी बीच में होल होता था बीच में इसके सुराख होता था भाई ठीक है ना चलिए ऑप्टिकल डिस्क आ गई भाई क्या आएगी ऑप्टिकल डिस्क आ गई अब ऑप्टिकल डिस्क तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग डिस्क कोटेड विद एन थिन मेटल और सम अदर मटेरियल पतले से मेटल की या किसी और मटेरियल की बनी होती है हाईली रिफ्लेक्टिव होती है रिफ्लेक्शन आता है इसमें इट यूजेस लेजर बीम ये किस चीज़ का इस्तेमाल करती है लेजर बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है डेटा को पढ़ने के लिए क्या ऑप्टिकल जो डिस्क होती है इसमें ट्रैक और सेक्टर होते हैं सभी का कमेंट आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो ग्रुप में जी बिल्कुल सही बात है अनिकेत जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच लाइव में जुड़ने के लिए भी और एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर भी हैं अनिकेत सर अपने और हरियाणा जी के बहुत अच्छे बढ़ाते हैं ऑफ़लाइन भी बढ़ाते हैं ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं बड़े एनर्जेटिक भी हैं बहुत ही एनर्जेटिक हैं जी नमस्ते मेरे को बताइए आप कि क्या इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर होते हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या ट्रैक और सेक्टर होते हैं सेक्टर हटा दीजिए ट्रैक होता है क्या ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ट्रैक होता है सभी का आंसर आ जाना चाहिए सभी आंसर करो क्या ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ट्रैक होता है ट्रैक मैंने सिर्फ ट्रैक कहा है हाँ बिल्कुल सही मीतू मीतू का आंसर सही है एक ट्रैक होता है वो भी लंबा ट्रैक होता है बाहर से अंदर की तरफ होता है बाहर से अंदर की तरफ होता है तो ये ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है जो हाईली रिफ्लेक्टिव है रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा ठीक है ऑप्टिकल डिस्क जो है एक लॉन्ग ट्रैक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटर एज एंड स्पाइरलिंग इन वर्ड्स आउटर एज से शुरू होकर अंदर की तरफ अंदर की तरफ एक ही लंबा स्पाइरलिंग ट्रैक होता है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव लेजर बीम का प्रयोग करती है ये तो हो चुका तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है सी डी आर होती है सी डी आर डब्ल्यू होती है डीवीडी होती है ब्लू रे डिस्क होती है सी डी और डीवीडी का ऑलरेडी यू नो वेरी वेल सी और डीवीडी के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं सभी चीजों के बारे में ठीक है ना सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क सी डी क्या होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और डीवीडी होती है डिजिटल वीडियो डिस्क होती है क्या होती है डिजिटल वीडियो डिस्क होती है डिजिटल वीडियो डिस्क होती है या फिर वीडियो की बजाय क्या कह देंगे वर्सेटाइल डिस्क होती है क्या होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है आर डब्लू का मतलब होता है रीड राइट आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है रीड और राइट होता है और लेकिन आर का मतलब क्या होता है रिकॉर्डेबल होता है क्या होता है रिकॉर्डेबल होता है तो नई वाली कौन सी है नई वाली है आपकी बी आर डी नई वाली क्या आपकी बी आर डी है ब्लू रेडिस्क है भाई वाले। तो इसके बाद ब्लू रेडिस्क पर आज सी डी और डीवीडी की तरह यह स्टोर कर सकती है 27 जी एक साइड ऑन ना सिंगल लेयर एक लेयर पर सत्ताईस जी बी चौवन जी दोनों साइड स्टोर कर सकती है बहुत ही बड़ा डेटा स्टोर कर सकती है रेड लेजर बीम सॉरी सीडी और डीवीडी जो है वो रेड लेजर बीम का प्रयोग करती हैं डेटा को पढ़ने के लिए जबकि ब्लू रे डिस्क जो है वो ब्लू लेजर बीम का प्रयोग करती हैं डेटा को पढ़ने के लिए सीडी डीवीडी रेड लेजर बीम का इस्तेमाल करती हैं और ये आपका ब्लू रेज का इस्तेमाल करती हैं भाई ठीक है ना चलिए सोलिड स्टेट मेमरी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलिड स्टेट मेमरी इसको और क्या कहा जाता है सोलिड स्टेट मेमोरी एस एस एम को और क्या कहा जाता है बताओ एस एस एम को और क्या कहा जाता है बताओ एस एस एम को और क्या कहा जाता है एस एस एम को और क्या कहा जाता है बताइए जरा कमेंट करके मैं पूछ रहा हूँ एस एस एम को और क्या कहा जाता है ये तो बता दो ये तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल सही बात है एस एस टी सोलिड स्टेट ड्राइव सोलिड स्टेट ड्राइव जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की डली हुई है इसीलिए तो कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं डायरेक्ट इसमें कोई रील नहीं होती कोई टेप नहीं होती कोई मूविंग पार्ट नहीं होता कोई ट्रैक सेक्टर नहीं होता कोई लेजर बीम नहीं होती और कोई स्पाइनिंग डिस्क नहीं होती बात समझ में आ रही सभी को सभी को बात समझ में आ रही है इसमें ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती ठीक है ना नमस्ते भाई नमस्ते सभी को नमस्ते इसीलिए ये फास्ट होती है इसीलिए एस एस डी फास्ट होती है क्यों डिस्क रोटेट करने में ट्रैक एंड सेक्टर से डेटा निकालने में टाइम लग रहा था अब डायरेक्ट सर्किट लगाओ टाइम कहाँ लगाओगे डायरेक्ट डेटा उठेगा क्यों क्योंकि इसमें ना तो टेप है ना रील है जी गुड इवनिंग भाई सोनी का मोर गुड इवनिंग तो इसलिए एस एस डी बेस्ट है क्या है एस एस डी बेस्ट है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है फ्लैश ड्राइव फ्लैश ड्राइव की बात करेंगे जो पेन ड्राइव की बात होती है तो प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है कौन सी डिवाइस होती है ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है कौन सी डिवाइस होती है ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है कैथल वालों की राम 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 भाई आते जाना लाइक करते जरूर जाना ठीक है ना लाइक करना जरूर ठीक है और अपना कमेंट अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज करवाना यू एस बी होती है यू एस बी के अंदर ये लगाई जाती है और एक मेमोरी कार्ड होता है जिसे एस डी कार्ड कहते हैं सिक्योर डिजिटल एम एम सी भी इसी को कहते हैं मल्टी मीडिया कार्ड भी कहते हैं भाई ठीक है क्या कहते हैं मल्टी मीडिया कार्ड भी इसको कहते हैं हमारी भी सुन लो सर हाँ जी ट्रेंडिंग बोलो क्या क्या नहीं सुनी आपकी इसके बाद का टॉपिक आता है कंप्यूटर कोड्स कौन सा टॉपिक आता, अब? आता है अब कंप्यूटर कोड का टॉपिक आता है भाई ठीक है कंप्यूटर कोड का टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा पानी बिलू इजाजत हो तो सॉरी हाँ जी बिल्कुल सभी शेयर कर दें अगर ले नए हैं बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्लास को शेयर जरूर कर देना कितना टाइम और चलेगी जी क्लास क्लास चलेगी सुबह तीन बजे तक जब YouTube मना कर देगा ना तब क्लास रोक देंगे गुरु जी धन्यवाद आप भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम देकर आया हूँ अपनी क्लास से था सब थैंक यू सो मच राहुल कैथल राहुल बहुत बहुत बधाई भाई आपको एडवांस में बहुत शुभकामनाएं बहुत अच्छी बात है आपकी मेहनत रंग लाई आपकी मेहनत रंग लाएगी जब भी आप मेहनत करोगे तो एब्सोल्यूटली बिल्कुल भाई हाँ गर्म पानी गर्म पानी ले, गरम ले आ, प्रभु इच्छा तक प्रभु इच्छा तक है क्लास तो कंप्यूटर कोड पे आ जाइए किस चीज पर आ जाइए कंप्यूटर कोड्स पर आ जाइए भाई ठीक है ना तो देख लेते हैं कंप्यूटर में जो कोड होते हैं वो कौन से कौन से होते हैं कितने पेज और रह गए जी सिरसा से राम, राम 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 भाई पेज दो सौ हुए हैं यानी कि आधी क्लास आ गई आधी क्लास आ गई वहीं आधी रहेगी 560 कुछ पेज है तो आधी क्लास तो आ चुकी है आधी रह गई है सर मैथ भी पढ़ाते हो ना भाई मैथ मुंह मेरा बस की बात नहीं देख ठीक है ना तो देखो लुधियाना से राम, राम 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 भाई सब ना राम राम भाई सबको राम राम भाई राम राम नमस्ते जय हिंद भाई तो कंप्यूटर कोड कौन से कौन से हैं देखो एक तो हम यूज करते हैं डेसिमल मैथ के अंदर एक यूज़ करते हैं हम बाइनरी कंप्यूटर के अंदर एक यूज़ करते हैं हम ओक्टल कंप्यूटर के अंदर एक यूज़ करते हैं हम हेक्साडेसिमल कंप्यूटर के अंदर हेगज़ा कंप्यूटर के अंदर तो डेसिमल जब भी हम यूज़ करते हैं उसका बेस होता है टेन बाइंड्री जब भी हम यूज़ करते हैं उसका बेस होता है टू ऑक्टल जब भी हम यूज़ करते हैं उसका बेस होता है आठ हेगजा डेसीमल जब भी यूज़ करते हैं तो उसका बेस होता है सोलह ठीक है ना क्लियर है बात तो ये तो ये है ना जो ये वाला ये वाला मामला काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती है कि सर ये ज़रूर पढ़ाना ये ज़रूर पढ़ाना तो मैं ये पढ़ाई देता हूँ ठीक है ना ठीक है ये इसलिए बढ़ा देता हूं मैं तो अब आप मुझे बताइए वन जीरो बात सही है क्या ये बात सही है या ये बात गलत है तो ये सही है या गलत है ये बताना है आपने सही है या गलत है ये बताना है जी थैंक यू सो मच बंसीलाल भाई बताओ भाई ये बात सही है या गलत है ये बात सही है या गलत है वन जीरो वन टू Osionfish. इसका बेस कितना होता है इसका बेस होता है टेन इसका टू इसका आठ उसका सोलह बेस होता है ठीक है अब मान लीजिए इसकी जीरो को लिखना हो जीरो ऐसे लिखेंगे डेसी में तो यानी कि मैथ में तो ऐसे लिखेंगे ना ज़ीरो तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे बाइनरी में ऐसे लिखेंगे क्या या फिर ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री इनमें से कौन सा सही है बाइनरी में कैसे लिखेंगे बाइनरी में कैसे लिखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन सही है भाई बाइनरी में कैसे लिखेंगे नौ बजकर पंद्रह मिनट फिर चाय पे होंगे नाइन थर्ट नाइन फिफ्टीन नौ क्लॉक बताओ भाई कौन सा सही है कौन सा सही है इनमें से तीसरा सही है एक करा तीसरा सही एक करा दूसरा सही है सी करें सी 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 अरे नहीं जब भी हमें जीरो लिखनी होगी बाइनरी में हम ये पूछेंगे कितनी बिट में लिखनी है हम क्या पूछेंगे हम ये पूछेंगे कितनी बिट में लिखनी है ठीक है ना कितनी बिट में लिखनी है मैं कहूँ चार बिट में लिखूंगा मैं तो बाइनरी को किस बिट कितनी बिट में लिखूंगा चार बिट में तो चार ज़ीरो लगाएंगे जीरो 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 चार बिट में लिख दिया चार बिट में भाई ठीक है ना और ये जो चार बिट यूज़ किए हैं मैंने ये इस तरीके से यूज़ किए हैं दो की पावर जीरो में दो की पावर एक दो की पावर दो दो की पावर तीन में यूज़ की हैं दो की पावर ज़ीरो एक होता है ये दो होता है ये चार होता है ये आठ होता है इसी से बना है ये चौरासी इक्की का कोड किस चीज़ का कोड बना है चौरासी इक्की का कोड बना है इसी से तो बना है अब इसके ऊपर चौरासी इक्की लिख के देख लो चौरासी इक्की का कोड बन जाएगा इससे आप आसानी से सीख जाओगे ये कह सकते हैं हम ऐसी ट्रिक है तो वन को कैसे लिखेंगे बाइनरी में वन को मैथ में तो ऐसे लिखते हैं वन को बाइनरी में कैसे लिखेंगे इस वन के नीचे वन बाकी सभी को ज़ीरो कर दो अगर टू लिखना हो तो तो टू के नीचे वन बाकी सभी को जीरो लिख दो मैं कहूँ थ्री लिखना हो तो थ्री तो इसमें है नहीं गुरु जी तो दो प्लस एक तीन होते हैं दो और एक का जोड़ तीन होता है तो बाकी सभी को जीरो कर दो चार लिखना हो तो चार तो ऑलरेडी है इसमें बाकी सभी को जीरो कर दो चार के नीचे एक करके और पाँच लिखना हो तो, तो फिर पाँच लिखना हो तो चार और एक पाँच बाकी को जीरो कर दो भाई मैं कहूँ छः लिखना हो तो छह लिखना तो कह है कि जीरो वन वन जीरो चार दो छह बाकी जीरो और अगर सात लिखना हो तो सात लिखना हो तो जीरो वन 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 सात हो जाएगा चार बिट में सात ठीक है ना अब आप एक चीज़ देखो एक बात समझो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीसरी बिट की क्या जरूरत थी चौथी बिट की क्या जरूरत थी जरूरत ही नहीं इसको हटा दो बेशक से इस साइड जितनी मर्जी लगा था हटा दो क्या क्या दिक्कत है करे गुरुजी मैं हमेशा आपकी क्लास ऑफलाइन देखते हूँ गुरुजी आज आप ऑनलाइन हो तो बहुत खुशी हुई गुरुजी मेरा प्रणाम जी ज्योति जी स्वागत है आपका ठीक है क्लियर हुई बात तीसरी बिट की कोई जरूरत नहीं थी चौथी बिट की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ तक ठीक है अब इसके बाद देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तीसरी बिट की कोई जरूरत नहीं थी चौथी बिट की दो बिट यूज हुए जीरो से लेकर के एक दो तीन जीरो से लेकर के तीन तक लिखने में कितने बिट यूज हुए दो बिट यूज हुए यानी कि दो बिट से कितने नंबर दर्शाए गए दो की पावर दो बिट को ऊपर ले आओ बस चार नंबर दर्शाए गए दो दो की बिट की सहायता से चार नंबर दर्शाए गए ज़ीरो से लेकर के तीन तक बात समझ आ रही है अब तीन बिट के साथ ऐसे कितने नंबर दर्शाए जाएंगे आपसे पूछे दो की पावर तीन कर दो आठ नंबर दर्शाए जा सकेंगे भाई जीरो से लेकर के सात तक जीरो से लेकर के सात तक कितने होते हैं आठ होते हैं कभी आप सात ले जाओ उसको ठीक है ना आठ होते हैं ठीक है अब आप इसको लिखना सीख गए हो अब आप आसानी से इसको लिख सकते हो मुझे लिख के दिखाओ टेन लिख के दिखाओ कितना होता है नेटवर्क एक्सपर्ट जी कंप्यूटर एक्सपर्ट करें नेटवर्क एक्सपर्ट करें कि कंप्यूटर एक्सपर्ट लाभ सिंह नैन जी नमस्कार जी नमस्कार जी नेटवर्किंग एक्सपर्ट स्वागत है भाई आपका मुझे दस लिख के दिखाओ दस कैसे लिखा जाता है कंप्यूटर की भाषा में दस लिख के दिखाओ कंप्यूटर की भाषा में दस कैसे लिखा जाता है बताओ एक बार मैं हेक्जाड़ ऐसी में लिख देता हूँ तब तक इसमें जीरो से लेकर के नौ तक लिखी जाएंगी संख्या इसमें जीरो से लेकर एक तक इसमें जीरो से लेकर के सात तक इसमें जीरो से लेकर के नौ तक और दस को लिखेंगे ए ग्यारह को लिखेंगे बी बारह को लिखेंगे सी तेरह को लिखेंगे डी चौदह को लिखेंगे ई e, और पंद्रह को लिखेंगे एफ़ पंद्रह को क्या लिखेंगे एफ़ लिखेंगे भाई बात समझ में आई हाँ दस को बिल्कुल सभी ने सही लिखा वन ज़ीरो वन जीरो दस को बिल्कुल सही लिखा सभी ने वन जीरो वन जीरो बिल्कुल सही लिखा भाई ठीक है ना बिल्कुल सही लिखा एग्जैक्टली exactly. अब आज अब आज आगे अब मैं कह रहा हूं कि अगर इन कोड को कन्वर्ज करना हो कन्वर्जन करना हो इन कोड का क्या करना हो कन्वर्जन करना हो तो कैसे करें इनका आप ऐसे करो इनको ऐसे सीखो कि डेसिमल में से सभी में कैसे बदलें और सभी में से डेसिमल कैसे बदले आप डेसिमल को बेस मान के सीखो इसको सभी का मतलब क्या है बेस टू में बदलना हो बेस आठ में बदलना हो बेस सोलह में बदलना हो और इस इन सभी में से मतलब डेसिमल में बदलना हो वापस। तो कैसे बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे भाई बताओ कैसे बदलेंगे संख्या दी है डेसिमल में यहाँ पर संख्या दी है सत्रह कितनी संख्या दी है सत्रह इसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे भाई दशमलव में से यानी कि डेसिमल में से किसी में भी अगर निकालना है तो पहले तो सत्रह को यहाँ लिखो और दो से भाग दे दो ओक्टल में निकालना है तो सत्रह को आठ से भाग दे दो हेक्जा डेसीमल में निकालना है तो सत्रह को सोलह से भाग दे दो जो संख्याएं आती हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है जैसे दो छिक्के दो सत्ते चौदह दो अठे सोलह दो अठे सोलह बच गया एक दो चौके आठ बच गई जीरो से इस पर इधर लिखते जाना है दो दूनी चार बच गई जीरो दो एकम एक दो बच गई जीरो तो नीचे से ऊपर लिखो ऐसे इसका आंसर आया एक जीरो जीरो जीरो, जीरो एक ये आंसर आ गया सत्रह का आगे होगा बात समझ में सभी को सभी को समझ में आ गई बात है? अब आठ से भाग दे दो आठ दूनी सोलह बच गया एक आगे डिवाइड नहीं होता तो नीचे से ऊपर लिख दो इसका आंसर आ गया दो एक फिर सोलह से भाग दे दो सोलह एकम सोलह बच गया एक ऐसे लिखो इसको वन वन यानी कि ग्यारह यानी कि कितना ग्यारह लिखो ग्यारह लिखा नहीं जा सकता ग्यारह को क्या लिखेंगे हम ग्यारह को हम क्या लिखेंगे दस को ए लिखते हैं ग्यारह को बी लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर आ गया बी कितना आंसर आ गया बी क्यों लिखेंगे इसको बी क्योंकि हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा कि ग्यारह को तो बी लिखना है भाई हेक्साडेसिमल में ग्यारह को बी लिखना है जिसका बेस सोलह हो उसमें ग्यारह को बी लिखना है भाई बात समझ में आई अब इसका उल्टा यानी कि इसमें से इसमें निकालना तो कम कैसे निकालते हैं कह रहा कि यहां जो भी चीज लिखी हो वन जीरो 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 वन लिखा है आपने क्या करना है इसका जो बेस है इसका जो बेस है ऊपर पावर में लिख दो. दो की पावर एक दो की पावर दो दो की पावर तीन दो की पावर चार अब क्या करना है अब आपने एक काम करना है जिस, जिस की पावर के नीचे एक लिखा है उस उसको जोड़ देना है उनकी पावर के साथ गुणा करके जोड़ देना है यानी कि दो की पावर जीरो कितना होता है एक यानी कि एक गुणा में एक और दो की पावर चार कितना होता है सोलह सोलह गुना में एक इन इनको जोड़ दो सोलह एकम सोलह जमा में एक यानी कि उत्तर आ गया सत्रह यानी कि इसको अगर डेसिमल में बदला बेस दस में तो उत्तर सत्रह आया जो कि पहले सत्रह में से ही बदला गया था जो कि सही उत्तर है जो कि बिल्कुल सही उत्तर है ऐसे ही इसके अंदर 21 को बदलना है तो 21 का बेस कितना है 8 है तो 8 की पावर कर दो 8 की पावर एक कर दो इसकी गुना इसके साथ कर दो इसकी गुना इसके साथ 8 की पावर ज़ीरो एक गुना में एक 8 की पावर एक 8 गुना में दो इनको जोड़ दो 16 जमा में एक उत्तर आया 17 बेस कितना 10 तो उत्तर तो सही आया है बिल्कुल सही आया है ऐसे ही हम इसको करेंगे बी का बेस है सोलह सोलह बी कितना होता है ग्यारह होता है तो ग्यारह ग्यारह के ऊपर जो है सोलह की पावर जीरो कर दो कितना कर दो सॉरी बी कितना होता है ग्यारह होता है क्या बी ग्यारह नहीं होता भाई हाँ बी होता है ग्यारह यानी कि वन वन होता है यानी क्या होता है वन वन होता है या ग्यारह होता है वन वन आंसर आएगा भाई इसका हाँ वन वन आंसर आएगा बी नहीं आएगा भाई सॉरी 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 यहाँ बी आंसर नहीं आएगा उत्तर गलत हो गया यहाँ वन वन आंसर आएगा क्योंकि अगर बी आंसर आएगा फिर तो फिर तो फिर तो फिर तो यहाँ सेसपल बढ़ाना आना चाहिए था सेसपल छोटा आया हुआ है सेसपल छोटा आया हुआ है तो वन वन लिखेंगे इसको 11 लिखेंगे। ना कि ग्यारह लिखेंगे ठीक है ना माफ़ी चाहता हूँ मैं आई बैग माई पार्डन ठीक है ना माफी चाहता हूँ मैं इन शब्दों को वापस लेता हूँ यहाँ ग्यारह आएगा तो ग्यारह आएगा तो कैसे लिखा जाएगा यानी कि सोलह की पावर जीरो यानी कि सोलह की पावर वन और सोलह की पावर जीरो को जोड़ेंगे अगर तो सोलह की पावर एक गुना में एक यानी कि यहाँ जोड़ेंगे तो सोलह गुना में एक और जमा करेंगे तो सोलह जमा में एक यानी कि सत्रह यानी कि इसका उत्तर भी कितना आएगा फिर सत्रह आएगा इसका उत्तर भी कितना आएगा फिर सत्रह आएगा नमस्कार सर जी मेरी एच एस एस सी सी ई टी मैथ की बुक आज लॉन्च हो गई एच एस एस सी सी ई टी मैथ सुतली बम्ब क्या बात है क्या बात है सर की मैथ की बुक आज लॉन्च हो गई भाई अशोक सर एच एस एस सी एग्ज़ाम क्रैकर के नाम से मशहूर हैं मैथ की बुक आ गई सर की भाई और मैथ की बुक का नाम भी सुतली बम है मैथ सुतली बम मतलब इनकी बुकों के नाम में इंजेक्शन बम पटाखे दिवाली का है मतलब बढ़िया नाम रखा भाई ठीक है ना तो सुतली बम नाम आया भाई अरे इनकी हरियाणा जी की किताब है इंजेक्शन इंजेक्शन का बड़ा कुछ पावा था लेकिन वो नाम सुटेबल सा करे नहीं इंजेक्शन पाया फिर इंजेक्शन वो वाला को नहीं मैसा इंजेक्शन है वो बढ़िया वाला वो वाला इंजेक्शन नहीं है मैसा वाला इंजेक्शन है बड्डे वाला ठीक है ना कदम इसकी छोटा मोटा पटाका समझ लो ग्राम बंदूक में बजाए ग्रा बड्डी वाला है बम सुतली बम भी बड्डी वाला है अंडी फोड़ा पूरा हाँ तो दे, दे। <laughs> सर जी को एच एस एस सी का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है भाई एच सी का बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है सर को प्रीवियस ईयर पढ़ने का प्रीवियस ईयर समझाने का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कलेक्ट करने का इनका मतलब जुनून है कि इन, इनके अंदर तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा दिला सकती हैं हाँ हरियाणा जी की गोली गोली नाम हुआ करता था इनका गोली तो गोली तो काम नहीं चला मतलब बड़े कैप्सूल इंजेक्शन लेना पड़ा फिर गोली तो काम नहीं चलिया ठीक है जी 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 चलो आ जाओ भाई क्लियर होगी बात यहाँ तक ये वन वन आएगा ना कि आपका इलेवन आएगा थोड़ा सा ये साइड हो गया था ठीक है चलिए आ जाओ भाई आगे आ जाओ तो ये दोनों में कन्वर्ट कन्वर्जन आपका हो गया यानी कि सब में डेसिमल में से सब में कन्वर्ट कर दिया और सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया ठीक है ना डेसिमल में से सब में कन्वर्ट कर दिया सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया भाई ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के कोड हमें मिलते हैं कंप्यूटर के कोड जो है कंप्यूटर बाइनरी कोडिंग स्कीम यूज करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी कोडिंग ग्रुप ऑफ बिट रिप्रेजेंट एवरी सिंबल हर सिंबल को ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट के द्वारा प्रजेंट किया जाता है एक क्वेश्चन पूछ रहा था एक लड़का अभी एक लड़का अभी क्वेश्चन पूछ रहा था कह रहे कि करेक्टर को कितने बिट करेक्टर कितने बिट लेता है तो देखेंगे हाँ तेरह एग्जाम क्वालिफाइड और सिलेक्टेड भी हैं भाई एच एस बिल्कुल सही बात है या तो मैं भूल गया था सर फ़िलहाल भी जॉब में है एच के तेरह एग्जाम सर के क्वालिफाई हैं भाई तो आज ही बुरा है जो बाइट तो ग्रुप ऑफ बिट यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंबल एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता उसे है? है उसे क्या कहते हैं बाइट कहते हैं उसे क्या कहते हैं बाइट कहते हैं भाई ठीक है ना उसे क्या कहते हैं बाइट कहते हैं है? है। चलिए तो एक बीसीडी कोड आया शुरू शुरू में क्या है एक बीसीडी कोड आया बीसीडी कोड क्या था बाइनरी कोडेड डेसिमल इसकी फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल ये सबसे पहला कोड था इसमें चार बिट का प्रयोग होता था लेकिन चार बिट में नंबर तो कौन दर्शाएस इसका थे चार बिट में कितने नंबर दर्शा सकते हैं एक बार कमेंट करके बताइए चार बिट में कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं शुरू में चार बिट का कोड आया था इससे कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं बताना एक बार कमेंट करके ज़रा चार बिट से कितने नंबर दर्शा सकते हैं हम बताओ एक बार चार बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं चार बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं दो की पावर चार यानी कि सोलह जीरो से लेकर के पंद्रह तक फाइनल नंबर क्या होगा पंद्रह तो दो की पावर चार यानी कि सोलह नंबर दर्शाए जा सकते थे इसमें के काम चलाना था सोलह नंबर में सोलह संख्या में क्या काम चला था सोलह तो नंबर भी पूरे गुने नहीं अपने ठीक है ना दस तो नंबर हो गए अल्फाबेट छब्बीस हो गए तो पहले चार बिट यूज़ होती थी और इस बी सी डी कोड को ऐसे लिखा जाता था जैसे बयालीस लिखना है बयालीस तो चार को अलग चार बिट में लिखा जाता था दो को अलग चार बिट में लिखा जाता था ऐसे लिखा जाता था पहले ये पहले ऐसे लिखा जाता था ठीक है ना चलिए अब इसके बाद चार बिट में सोलह नंबर थे तो फिर बात नहीं बनी फिर बिट लेकर आए कितनी बिट बिट लेकर आए चौसठ नंबर दिखाने लग गया इसके बाद एक कोड आया ये तो बी सी डी कोड की बात है इसके बाद कोड आया कोड ई बी सी डी आईसी कोड बी सी डी को बी सी डी कोड को क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडी डेसिमल इंटरचेंज कोड इसके फुल फॉर्म यहां लिखी भी होगी नहीं तो लिख दूंगा मैं नहीं लिखे भाई एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसकी फुल फॉर्म है भाई इसकी फुल फॉर्म है ठीक है ना क्लियर है बात सभी को तो छह बिट से आठ बिट इसमें प्रेजेंट होने लगी और आठ बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं दो सौ छप्पन आठ बिट से कितने नंबर दर्शाए जा सकते हैं दो सौ छप्पन नंबर दर्शाए जाने लगे भाई इसके बाद एसकी कोड आया कौन सा कोड आया एसकी कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड आया भाई ये कोड पॉपुलर है कम्युनिकेशन के लिए दो टाइप के आया एक एसकी सेवन में आया एक एसकी एट में आया भाई यूनिकोड आया फिर कौन सा कोड आया यूनिकोड आया भाई यूनिकोड आया इसने तबाही मचा दी इसने तबाही क्या मचा दी संसार की लगभग सभी भाषाओं को शामिल कर लिया इसने डूइंग ऑल काइंड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग अक्रॉस द वर्ल्ड संसार की लगभग सारी भाषाएं शामिल कर ली इसने भाई ठीक है ना इंटरेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन लोकल लैंग्वेज ऑफ यूजर जो लोकल लैंग्वेज थी वो भी इसने शामिल कर ली किसने यूनिकोड ने आजकल कौन सा चल रहा है यूनिकोड चल रहा है ठीक है ना तो यू क्वेश्चन आ गया भाई अरे क्वेश्चन आ गया इसके बाद तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ क्वेश्चन आगे फटाफट जिसने शेयर नहीं की एक बार शेयर करके आना यूनिकोड में क्या हुआ यूनिकोड के अंदर क्या हुआ यूनिकोड में सोलह बिट बत्तीस बिट आ गई संसार की लगभग सभी भाषाओं के कोड इसमें शामिल हो गए यूनिकोड की ही सहायता से तो आजकल गूगल आपकी लिखाई भी पढ़ लेता है आपकी लिखाई पढ़ लेता गूगल यूनिकोड की सहायता से किसकी सहायता से यूनिकोड की सहायता से आपकी लिखाई पढ़ लेता है कंप्यूटर गूगल पढ़ लेता है गूगल ठीक है ना आठ बीट सोलह बीट बत्तीस बीट सारा आ गया इसमें ठीक है ना चलो रेडी रेडी फॉर क्वेश्चन चलिए आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन पे जल्दी क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट क्वेश्चन की तरफ दौड़ पड़ो अरे हाँ वन के तो पहुंचा दो लाइक में जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो नहीं तो एक बार शेयर मार दो फटाफट एटलीस्ट वन के तो हों अभी तक वन के भी नहीं पहुंचाया आपने तो और एक क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग सभी को वेरी गुड इवनिंग सभी को भाई चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट आ जाओ फटाफट रैम क्या पूछा है टेम्पोरेरी पूछा है टेम्पोरेरी टेम्परेरी टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है रैम है ये प्रिंटर मेमोरी ही नहीं है ये परमानेंट है ये भी परमानेंट है तो रैम इज राइट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ पड़ो कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है सेब दो तो सेब खाना भाई तमने चलो कोई ना सर एस एस डी का क्या काम होता है संदीप जांगड़ा संदीप जी स्टोर करने का काम होता है फास्ट होती है एस एस डी ठीक है कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमरी यूनिट को क्या कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमरी डी डैंड मेमरी रैडमरी एक्सेस मेमरी को दोहराएं रैंडम एक्सेस मेमरी कहा जाता है क्या कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमरी यानी कि रैम कहा जाता है शॉर्ट टर्म मेमरी जो होती है वो रैम होती है देखते हैं आप में से कौन कौन जो है महारथी लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे और मुझे मोटिवेट करते रहें क्योंकि आपका जुड़ना मुझे मोटिवेट करेगा कंप्लीट चीज़ें पढ़ाने के लिए अदरवाइज तो अभी बैठ जाऊँ मैं ना मेरा बस चले तो आप जुड़े हो मोटिवेशन मिलता मुझे ठीक है ना ठीक चलो देखो एस रैम का क्या मतलब है SRAM का मतलब क्या है SRAM का क्या मतलब है Special नहीं है state नहीं है simple नहीं है static है नहीं 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 पहले शब्द से ही क्लियर हो गया पॉइंट पहले शब्द से ही क्लियर हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई बिल्कुल सही बात है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है एग्जैक्टली बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है प्राइमरी मेमोरी से संबंधित कौन कौन सी गण्णी सी डिवाइस डिवाइस है है भाई बिल्कुल भाई प्राइमरी मेमोरी से संबंधित बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं शुरू से जुड़े थे तीन बजे जुड़े थे और अभी साढ़े सात हो गए मेरे ख्याल से चार घंटे से लगातार जुड़े हुए हैं पौने आठ हो गए चार पांच घंटे से लगातार जुड़े हुए हैं तो आप सभी बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और मतलब धन्यवाद के पात्र हैं प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है रैम प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है क्या है रैम है प्राथमिक मेमोरी से संबंधित रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी रीड आएगा रोड नहीं आएगा रीड ओनली मेमोरी ये आएगा रोड सॉरी रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी है रोम क्या है रीड ओनली मेमोरी है ठीक है ना हाँ जी बिल्कुल भाई रैम में ए क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ए है एक्सेस ए क्या है आपका एक्सेस है भाई चलिए निम्स में कौन सा स्थाई रूप में डेटा स्टोर करता है स्थाई रूप में डेटा कौन स्टोर करता है भाई स्थाई रूप से डेटा स्टोर करता है आपका हार्ड डिस्क कौन स्टोर करती है स्थाई रूप से हार्ड डिस्क आपके डेटा को स्टोर करती है मुख्य मेमोरी को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है मुख्य मेमोरी को, को प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जान सकते हो आप है ना है ना मुख्य मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में से भी जान सकते हो क्षमता होती है, देखो। <estás floods noise> अच्छा, अच्छा है। और तो हमने की, नहीं।, अभी कर है ना? की नहीं ना मेमोरी यूनिट नहीं की हमने तो सबसे पहले क्या होती है बिट होती है फिर क्या होती है बाइट होती है जब आठ बिट मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है बाइट बन जाता है और जब एक हजार चौबीस बाइट बन जाती हैं तो क्या बन जाता है वन किलो बाइट बन जाता है क्या बन जाता है वन किलो बाइट और जब एक हजार चौबीस किलो बाइट बन जाते हैं तो वन मेगा बाइट बन जाता है क्या बन जाता है वन मेगा बाइट बन जाता है ना ठीक <Betuan another balance noise> है तो जब एक हज़ार चौबीस मेगा बाइट मिल जाता है तो वन गीगा बाइट हो जाता है गेगा बाइट हो जाता है और जब एक हज़ार चौबीस गेगा बाइट इकट्ठे हो जाते हैं तो वन टेरा बाइट हो जाता है क्या हो जाता है वन टेरा बाइट और जब एक हज़ार चौबीस बाइट इकट्ठे हो जाते हैं तो वन पेटाबाइट हो जाता है और जब एक हज़ार चौबीस इकट्ठे हो जाते हैं तो एग्जा बाइट हो जाता है जब एक हजार चौबीस एग्जा बाइट इकट्ठे हो जाएं तो जेटा बाइट हो जाता है और जब एक हजार चौबीस जेटा बाइट इकट्ठे हो जाए तो, तो ऐसे याद कर सकते हो तो बाइट किलो मेगा गीगा टेरा पैटा एक्सा जेटा येटा ऐसे राइम स्कीम में याद कर सकते हो रैम स्कीम में ठीक है ना राम स्कीम में याद कर सकते हो भाई इसको ठीक है ना क्लियर है बात सभी को तो इसमें क्या है भी फ्लाइंग हैज मैक्सिमम मेमोरी मैक्सिमम गीगा

जी क्या रहा इसका आवाज, आवाज, आवाज है इसका आंसर भाई भी कह रहे हैं क्या है रैम है मेंगरी, मेंगरी होती है हार्ड डिस्क के ट्रैक और खालिस्तान में भी विभाजित होती है हार्ड डिस्क होती है उसमें ट्रैक होता है और क्या होता है ना कुछ नहीं पिया मैंने अभी तक जल्दी लिया सर सी एस एस किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी एस एस आपकी मार्कअप लैंग्वेज है नारनोल आधार इंस्टीट्यूट से जी दा आधार इंस्टीट्यूट से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी नारनोल से थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उम्मीद करेंगे आप भी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे जी थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच सर जींद बुक नहीं मिल रही बुक मिल जाएगी भाई जींद ऑनलाइन ले लो जींद बुक ज़रूर मिल जाएगी तो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है हार्ड डिस्क को में विभाजित किया जाता है ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं खालिस्तान को एक निश्चित समय के अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है भाई कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है जी मोनिका जी थैंक यू सो मच कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश होती है भाई बताओ मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है जो रिफ्रेश होती है जी थैंक यू सो मच हाँ जी हाँ जी एक लाख सॉरी एक लाख नहीं हाँ आराम करेगा एक लाख भी होंगे भाई भगवान देख रहा है खालिस्तान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है किसको डायनेमिक रैम को बी डायनेमिक रैम को अब तो मुंह से निकल गया एक लाख होने चाहिए भाई बिल्कुल भगवान सुनेगा अपने भी एक ना एक दिन चलिए आगे बढ़ते हैं इन द मेमोरी मैनेजर प्लेस इज अप्रोसेस इन द लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ अनअलोकेटेड मेमोरी अवेलेबल जो लार्जेस्ट ब्लॉक होता है उसमें मेमोरी डाल दी जाए यानी कि डेटा डाल दिया जाए या प्रोसेस डाल दी जाए तो उसको क्या कहा जाता है वोस्ट फिट फर्स्ट फिट वोस्ट फिट मीडियम फिट बेस्ट फिट क्या कहा जाता है उसको वोस्ट फिट कहा जाता है क्या कहा जाता है वोस्ट फिट लार्जेस्ट ब्लॉक जितना बड़ा ब्लॉक है मान लीजिए ब्लॉक है दो जी बी का मेमरी मेमरी आ रही थी उधर से प्रोसेस आ रही थी दस एम बी की और दस एम बी की प्रोसेस को उठा के दो जी बी की मैं डाल दिया तो वोस्ट फिट है क्या है वोस्ट फिट बेकार से बेकार फिट है और अगर मान लीजिए कि दो टुकड़े हैं इस तरीके से एक है आपका पंद्रह एम का एक है बीस एम का दस एम की प्रोसेस आ रही है तो पंद्रह एम में डाल दी तो फर्स्ट फिट है पहली बार ही फिट हो गया है बेस्ट फिट होता है यानी कि एक यहाँ पे बारह एम का भी है बारह एम का भी है एक यहाँ पर तो दस एम वाली को यहाँ बारह एम में डाल दिया ये बेस्ट फिट है ये क्या आपका बेस्ट फिट है और सबसे बड़ी वाली में डाल दिया थी तो दसमबी की बड़ी वाले में डाल दिया टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे मेमोरी का क्यों बेकार करो नाश कर दिया तो इसलिए इसका वोस्ट फिट है गीगा वाइट के बराबर होती है गीगा जो होती है कितने के बराबर होती है गीगा वाइट खालिस्तान बाइट के बराबर होती है खालिस्तान के बराबर होती है गीगा वाइट जो होती है खालिस्तान के बराबर होती है बताएं किसके बराबर होती है गीगा अरे वो तो हो गया वो तो वर्ष फिट तो तो हो गया आगे बढ़ो आगे बढ़ो ना आगे बढ़ो गीगाबाइट किलोबाइट है एक हजार चौबीस किलो वाइट जो है वह वन गीगाबाइट के बराबर होते हैं एक हजार चौबीस किलो वन किलो बाइट के बराबर होते हैं हाँ हाँ एक हज़ार चौबीस बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक आता है अपना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आगे कौन सा टॉपिक आता है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का टॉपिक आता जाता है अभी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो तीन टॉपिक बचे हैं आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बचा है प्रोग्रामिंग बचा है नेटवर्किंग इंटरनेट बचा है शॉर्टकट की बची हैं फुल फॉर्म बची हैं ये टॉपिक बचे हैं ठीक है ना ये टॉपिक आपके बचे हैं ठीक है ना क्लियर होगी बात सभी को ले भाई कबड्डी चल दो तो कर ले काम रेस्ट कर ले भाई रेस्ट कर ले कोई कोई बात नहीं आज से, से भी रेस्ट तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बचा है और आपका क्या क्या बचा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और आपका प्रोग्रामिंग इंटरनेट नेटवर्क और आपका शॉर्टकट की फुल फॉर्म ये चीज़ें बची हुई हैं ठीक है ना तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखो सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप होते हैं इवेंट जब भी होता है तो सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहा जाता है सॉफ्टवेयर कहा जाता है गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग सभी को सॉफ्टवेयर को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कौन से कौन से एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है कौन सी कौन सी कैटेगरी में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई ठीक है ना क्लियर है बात ठीक है ना क्लियर हुई बात एक हजार चौबीस ये करेंगे इसको डिफाइन करता दो सर एक हजार चौबीस किलो बाइट जो है वन गीगाबाइट के बराबर होती है ठीक तो है एक हजार चौबीस के बी एक हजार चौबीस के बी ही तो वन गीगा बाइट के बराबर होती है ठीक तो है ये क्या प्रॉब्लम थी इसमें भाई नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम इज ए गुड मूवी आई थिंक चलो तो दो प्रकार के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है एक या एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए बना होता है स्पेशल काम क्या होता है विच आर डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए और नेटवर्किंग कंट्रोल करने के लिए होता है ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ठीक है ना जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्लियर हो बात इट एक्ट्स एज एन एंटरमीडिएट्री इंटरमीडिएट्री के बारे में बात करता है बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच का काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों के बीच में होता है ठीक है ना दोनों के बीच में होता है डी कह रहे हैं कौन सा डी कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आई बात अच्छा मेगाबाइट अच्छा यहाँ पे अच्छा 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 सॉरी 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 माफ़ी जाते हैं माफ़ी चाहते हैं बिल्कुल मेगाबाइट आएगा बिल्कुल आएगा बिल्कुल मेगाबाइट आएगा भाई गीगाबाइट जो है किलोबाइट वाइट मेगाबाइट मेगा आएगा बिल्कुल एम बी जो है वो गीगाबाइट के बराबर होता है एम बी जो है वो जी बी के बराबर होती है यानी कि इतने एम बी एक हज़ार चौबीस एम बी जो है वो जी बी के बराबर होती है थोड़ा सा मतलब रेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी <laughs> हाँ हो जाता है सॉरी सॉरी कोई बात नहीं ये करेक्ट कर लो गीगा बाइट जो होता है वो हमेशा एक हज़ार चौबीस एम बी यानी कि मेगा बाइट के बराबर होता है एम बी के बाद जी बी होता है मेगा के बाद गीगा होता है किलो के बाद मेगा होता है ठीक है ठीक चलिए कोई बात नहीं इट्स ओके सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आगे तीन भागों में बांटा जाता है कौन से कौन से में ऑपरेटिंग सिस्टम में लैंग्वेज प्रोसेसर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में तीन भागों में सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांटा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीन भागों में बांटा जाता है भाई ठीक है ना जी 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 <laughs> जी जी थैंक यू सो मच भाई थैंक यू सो मच जस्ट एक मिनट का रेस्ट ले लो तब तक ये क्वेश्चन साथ के साथ बस साथ के साथ मैं थोड़ा दबा रहा हूँ कुछ पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी भाई पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल मिलेगी चलो आगे आ जाओ सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन रुक के लिए कहता है चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें जो मैनेज करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस जो सारी परफॉर्मेंस को फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को मैनेज करता है

क्या मतलब है जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जी 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 चलो आ जाओ लैंग्वेज प्रोसेसर भाई ऑपरेटिंग सिस्टम था ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या आता है लैंग्वेज प्रोसेसर आता है फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कन्वर्टिड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज यानी कि कह रहा है कि किसी भी भाषा को समझाने के लिए कंप्यूटर को समझाने के लिए उस भाषा में पहले बदलना पड़ेगा यानी कि मशीन भाषा समझता है कंप्यूटर तो मशीन भाषा में बदलना पड़ेगा चाहे वो असेंबली भाषा हो चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो उनको पहले मशीन भाषा में बदलना पड़ेगा उनको मशीन भाषा में बदलने के लिए अपने किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी भाई वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एग्जाम्पल है उसके असेंबलर है इसका एग्जाम्पल असेंबलर है ट्रांसलेटर है और आपका कंपाइलर है ये तीन चीज इसकी एग्जाम्पल है भाई ठीक है ना क्लियर है बात तो आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिज़ाइन होते हैं एड करने के लिए यानी कि सहायता करने के लिए मैनेज करने के लिए और ट्यून करने के लिए द कंप्यूटर हार्डवेयर पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इनकी सहायताएँ है करते हैं भाई इनकी सहायता है करते हैं इनके साथ सामंजस्य तालमेल बिठा के चलते हैं These are also known as service program. इनको सेवा के प्रोग्राम भी कहा एग्जाम्पल है डिस्क कंप्रेशन डिस्क क्लीन अपि चेकअप ये इनके एग्जाम्पल है ठीक है ना किस चीज के एग्जाम्पल है ये ये आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जी बिल्कुल मिलेगी भाई तो आगे आते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंट डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होती है डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी वी नीड टू फॉर्मेट इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता है और डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी एनेबल करती है यूजर को टू परफॉर्म दिस टास्क विद ग्रेट ईज यानी कि बहुत ही ईजी से यानी कि आसानी से इस टास्क को कर सकते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग यूटिलिटी जो है ये अपनाती है डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी जो होती है वो कंप्रेस करती है कंप्रेस नॉर्मल साइज से कम साइज बना देती है फिर से नॉर्मल साइज हम बना सकते हैं फ्रैक्शन इन टू देयर ऑफ देयर नॉर्मल साइज ट्रांसफॉर्म फाइल्स इन टू दे फ्रैक्शन यानी कि टुकड़े टुकड़े भी किया जा सकते हैं और सो दैट दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस ऑन द डिस्क और नॉर्मल साइज में भी ले सकती है टुकड़े टुकड़े को इकट्ठा करके नॉर्मल साइज में भी लेके आ सकती है ठीक डेटा दे, कंप्रेशन टेक्नोलॉजी नहीं है भाई ये ये गलत लिखा हुआ है डेटा कंप्रेशन टेक्नोलॉजी नहीं है यूटिलिटी यूज़ कंप्रेशन टू ट्रांसफॉर फाइल इन टू फ्रैक्शन हाँ एल्गोरिदम तो यूज कर सकती है लेकिन यह नॉर्मल साइज वाली है इन टू ए फ्रैक्शन ऑफ देयर नॉर्मल साइज ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कंप्रेशन यूटिलिटी है. है कौन सी यूटिलिटी है कंप्रेशन यूटिलिटी ही है भाई नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ कौन से सॉफ्टवेयर की तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वन ऑफ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम होता है सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया जाता है किसी स्पेशल काम को करने के लिए जैसे कि प्रोसेसिंग करनी है स्टूडेंट के एडमिशन की एग्जामिनेशन रिजल्ट निकालना है पे कैलकुलेशन करनी है पे रोल एक्सेट्रा बनानी है स्पेशल पर्पज़ के प्रोग्राम होते हैं जिनको जाना जाता है पैकेज के नाम से भी सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम जो प्रोग्राम होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ठीक है ना तो क्वेश्चन आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन आ गए मेरे ख्याल से जल्दी आगे क्वेश्चन अच्छा सॉफ्टवेयर के बाद आगे जल्दी से क्वेश्चन सॉफ्टवेयर के बाद आगे भाई क्वेश्चन देखो एक बार इनको मोस क्या होता है सी मोस का मोस है ये सी मोस का मोस है ये सी मोस का क्या है मोस है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है मोस का ऑफ ऑफ़ द द फॉलोइंग इज़ सम डेसिमल, ये का प्लस प्लस का क्वेश्चन है, प्लस प्लस उत्तर क्या होगा? में कैसे, लिखेंगे? और में कैसे लिखेंगे जल्दी लिख दो <coughs> सर एक बार वायरस बताना कौन से कौन से होते हैं जल्दी आ जाएंगे भाई वायरस अभी आ जाएंगे ना नेटवर्क नेटवर्क तो पढ़ लो एक बार एक बार नेटवर्क पढ़ते हैं उसके बाद वायरस पढ़ेंगे चौवन को बाइनरी में कैसे लिखेंगे बताना जाना चौवन को बाइनरी में कैसे लिखते हैं फिफ्टी फोर को एक दो चार आठ सोलह बत्तीस बत्तीस और सोलह अड़तालीस अड़तालीस और चार बावन और दो चौवन ऐसे लिखते हैं वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन जीरो वन वन जीरो, जीरो, जीरो ए इज राइट आंसर ये एन टी ए का क्वेश्चन है भाई ये किस चीज़ का क्वेश्चन है आपका ये आपका एन टी ए का क्वेश्चन है ठीक है ना ये एन टी ए क्वेश्चन है चलिए यूनिट के टू मेजर द स्पीड ऑफ के आई पी एस किस चीज की स्पीड को मापने के लिए यूज की जाती है के आई पी एस को यूज किया जाता है किस चीज की स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है के आई पी एस को के आई पी एस को किस चीज की स्पीड मापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोसेसर की स्पीड मापने के लिए किस चीज की स्पीड मापने के लिए प्रोसेसर की स्पीड मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई प्रोसेसर की स्पीड मापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर आर स्टोर्ड इन रोम आर एज प्रोग्राम जो परमानेंट होते हैं जैसे हार्डवेयर में होता है या सॉफ्टवेयर में होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिक्सचर होते हैं ये तो वो क्या होते हैं रोम में स्टोर होते हैं उनको फर्मवेयर कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है फर्मवेयर कहा जाता है भाई उनको क्या कहा जाता है फर्मवेयर कहा जाता है ठीक है ना चलिए आगे कंपाइलर क्या है ए कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर ए प्रोग्राम विच ट्रांसलेट मशीन कोड इन टू हाई लेवल लैंग्वेज मशीन कोड को तो हाई में कन्वर्ट करता नहीं प्रोग्राम विच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इन टू ए मशीन कोड हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ये बात बिल्कुल सत्य है ये बात बिल्कुल सत्य है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है बिल्कुल सही बात है चलिए आगे बढ़ते हैं एसकी कोड छप्पन जो एसकी कोड है छप्पन किस लिए होता है सॉरी छप्पन के लिए छप्पन कोड जो होता है एसकी का वो किस लिए होता है मतलब कौन से नंबर के लिए होता है छप्पन कोड छप्पन कोड कौन से नंबर के लिए होता है अड़तालीस से शुरू होते हैं नंबर अड़तालीस से उनचास पचास इक्यावन बावन त्रेपन चौवन पचपन छप्पन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे होते हैं अड़तालीस जो कोड है एस की कोड वो आपका जीरो के लिए होता है छप्पन कोड बना आठ के लिए किसके लिए बना छप्पन कोड आठ के लिए बना तो आठ के लिए होता है छप्पन कोड किस लिए होता है आठ के लिए होता है छप्पन कोड ठीक है बात समझ में अड़तालीस कोड जो होता है वो जीरो का होता है छप्पन कोड जो होता है वो आठ का होता है ओबियसली ठीक है ना अड़तालीस से शुरू होते हैं और अड़तालीस से न्यूमेरिक एंट्री शुरू होती है ठ कोड किस लिए होता है पैंसठ बताओ जल्दी कमेंट करके 97 सेवन बताओ किस लिए होता है पैंसठ कोड बताओ किस लिए होता है और 97 सेवन किस लिए होता है S की कोड में क्या आएगा ये पैंसठ किस लिए होता है पैंसठ किस लिए होता है पैंसठ पैंसठ किस लिए होता है एसकी मीन सर क्या होता है महिमा जी शायद आप लेट जुड़े हो क्लास पांच घंटे हो चुकी है चल पड़ी है तो एसकी कोड मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है आप एक बार क्लास को दोबारा से देखोगे तो पता चल जाएगा कैपिटल ए का होता है पैंसठ कोड कैपिटल ए होता है इसका पैंसठ कोड होता है एसकी कोड और इसका स्मॉल ए का कोड जो होता है वो नाइन्टी सेवन होता है स्मॉल ए जो होता है उसका कोड होता है नाइन्टी सेवन और कैपिटल ए जो होता है उसका कोड होता है सिक्सटी फाइव ठीक है चलिए द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जो प्राइमरी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट या डिस्क या इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है उसका होता है ऑल ऑफ दीज क्या होता है ऑल ऑफ द अबो यानी कि सब कुछ होता है यानी कि क्या होता है सब कुछ होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है क्या पूछा है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है बताओ भाई जल्दी सरकारी ऑप्शन नहीं 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 इसमें तो सरकारी ऑप्शन है ही नहीं भाई भाई इसमें तो सरकारी ऑप्शन है ही नहीं ये उत्तर आपका बिल्कुल सही जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है सही उत्तर एप्पल बिल्कुल राइट आंसर सभी का जो है बिल्कुल सही उत्तर है एप्पल इज़ राइट आंसर भाई एप्पल इज राइट आंसर बिल्कुल एप्पल क्या है एप्पल एक कंपनी है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बता दो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता कौन सा है फिर एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चलो माना एप्पल तो कंपनी है एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत पुराना है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है ये लिनक्स वालों का है तो ये जो होता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है मैक ओ होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कौन सा होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक है बिल्कुल क्लियर बात चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ पी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है एडिशन एंड सब्टशन कंट्रोल द हार्डवेयर प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन इंटरप्रेट द यूजर कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम थोड़ा ना है एडिशन और सब्ट्रेक्शन एडिशन सब्ट्रेक्शन करेगा सीपीयू कौन करेगा सीपीयू करेगा भाई द कोर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल जो कोर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो कर्नल होती है कोर सोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई कौन सा नहीं है इनमें से मल्टी मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम तो डोज 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 नहीं है क्या है डिस्क है क्या है क्या क्या डिस्क आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है ये आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है डोज ठीक है डोज चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हार्डवेयर शुरू होता है क्या शुरू हो गया आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद आपका क्या हो शुरू हो जाता है हार्डवेयर शुरू हो जाता है भाई सॉफ्टवेयर के बाद आपका ठीक है तो हार्डवेयर में क्या आता है सबसे पहले आता है मदरबोर्ड मदरबोर्ड को और क्या कहा जाता है मदरबोर्ड को भाई मेन बोर्ड भी कहा जा सकता है मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है बेस बोर्ड भी कहा जाता है प्लानर बोर्ड भी कहा जाता है लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है मोबो भी कहा जाता है मोबो का मतलब भी मदरबोर्ड होता है मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है कंप्यूटर में, में, में यूज किया जाता है एक्सपेंडेबल सिस्टम में ठीक है ना कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है और अन्य अदर डिवाइस में भी यूज़ किया जाता है जैसे मोबाइल में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं कंप्यूटर का पोर्ट जो होता है कनेक्टिंग सॉकेट होता है जिसमें डिवाइस जिसमें तार लगती है आउटसाइड द सिस्टम इन टू विच डिफरेंट टाइप ऑफ केबल आर प्लगड बाहर बाहर से बहुत अलग अलग प्रकार की तारें लगती हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट आर इंटरफेस थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर किसी बाहरी दूसरी डिवाइसों से कंप्यूटर से बात होती है तो वो पोर्ट के माध्यम से होती है तार पोर्ट में लगेगी पोर्ट बताएगा कंप्यूटर को ठीक है ना जैसे कि प्रिंटर की तार है मॉडेम की तार है जो स्टिक के तार, है, तार हैं इनकी तारें लगेंगी तो पोर्ट देखते हैं ये कंप्यूटर के पोर्ट हैं ये क्या है कंप्यूटर के पोर्ट हैं भाई तो ये कंप्यूटर के आपके पोर्ट हैं कीबोर्ड कनेक्टर हो गया माउस कनेक्टर हो गया इंटरनेट लैन पोर्ट हो गया यू एस बी टू पॉइंट जीरो पोर्ट हो गया सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया इधर से पैरेलल कम्युनिकेशन पोर्ट हो गया ये वी जी ए पोर्ट हो गया आपका ये माइक्रोफोन का पोर्ट हो गया लाइन इन का पोर्ट हो गया स्पीकर का पोर्ट हो गया इधर से गेम यानी कि मिडी गेम या मिडी का पोर्ट हो गया गेम पोर्ट या मिडी पोर्ट हो गया एच एस एस सी ने एक क्वेश्चन पूछा था जबरदस्त बोला था कि जॉयस्टिक को कौन से पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है कौन से पोर्ट की सहायता से जोड़ा जाता है अभी भी कमेंट करके बताओ एच ने पूछा था जो स्टिक को कौन से पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है कौन से पोर्ट की सहायता से जोड़ा जाता है जो स्टिक को कंप्यूटर में बताइए कौन से पोर्ट की सहायता से जो स्टिक को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है जल्दी बताओ हाँ जी बताइए कौन से पोर्ट की सहायता से कंप्यूटर को कंप्यूटर में वो जोड़ा जाता है हाँ गेम पोर्ट की सहायता से बिल्कुल राइट आंसर राम राम भाई सभी को राम राम गेम पोर्ट की सहायता बिल्कुल राइट आंसर आगे बढ़ते हैं पैरेलल पोर्ट आ जाता है पैरेलल पोर्ट की जो चीज़ें याद रखने योग्य या, है वो क्या क्या हैं आठ बिट ट्रांसमिट करता है आठ बिट एक बाइट का प्रिंटर को जोड़ने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है प्रिंटर पोर्ट भी इसे ही कहा जाता है ठीक है ना पैरेलल पोर्ट को पैरेलल पोर्ट ये इस तरीके का पैरेलल पोर्ट होता है वन टू एट फोर इसका आई ट्रिपल ई वन टू एट फोर जो है आई ट्रिपल ई वन टू एट फोर जो है इसका क्या है स्टैंडर्ड नंबर होता है आई ट्रिपल ई वन टू एट फोर इसका स्टैंडर्ड नंबर होता है भाई ठीक है आगे आता है सीरियल पोर्ट सीरियल पोर्ट जो क्या काम करता है सीरियल पोर्ट एक बिट ट्रांसमिट करता है कितनी बिट एक बिट ट्रांसमिट करता है एक बिट ओनली ये स्कैनर में यूज किया जाता है मॉडम में यूज़ किया जाता है बार कोड अटैच करने के लिए कंप्यूटर से प्रयोग किया जाता है इसे कॉम पोर्ट भी कहते हैं क्या कहते हैं कॉम पोर्ट भी कहते हैं आर एस टू थर्टी टू इसका नंबर है आर एस टू थर्टी टू सी इसका नंबर है आजकल ये इतना प्रयोग में नहीं होता आजकल इतना प्रयोग में नहीं होता भाई तो ये सीरियल पोर्ट है ये कौन सा पोर्ट है सीरियल पोर्ट है भाई कौन सा पोर्ट है ये सीरियल पोर्ट है पी एस टू पोर्ट कौन सा पोर्ट पी एस टू पोर्ट इसमें छ पिन होती हैं कितनी पिन होती है छ पिन होती है पाँच पिन वाला भी होता है तीन पिन वाला भी होता है इसको फाइव पिन डिन कहा जाता है क्या कहा जाता है फाइव पिन डिन इसको कितना क्या कहा जाता है थ्री पिन डिन क्या कहा जाता है थ्री पिन डिन भी कहा जाता है फाइव पिन डिन और थ्री पिन डिन इनको कहा जाता है ठीक है पीएस टू पोर्ट ये होता है ये आपका कीबोर्ड के लिए है ये आपका कीबोर्ड के लिए है ये है माउस के लिए कीबोर्ड और माउस के लिए पी एस टू पोर्ट है भाई इसके बाद आता है आपका यूएस बी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस होता है मोस्ट पॉपुलर है पोर्ट जो यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए एक सौ सत्ताईस प्रकार की अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक सौ सत्ताईस प्रकार की अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा पोर्ट यूएसबी पोर्ट ठीक है ना ये यूएसबी पोर्ट है यूएसबी पोर्ट में से स्पीड पूछी थी एच एस एस ने तो फुल स्पीड यूएसबी पोर्ट टू पॉइंट जीरो की जो है वो बारह एम है और एच का आंसर था बारह एम हालांकि यूएसबी पोर्ट की स्पीड बहुत प्रकार की होती है यूएसबी पोर्ट की बहुत प्रकार की अलग अलग, अलग प्रकार की स्पीड है यूएसबी में गुड इवनिंग भाई वेरी गुड इवनिंग चलिए आगे बढ़ते हैं ये आपका यू पोर्ट है कि कौन सा पोर्ट है यू पोर्ट है एच सी एस आई पोर्ट है एक स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस एक पोर्ट होता है एस सी एस आई पोर्ट होता है जो बत्तीस बिट ट्रांसमिट करता है इसका नाम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बहुत बार पूछा जा चुका है एच एस एस सी के द्वारा डे चेन के फैशन में सात डिवाइस तक डेटा भेज सकता है डे चेन का फैशन कौन सा होता है डिवाइस से डिवाइस जुड़ी डिवाइस से डिवाइस जुड़ी डिवाइस से फिर से डिवाइस जुड़ी तो ये डे चेन होता है इस फैशन में सात डिवाइसों तक डेटा ट्रांसमिट कर सकता है ये एस सी एस आई पोर्ट होता है इसे हम डी डी सी डी और हार्ड डिस्क वगैरह अटैच करते हैं फायर वायर पोर्ट फायर वायर पोर्ट होता है आई ट्रिपल वन थ्री नाइन फोर जो होता है इसका स्टैंडर्ड नंबर होता है नई टेक्नोलॉजी हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन है चार सौ एम बी पी एस से लेकर के आठ सौ एम बी पी एस तक इसकी स्पीड होती है चार सौ एम बी पी एस से लेकर के आठ सौ एम बी पी एस तक इसकी स्पीड होती है इसकी स्पीड होती है भाई ठीक है पता नहीं क्या आ गया था चलो ठीक है ना फायर वायर पोर्ट ये होता है आपका फायर वायर पोर्ट जो इस तरीके की केबल होती है यूएसबी वगैरह में अटैच करने के लिए ब्लूटूथ पोर्ट ब्लूटूथ पोर्ट जो होता है आपका छोटी रेंज का वायरलेस पोर्ट है जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है ये एच एस ने पूछा हुआ एक बार कि किस चीज़ का इस्तेमाल करता है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है ट्रांसमिट करता है डेटा को बिटवीन टू डिवाइस दो डिवाइसों के बीच में डेटा को ट्रांसमिट करता है और रेट ऑफ टू मेगा पर सेकेंड टू मेगा पर सेकेंड की इसकी जो स्पीड होती है टू एम होती है क्या होती है टू एम होती है हार्दिक सर जी बहुत ही बेहतरीन क्लास को शेयर करें हार्दिक शुभकामनाएं एच आर जी के बाई बिक हरियाणा के धुरंधर हरियाणा जीके के का नाम आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिक के बाई बिक का नाम ना आए क्योंकि इनके साथ ही जुड़ा है एच आर जी के बाई बिक तो ये हमारी क्लास में इनकी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सर आपका आपकी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है तह दिल से स्वागत है आपका हमें मोटिवेट करने के लिए आप पहुंचे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और मैं विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि सर का स्वागत करें क्योंकि हरियाणा में हरियाणा जी की बात आए तो बिक्के की बात ना आए तो क्या आए फिर है ना तो बिके सर तो बिके सर हैं भाई तो बिके सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमें मोटिवेट करने के लिए और जी थैंक यू सो मच धन्यवाद सर जी तो आगे बढ़ते हैं ब्लूटूथ पोर्ट से वी पोर्ट आता है आगे कौन सा पोर्ट आता है वी पोर्ट आता है ये वी पोर्ट जो होता है स्टैंडर्ड कनेक्टर है यूज्ड फॉर कंप्यूटर वीडियो आउटपुट कंप्यूटर की वीडियो आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है ओरिजिनेटिंग उन्नीस से बना था आई के पी के लिए बना था ये आई बी का ऑपरेटिंग सिस्टम है पी एक ओ भी है ऑपरेटिंग सिस्टम टू पी एस टू भी है ओ एस टू भी है वी जी ए ग्राफिक सिस्टम के लिए पंद्रह पिन में होता था ये कनेक्टर पंद्रह पिन का कनेक्टर होता था और बहुत सारे मोनिटर और प्रोजेक्टर में हाई डेफिनेशन टेलीविजन सेट के लिए प्रयोग किया जाता था भाई ठीक है ना ये आपका अलग अलग कलर में होता है जिस जो इसमें पंद्रह पिन होते हैं उनके कलर सारे के सारे अलग अलग होते हैं भाई इसके बाद आता है एच डी एम आई पोर्ट एच डी एम आई पोर्ट होता है आपका हाई डेफिनेशन मीडिया आउटपुट मीडिया इनपुट हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इनपुट भी कह लीजिए मीडिया इनपुट भी कह सकते हैं इसको एच डी एम आई पोर्ट जो होता है टी वी के लिए यूज़ किया जाता है ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है और ये हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस करता है भाई हाँ जी सभी साथी शेयर करें बिल्कुल सही बात है भाई सभी साथी क्लास को ज़रूर शेयर करें जी चलिए एस पोर्ट ये एस पोर्ट है आपका उन्नीस पिन वाला पोर्ट है ये टाइप ए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको टाइप ए बोलते हैं उन्नीस पिन वाला जो पोर्ट होता है टाइप ए पिन ए पोर्ट होता है इसके बाद क्वेश्चन आगे फिर से हार्डवेयर के क्वेश्चन आगे भाई हार्डवेयर के क्वेश्चन आगे सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आ चुके अब हार्डवेयर के क्वेश्चन आगे ट्रैवल करती है बिटवीन कंपोनेंट टू मदरबोर्ड थ्रू थ्रो जो मदरबोर्ड पे ट्रैवल करती है अलग अलग कॉम्पोनेंट में वो किसके माध्यम से ट्रैवल करती है सीमो उसके माध्यम से बस के माध्यम से बेज के माध्यम से फ्लैश मेमरी के माध्यम से तो बहुत बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आया है भाई देखो क्या करती है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये किस चीज़ का क्वेश्चन है ये ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये बताओ जल्दी ए कह रहे हैं ए ए ए ए ए पंद्रह पिन होती है टाइप ए में सॉरी उन्नीस पिन है शायद इन्फॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट्स मदरबोर्ड थ्रो बसेस बस के माध्यम से ट्रेवल करती हैं बस के माध्यम से इंफॉर्मेशन जानकारी जो होती है वो बस के माध्यम से ट्रेवल करती है भाई पोर्ट जो होता है वो वीडियो दिखाने के लिए होता है वीडियोग्राफिक कैरे होता है लैपटॉप से एलईडी वगैरह अटैच करने के लिए होता है या कंप्यूटर से एलईडी वगैरह अटैच करने के लिए होता है कौन सा पेरीफेरल पोर्ट जो होता है प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट थ्रो पुट ऑफ लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर के लिए फास्ट कौन सा आउटपुट प्रोवाइड करता है पैरल कौन सा पैरल प्रोवाइड करता है पैरल होता है पैरल ठीक है ना सबसे तेज होता है ठीक है पैरल होता है जो

स्लॉट ऑफ सीपीयू में सीपीयू पी स्लॉट किया जाएगा अगर ये सीपीयू का मीनिंग वो लेके चल रहा है अगर इसको ये सीपीयू कह रहा है तो बात अलग है अदरवाइज नन ऑफ दीज आंसर आएगा क्योंकि एक्सपेंशन स्लॉट में ही प्रयोग किए जाते हैं आंसर क्या आ जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट क्या आ जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट आ जाएगा भाई आंसर आंसर आएगा एक्सपेंशन स्लॉट एक्सपेंशन कार्ड कहाँ प्रयोग किए जाते हैं एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं

ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कितने प्रकार का होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक एक थैट है ये तो हम पढ़ चुके हैं अब एग्जांपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के डोज होता है विंडो होता है यूनिक्स होता है लाइन होता है सोलरीज होता ये है ये एग्जांपल है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है कभी आप सोचो ये क्या है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ध्यान रखना तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे नीचे लेयर होती है आपकी हार्डवेयर की होती है उसके ऊपर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या टूल्स एंड यूटिलिटी होती हैं टूल्स और यूटिलिटी कोई भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है भाई ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्डवेयर के ऊपर काम करता है इट अलाउज कंप्यूटर टू मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या काम करता है मैनेज करता है इट्स ऑन रिसोर्स अपने रिसोर्स को जैसे कि मेमोरी है मॉनिटर है कीबोर्ड है प्रिंटर है इन सभी को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है मैनेज करता है भाई ब्रेक ले लो जी ब्रेक लेंगे नौ बज पंद्रह मिनट पे भाई ब्रेक लेंगे नौ बज पंद्रह मिनट पे ये कह रहे हैं अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइप्स ऑफ क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या क्या है देखो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप क्या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है टाइप है भाई क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात चलिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर मल्टीपल कंटेंट प्रोसेसर मल्टीपल कंटेंट प्रो सेंट्रल प्रोसेसॉरी सेंट्रल प्रोसेसर मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर होते हैं जो सर्व करते हैं मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन को चलाते हैं मल्टीपल यूजर को चलाते हैं डेटा प्रोसेसिंग है जो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग की जो जॉब है वो बांट दी जाती है प्रोसेसर के द्वारा अकॉर्डिंगली जैसे कि लोकस और माइक्रो इसका एग्जांपल है लोकस और माइक्रो किसका एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है भाई ठीक है ना हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग फिजिकल लोकेशन पर जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है अलग अलग सीपीयू 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 अलग अलग जो है हैंडल किए जाते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ठीक है ना अलग अलग सीपीयू अलग अलग जो लोकेशन पर रखे जाते हैं ठीक है क्लियर हुई बात आगे बढ़ते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या किया जाता है रनस ऑन ए सर्वर एक सर्वर पर यूज किया जाता है एंड प्रोवाइड द सर्वर द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा डेटा को मैनेज करने की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर यूजर को मैनेज करने की ग्रुप को मैनेज करने की सिक्योरिटी को मैनेज करने की एप्लीकेशन को मैनेज करने की और अदर नेटवर्क फंक्शन को मैनेज करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है किसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है प्राइमरी पर्पज़ ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू अलाउ शेयर फाइल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पज़ होता है सेयर फाइल को मैनेज करना प्रिंट की एक्सेस को अमंग मल्टीपल कंप्यूटर को मैनेज करना टिपिकली लोकल एरिया नेटवर्क लैंड जो होता है प्राइवेट नेटवर्क जो होता है उसके अंदर ये प्रयोग किया जाता है इसका एग्जांपल है आरती सॉफ्ट का लैंडस्टिक नेटवेयर जो है इसका एग्जांपल है भाई आरती सॉफ्ट का लैंडस्टिक जो है इसका एग्जाम्पल है भाई ठीक है ना क्लियर है बात कर्नल बता दो जी नीलम रानी कह रहे हैं कर्नल बता दो कर्नल क्या होता है कर्नल होता है सोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या होता है सोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है इज सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और सोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल ठीक है ना मेन कर्नल होता है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें तरीके इस तरीके से यूज किया जाता है फाइल सर्वर ये क्लाइंट वन को शेयर हो रही है यह yes, शेयर हो रही है यहाँ शेयर हो रही है यहाँ शेयर हो रही है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बड़ा ही ज़बरदस्त भाई रियल टाइम रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें टाइम इंटरवल जो वो इतना कम होता है टाइम इंटरवल इज सो स्मॉल इतना छोटा होता है मतलब बहुत छोटा होता है टाइम का इंटरवल नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए टाइम का इंटरवल नहीं होना चाहिए वो रियल टाइम में काम करता है जैसे अभी बटन दबाए तो काम अभी हो जाए फेसबुक से कोई फोटो डाउनलोड करनी है क्लिक करने पर तो नहीं भी होगी तो कोई ख़ास बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेकिन जो जहाज़ नीचे से कंप्यूटर से कंट्रोल किए जा रहे हैं ऊपर उड़ने वाले जहाज अगर बाय चांस वहाँ क्लिक करने पर सिग्नल पहुँचने में देरी हो जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी जहाज़ कहीं के कहीं मिलेंगे तो रियल टाइम एप्लीकेशन वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे प्रयोग किए जाते हैं भाई ये खाली क्यों आ गया अच्छा ये आ गई एड अपनी बुक की ये बुक है अपनी भाई इसका पेज देख लो ये इंग्लिश और हिंदी यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में उपलब्ध है इंग्लिश में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है मार्केट में अगर मार्केट में कहीं दूर दराज नहीं मिलती तो आप फ्लिपकार्ट से अमेजन से या फिर आप विच बुक इज़ बेस्ट से या फिर आप अपना बुक ठेला डॉट कॉम से खरीद सकते हो नमस्ते भाई चीन से ठीक है ना ये बुक है ये कवर पेज है इस तरीके की बुक है अपनी ये सी के लिए कह लीजिए इसको बेसिक प्लस एडवांस दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर 1200 प्लस एम सी क्यू इसके अंदर शामिल किए हैं भाई 1200 प्लस एम सी क्यू जो नए जुड़े हैं लेट जुड़े हैं उनके लिए है तो प्रोसेसिंग टेक्निक जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेस करने की जो टेक्निक होती है वो दो तीन होती हैं मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग और मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग लगभग एक जैसे हैं दोनों के दोनों के मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोसेसर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं टाइम शेयरिंग में टाइम को डिवाइड किया जाता है जैसे दो मिनट का टाइम है तो उसके टुकड़े बना दिए जाते हैं तीस सेकंड किसको दी गई तीस किसको तीस किसको ऐसे दी गई भाई ठीक है जी यू आई क्या होता है जी यू आई क्या होता है भाई GUI क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI क्या होता है? कि कंप्यूटर से आपने बात कैसे करनी है इसका तरीका क्या है? आप अपने मोबाइल से कैसे बात करते हो टच करके या लिख करके कैसे बात करते हो बताओ एक बार सभी बताएं। आप अपने मोबाइल से कैसे बातें करते हो टच करके या लिख करके बताओ आप अपने मोबाइल से टच करके बातें करते हो या लिख करके बातें करते हो टच करके करते हो ना तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या है वो वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या है वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ठीक है बात क्लियर हुई समझ आई बात हाँ जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल ये क्या हुआ अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है भाई ये इजी होता है सीखने में कमांड लाइन की अपेक्षा इसके बाद आता है सी यू आई सी यू आई क्या होता है कमांड लाइन इंटरफेस भी कह देते हैं इसको और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं और कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं भाई कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं इसमें टाइप करके कमांड देनी होती है इसमें क्या करना होता है टाइप करके कमांड देनी होती है ठीक है ना सर मेरे दिल्ली पुलिस एच में दस दस बने बहुत बहुत बधाई भाई आपको बहुत अच्छी बात है बहुत मेहनत किया आप लोगों ने इसमें कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है वर्ड का सिंबल का प्रयोग किया जाता है जब भी किसी से बात करनी हो यानी कि कंप्यूटर से बात करनी है मोबाइल से बात करनी हो हमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर हैं जैसे यूनिक्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टाइम शेयरिंग है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एम एस डोज है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सी यू आई भी है मेन बात सी यू आई भी है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग है लीनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, है और मल्टी है और मल्टी प्रोसेसिंग भी है एक सोलरीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये पूछा जाता है आपको ठीक है ना क्लियर बात चलिए विंडोज के एलिमेंट यानी कि विंडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं विंडो जो हम खोलते हैं विंडो जो हम देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं डेस्कटॉप किसे कहते हैं जो काम करने वाला एरिया होता है विंडो की स्क्रीन जो होती है उसे डेस्कटॉप कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है डेस्कटॉप कहा जाता है भाई आइकन क्या होते हैं आइकन दो प्रकार के होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है आइकन होता है आइकन दो प्रकार के होते हैं सिस्टम आइकन और शॉर्टकट आइकन तो सिस्टम आइक, भी भी डिलीट की गई फाइलें, स्टोर होती हैं. ये अपने का जितना भी स्पेस होता उसका 10 फाइल को स्टोर करने के लिए रखता है टेन परसेंट कर्नल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये कर्नल कर्नल कर रहे थे कौन कर रहे थे नीलम रानी शायद कर्नल क्या होता था? जी कर्नल क्या होता जी देख लो कर्नल क्या होता है उंडेशन तो लेकर को, को होता है इस तरीके से ये खुलता है इसमें से डेट उठाते हैं डेट पिकर बोलते हैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है इस तरीके से जो लिस्ट निकलती है उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोला जाता है ऐसे लिस्ट जो निकलती है बॉक्स कहा जाता है इसे कहा जाता है चेक बॉक्स ये चेक बॉक्स होते हैं रेडियो बटन कहा जाता है इनमें से जो एक सेलेक्ट किया जाए उसे रेडियो बटन कहा जाएगा जैसे मेल फीमेल को सिलेक्ट करना होता है ऐसे ठीक है इसके बाद स्लाइडर इनको ऐसे स्लाइडर ऐसे मूव किया जाए इनको स्लाइडर बोलते हैं क्या बोलते हैं स्लाइडर स्पिनर बोलते हैं स्पिनर इसको यानी कि यहाँ पॉइंट करके इसकी वैल्यू बढ़ाई जाए यहाँ पॉइंट करके इसकी वैल्यू कम की जाए इसको स्पिनर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको स्पिनर बोलते हैं भाई भाई आप लोग मेहनत कर रहे हो मैं तो क्या मेहनत कर रहा हूँ आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो जी रविश नैन स्वागत है भाई आपका आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो आई मीन टू से आप दिन रात पढ़ते हो हर सब्जेक्ट पढ़ते हो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो अजय बुरा जी नमस्ते नमस्ते सर जी रोम का मतलब बताना जी रश्मि जी रोम का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आई थिंक क्योंकि पाँच छः घंटे की क्लास हो चुकी है छः घंटे मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी तो उसमें रोम हम डिस्कस कर चुके हैं तो आप ये क्लास शुरू से देखोगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी ठीक है ना रीड ओनली मेमोरी होती है लेकिन उसमें मतलब क्या होती है एक्चुअल में उसमें क्या स्टोर होता है वो आप क्लास को बैक करोगे तो देखोगे ये होता है लिस्ट बॉक्स का एग्जाम्पल लिस्ट बॉक्स होती है इसमें लिस्ट होती है बहुत सारी तो इसमें से हम ले सकते हैं अब कुछ फुल फॉर्म है कुछ फुल फॉर्म है उसके बाद एक टॉपिक भी है नेटवर्क और इंटरनेट टॉपिक एक ही बचा है थ्योरी का नेटवर्क एंड इंटरनेट टॉपिक एक ही बचा है नेटवर्क एंड इंटरनेट अभी कुछ फुल फॉर्म है ठीक है ना जी जी कोई बात नहीं टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूपीएस होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई या अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई साटा होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एस एम पी एस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये पी डी एफ मैं टेलीग्राम चैनल में देने वाला हूँ याद रखना रोम होता है रीड ओनली मेमरी सी डी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क डी बी होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सी आर टी होता है कैथोड रे ट्यूब सी पी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर प्रोग्राम की योजना बनाना कंप्यूटर के प्रोग्राम की अगर हम योजना बनाएं तो हमें तीन चार चीज़ें सीखनी होगी एल्गोरिथम सीखना होगा फ्लोचार्ट सीखना होगा और सुडो कोड सीखना होगा ठीक है ना एल्गोरिदम क्या होता है सबसे पहले एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू अराइव ए सोल्यूशन एट एनी गिवन प्रॉब्लम किसी समस्या का किसी दी गई समस्या का स्टेप बाय स्टेप समाधान क्या होता है स्टेप बाय स्टेप समाधान किसी दी गई समस्या का क्या होता है आपका एल्गोरिदम कहलाता है क्या कहलाता है एल्गोरिदम कहलाता है एम एस ऑफिस करा दिया गया जी एम एस ऑफिस तो मैं कब का करवा चुका जी एम एस ऑफिस तो मैं बहुत पहले का करवा चुका जी एम एस ऑफिस की अलग से प्ले लिस्ट है उसकी दस क्लास अलग से हैं ठीक है ना उसकी दस क्लास बिल्कुल अलग से हैं एमएस ऑफिस यानी कि इसी क्रम में है इसी में डल जाएंगी ये प्ले लिस्ट इकट्ठी बना रखी है मैंने सी ई टी चूरी के नाम से सी ई टी चूरी के नाम से बना रखी है चाय बनाना इसका एग्जाम्पल है बिल्कुल सही बात है तो एलगोरिदम एक प्रोग्राम एज ए प्रोग्राम क्या होता है एक प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट क्या होता है फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलगोरिदम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलगोरिदम होता है ठीक है ना क्या होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलगोरिदम फ्लो चार्ट होता है अब एल्गोरिथम को या तो प्रोग्राम के रूप में दर्शा सकते हैं या फ्लो चार्ट बना सकते हैं एल्गोरिथम का या हम सुडो कोड लिख सकते हैं एल्गोरिथम से तीन चीजें हम कर सकते हैं ठीक है हाँ जी स्टेप बाय स्टेप सुल बिल्कुल इसके बाद आता है आपका फ्लो चार्ट क्या आता है आपका फ्लो चार्ट आता है बेसिक फ्लो चार्ट आपका बेसिक फ्लो चार्ट सिंबल कौन से कौन से फ्लो चार्ट में कौन से कौन से सिंबल प्रयोग किया जाता है सिंबल प्रयोग किया जाता है टर्मिनल इसे बोलते टर्मिनलिए होल्ड के लिए पोज के लिए, के लिए, के लिए ये निशान प्रयोग किया जाता है इसको एच ने ओवल भी कहा क्या कहा ओवल भी एच ने इसे कहा इसे एच ने ओवल भी कहा भाई इनपुट आउटपुट के लिए पैरालोग्राम प्रयोग किया जाता है इनपुट आउटपुट के लिए पैरालोग्राम समानांतर चतुर्भुज बोलते होंगे इसको हिंदी में समान्तर चतुर्भुज ये इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है डायमंड यूज किया जाता है डिसीजन के लिए किस लिए यूज किया जाता है डायमंड डिसीजन के लिए प्रयोग किया जाता है या इफ कंडीशन के लिए कह लीजिए इफ कंडीशन के लिए प्रयोग या कंडीशन के लिए कह लीजिए कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है डायमंड क्या प्रयोग किया जाता है डायमंड प्रयोग किया जाता है भाई इसको रेम्बस भी कह सकते हैं रेहोम्बस भी कह सकते हैं रेहम्बस भी इसको हम कह सकते हैं भाई रोहम्बस भी कह सकते हैं ठीक है अब इसका डिस्प्ले के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है इसको डिस्प्ले ही कहा जाता है इसके बाद ये फ्लो लाइंस यूज़ की जाती हैं फ्लो लाइंस डेटा का फ्लो दिखाने के लिए डेटा और प्रोग्राम का फ्लो दिखाने के लिए ये मैग्नेटिक टेप का सिंबल है इस तरीके से मैग्नेटिक टेप होती है ये हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क का सिंबल है डेटा स्टोरेज का सिंबल है ये कनेक्टर का सिंबल है हालांकि ये पे ऑन पेज कनेक्टर है ये क्या है ऑन पेज कनेक्टर दो प्रकार के होते हैं कनेक्टर ऑन पेज और ऑफ पेज ऑफ पेज जो होते हैं वो थोड़ा इस प्रकार से होते हैं ऑफ पेज कनेक्टर जो होते हैं वो थोड़ा इस प्रकार से होते हैं और ये ऑन पेज कनेक्टर है ऑन पेज कनेक्टर और ऑफ पेज कनेक्टर भाई ठीक है ना सीक्वेंस स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है इन द प्रोग्राम ऑल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन आफ्टर द अनदर किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई भी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं एक के बाद एक उनको सीक्वेंस स्टेटमेंट कहा जाता है क्या कहा जाता है उनके लिए उनको सीक्वेंस स्टेटमेंट कहा जाता है भाई इसके बाद है सेलेक्टिव स्टेटमेंट कौन सी होती हैं जिनमें सेलेक्टिव स्टेटमेंट वो होती हैं जिनमें कंडीशनल टेस्ट होता है जिनमें क्या होता है कंडीशनल टेस्ट होती है जिनमें कंडीशन लगी होती है वो सिलेक्टिव स्टेटमेंट होती है आइटरेटिव स्टेटमेंट कौन सी होती हैं आईटरेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती हैं अजय बुरा जी नमस्ते सर जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है सर सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की जाए अगेन एंड अगेन दोबारा दोबारा बेस्ड ऑन अ पेन कंडीशनल टेस्ट किसी कंडीशन के आधार पर बार बार चलाई जाने वाली स्टेटमेंट क्या होती हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट होती हैं क्या होती हैं आईटरेटिव स्टेटमेंट होती हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी एंड बिना किसी के चलते रहें वो इनफाइनाइट लूप कहलाती हैं बिना किसी रुकावट के चलती रहें चलती रहें चलती रहें वो इनफाइनाइट लूप कहलाती हैं क्या कहलाती हैं इनफाइनाइट लूप कहलाती हैं भाई तो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई कंप्यूटर की लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना और हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रयोग करते हैं

इन दोनों को इकट्ठा कर दो एल 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 लो लेवल लैंग्वेज और इसको अलग कर दो एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज एल 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 लो लेवल लैंग्वेज एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है ना मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज भी होती है वैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होती है ओप्स भी होती है मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर कंप्यूटर में जो लिखी जाती है नॉर्मली स्ट्रिंग ऑफ बाइंडी वन एंड जीरो जो कंप्यूटर की भाषा जीरो और वन के रूप में लिखे जाते हैं उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है इसके दो भाग होते हैं एक ओपकोड होता है और दूसरा ओपरेंड होता है यानी कि इस तरीके से दो भाग होते हैं एक होता है ओपकोड यानी कि यहाँ लिखा जाएगा जोड़ करना है यहाँ लिखा जाएगा किसका करना है ठीक है ना मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज होती है वो डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है असेंबली भाषा कौन सी होती है प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम जो था वो डिफिकल्ट था उसमें एरर आने के ज़्यादा चांसेस थे इसलिए अल्फा न्यूमेरिक निमोनिक कोड यूज किया गया किसकी जगह न्यूमेरिकल कोड की जगह लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट है ये भी कौन सी असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है इसमें कौन से कोड प्रयोग किए गए अल्फा न्यूमेरिक कोड प्रयोग किए गए या न्यूमोनिक कोड कह सकते हो कौन सी लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज के अंदर भाई हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ये वाली मैंने आपको पहले ही बताया था मशीन से इंडिपेंडेंट है मशीन का कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी भी मशीन पर इनका प्रोग्राम चल सकता है फिर है ऊपस लैंग्वेज ऊपस का कंसेप्ट जो आया था वो उन्नीस में आया था और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीमूला 67 में आया था सीमूला 67 में ऊप् का कंसेप्ट आया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ठीक है कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है जिनका डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले फोर्ट्रान है फोर्ट्रॉन को फार्मूला ट्रांसलेशन कहा जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और ये साइंटिफिक भाषा है इंजीनियरों की भाषा है एल्ज्रा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पुरानी भाषा है ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पुरानी भाषा है जॉन बैक्कस के द्वारा बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है जॉन बैक्कस के द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज कभी सोचो सबसे पुरानी सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज इसके बाद है हाँ आपकी कोबोल इसका मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका मतलब क्या है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल क्या मतलब है कोबोल ठीक है ना इट वाज डिजाइन फॉर बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग ये बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई थी और ये ग्रेस हुपर के द्वारा बनाई गई थी ग्रेस हूपर के द्वारा तैयार की गई थी किसके द्वारा ग्रेस हूपर के द्वारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज भाई ठीक है चलिए बेसिक लैंग्वेज क्या होती है बेसिक होती है बिगिनर ऑल परपज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड ये 1964 में डेवलप की गई थी प्रोसेसर जॉन कीमनी और थॉमस कुर्ज के द्वारा जॉन कीमनी और थॉमस कुर्ज के द्वारा तैयार की गई थी पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जो पर्सनल कंप्यूटर में काम आई कि इसमें पर्सनल कंप्यूटर के लिए काम आई जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज है ये ठीक है इसके बाद आते हैं पास्कल लैंग्वेज पर पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने बिगिनर को आसान कर दिया सीखना गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना आसान कर दिया पास्कल लैंग्वेज ने और निकलस निकोलस के द्वारा निकोलस विर्थ के द्वारा जो है ये तैयार की गई थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग रूप है सी और सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज उन्नीस सौ बहत्तर में ए टी एन टी बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी और सी प्लस प्लस जो है बीजारने के द्वारा बनाई गई थी तैयार की गई थी अलगोल लैंग्वेज को अलगोरदमिक लैंग्वेज कहा जाता है सी शार्प को शार्प पढ़ा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर को रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर कहा जाता है क्या कहा जाता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर कहा जाता है भाई रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर ठीक है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर को कहा जाता है भाई। इसके बाद लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।, मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प का, का मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग इसका मतलब है भाई लोगो का मतलब है इट वाज क्रिएटेड फ्रॉम लिस्प लिस्प से लोगो लैंग्वेज बनी जो बच्चों के गेम खेलने के लिए होती है स्नोबॉल लैंग्वेज बनी जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रिंग ओरिएंटेड स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबोलिक लैंग्वेज इसके बाद आता है आपका सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन आ जाता है आ जाता भाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन भाई यानी कि इसमें एरर वगैरह पढ़ेंगे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम में कई बार एरर आ जाता है उसे बग कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है बग कहा जाता है और ठीक करने की प्रक्रिया को डी बगिंग कहा जाता है ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है डी बगिंग कहा जाता है कितने प्रकार के एरर होते हैं, हैं? कंपाइल टाइम एरर होता है लॉजिकल एरर होता है रन टाइम एरर होता है तीन प्रकार के एरर होते हैं कंपाइल टाइम लॉजिकल और रन तो टाइम भाई ठीक है चलिए तो कंपाइल टाइम एरर जो होता है ये एरर होते हैं कंपाइलेशन के दौरान आते हैं जब कंप्यूटर के एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब ये प्रोग्राम आते हैं भाई ठीक है तब ये प्रोग्राम आते हैं जब कंपाइल करते हैं

ठीक है ना क्लियर हुई बात चलिए लॉजिकल एरर कौन से होते हैं लॉजिकल एरर तब होते हैं जब हम प्लान करने में प्रोग्राम का लॉजिक बनाने में सही नहीं होते तब ये प्रोग्रामर की गलती की वजह से होते हैं प्रोग्रामर के फॉल्ट की वजह से होते हैं जैसे मान लीजिए डबल नाइन डबल नाइन लिखना था इसकी जगह लिख दिया डबल नाइन डबल नाइन नाइन यानी कि ये कह लीजिए कि पाँच नाइन लिखने थे इसकी जगह चार नाइन लिखे गए आउटपुट सही नहीं आएगा प्रोग्राम तो चलेगा लेकिन आउटपुट सही नहीं आएगा इसका मतलब है आपका लॉजिकल एरर है क्या एरर है लॉजिकल एरर है व्हाट इज नेटवर्क नेटवर्क क्या है ग्रुप ऑफ टू और नेटवर्क आ गया भाई अब क्या आ गया आपका नेटवर्क का टॉपिक शुरू हो गया लैंग्वेज का टॉपिक दे होके नेटवर्क का टॉपिक जो है आपका स्टार्ट होता है पानी पी लिया नौ बज के पंद्रह मिनट पर पाँच मिनट का ब्रेक ले नौ बज के पंद्रह मिनट पर अभी नेटवर्क का टॉपिक स्टार्ट करेंगे नहीं नहीं नौ बज के पंद्रह मिनट पर ब्रेक है भाई बोल दिया तो बोल दिया भाई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के समूह को लोगों के समूह को डिवाइस के समूह को नेटवर्क कहा जाता है जो हर रोज़ की लाइफ में इंक्लूड होता है नेटवर्क होता है सामाजिक नेटवर्क नेटवर्क मोबाइल का नेटवर्क कंप्यूटर का नेटवर्क सामाजिक में लोग जुड़े होते हैं मोबाइल में मोबाइल जुड़े होते हैं और कंप्यूटर के नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो कंप्यूटर का नेटवर्क जो है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ने से बनता है ये कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है जैसे ये दिख दिख रहा आपको वायरलेस या वायर्ड के माध्यम से तार या बिना तार के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को हाँ जी खाना खा लेंगे कोई बात नहीं चार सौ सत्ताईस पेज हो चुके हैं पेज कितने हैं 560 सौ साठ पेज हैं लगभग ठीक है ना हाँ हाँ कोई बात ना इतनी देर में खाना खा लेंगे नौ बज के पंद्रह मिनट से लेकर के नौ बज के बीस मिनट तक रेस्ट कर देंगे आप कोई दिक्कत नहीं पांच मिनट का पूरी पांच मिनट का रेस्ट हो जाएगा जो कंप्यूटर को आपस में डेटा शेयर करना नेटवर्क क्यों बनाना कंप्यूटर से कंप्यूटर क्यों जोड़ना है भाई फाइल शेयर करनी है ना रिसोर्स शेयर करना है इसलिए कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है भाई इसलिए हमने कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है फाइलें शेयर करनी है ना तो देखो अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड्स नेटवर्किंग डिवाइस कंप्यूटर के अलावा नेटवर्क कंप्यूटर के नेटवर्क में ये डिवाइस भी काम आती है स्विच है राउटर है मॉडम है इत्यादि ये डिवाइस भी काम आती है ठीक है ना तो फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन ए नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक पैकेट कम्युनिकेशन करने के लिए डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटा जाता है और इन पैकेट को जो है नेटवर्क पर भेजा जाता है जैसे ये नेटवर्क है और ये डेटा है हमारा हेलो हेलो के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे फिर नेटवर्क पर भेजा जाएगा ठीक है छोटे 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 टुकड़े करके भेजा जाएगा जल्दी जल्दी करो तो जी 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 बिल्कुल भाई बिल्कुल चलो आगे पार्ट ऑफ नेटवर्क एंड कैन रिसीव स्टोर एंड क्रिएट एंड सेंड डेटा कह रहा कि हर वो डिवाइस जो नेटवर्क में डेटा को स्टोर कर सके भेज सके प्राप्त कर सके वो नोड होती है क्या होती है नोड यानी कि यहां पूछा था नोड क्या होता है तो वो नोड कहलाता है नोड का एग्जाम्पल है जैसे कि मॉडर्म है हब है ब्रिज है स्विच है राउटर है प्रिंटर है कंप्यूटर है ये नोड हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं नोड हो सकते हैं ठीक है ना क्या हो सकते हैं नोड हो सकते हैं ठीक है ना नेटवर्क का उदय यानी कि विकास 1836 में सबसे पहला टेलीग्राफ आया था कुक एंड वी के द्वारा अठारह में टेलीफोन और एलेक्टर ग्रामवेल ने बना दिया उन्नीस से अड़सठ तक पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी अठारह तो यही है तो ये नेटवर्क का इवोल्यूशन uh, था नेटवर्क के जो टाइप है वो क्या है पैन लैन मैन वैन पैन है लैन है मैन है वैन है ये नेटवर्क के क्या है आपके टाइप है यानी ने कि नेटवर्क आपका कितना प्रकार का होता है नेटवर्क आपका कितना प्रकार का होता है पैन क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन माने पर्सनल एरिया लैन माने लोकल एरिया मैन माने मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन और वैन मैंने वाइड एरिया बाकी आगे यूँ का यूँ है ए एन का मतलब तो एरिया नेटवर्क है ठीक है ना ए एन का मतलब तो एरिया नेटवर्क है पैन जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है उसमें कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल स्मार्टफोन आपस में जुड़े होते हैं दस मीटर तक की इसकी दूरी होती है दस मीटर तक की इसकी रेंज होती है पैन के अंदर लैन के अंदर इसमें प्रिंटर माउस आपस में जुड़ जाते हैं लिमिटेड डिस्टेंस होता है लगभग एक किलोमीटर का अप टू वन किलोमीटर तक इसकी कनेक्टिविटी होती है इसकी स्पीड जो होती है वो अच्छी होती है दस एम से लेके एक हजार एम तक भी हो सकती है वन जी तक भी इसकी स्पीड हो सकती है ये लैन है लोकल एरिया नेटवर्क हब हब की सहायता से डिवाइस जो है आपस में जुड़े हुए हैं इसके बाद आता है आपका ये extended land की land को थोड़ा बड़ा करके देखें तो मैन जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है एरिया जो है इसका 30 किलोमीटर किलोमीटर से लेकर के 40 तक का हो सकता है इसके अंदर सचिव अच्छा अच्छा सचिव से पूछ रहा हूं मैंने सोचा मेरे से पूछ रहा हूँ ग्राम सचिव मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इस तरीके से जुड़ा होता है इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है केबल टीवी नेटवर्क केबल टीवी जो है इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मैन का इसके बाद आता है वन वन जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क ये संसार के सभी कंप्यूटरों को जोड़ देता है डिफरेंट कंट्रीज और कंटेंट कॉन्टिनेंट्स अलग अलग देशों और कंटीनेंट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में महाद्वीप महाद्वीपों को जोड़ता है भाई सबसे बड़ा नेटवर्क है ये वन है बहुत सारी लैन को मैन को आपस में जुड़े हुए है कौन वन वन का एग्जाम्पल इंटरनेट है भाई नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है नेटवर्क टोपोलॉजी एक तरीका होती है जिस तरीके से नोड आपस में जुड़े होते हैं जिस तरीके से नोड आपस में जुड़े होते हैं उन नोड को जोड़ने का तरीका जो होता वो गलाती। गलाती है वो टोपोलॉजी कहलाती है क्या कहलाती है वो टोपोलॉजी कहलाती है भाई तो टोपोलॉजी आपकी कौन सी कौन सी होती है स्टार होती है रिंग होती है बस होती है मैश होती है हाइब्रिड होती है स्टार रिंग बस और हाइब्रिड मैश और हाइब्रिड तो बस टोपोलॉजी को मल्टी एक्सेस टोपोलॉजी भी कहा जाता है और मैश टोपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है और एक हाइब्रिड नेटवर्क होता है आपका एक क्या होता है आपका हाइब्रिड नेटवर्क होता है भाई ठीक है क्लियर सभी को क्लियर सभी को यहाँ तक चलो भाई नहीं 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 अरे नहीं 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 भाई नहीं ठीक है चलिए स्टार टोपोलॉजी कौन सी होती है मल्टीपल नोड होते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो कनेक्ट होते हैं एक स्टार नोड से और होस्ट नोड से एन माइनस वन लाइन की ज़रूरत पड़ती है कनेक्टेड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये इस तरीके से स्टार होता है बाकी सारे नोड इससे कनेक्ट होते हैं जो भी ये बात करता है सारे इसी के माध्यम से बात करते हैं यानी कि इसको बात करनी है इससे तो इसके माध्यम से बात होगी यानी कि इसके बिना बात नहीं होगी मतलब एक बंदा स्टार है यहाँ पे एक बंदा क्या है स्टार है रिंग टोपोलॉजी कौन सी होती है रिंग नेटवर्क कौन सा होता है रिंग नेटवर्क में क्या होता है हर नोड एक दो दो एडिसेंट नोड से जुड़ा होता है दो पड़ोसियों से जुड़ा होता है हर नोड यानी कि ये दो पड़ोसी ये भी दो पड़ोसियों से जुड़ा है ये भी दो पड़ोसियों से जुड़ा है ऐसे इसमें कोई मास्टर नोड नहीं होता जो कंट्रोल करता है बाकी सभी को और ये यूनी डायरेक्शनल होती है खास बात यह यूनिडायरेक्शनल होती है यानी कि एक दिशा में टोपोलॉजी काम करती है दोनों दिशा में काम नहीं करती एक दिशा में काम करती है भाई एक दिशा में ठीक है ना एक दिशा में काम करती है ये देखो ये टोपोलॉजी ये एक दिशा में काम करती है एक दिशा में ऐसे काम करती है या फिर ऐसे काम करेगी एक ही दिशा में काम करेगी बस टोपोलॉजी कौन सी होती है मल्टीपल एक्सेस टोपोलॉजी भी कहा जाता है इसको बस टोपोलॉजी इस प्रकार से होती है इस प्रकार से होती है सारे नोड जो है कनेक्टेड है सेम कॉम्युनिकेशन लाइन से एक ही लाइन से कनेक्टेड है सारे के सारे नोड ठीक है ना और नोड मैसेज लाइन पर तभी भेजेगा जब उसको पता चलेगा कि बाकी नोड बाकी लाइन फ्री है लाइन फ्री होने पर ही मैसेज भेजा जाएगा ठीक है ना हाँ रिंग सबको जोड़ेगी बिल्कुल सही बात है यह बस टोपोलॉजी होती है क्या होती है बस टोपोलॉजी होती है मैथ टोपोलॉजी होती है कंप्लीटली कनेक्टेड यानी कि हर किसी दूसरे नोड से जुड़ी होती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है यानी कि हर नोड दूसरे नोड से पक्का जुड़ा होता है कितनी भी तार लग जाए ये कितनी मर्जी तार लगा दो मतलब एक लैपटॉप सारे लैपटॉप से जुड़ रहे हैं इससे भी जुड़ रहे 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 कह रहे इसमें हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है इसलिए मैस या फुली कनेक्टेड नेटवर्क इसको कहा जाता है फुली कनेक्टेड नेटवर्क और एक हाइब्रिड होती है आपकी हाइब्रिड होती है रिंग स्टार और मैश टोपोलॉजी का कम्बिनेशन तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है रिंग का का रिंग काशन स्टार का काशन और मैश टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है ठीक है हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है भाई इसके बाद एड्रेस आता है अभी पांच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा नौ बजे ही ब्रेक कर दिया मैंने चाय आ गई ठंडी होगी मैं अदरवाइज मेरी है ना तो पांच मिनट का नेट फाइव मिनट ब्रेक फाइव मिनट्स ब्रेक।, मिनट ब्रेक पांच मिनट का ब्रेक आ गया भाई ठीक है पांच मिनट का ब्रेक आ गया तो आप सभी भी तब तक जो है अपना थोड़ा मूड फ्रेश कीजिए ठीक है हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी गुड इवनिंग एवरीवन राम राम जय हिंद नमस्ते सत श्रीकाल सभी को हाँ जी दोबारा से फिर करते हैं शुरू अपना काम चलिए हो जाओ शुरू भाई ऑलरेडी हमें जो है छः घंटे हो चुके हैं आई थिंक तीन बजे हम लगे थे छः घंटे हो चुके हैं सुनील वर्मा जी कह रहे हैं मंजिल क्या है रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या है वाह वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है भाई तो फिर एक मैं भी सुना देता हूँ फिर कह रहे वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें लेकिन याद रख किसी ने किसी मोड़ पे तुझे भी बदल के रख देंगे वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल के रख देंगे गुरु जी खाना खा लो तब तक मैं भाई तीन बजे के बाट देखो तेरी तो मैं तीन बजे के बाट देखना था था। तीन बजे तक नहीं आया तेरे पर खाने ही खाएगा तीन बजे तक के लिए छह घंटे हो गए इधर पर खाने का जमाया तेरा चलो जी भाई चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ पाँच मिनट का ब्रेक जो है वो समाप्त होता है और अब शुरू होता है आगे का खेल आगे का खेल है एड्रेस पर आगे का खेल किस पर है एड्रेस पर है भाई ठीक है आगे का खेल है एड्रेस पर मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की बात करें मैक एड्रेस क्या है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है मैक एड्रेस क्या है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल है मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल है आपका मैक एड्रेस और आईपी क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल है भाई आईपी क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल है भाई इंटरनेट प्रोटोकॉल एक बार दब के शेयर कर दो ठीक है ना अब शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट कहानी एक बार दब के शेयर कर दो सभी ठीक है जी जी बिल्कुल एक बार दब के शेयर कर दो सभी आगे की कहानी शुरू कर रहे हैं भाई ठीक है जो लेट जुड़े हैं लास्ट में जुड़े हैं बाद में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप शेयर कर दीजिए क्लास को बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो छः घंटे से लगातार बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है आप मेरा सहयोग कर रहे हैं आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है तो आप जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार क्लास को शेयर कर दें मैं शुरू करता हूँ एड्रेस मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस शुरू करता हूं तो आईपी एड्रेस से शुरू करते हैं कहानी आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है क्या कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है यूनिक एड्रेस इसे कहते हैं यूनिक क्यों कहते हैं यूनिक का मतलब एक अकेला होता है जैसे आपका मोबाइल है आपका मोबाइल जब भी इंटरनेट से जुड़ेगा जैसे मोबाइल का डाटा ऑन करोगे तो इसको एक एड्रेस मिलेगा डैश 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 के नाम से तो वो एड्रेस बिल्कुल अलग होगा वो एड्रेस किसी दूसरी डिवाइस का हो ही नहीं सकता दैट कैन बी यूज़ टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन द नेटवर्क यानी कि नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस जुड़े होंगे ये भी इंटरनेट से जुड़ा है हर डिवाइस को अलग अलग पहचानने के लिए क्योंकि जैसे फिर तो मान लीजिए एक ही नंबर हुआ तो फिर तो जैसे व्हाट्सअप है व्हाट्सएप व्हाट्सएप का मैसेज भेजेंगे तो किसी पर भी चला जाएगा वो तो फिर है ना तो नोड कौन सा आई एड्रेस पे जाएगा वो अनलाइक मैक एड्रेस मैक एड्रेस की तरह आई एड्रेस जो है कैन चेंज आई एड्रेस बदल भी सकता है अगर नोड को इंटरनेट से हटा दिया जाए इंटरनेट बंद कर दो आई एड्रेस चला गया फिर से जोड़ दो फिर आई एड्रेस दूसरा मिलेगा यानी कि आई एड्रेस जो है बदलता रहता है भाई क्या है बदलता रहता है भाई ठीक है ना क्लियर है बात सभी को चलिए आ जाओ आगे आईपी एड्रेस जो है इनिशियल शुरुआत में आई जो था फोर वर्जन के साथ था चार वर्जन के साथ था बत्तीस बिट में न्यूमेरिक एड्रेस होता था इसका बत्तीस बिट का न्यूमेरिक एड्रेस डेसिमल में लिखा जाता था चार नंबर सेपरेटेड होते थे बाई डोट यानी कि डोट 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 से जैसे कि ऐसे जीरो से लेकर के दो तक की वैल्यू आ सकती है एक के अंदर और एक सौ बानवे एक सौ इस तरीके से लिखा जाता है ये इसका एग्जाम्पल है ये इसका उदाहरण है भाई ये इसका क्या है उदाहरण है ठीक है ना जी जी थैंक यू सो मच भाई जिसने शेयर कर दिया था आई पी सिक्स आया उसके बाद एक सौ अट्ठ बिट का आई पी फोर कितने बिट का था बत्तीस बिट का था आई पी वी सिक्स आया कितने बिट का एक सौ अट्ठाईस बिट का आ गया भाई ये हेक्ज ऐसी में लिखा जाता है ये आठ ग्रुप में, में लिखा जाता है आठ ग्रुप में ठीक है ना आठ ग्रुप होते हैं सोलह सोलह बिट के सोलह अट्ठाईस एक ठीक है ना और ये ऐसे लिखा जाता है कोलन बीच में कोलन होता है उसके बीच में डॉट होता है इसके बीच में कोलन होता है उसके बीच में क्या होता है डॉट इसके बीच में क्या होता है कोलन इसके बीच में कॉलन उसके बीच में डॉट ठीक क्लियर हुई बात आगे चढ़ दें आगे चलते हैं डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद द मीन्स एंड मेथड ऑफ़ ये डेटा कम्युनिकेशन आ गया भाई मैक एड्रेस नहीं आया इसके अंदर चलो मैक एड्रेस मैं यहीं पे करवा देता हूँ आपको जो मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है ये आपका कितने डिजिट का होता है बारह डिजिट का होता है कितने डिजिट का होता है बारह डिजिट का होता है इसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इसे फिजिकल एड्रेस भी इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है फिजिकल एड्रेस भी इसे कहा जाता है बारह डिजिट का होता है छः प्लस छः छः मैनुफैक्चर की आई के लिए होती हैं मैनुफैक्चर आई डी और छः होती हैं डिवाइस नंबर डिवाइस नंबर के लिए होती है ठीक है ना डिवाइस आईडी होती है मैनुफैक्चर आईडी, डिवाइस आईडी, और इसमें 48 बिट होती हैं कितनी बिट होती हैं इसमें 48 बिट होती हैंग्जा है। डेसीमल में ये भी ये भी किस में लिखा जाता है हेग्जा डैसीमल में लिखा जाता है किस में लिखा जाता हैग्जा डेसीमल में इसे लिखा जाता है भाई यह फिजिकल एड्रेस होता है और जो एड्रेस 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 होता 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 है होता, होता है है वो लॉजिकल कौन सा एड्रेस एड्रेस होता होता है 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 लॉजिकल ठीक ना अब आते हैं डेटा कम्युनिकेशन की तरफ किसकी तरफ आते हैं डेटा कम्युनिकेशन यानी कि हमने डेटा को कम्युनिकेट करना है यानी कि हमने बातें करनी है कंप्यूटर से या किसी दूसरे व्यक्ति से कंप्यूटर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से बातें करनी है तो ठीक है मीन्स और मैथड यानी कि तरीका चाहिएगा हमें डेटा कैसे ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह तक तो एक तो सेंडर चाहिएगा जो मैसेज भेज सके एक मीडियम चाहिएगा जिसके माध्यम से मैसेज भेज सकें एक रिसीवर चाहिएगा जो मैसेज को रिसीव कर सके एक मैसेज ही चाहिएगा जो डेटा और इन्फॉर्मेशन के रूप में भेजा जाएगा प्रोटोकॉल चाहिएगा जो सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल यानी कि दोनों मशीन जिस मशीन से जिस मशीन में डेटा भेजा जाएगा उन मशीन में कुछ नियम होंगे जो आपस में मिलते होंगे ठीक है ना तो ये चीज़ें चाहिएगी सेंडर मीडियम रिसीवर मैसेज प्रोटोकॉल ये चीज़ें चाहिएगी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट अगर करना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी तो सिंप्लेक्स होता है सिंप्लेक्स जो होता है ये आपका कैन ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है इसलिए इसको यूनिक डायरेक्शनल कहा जाता है क्या कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल इसका उदाहरण है कीबोर्ड है कीबोर्ड बोर्ड से मतलब कंप्यूटर में ही डेटा भेजा जा सकता है कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड की तरफ डेटा नहीं भेजा जा सकता ऐसे ही प्रिंटर में प्रिंटर कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ डेटा भेजा जा सकता प्रिंटर से कंप्यूटर की तरफ डेटा नहीं भेजा जा सकता इट इज़ नॉट मच हेल्पफुल बिकॉज सम टाइम वी नीड्स टू सेंड एक्नोलॉजमेंट कंट्रोल और एरर मैसेज ये इतना पावरफुल नहीं है ये इतना उपयोगी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि कीबोर्ड से आपने ए दबाया अब ए मान लीजिए स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिया तो हमें कैसे पता कि ए दबा है नहीं दबा है हम उसको प्रेस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहें। क्या हो सकता है कीबोर्ड खराब हो तो हमें कई बार मैसेज वापस लेने की आवश्यकता पड़ती है भाई रिसीवर से पूछना पड़ता है कि भाई ए दबा है नहीं दबा है ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं कई बार हमें तो इसलिए ये सिम्प्लेक्स मेथड जो है इतना कारगर नहीं है सिम्प्लेक्स मेथड जो है इतना कारगर नहीं है फिर आता है हाफ डुप्लेक्स क्या आता है आपका फिर हाफ डुप्लेक्स आता है फिर आपका हाफ डुप्लेक्स जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में बहुत डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है एक समय में एक टाइम में एक समय में एक डायरेक्शन में वन टाइम वन डायरेक्शन ओनली वन टाइम वन डायरेक्शन इसके लिए दो तारों की आवश्यकता पड़ती है इसका एग्जाम्पल है वोकी टोकी इसका एग्जाम्पल क्या है वोकी टोकी है भाई एक समय में एक दिशा में जैसे रेलवे रेलवे की पटरी होती है जो रेलवे लाइन जो होती है एक समय में एक ही ट्रेन एक साइड से आ सकती है जैसे वो ट्रेन साइड में हो जाएगी फिर दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन आएगी तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है किस चीज़ का हाफ डुप्लेक्स का एक होता है फुल डुप्लेक्स आपका इसमें एक ही समय में स्विच कर सकते हैं यानी कि दोनों साइड डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है बोथ वे साइमल्टेनियसली बाई डायरेक्शन होता है साइमल्टेनियसली एक ही बार में दोनों साइड डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है जैसे इंटरनेट आप भी चैटिंग कर रहा हो मैं भी चैटिंग कर रहा हूँ आप लिख रहे हो मैं बोल रहा हूँ ठीक है इसके बाद है डेटा ट्रांसमिट ये एग्जांपल है इसका ये किस चीज़ का एग्जांपल है इसका एग्जांपल है सिम्पलेक्स मेथड का एग्जांपल है ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है ये हाफ डुप्लेक्स ये सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है ठीक है ना यहाँ पे सेंडर सेंड भी कर रहा है रिसीवर रिसीव भी कर रहा है सेंड भी कर रहा है यहाँ पे एक बार ये भेज रहा है एक बार वो भेज रहा है एक बार वो एक बार वो ठीक है ना क्लियर है बात सभी को जी नेक्स्ट आ जाओ बैंडविड्थ जो होती है बैंडविड्थ बैंडविड्थ होती होती क्या है जो होती है जो वो आपकी डेटा ट्रांसफर रेट होती है क्या होती है डेटा 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 ट्रांसफर रेट होती होती है की होती है की अंतरण दर यानी कि का ट्रांसफर करने की दर होती है जो पर यूनिट टाइम भेजा जाता है किसी समय तक पर यूनिट टाइम एक टाइम में कितना डेटा भेजा जाए उसे डेटा ट्रांसफर रेट कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है डेटा ट्रांसफर रेट कहा जाता है जितने ही ज्यादा चौड़ा रोड होगा उतना ही ट्रैफिक अच्छा आएगा इसी तरीके से जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उसमें डेटा बीपीएस जो अच्छी आएगी विच इज़ कॉल्ड बोर्ड जो बोर्ड भी कहलाता है बैंडविड्थ को बोर्ड भी कहा जाता है बैंडविट से संबंधित है बिट से और बोर्ड संबंधित है सिग्नल से बोर्ड संबंधित है सिग्नल से यानी कि ये तो होता है सिग्नल पर सेकेंड सिग्नल पर सेकेंड सिग्नल चेंजिंग पर सेकेंड और वो होता है बिट चेंजिंग पर सेकेंड बिट ट्रांसमिशन पर सेकेंड ये होता है सिग्नल ट्रांसमिटिंग पर सेकेंड भाई ठीक है चलिए डेटा ट्रांसमिशन और स्पीड बोर्ड रेफर्स टू द सिग्नल चेंज यह बताई दिया मैंने बोर्ड जो होता है सिग्नल चेंज 300 बोर्ड का मतलब होता है 300 बीपीएस बिट पर सेकंड 300 बिट पर सेकंड चेंज होना ठीक है ना क्लियर बात सभी को सर जी नेट खत्म हो गया आपके साथ शुरू से जुड़े थे पूरी क्लास में देखने के लिए सॉरी सर ओके कोई बात नहीं भाई नेट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं इट्स ओके okay. ट्विस्टेड पेयर वायर यानी कि डेटा ट्रांसमिशन का मीडिया जो है वो कौन सा कौन सा है मीडिया माध्यम ट्विस्टेड पेयर वायर होती है एक इस तरीके की वायर होता है ट्विस्टेड पेयर वायर ऐसे वायर होती है जब पंखे वाली तार होती है अपनी टू पंचीजो तीन कॉपर वायर ईच के इनक्लोज इन सेपरेट इस तरीके से होती है ये ये वायर होती है ये 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 तो आपकी दूसरी वायर होती है ये आपकी को एग्जल केबल है वो आपकी इस तरीके से होती है ये आपकी को एग्जल केबल है ये आपकी क्या है सॉरी 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 ये आपकी ट्विस्टेड पेयर है ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर है आगे पार्ट बन गए अनशील्डेड और सील्डेड ट्विस्टेड पेयर ट्विस्टेड पेयर ये वाली है हाँ ये ये वाला पार्ट इस तरीके से इस तरीके से जुड़ी होती है वो ये ट्विस्टेड पेयर है और ये सील्डेड ट्विस्टेड पेयर है जिसमें शील्ड लगी होती है ये अनशील्ड इसमें कोई शील्ड नहीं है इनको ढकने के लिए ठीक है ना क्लियर बात जी पंकज हाँ भाई पंकज बिल्कुल चलिए देखिए तो को केबल होती है कौन सी केबल होती है तो को एक्जल केबल भी होती है एक तो होती है ट्विस्टेड पेयर के एक होती है को एक्जल केबल को एग्जल केबल जो है दूसरा टाइप है डेटा ट्रांसमिशन मीडियम का ये बेटर होती है और शील्डेड होती है मोर बैंडविड्थ इसकी की होती है खास बात यह है ज़्यादा बैंडविड्थ होती है ट्विस्टेड पेयर वायर की बजाय जो ट्विस्टेड पेयर वायर होती है उससे ज़्यादा बैंडविड्थ इसकी होती है ठीक है ना नेक्स्ट आ जाओ ये आपकी कोएक्जल केबल है जो आपकी उसके अंदर होती है क्या बोलते हैं उसको केबल टीवी नेटवर्क में होती है जो ये कोएक्जल केबल होती है इस तरीके का आगे कॉपर वायर लगी होती है शील्ड होता है फिर उसके ऊपर एक शील्ड होती उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक इस तरीके से आउटर जैकेट वगैरह इन पर लगी होती है को एक्जल केबल के अंदर इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर आता है सबसे फास्ट मीडियम आता है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कैरी करती है डेटा को लाइट के रूप में जो ट्रैवल करता है इनसाइड ए थिन फाइबर एक थिन फाइबर ऑफ ग्लास ग्लास की पतली फाइबर बनी होती है ऑप्टिकल फाइबर आने एक्सपेंसिव महंगी होती है यूनी डायरेक्शनल एक दिशा में डेटा ट्रांसमिट करती हैं ट्यूब केबल आर रिक्वायर्ड फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स करना तो दो तारों की आवश्यकता पड़ती है फुल डुप्लेक्स हो तो दो तारों की आवश्यकता पड़ती है भाई ऑप्टिकल फाइबर ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर है ऑप्टिकल फाइबर जिस तरीके से ये तीन फाइबर ऑफ ग्लास होती है इसके अंदर वो तो था वायर्ड कम्युनिकेशन ये है वायरलेस कम्युनिकेशन वो था तार वाला कम्युनिकेशन जिसमें ट्विस्टेड पेयर वायर था को केबल था और फाइबर ऑप्टिक था अब है बिना तार वाला अब है बिना तार वाला हाँ टी आई आर पर काम करती है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है रेडियो वेव्स बिना तार के रेडियो वेव्स जो होती हैं ओमनी डायरेक्शनल होती हैं ओमनी डायरेक्शनल मतलब सभी जगह इनकी रेंज होती है तीन किलो हर्ज से वन गीगा हर्ज तक होती है ए एम एफ एम टेलीविज़न वगैरह में काम आती है ए एम में काम आ गई एफ एम में काम आ गई टेलीविज़न वगैरह में काम आ गई रेडियो वेव्स ये रेडियो वेव्स हैं यानी कि सभी जगह फैल जाती हैं रेडियो वेव्स भाई माइक्रोवेव होती हैं यूनी डायरेक्शन लिए एक दिशा में जाती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है एक गीगा हर्ज से तीन सौ गीगा हर्ज तक उससे ज़्यादा होती है बट इनकी एक समस्या है कैन नॉट पेंट्रेट सोलिड ऑब्जेक्ट ये सोलिड ऑब्जेक्ट्स में से नहीं निकल सकती यानी कि दीवार में से पार नहीं जा सकती जैसे जैसे कई बार अपना कोठा पर चढ़ के नेटवर्क आवा है कई बार कोठा पर चढ़ के नेटवर्क आवा कि ऊपर चढ़ने से नेटवर्क आता है यानी कि फोन ऊपर ऊपर नेटवर्क आएगा है ना क्यों क्योंकि ये सीधी दिशा में चलती है अंदर घुसी नहीं ठीक है ना माइक्रोवेव कौन सी माइक्रोवेव भाई ठीक है तो ये माइक्रोवेव का एग्जाम्पल है भाई डेटा ट्रांसमिशन मीडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसके बाद है रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव uh, के बाद सैटेलाइट सैटेलाइट में क्या होता है ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू मैनी पॉइंट बहुत सारे पॉइंटों पे डेटा ट्रांसमिट किया जाता है डायरेक्टली टू मैनी पॉइंट एक जगह से बहुत सारी जगह स्प्रेड अक्रॉस ए लार्ज रीजन थ्रो सैटेलाइट सैटेलाइट के माध्यम से बहुत बड़े एरिया में भेजा जाता है जैसे कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होता है जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में होता है भाई ये होता है सैटेलाइट से दो तीन पॉइंटों में और दो तीन पॉइंटों से बहुत जगह जो है डेटा भेजा जाता है भाई इसके बाद आता आपका है आपका प्रोटोकॉल होता है क्या है प्रोटोकॉल होते हैं आपके सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं सेट ऑफ रूल्स क्या होता है प्रोटोकॉल होता है जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को रिसीवर और सेंटर के बीच में रिसीवर और सेंटर के बीच में चैनल की कैटेगरी कौन सी कौन सी होती है चैनल की कैटेगरी होती है वॉइस बैंड होता, तो। होता है एक तो वॉइस बैंड होता है नैरो बैंड होता है और आपका क्या बोलते हैं उसको नैरो बैंड वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड इसकी जो स्पीड होती है वो छाणवें से बोर्ड होती है छाणवें से बोर्ड इसकी स्पीड होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस में काम आता है टेलीविजन वॉइस कम्युनिकेशन में काम आता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस में काम आता है भाई ठीक है क्लास रुक रही है एक बार बताना भाई सभी क्लास रुक रही है क्या ऐसा तो नहीं है भाई क्लास तो नहीं रुकनी चाहिए आई थिंक ओके चल रही है क्लास तो भाई बिल्कुल ओके चल रही है भाई क्लास ऐसा तो नहीं है कि क्लास रुक रही है ठीक है वॉइस बैंड में एक ब्रॉडबैंड होता है नैरो बैंड चला गया आई थिंक नैरो बैंड चला गया भाई इससे पहले नैरो बैंड आना था भाई इससे पहले क्या आना था आना था नैरोफ एम वगैरह में नैरो सब वॉइस ग्रेड चैनल भी कहा जाता है सब वॉइस ग्रेड चैनल भी कहा जाता है जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ब्रॉडबैंड जो होता है दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए ब्रॉडबैंड का प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड से कंप्यूटर से कंप्यूटर कम्युनिकेशन करना हो तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है ठीक है ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है स्विचिंग टेक्निक आ गई यानी कि अब एक जगह से डेटा दूसरी जगह भेजा कैसे जाए हमने कनेक्शन बना लिया हमने कनेक्शन बना लिया अब एक जगह से दूसरी जगह डेटा कैसे भेजा जाए जी राम राम भाई से भी नाम राम ठीक है ना तो कम्युनिकेशन एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में नोड बहुत सारे आते हैं यानी कि ये कंप्यूटर है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक तार के माध्यम से डेटा तार आ रही है ऐसे 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 करके यहाँ तक आ रहे हैं बीच बीच में नोड भी हैं बहुत सारे और रूट भी अलग अलग हैं एक रूट यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे है तो इसके बीच में नोड बहुत हैं बीच सारे कोई रिपीटर लगाया कहीं राउटर लगाया कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसे लगा है तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा जाएगा कैसे these nodes are provide these node provides switching facility to move data from one node to another node until the distance is reached एक node से दूसरी node तक facility होती है data आगे भेजने की जब तक पूरा data आगे नहीं पहुंच जाता मतलब computer में नहीं पहुंच जाता तब तक तो होता क्या है कई technique है यहाँ पर तीन technique है एक तो circuit switching एक है मैसेज स्विचिंग एक है पैकेट स्विचिंग तीन तकनीक से डेटा एक नोड से दूसरी जगह दूसरे node से आगे भेजा जाता है तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है सर्किट स्विचिंग ध्यान रखना एक चीज ध्यान रखना बस इसमें जो है डेडिकेटेड शब्द आएगा डेडिकेटेड फिजिकल पाथ आएगा डेडिकेटेड फिजिकल पाथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड थ्रो इंटरमीडिएट डेडिकेटेड पाथ होता है डेडिकेटेड पाथ होता है इसके अंदर ऐसे होता है यानी कि ये जैसे टेलीफोन है टेलीफोन नेटवर्क है यहाँ से एक रास्ता बुक कर लिया जाएगा इसी रास्ते के माध्यम से बात होगी बस इसी रास्ते के माध्यम से बात बात होगी पहले बुक कर लिया जाएगा फिर बात होगी ठीक है ना डेडिकेटेड पाथ होगा इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब आपने हेलो भेजा आधा हेलो इधर से जा रहा आधा इधर से कह रहा कि एक लाइन बुक हो जाएगी इसका डिसएडवांटेज ये था ये लाइन बुक होगी अब दो बंदे बात कर रहे हैं ये बात बात कर रहे हैं इधर ये बात कर रहे हैं इससे बात कर रहा है ये तो भाई दिवाली पे लगे बात करने बधाई देने लगे थे लेकिन बात ही नहीं, नहीं कर रहे फोन ही रख रहे दिक्कत होगी कोई दूसरा मिला रहा है मिल रहा कोई दूसरा मिला रहा है यहाँ पे मिल रहा नंबर अंगेज आ रहा है कह रहे बातें करने लगे वो बिजी हैं तो समस्या छिड़ गई कह ऐसा भी तो होना चाहिए ना पता चल जाए कि कोई कॉल कर रहा है है ना घर तक कॉल आन दी होगी बेरा तो बेरे तो दुपटना चाहिए घर से कॉल आ रही ताकि हम रखते हैं ठीक है चलो तो इसके बाद आया पैकेट स्विचिंग सॉरी मैसेज स्विचिंग भी था एक मिनट हाँ मैसेज स्विचिंग नहीं शामिल किया इसमें मैंने शायद तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है मैसेज स्विचिंग में दो तकनीक होती है मैसेज स्विचिंग में किस में मैसेज स्विचिंग में मैसेज स्विचिंग में क्या होता है दो तकनीक होती हैं एक तो ब्रॉडकास्ट मेथड होता है ब्रॉडकास्ट मेथड और एक स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड होता है ब्रॉडकास्ट मेथड होता है एक लाइन पे जितने भी जुड़े हैं सबको मैसेज भेज देना सबको मैसेज भेज देना जिसका भी ले लेगा भाई और स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है यहां से गया यहां से मैसेज गया यहां पे स्टोर कर लिया ये लाइन फरी यहां से यहाँ पे गया यहाँ स्टोर कर लिया ये लाइन फ्री यहां से यहाँ गया यहां ये लाइन फरी इस तरीके से स्टोर एंड फॉरवर्ड स्टोर करेगा आगे भेजेगा स्टोर करेगा आगे भेजेगा स्टोर करेगा आगे भेजेगा ऐसे ये मैसेज स्विचिंग में है किस चीज़ में मैसेज स्विचिंग में लेकिन वो बहुत महंगी पड़ेगी स्टोर करना मेमोरी देगी देनी पड़ेगी अबे उस जिस जगह जहाँ पे स्टोर होगा वहाँ पे मेमोरी भी तो देनी पड़ेगी ना और उसको क्षमता देनी पड़ेगी ये मेमोरी इसको स्टोर करके फिर आगे भी भेजे दो दो चीज़ें देनी पड़ेगी वो बहुत महंगा पड़ जाएगा अपने को ठीक है ना उस वो करते नहीं आपा उसका प्रयोग नहीं करते आपा तो अब आ गया मैसेज स्विचिंग की तरह पैकेट स्विचिंग ये क्या काम करता है ये बड़ा स्याण है इट डिवाइड्स मैसेज इनटू फिक्स्ड साइज पैकेट फिक्स साइज के पैकेटों में बांट देता है ये मैसेज था अपना मैसेज था हेलो इसको जो है फिक्स साइज के पैकेट बना देता है इसमें लिखता एच इसमें लिखता ई इसमें लिखता एल इसमें एल इसमें, 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 इसमें ओ हेलो और यहां लिखता किसके पास भेजना है यहां लिखता किसके पास से आया है यहाँ लिखता है इसके पास भेजना इसके पास से आया है इसके पास भेजना इसके पास से आया है इसके पास भेजना इसके पास से आया है इसके पास भेजना है इसके पास से आया है ऐसे भेजता है टुकड़ों में भेजता है सभी जगह जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ शादी वाला जैसे शादी में ना बारात में जाते हैं बारात में जैसे शादी में बारात में जाते हैं बारात में क्या होता है कि जैसे टुकड़ों में जाते हैं टुकड़ों में मतलब अलग -गाड़ी अलग गाड़ी लेकर जाते हैं अपनी नौजवान अलग गाड़ी लेकर जाते हैं बूढ़े अलग गाड़ी लेकर जाते हैं छोटे बच्चों की गाड़ी अलग जाती है महिलाओं की गाड़ी अलग जाती है और बारात में जब घर से चलते हैं तो सभी अपने अपने रूट पकड़ लेते हैं रूट का मतलब खाने पीने तो अलग रूट से जाएंगे बच्चे अलग रूट से जाएंगे लेडीज़ सीधा जाएंगी ठीक है ना सीधा भी तो कहाँ जाएंगी मेकअप माकअप की दुकान से होकर के जाएंगी तो अलग अलग रूट होते हैं सबके मतलब तो सभी अलग अलग पहुंच जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पर वहां जा कर के मिल जाएंगे सभी और मिल जाएगा का मतलब होता है कि जैसे वहां पहुंचेंगे तो पहले दुले दुल्ही गाड़ी आगे लगेगी पहले दुल्ही गाड़ी आगे लगेगी पहले तो दुल्ही गाड़ी आगे लगेगी यानी कि जो पैकेट सबसे पहले आया था वो सबसे पहले लगेगा भाई ठीक है ना हाँ जी पी इसकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी भाई बिल्कुल ठीक है ना ऐसे दुल्ही गाड़ी मतलब सबसे आगे लग जाएगी तो आजकल ये, ये यूज होता है पैकेट आर रीसेंबल्ड इन टू ओरिजिनल मैसेज पैकेट वहाँ जा करके दोबारा से भी असेंबल होते हैं जो उनका पहला आया था वही पहले भाई ठीक है ना जो जो पहले आया था वही पहले हो जाता है पैकेट हैज़ ए हेडर एंड कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ये सोर्स एड्रेस है ये डेस्टिनेशन एड्रेस है आया उड़ता है जाना उ रहा है या यू कह लो आया उड़ता है जाना उ रहा है एक पैकेट में लिखा होता है या आया खड़ा था जाना खड़ा है इसने ये x.25 डॉट ट्वेंटी फाइव पब्लिक नेटवर्क में प्रयोग होता है इंटरनेट में भी इसी का प्रयोग होता है किस चीज़ का प्रयोग होता है इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का किस चीज़ का प्रयोग होता है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है भाई ठीक है चलिए अब अपना बोर्ड थोड़ा सा हैंग होना स्टार्ट हो गया चलो कोई बात नहीं चार पेज हमारे हो चुके हैं चार पेज यानी कि लगा लो डायरेक्ट मतलब पाँच पेज हो चुके हैं ठीक है ना इंटरनेट ओपन रेफर टू एज नेट इंटरनेट को नेट कहा जाता है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कंप्यूटर कनेक्टेड टू हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट माइक्रोवेव डिवाइस बहुत सारी डिवाइसों से जुड़ी मलग, अलग 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 अलग, अलग, अलग चीजों से जुड़ी हुई डिवाइसों को आपस में कनेक्शन करके भाई नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है ठीक ना? Of of network, कह है ना नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क क्या कहलाता है इंटरनेट कहलाता है इंटरनेट विंटन सर्फ इज द वाइडली नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट और को डिजाइनर ऑफ टीसीपीआईपी टीसीपीआईपी के डिजाइनर भी विंटन सर्फ कहलाते हैं इन्होंने दिया था बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का बेसिक आर्किटेक्चर इन्होंने ही दिया था कि इन्होंने दिया था भाई साहब ने दिया था भाई विंटन सर्फ ने हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का इतिहास तो कह रहे कि उन्नीस की बात है अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था अर्पा नेट क्या बनाया था अर्पा नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क या एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क बनाया था भाई उस टाइम से लेकर के आज का दिन है हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं इंटरनेट से संबंधित शब्द क्या क्या है वेब पेज है वेब पेज होता क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो इंटरनेट पर देखा जाता है उसे वेब पेज कहा जाता है एक वेबसाइट है वेबसाइट क्या होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज होती है एच टी एम एल क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज इसी भाषा में लिखे जाते हैं इसको एस टी एम एल कहा जाता है आगे बढ़ते हैं एच टी डी पी क्या होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने के लिए रिसीव करने के लिए वेब पेजेस को वेब ब्राउजर क्या होता है एक वेब इज ए कलेक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वेब कहा जाता है जिसपे बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन पड़ी हो और टू विजिट एनी वेब किसी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसे वेब ब्राउजर कहा जाता है और मोसेक जो है फर्स्ट वेब ब्राउजर था बाई एनसी नेशनल नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा बनाया गया मौसिक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था पहला था डब्ल्यू 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 पहला था डब्ल्यू 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 भाई और इरवाइज भी था पहला नेक्स्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउजर कौन से कौन से नेक्स्ट नेट्स के वेब नेविगेटर मोजिला फायरफोक्स भी प्रयोग किया जाए ओपेरा सफारी एम एस आई ई एम एस आई का मतलब क्या है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर भाई मोज़िला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है जो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या गूगल क्रोम फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या गूगल क्रोम फ्री ऑफ कॉस्ट है पैसे लगते हैं एंड्रॉयड के साथ आता है या फिर विंडो के साथ आता है ठीक है ना चलिए डब्ल्यू 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 और डब्ल्यू थ्री यानी कि टीम बर्नर ली ने बनाया था क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ग्राफिक ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया होता है क्या डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू ये उन्नीस सौ निवासी में स्टार्ट किया गया था सरन के द्वारा सरन सी ई आर एन पे यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा एवरी वेबसाइट जो वेबसाइट इंटरनेट पर होती है उसका एक एड्रेस होता है उस एड्रेस को यू आर एल कहा जाता है उस एड्रेस को क्या कहा जाता है यू आर एल कहा जाता है ठीक है ना क्या कहा जाता है यू आर एल कहा जाता है भाई क्लियर हुई बात सभी को यू आर एल होता क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है हर वेब पेज जो डिस्प्ले होती है इंटरनेट पर उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है इस एड्रेस को ही यूआरएल एड्रेस कहा जाता है इसके चार भाग होते हैं कितने भाग होते हैं इसके चार भाग होते हैं कौन से कौन से भाग होते हैं ये सर्वर का टाइप इसका भाग होता है होस्ट नेम होता है और फिर फोल्डर का नाम होता है और फिर फाइल का नाम होता है इसके चार भाग होते हैं और ये चार भाग जो मौजूद हैं यहाँ पर ये

भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है एफ क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो यूज़ किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए बाइंड्री और टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट पर बाइंड्री और टेक्स्ट फाइल को इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करता है बात समझ में आई सभी को हाँ जी बिल्कुल इसके बाद आता है कुछ प्रोटोकॉल जिनका हम जिक्र करेंगे टेलनेट क्या होता है टेलनेट होता है यूज़ किया जाता है रिमोट लॉगिन के लिए ओवर टीसीपीआईपी यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे जगह से बैठे कंप्यूटर चलाना है दूसरी जगह पर बैठा कोई उसने कंप्यूटर ये वाला चलाना है तो ये एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है टेलनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है टी सी पी आई पी क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये होता है सेट ऑफ टू प्रोटोकॉल टी सी पी कंट्रोल करता है फ़्लो को फ्लो ऑफ डेटा एंड इट इज़ वेरी रिलायबल टी सी पी रिलायबल होता है हर कंप्यूटर में एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम आई पी एड्रेस कहते हैं क्या कहते हैं आई एड्रेस कहते हैं भाई भाई बता दो दिए इसकी मिलेगी 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 इसकी ज़रूर मिलेगी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है ना क्लियर है बात सम प्रोटोकॉल विद देयर फंक्शंस उनके उनके प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल फंक्शन के साथ यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम पैकेट या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है दो कंप्यूटर के बीच में लेकिन ये अनरिलायबल होता है क्या होता है अनरिलायबल होता है ध्यान रखना रिलायबल कौन सा होता है टीसीपी एस एम टी पी क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये यूज़ किया जाता है सेंडिंग ई मेल में ई मेल सेंडिंग में ई मेल मैसेज में यूज़ किया जाता है कौन से वाला एस एम टी पी एस एम टी पी भाई नेक्स्ट आ जाओ कुछ प्रोटोकॉल पी 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 प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच एस्टेब्लिश एड डेडिकेटेड एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइस डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है दो डिवाइसों के बीच में दो डिवाइसों के बीच में क्या बनाता है डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है डोमेन नेम क्या होता है जी आई पी एड्रेस को याद नहीं रखा जा सकता इसलिए उसका एक डोमेन नेम दिया जाता है नाम दिया जाता है जैसे आपका मान लीजिए कोई उठपटांग सा नंबर दे दिया जाए कि ये ये नंबर है आपका नहीं मतलब बहुत सारे लोगों का नंबर नंबर दे दिया जाए नंबर कैसे याद रखेंगे नाम याद रखना आसान है तो इसलिए आई पी एड्रेस को डोमेन नेम में बदला जाता है डोमेन नेम कहा जाता है उसको ठीक <coughs> है ना जैसे गूगल डॉट कॉम आई एम ए पी एक एड्रेस है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है मेन बात है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है और ये यूज किया जाता है ईमेल में ईमेल में यूज किया जाता है मोस्ट प्रोटोकॉल यूज लाइक पी ओ पी थ्री पीओपी थ्री की तरह प्रयोग किया जाता है ईमेल को निकालने में प्रयोग किया जाता है ईमेल को सेव करने में प्रयोग किया जाता है ठीक है ना पीओपी थ्री की तरह जनरली इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड इन के बी पी एस आमतौर पर इंटरनेट की स्पीड के बी पी एस में मापी जाती है लेकिन आजकल के दिनों में एमबीपीएस में भी इसकी स्पीड मापी जाती है MBPS में भी इसकी स्पीड मापी जाती है भाई। 503 नंबर पेज कहता है डोमेन नेम होस्ट नेम क्या होता है आ जाओ वे डोमेन नाम वाले कह रहा कि ये आसान होता है रिमेंबर करना याद करना नाम को कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग ए वेबसाइट वेब गिवन वेब रिसोर्सिस नेम अगेंस्ट इट्स आई पी एड्रेस आई पी एड्रेस की बजाय उसका क्या रखा जाए नाम रखा जाए तो उसको याद रखना आसान हो जाता है डोमेन नेम के साथ एक एक्सटेंसन एक भी आती है जो एक्सटेंसन जो होती है उसका नाम कंट्री का नाम के हिसाब से होती है कुछ कॉमन डोमेन भी हो होती उनका नाम कुछ इस प्रकार से है कुछ कॉमन डोमेन भी हैं वो कौन सी कौन सी हैं जैसे डॉट इन इंडिया के लिए यूज होती है डॉट .gov, गवर्नमेंट के लिए यूज होती है डॉट नेट नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है डॉट एजुकेशनल साइट के लिए यूज होती है डॉट ओ आर जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग होती है डॉट कॉम स्टैंड फॉर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन डॉट एम आई एल मिलिट्री के लिए यूज की जाती है डोट ए सी जो है एकेडमिक के लिए प्रयोग की जाती है डॉट ए यू ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉट जे पी जापान के लिए नोट करें यू एस ए का कोई भी सफिक्स नहीं है यू एस ए में ऐसा मत कर देना डॉट यू एस ठीक है ना ऐसा मत कर देना डोट यू एस ठीक है ना, चलिए भाई सर्च इंजन क्या होता है सर्च इंजन एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है यानी कि सॉफ्टवेयर होता है जो वर्क करता है ऑन सर्चिंग कीवर्ड पर किसी की कीवर्ड को सर्च करता है वो सर्च इंजन होता है जैसे मान लीजिए आप गूगल में लाभ सिंह नैन सर्च करो तो लाभ सिंह नैन के नाम से क्या क्या आएगा कुछ नहीं आएगा लाभ सिंह नैन कौन सा फेमस है शाहरुख खान थोड़े लाभ सिंह नैन कुछ को नहीं आवा ठीक है? है नहीं तो कहने का मतलब पार्टिकुलर कीवर्ड जो फेमस व्यक्ति यूज करते हैं कुछ ऐसा 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 तो वो जो है कीवर्ड अगर आप डालोगे तो कोई ना कोई उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर आएगी और जब उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी वो निकालने का काम किस सर्च इंजन का ही तो काम है वो किसका काम है सर्च इंजन का ही तो काम है ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को हाँ जी बिल्कुल जी 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 थैंक यू सो मच जो नया नया आए भाई बिल्कुल लाइक करते रहना वीडियो को चलिए आगे चलते हैं सर्च इंजन कुछ सर्च इंजन के नाम क्या क्या होते हैं भाई कुछ सर्च इंजन के जो नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं गूगल होता है बिंग होता है याहू होता है अमेरिका ऑनलाइन ए ओ एल क्या है अमेरिका ऑनलाइन अमेरिका ऑनलाइन पास डॉट कॉम बेडियू डक डक गो ये सारे के सारे क्या है सर्च इंजन है क्या है ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं चलिए भाई सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड साइबर सेफ्टी भाई सेफ तरीका का प्रयोग करोगे तो साइबर सेफ्टी का अलावागा आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है साइबर सुरक्षा में पा ये फ्रॉड है आइडेंटिटी थेफ्ट ये किस लिए होता है कोई धन चुराने के लिए कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए आई चोरी करना ये तो समझ गया होगा ना मैं किसी की आईडी चोरी करना यानी कि बकाया का यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन कर ले अपना फोन में लेकिन उसने बाद में गलत तरीका था प्रयोग करना लगे जो ठीक है ना चलो तो वे इन विच वेबसाइट ट्रैक्स यू कैसे तरीके हैं जिससे वेबसाइट आपको ट्रैक करती समझने वाली बात है आईपी एड्रेस से वेबसाइट आपको ट्रैक करती हैं है। है। आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का पता लगा लेती हैं रफली ज्योग्राफी लोकेशन कुकीज़ आपको ट्रैक करती हैं। कुकीज़ होता क्या है स्मॉल पीस ऑफ होती है, छोटी सी जानकारी का टुकड़ा होती है, जो स्टोर कर सकती थर्ड पार्टी कुकीज होती है भाई इनको ब्राउजिंग इनसे बचने का तरीका इनकोगनेटो ब्राउजिंग इनसे बचने का तरीका है प्राइवेट ब्राउजिंग है, है या इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस एन सॉरी इन योर ब्राउजर टू गो टू प्राइवेट ब्राउजिंग प्राइवेट ब्राउजिंग में जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाए यू मे यूज प्राइवेट ब्राउजर एंड सर्च इंजन डक डक गो या सर्च इंजन या प्राइवेट ब्राउजर डक डक गो भी प्रयोग कर ले भाई, तो भी पता चल जाएगा ठीक है ना या फिर प्रॉक्सी यूज कर लो प्रॉक्सी क्या होता है प्रॉक्सी साइट होती है कुछ वो मिडिल मैन की तरह काम करती है यानी कि आपकी जानकारी आगे शेयर नहीं करती वो भी यूज कर सकते हो आप ठीक है प्राइवेट ब्राउजिंग में वीपीएन का भी प्रयोग कर सकते हो इट इज मेथड यूज्ड टू ऐड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क लाइक वाईफाई हॉटस्पॉट एंड द इंटरनेट इंटरनेट और वाईफाई हॉटस्पॉट में वीपीएन का भी प्रयोग like किया जा सकता है साइबर क्राइम कौन से कौन से क्रिमिनल ऑफेंस विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से क्राइम करना साइबर क्राइम है क्या है साइबर क्राइम है भाई साइबर क्राइम में कुछ टर्म है साइबर ट्रोल है साइबर बुलिंग है साइबर स्टॉकिंग है यही तो होता है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है साइबर स्टॉकिंग फेसबुक पे किसी किसी की प्रोफाइल खोल के देखना साइबर स्टॉकिंग ध्यान रखना वो किन किन को लाइक कर रहा है या कर रही है ध्यान रखना वो कौन सी कौन सी पोस्ट डाल रहा है या डाल रही है ध्यान रखना कब उन्होंने प्रोफाइल चेंज की थी कब उन्होंने प्रोफाइल चेंज नहीं की कब उन्होंने डीपी बदली कब डीपी नहीं बदली जूम कर करके देखना साइबर स्टॉकिंग है क्या है साइबर स्टॉकिंग, ट्रोल होता है ट्रोल करना बेवजह ट्रोल करना बुलिंग होता है धमकी देना किसी को इंटरनेट पर किसी को धमकी देना नेक्स्ट आ जाओ थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा कौन सी कौन सी चीज़ है कह रहा कि जब हम वायलेशन करते हैं सिक्योरिटी का तो वो थ्रेट और धमकी होती है वैन आट इज़ थ्रेट इज एक्चुअली एक्चुअली एग्जीक्यूटेड जब धमकी को बदल दिया जाए अटैक में एग्जीक्यूट किया जाए यानी कि अमल में लाया जाए तो अटैक बन जाता है कुछ कॉमन अटैक इस प्रकार है वायरस वायरस क्या है मलिशियस कोड है भाई। टर्म कंप्यूटर दिया था यू वर्ल्ड बाई वायरस उन्नीस में जिसका मतलब है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंडरसी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंडरसी रिसोर्स अंडर सीज ठीक है ना ये कुछ वायरस हैं क्रिप्टोलोकर एक वायरस है आई लव यू एक वायरस है माय डूम एक वायरस है सेसर एक वायरस है नेट्स का एक वायरस है स्लैमर एक वायरस है स्टूकनेस्ट एक वायरस है ये सभी वायरस हैं क्या है वायरस है भाई स्पाईवेयर स्पाईवेयर ये थ्रेट है कुछ स्पाइवेयर क्या होता है जासूसी रूप से कैमरा लगाता है आपके कंप्यूटर में आ बैठता है आपकी एक्टिविटी को स्टोर करता है एडवेयर होता है इसमें अनवांटेड ऐड आती हैं जिन्हें नहीं चाहते आप कंप्यूटर में फिर भी ऐड आती रहती हैं आप चाहते नहीं लेकिन फिर भी ऐड आती रहती है भाई थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी को खतरा कौन से कौन से हैं सर मेरा बर्थडे जी आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे भाई हैप्पी बर्थडे आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देखो स्पैमिंग क्या होता है स्पैमिंग होता है, स्पैमिंग होता है? सेंडिंग ऑफ बल्क मेल टू एनी अन एन सोर्स किसी अन सोर्स पर बहुत बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना पीसी इंट्रूजन क्या होता है पासवर्ड गैसिंग यानी कि पासवर्ड अंदाजा लगा के पासवर्ड यूं यू, 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 करके यूं 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 करके मतलब अपने अपने मित्रों का पासवर्ड तोड़ना फिशिंग क्या होता है क्रिमिनल फ्रोडुलेंट होता है प्रोसेस होती है ऐसी जो अटेम्प्ट करती है अक्वायर करती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जानकारी ले लेते हो सेंसिटिव जानकारी संवेदनशील जानकारी लेते हो पासवर्ड ले, ले, ले लेते हो क्रेडिट कार्ड की जानकारी यदि प्राप्त कर लेते हो वैसे ही भाई तेरा ए कार्ड दिए रहे कुछ पीछे कटा ले मैं तेरे तेरे दे, 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 दे दूंगा ले अरे ए का पासवर्ड कैप्चर करके और अगली बार ए टी एम करके उरा चलो चलिए आगे बढ़ते हैं फिशिंग हो फिशिंग तो आ चुका है भाई फायर वोल क्या होता है फायर वोल एक सिस्टम होता है जो डिजाइन किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिवेंट करने के लिए अनऑथोराइज एक्सेस अनऑथोराइज एक्सेस को ट करने के लिए यूज किया जाता है कौन सा वाला फायर यूज किया जाता है क्या यूज किया जाता है फायर यूज किया जाता है भाई क्लियर हुई बात सभी को अकाउंट खाली है सर अकाउंट भले ही खाली हो लेकिन अकाउंट खाली नहीं रहेगा आपके मतलब समझे नहीं आप आपको ही पैसे दिए जाएंगे ना अभी एमसीक्यू शुरू हो गए आ जाओ फटाफट एमसीक्यू शुरू हो गए एमसीक्यू सर एडवांस भी पढ़ाओगे क्या मारोगे बच्चे की जान लोगे आज जा। चलो हो जाओ शुरू हो जाओ फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ भाई जल्दी करो जल्दी इसका आंसर क्या आएगा फटाफट आने दो आंसर में ध्यान दो आंसर वे चलिए अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर गर्व है अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है घमंड है कौन सा सिंबल स्टार्ट और एंड को फ्लो चार्ट में प्रेजेंट करता है ओवल सिंबल कौन सा ओवल सिंबल प्रेजेंट करता है भाई ठीक है ना चलिए फ्लो चार्ट किस कथन से संबंधित है फ्लो चार्ट का मतलब क्या है यह एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा पूरा नहीं लिखा हुआ एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा भाई एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा एल्गोरिथम की जटिलता को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है एस स्पष्टता होगी तो एल्गोरिथम की जटिलता होगी एस स्पष्टता होगी तो नीचे दिए गए विकल्प में से उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या है नीचे दिए गए विकल्प में से उच्च स्तरीय भाषा क्या है, है? पास्कल ठीक है पास्कल जो है हाई लेवल लैंग्वेज है उच्च स्तरीय भाषा है यदि आप हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्लो चार्ट में कई मान इनपुट करना चाहते हैं तो किस चीज का प्रयोग करेंगे समानांतर चतुर्भुज का प्रयोग करेंगे भाई पैरालोग्राम का प्रयोग करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू एड चार्ट ऑन न्यू पेज नया पेज पर ऐड चार्ट करना तो मैंने बताया था ऑन पेज और ऑफ पेज दो, दो होते हैं ऑन पेज होता है उसी पेज पर ऑफ पेज होता है दूसरे पेज पर कनेक्ट करना चलिए आगे बढ़ते हैं एक प्रोग्रामर द्वारा नियमों और परंपराओं के सेट के अनुसार लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला क्या कहलाती है।, शिरिंख है क्या त्रुटियों द्वारा निर्धारित की जाती है निकाले जाते हैं कंपाइलर के द्वारा किसके द्वारा निकाले जाते हैं कंपाइलर के द्वारा निकाले जाते हैं कंप्यूटर को केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा सीधे निष्पादित एग्जीक्यूशन निर्देशों का एक सेट होता है वो क्या होता है कंप्यूटर को इकाइयों द्वारा जो एग्जीक्यूशन यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो मशीनी भाषा होती है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए वो मशीनी भाषा होती है क्या होती है मशीनी भाषा होती है भाई मशीनी भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताओ कौन सा सही है मशीनी भाषा के बारे में निम्नलिखित में से मशीनी भाषा के बारे में ना इतमें से कौन सा सही है बताइए लाइक तो करवा दो लाइक लाइक फटाफट आने दो जब तक क्लास अपनी चलती है थर्टीन हंड्रेड लाइक करवा दो शेयर कर करके शेयर कर दो भाई एक दो बार और शेयर कर दो किसी ने नहीं किया तो फेसबुक वगैरह पे शेयर कर दीजिए क्लास को बस इससे कुछ नहीं होता होना जाना कुछ नहीं मुझे मोटिवेशन सा मिल जाएगा बस और कुछ भी नहीं है नथिंग एल्स आल बी मोटिवेटेड आल फील मोटिवेटेड ठीक है ए मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर भाषा होती है बिल्कुल सही बात है मशीनी भाषा क्या होती है मशीन पर निर्भर भाषा होती है वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है वह कौन सी भाषा होती है वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है कौन सी भाषा होती है देखते हैं आप में से कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाते हैं इसका सही उत्तर आप में से कौन कौन दे पाते हैं देखते हैं भाई आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे इतना पढ़ने के बाद भी अगर आप गलत करते हो तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर इतना पढ़ने के बाद भी आप गलत कर दोगे तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है वह भाषा कौन सी है इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ देख रहे हो विनोद विनोद भी देख रहे और मैं भी देख रहा हूँ भाई विनोद भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ गलत कर रहे हैं आद्या ज़्यादा ये सभी कर रहे हैं अरे मशीन भाषा को ही समझता कंप्यूटर बाकी भाषा को समझता नहीं बाकी कोई भी भाषा हो कंप्यूटर को समझाने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है किस चीज़ की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है समझाने के लिए किस चीज की ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है भाई अब आ गई शॉर्टकट की लास्ट फेज ऑफ आवर क्लास अपनी क्लास का लास्ट फेज शुरू होता है अब लास्ट फेज माने सिलेबस इज कंप्लीटेड शॉर्टकट की एंड फुल फॉर्म इज पेंडिंग शॉर्टकट की बची हैं। और फुल फॉर्म बची हैं ठीक है ना शॉर्टकट की और फुल फॉर्म बची है भाई ठीक है ना टोटली बेसिक का कंप्लीट सिलेबस हम कर चुके हैं बेसिक का कंप्लीट सिलेबस हम कर चुके हैं एमएस ऑफिस मैंने इसलिए शामिल इसमें नहीं किया क्योंकि एमएस ऑफिस की स्पेशल दस घंटे की क्लास अलग से प्लेलिस्ट बना करके डाली हुई है एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट अलग है और ये प्ले जो चल रही है सीई टी थ्यूरी के नाम से एक प्ले है सीई टी थ्यूरी सी ई टी थ्यूरी के नाम से एक प्ले है उस प्ले में ये मैराथन क्लास ये भी डली हुई है ये भी डली हुई है ठीक है ना एडवांस सीई टी में नहीं आएगा भाई एडवांस कंप्यूटर सीई टी में बिल्कुल भी नहीं आएगा उसको भूलकर भी मत रिवाइज करना उसको भूल कर भी रिवाइज मत करना ठीक है ना एडवांस नहीं आएगा कंट्रोल प्लस एन होता है नई नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ होता है पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एस होता है सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी क्या होता है प्रिंट करने के लिए होता है अच्छा अपना फेसबुक पेज जो है वो किस नाम से है भाई लाभ सिंह नैन ट्रिपल सेवन के नाम से है लाभ सिंह नैन ट्रिपल सेवन 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 इस नाम से अपना फेसबुक पेज है और जो अगर आप में कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो लाभ अंडर स्कोर सिंह अंडर स्कोर नैन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है बाकी सभी आईडी डी एट द रेट लाभ सिंह नैन के नाम से है किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो चाहे ट्विटर पे हो चाहे कहीं भी हो अगर गूगल में लाभ सिंह नैन लिखोगे तो गूगल जो है मेरे सभी अकाउंट आपको शो कर देगा पहले पेज पर ठीक है ना गूगल में अगर सर्च करोगे तो गूगल आपको सभी पेज की जानकारी दे देगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट के लिए होता है कंट्रोल सी जो होता है कॉपी के लिए होता है कंट्रोल जेड जो होता है अंडू के लिए होता है कंट्रोल वाई जो है रीडू के लिए प्रयोग करते हैं कट कॉपी रीडू अंडू के लिए प्रयोग करते हैं भाई ठीक है ना हाँ मैं जनरली लगभग सभी को फॉलो बैक कर देता हूँ एफ बी के पे और इंस्टा पे एफ बी पे इंस्टा पे और ट्विटर पे भाई ट्विटर पे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ते हैं कंट्रोल एफ होती है फाइंड करने के लिए या फाइंड करने के लिए कंट्रोल जी होती है गो टू पर्टिकुलर सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर सलेक्शन सेक्शन पर जाने के लिए पेज पर जाने के लिए लाइन पर जाने के लिए बुकमार्क पर जाने के लिए कंट्रोल एच होती है रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल वी होती है पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के होती है हाइपर लिंग इन करने के लिए कंट्रोल ए होती है सेलेक्ट ऑल करने के लिए बी होती है बी फॉर बोल्ड आई होती है आई फॉर इटैलिक यू होती है यू फॉर अंडरलाइन अंडरलाइन करने के लिए होती है ठीक है ना क्लियर बात सभी को चलिए अलाइनमेंट होते हैं राइट कंट्रोल प्लस आर से राइट right अलाइनमेंट होता है कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है और आपका कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा एंटर दबाओगे तो सॉरी एंटर दबाओगे तो पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा और शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो लाइन ब्रेक हो जाएगा लाइन ब्रेक एंटर दबाओगे तो पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा ठीक है ना एंटर से पैराग्राफ ब्रेक कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक प्लस एंटर से लाइन ब्रेक सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सिर्फ प्लस प्लस इक्वल कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस इक्वल कई बार यहाँ पे प्लस भी लिखा मिलता है अगर इक्वल ऑप्शन में नहीं है तो प्लस है सही है क्यों सही है क्योंकि प्लस का निशान और इक्वल का निशान एक ही बटन पे होता है एक ही बटन पे होता है लेकिन कई बार प्लस अगर अलग से लिखा होता है तो प्लस बाहर भी लिखा होता है जो बाहर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लिखा होता है की के न्यूमेरिक पैड पे वहाँ भी प्लस होता है तो कई बार ये सोचा जाता है कि आ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा के ये प्लस दबा दूँ ये प्लस दबाने से काम नहीं चलेगा ये प्लस दबाने से काम चलेगा यानी कि इक्वल के निशान वाला प्लस दबाने से काम चलेगा ठीक है न कलियर बात सभी को हाँ जी हाँ जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं इट्स ओके ठीक है देखो सुपर सबस्क्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस इक्वल कंट्रोल प्लस होम होता है जंप करने के लिए बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस होम दबाओगे बिल्कुल शुरू में ले जाएगा कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ले जाएगा बिल्कुल लास्ट में ले जाएगा डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में ये स्क्रिप्ट सुपर सॉरी स्प्रेडशीट शीट कहाँ से आ गई स्प्रेडशीट हमने करनी ही नहीं भाई ये तो वही आ गया कंट्रोल प्लस एन एफ बारह यूज किया कंट्रोल प्लस एस जो यूज की जाती है सेव करने के लिए यूज की जाती है एफ बारह आपको पता ही है, सेव एज करने के लिए यूज की जाती है कंट्रोल डब्लू क्लोज करने के लिए वर्क बुक को कंट्रोल डब्लू कंट्रोल प्लस एफ फोर क्लोज करने के लिए पूरी एक्सेल को कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक हो चुका मैं अपना क्या हो चुका अपना कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक हो चुका है तो शिफ्ट प्लस एफ ग्यारह इंपॉर्टेंट है ये शिफ्ट प्लस एफ ग्यारह के इसलिए प्रयोग की जाती है इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट नई वर्कशीट ऐड करनी है शिफ्ट प्लस एफ ग्यारह ऐड करो जोड़ो जेड अंडू के लिए वाई रीडू के लिए एफ टू कंट्रोल प्लस एफ टू स्विच टू प्रिंट प्रिव्यू प्रिंट प्रिव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस एफ टू कंट्रोल प्लस एफ टू प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट लगाने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए ठीक है ना एफ वन होती है हेल्प के के लिए F7 के लिए स्पेलिंग चेक कैलकुलेट करने के लिए ऑल वर्कशीट इन ऑल ओपन वर्क बुक ये एफ नाइन में कैलकुलेट कर देगा जितनी वर्कशीट खुली है उन सभी को कैलकुलेट कर देगा कंट्रोल प्लस एफ वन शो और हाइड करेगा रिबन को जो एम एस वर्ल्ड एक्सल पावर पॉइंट में रिबन आता है ना उसको शो करेगा और हाइड करेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू एक्सपेंड और क्लैश करेगा फार्मूला बार को फार्मूला बार को ले आएगा और छुपा देगा कंट्रोल प्लस एफ नाइन मिनिमाइज़ करेगा वर्क बुक को वर्क बुक को मिनिमाइज कर देगा एफ ग्यारह क्रिएट करेगा एक बार चार्ट एफ ग्यारह बार चार्ट क्रिएट करेगा अल्ट प्लस एफ वन क्रिएट करेगा एक एम्बेडिड बार चार्ट एम्बेडिड बार चार्ट क्रिएट करेगा कंट्रोल प्लस एफ जो है सर्च करेगा स्प्रेडशीट में कंट्रोल प्लस एफ जो है सर्च करेगा स्प्रेडशीट के अंदर ठीक है अल्ट प्लस एफ जो है फाइल टैब में जाएगा अल्ट प्लस है होम टैब में जाएगा और अल्ट प्लस एन जो है इंसर्ट टैब में जाएगा अल्ट वाली तो कोई खास बात है नहीं कंट्रोल प्लस टैब जो है स्विच करेगा बिटवीन ओपन वर्क बुक ओपन वर्क बुक जितनी खुली है कंट्रोल प्लस टैब शिफ्ट प्लस एफ थ्री जो है इंसर्ट करेगा एक फंक्शन को शिफ्ट प्लस एफ थ्री फंक्शन को इंसर्ट करेगा भाई अब आ जाती है फुल फॉर्म लास्ट एंड फाइनल फेज ऑफ आवर टूडेज क्लास लास्ट एंड फाइनल फेज ऑफ टूडेज क्लास भाई आज की क्लास का लास्ट और फाइनल फेज है भाई ठीक है आज की अपनी क्लास का आखिरी फेस है देखते हैं कितनी देर और क्लास होती है एक सेकंड सेल में से डेटा डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की डिलीट सेल में से डेटा डिलीट करने डिलीट शॉर्टकट कर की yes. है जी हाँ जी जो शुरू से जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद एस एम पी एस की फुलफॉर्म स्विच डिमोर्ड पावर सप्लाई रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी सीडी की फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सीआरटी की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पीएनजी की फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूएसबी की फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस वायरस फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कैड क्या होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन एच टी डी क्या होता है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस टी बी एस क्या होता है प्रोटोकॉल सिक्योर ये जो सिक्योर है ये एस एस एल के लिए होता है एस एस एल की क्या होती है सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योर सॉकेट लेयर सिक्योर सॉकेट लेयर एस एस एल की होती है ठीक है ना क्लियर हुई बात श्री सर आगे गया अच्छा शिवाज सर अरे 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 सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी के भाई शिवाज सर तो शिवाज सर को तो आप जानते हो भाई शिवाज सर तो मैंने एक चीज़ सीखी है बता दो क्या सीखी है जो मैं शिवाज सर की कॉपी करेगा हूँ वो क्या चीज़ सीखी है बताओ भाई कमेंट करके बताओ जितने जुड़ रहे हो अगर तम न लग्या है कि मैंने शिवात सर की वह चीज़ कॉपी करी है तो मैं सीखे जरूर करूँ देखो हर किसी त मैं कुछ ना कुछ सीखूं हूँ तो संदीप शिवा सरता मैंने एक जबरदस्त चीज़ सीखी है वक्के सीखी है बता दो अरे एक मास्टर और सीखने लग रहा है मैंने मार्केट में देखा है एक मास्टर और सीखने लग रहे हैं संदीप शिवा सरता है वाई चीज़ सेम चीज़ जबकि इम्प्लीमेंट दो जने कर लग रहे हैं एक मैडम और है वो भी इम्प्लीमेंट करना लग रही है बता दो कई चीज है ऐसी जो मतलब जबरदस्त तरीके से हैंडराइटिंग बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है हैंडराइटिंग और कंटेंट का एक्सप्लेनेशन हैंडराइटिंग प्लस कंटेंट का एक्सप्लेनेशन मैं तो सही बात कहता हूं भाई सीखा है शिवा सर से ये चीज़ नो डाउट शिवा सर देख रहे हो तो भाई सर जी आपसे मैंने ये चीज़ सीखी है और बहुत अच्छी लगी है तभी तो सीखी है बहुत ज़बरदस्त आपका एक्सप्लेनेशन होता है हैंड राइटिंग तो कहने नहीं का चार चांद लगाते हो आप नो no डाउट तो वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर ली है श्रीमान जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमें सिखाया है ना तो हैंड राइटिंग आपसे सीखी और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करना मैंने सर से सीखा तो शिवा सर का बहुत बहुत धन्यवाद ये चीजें हमें सिखाने के लिए जी स्वागत है आपका लाइव क्लास में भी शिवा सर और कंटेंट में तो आपको पता ही है <laughs> जी चलिए जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस सीडीएम में क्या होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है अमेरिकन क्या होता है सॉरी एनसाई क्या होता है एनसाई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है एनसाई ए एन एस आई एनसाई होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हाँ जी हाँ जी बिल्कुल पढ़ाओ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. बिल्कुल, बिल्कुल. चलिए देखो जी आई जी ओ क्या होता है गार्वेज इन गार्वेज गार्वेज आउट जी आई जी ओ क्या होता है garbage in, garbage out. यानि कि जैसा गए, वैसे निकालोगे जैसा डालोगे वैसा निकालोगे ठीक है ना चलिए भाई बी सी सी क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है वीडीआई क्या होता है वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वीडीआई क्या होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वाई फाई क्या होता है वायरलेस फिडिलिटी वाई फाई क्या होता है वायरलेस फीडिलिटी होता है वाई फाई ठीक है ना क्लियर है बात हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ पी क्या होता है पी होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट डीपीआई क्या होता है डोट पर इंच वी क्या होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सीआरएस क्या होता है कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम सीआरटी क्या होता है ट्यूब एक्सटेंशन आ गए भाई अब लास्ट एंड फाइनल फेस ऑफ अवर क्लास गुरु जी थोड़ी स्टारलिंग के बारे में जानकारी देना भी भी यूज़ के है फोटो के लिए यानी कि पेंट में यूज किया जाता है डोट टेक्सट यूज किया जाता है नोट पैड के लिए नोट पैड आर टी एफ यूज किया जाता है वर्डपैड के लिए वर्डपैड रिच टेक्स्ट फाइल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं रिच टेक्स्ट फाइल बोलते हैं इसको डॉक यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए आजकल तो ये डॉक है जो डॉक्स हो गया है एक्सेल एस भी एक्स हो गया है पीपीटी भी पीपीटी एक्स हो गया है आजकल पीडीएफ जो है पीडीएफ ही है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है भाई पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पीडीएफ पीडीएफ है भाई ठीक है ना क्लियर हुई बात सभी को अब आगे आ जाओ ए सी सी डी बी ए सी सी डी बी है एक्सेस डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस के लिए है किस लिए है एक्सेस डेटाबेस के लिए है सी सी लैंग्वेज के लिए है एस टी एम एल एस टी एम एल लैंग्वेज के लिए है और इसको एच टी एम भी कहा जाता है एस टी एम सी पी पी सी प्लस प्लस के लिए है एम पी थ्री गाने के लिए है गाना डॉट कॉम के लिए है ई एक्सी एग्जीक्यूशन फाइल है एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है ई एक्सी पी एन जी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है ठीक है ना पी एन जी ये फोटो के लिए होती है पी एन जी क्या होता है फोटो के लिए होती है तो ये कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक विद फुल फॉर्म विद एम सी क्यू विद शॉर्टकट की विद एक्सटेंशन विद थ्योरी था जी ठीक है तो ये था भाई थैंक यू सो मच शेयर इट विद ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से जो पढ़े हैं शुरू से लेकर अब तक उन्हें सल्यूट है आप मुझे मोटिवेट करते रहे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है थैंक यू कहता हूं मैं आप सभी को और आप जो मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप सभी का स्वागत है दिल खोल के स्वागत है हाँ वो वाईफाई की कंपनियां हैं वो अलग अलग चीजें होती हैं देखो उसके अंदर सबसे लास्ट में आप जो वीडियो जब आप देखोगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मैराथन क्लास से आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला बेनिफिट हुआ कुछ ना कुछ जरूर आप कमेंट करके मुझे बताना ठीक है मैराथन क्लास कैसी रही ये ज़रूर बताना मुझे आप कमेंट करके इस पी को मैं अभी सेव कर देता हूँ और अभी आपके पास भेज देता हूँ इस पी को मैं अभी आपके पास भेज देता हूँ ठीक है ना फिर तो ठीक है आपके सामने ही मैं इस पीडीएफ को आपके पास भेज देता हूँ ठीक है और इस पीडीएफ का जो नाम होगा वो नाम होगा कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक लाभ सिंह कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक ये नाम होगा इस पीडीएफ का यस भाई मैं सेव करना चाहता हूँ इसे तो ये सेव होने में भी समय लगाएगी जो शुरू से जुड़े थे उन सभी को मेरा सलाम सल्यूट है भाई आप सभी को आप दिल से पढ़ते हो सीखने की कोशिश करते हो जैसे मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ बहुत सारे अध्यापकों से बहुत सारे स्टूडेंट से अलग अलग तरीके की चीज़ें किसी स्टूडेंट से बोलना सीखना आ जाता है किसी से लहजा सीखना आ जाता लहजा कॉपी हो जाता है किसी का किसी का कंटेंट जो है एक्सप्लेनेशन कॉपी हो जाती है किसी स्टूडेंट का आदर भाव कॉपी हो जाता है तो आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप लोगों का प्रेम प्यार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है उसका देन हम नहीं दे सकते आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त प्रेम प्यार है तो आप सभी का आते दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है दोबारा दोबारा हाँ जी एस के कत्याल जी आप अभी तक जुड़े हुए थे क्या कंप्यूटर आपसे ही सीख रहा हूँ आपने कंप्यूटर सिखा दिया भाई कोशिश तो है यही है देखो आपके डाउट लेने की भी कोशिश करते हैं किसी ने किसी तरीके से यूट्यूब पे या फिर जैसे सेलफोन पर या जैसे भी कई बार मैं तो बात भी कर लेता हूँ स्टूडेंट से तो ऐसा फील होता है जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे जब आप बात कर लेते हो तो इसलिए मैंने ये नंबर भी दिया हुआ है कई बार आप जो है बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है बात भी कर लिया करो नंबर मैंने दिया हुआ है जी ठीक है तो आज आप बहुत ही शुरू से लेकर के अब तक जुड़े रहे इतमान से जुड़े रहे तो क्या कहने भाई क्या कहने भगवान से यही दुआ प्रार्थना करते हैं कि ये पढ़ा हुआ आपके काम आ जाए कहीं ना कहीं ठीक है ना तो काम आएगा तो जीवन में आगे बढ़ पाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी अभी चार पेज भी इससे कन्वर्ट नहीं हुए इतना स्लो है ये है ना एच एस एस सी जीरो आठ बैच से जुड़े हैं जी जी स्वागत है भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है जी जी पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दे रखा है कोई चैनल का लिंक डाल दो भाई किसी के पास हो तो गुरुजी दिल खुश हो गया आज की क्लास लगा कर अच्छे जी एस के कत्याल जी 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 थैंक यू सो मच गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गुड नाइट भाई सभी को शुभ रात्रि सो जाओ मुझे भी खाना खाना है सो जाइए और खाना खा लेते हैं आप भी खाना खा लीजिए कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अभी तक मेरे साथ ही जुड़े बैठे हैं तो खाना भी नहीं खाया होगा तो आप भी जो है खाना खा लीजिए और अपना रेस्ट कीजिए तैयारियां कीजिए जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जब ही बोला गया है फादर ऑफ कंप्यूटर अरे अरे सी टी वन से आपसे जुड़े हुए हैं अच्छा जी सी टी वन जो कंप्यूटर बैच आया था उससे जुड़े हुए हैं जी जी बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा और आप कॉल करोगे तो जी स्वागत है आप सभी का ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ अभी थोड़ा चल रहा है तो इसको जो है मैं टेलीग्राम चैनल में अभी डाल दूँगा ताकि आप लोग इसका रिविज़न कर सको इसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ सको अच्छी चीज़ जो आपको मिले जो आपके काम आए जो आपके पढ़ने में हेल्प हो सीखने में हेल्प हो कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकें और अगर मेरे से बाई चांस कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना भाई सर मैंने कसम खाई थी क्लास के बाद खाना खाऊंगा सर अरे वाह क्या बात है क्या बात है कसम कुसम तो ना खाया करो भाई रोटी खा लिया करो मैं तो दुरीना से आया हूँ जी जी सबका स्वागत है भाई कल ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी सीटी को लेकर भाई कोई बात नहीं स्वागत रहागा सर आप हो फादर ऑफ कंप्यूटर जुलाना से गुड नाइट फादर ऑफ कंप्यूटर तो क्या है भाई काम चला रहे हैं आप लोगों को बस पढ़ा पढ़ा के थोड़ा बहुत जितना भी होता है काम चल जाए काफी है हाँ तेरह सौ पहुँचा दो लाइक जो है वो थर्टीन हंड्रेड कर दो जो बचा उसके पास क्लास शेयर कर दो बारह सौ इक्यासी कुछ है तो तेरह सौ लाइक पहुंचा दो तेरह ही तेरह हो जाएगा तेरह ही तेरह सर मैं तो धमताड़ साहिब का हूँ अमनदीप धमताड़ साहिब से अरे वाह क्या बात है स्वागत है भाई कल नोटिफिकेशन से आ जाएगा क्या सर भाई नोटिफिकेशन का देखो अपन नहीं मेरा नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन का नहीं मेरा भाई अपन है सर मैं तो आपका फैन हो गया मैं आपका कूलर हो गया भाई <laughs> ये सी नैन है जब तक याद ही करवाया इतना नहीं कंप्यूटर टिप्स पे हो जाएगा अच्छा कुछ ऐसा लिखा होता वेट बढ़ गया अच्छा ग्राम सचिव का वेट बढ़ गया भाई सर आप बहुत अच्छा करवाते हो कंप्यूटर थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच भाई एवरी थैंक यू सो मच गूगल पर एडमिट कार्ड आए एडमिट कार्ड तो नहीं आएंगे भाई भाई ये रुकी गया क्या अभी तक नहीं हुआ है अच्छा मैं आपकी स्टूडेंट हॉबी से मोनिका जी 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 स्वागत है मोनिका जी सर आपका कोर्स कहाँ पर मिलेगा हो जाएगा क्या अब कवर कोर्स तो फ़िलहाल कभी कहीं नहीं है अभी शर्मा जी यही क्लास देख लो यही क्लास देख लो जो अभी ये कंप्लीट हुए हैं ये क्लास एक बार देखो कोई अगर एमसीक्यू वग़ैरह में आपको कमी लगे तो फिर आप एक बार संपर्क कर लेना मैसेज वगैरह कर लेना कि सर एमसीक्यू वगैरह नहीं हो पा रहे अभी कोर्स कहीं भी नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए कोर्स आएगा अब तो मतलब अगर आया तो दिल्ली पुलिस के लिए मतलब देखो नवंबर के शुरू में ठीक ना? तो है ना हम तो जी कंप्यूटर सीख गया अब तो जी जी एह, कोई दूसरी क्लास की जरूरत तो नहीं है भाई देखो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब सारा कुछ मुझे ही आता है कि मैंने ही पढ़ा दिया सारा कुछ एमसीक्यू करोगे तो आप उससे आपको लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत और भी और भी समझने की जरूरत है एम सी क्यू करने से पता चलेगा मतलब आप अध्यापक से पूछने के बजाय आप खुद में एनालाइज किया करो एम सी क्यू करके जब आप एम सी क्यू करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे जो है कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है ठीक है ना? नरवाना वाले ज्यादा ज्यादा चाय पीते हैं सर लेकिन आप मैं भी ज्यादा पीता हूँ भाई मैं तो बहुत ज्यादा पीता हूँ बोलगी <laughs> मतलब तो बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ जितने आप सोच रहे हो शायद उससे बहुत ज़्यादा पीता हो शायद <laughs> उससे बहुत ज़्यादा पीता हो तो भाई एम सी क्यू से देखा करो आप अगर आपके एम सी क्यू अच्छे जा रहे हैं तो इट मीन्स आपको और सीखने की जरूरत नहीं है अगर आपके एम सी क्यू अच्छे नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको सीखने की जरूरत है अच्छा शस् के कंप्यूटर गुरु जी आपके कॉम्प्लीमेंट जो है बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छी बात है गुरु जी मैं बागपत से हूँ बागोत से बिलोज ऑफ गोड शिवा अच्छा जी स्वागत है भाई आपका कर रहा हूँ दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं है अच्छा भाई रणजीत सिंह रणजीत सिंह कह रहे हैं कि आपकी क्लास कर रहा हूँ दूसरी क्लास की तो ज़रूरत नहीं है ना फिर वही बात आ जाती है मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार वो पढ़ो आपका चैनल भी है जी मुझे तो अभी मिला <laughs> अरे अरे चलो आज मिल गया देर आए दुरुस्त आए देर आए दुरुस्त आए बहुत अच्छी बात है आगे अच्छा हो गया है चलो मैं देखता हूँ एक बार इसको कितने एम का बना है ये ये मामला देखता हूँ एक बार कितने एम का बना है फिर भी ठीक है ना एक बार देखते हैं इसको कितने एम का बना है इसको देखते हैं कितने एम में चलेगा ये एक बार आप देख लेना कितने एम की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो उस हिसाब से फिर इसको डाउनलोड कर लेना आप अभी आ जाएगी आपके पास टेलीग्राम चैनल के अंदर कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक आ, आ जाओ भाई पाँच सौ बैसठ एम की बनी है भाई हाँ एम एस ऑफिस जरूर करना भाई एम एस ऑफिस जरूर करना ध्यान रखना एमएस ऑफिस मत छोड़ना एम एस ऑफिस जरूर करना भाई अरे नालायक नहीं हो आप बहुत अच्छे हो जब लगातार क्लास देख रहे हो पांच सौ तिरसठ एम बी की पी डी एफ बनी है पवन शोकन सर को जानते हो सर आप डाडा अब पवन शोकन सर बहुत सारे हैं टच में तो पवन शोकन नरवाना वाले शायद आप जो कह रहे हो डांडा अच्छा जी जी हाँ पवन शायद नरवाना वाले कह रहे हो आप शायद <laughs> अब ज़्यादा एम की तो बनेगी जब 560 पेज हैं तो कम एम की तो कैसे बनेगी अब इसको मैं डाउनलोड करूंगा ये पाँच सौ बासठ है इसको डाउनलोड करूंगा यानी कि एक जी तो मेरा वैसे चला जाएगा एक जी तो वैसे ही गया मेरा पाँच सौ बासठ की अपलोड किया मैंने अभी फिर मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो एक एम तो वैसे ही चला गया एम एस ऑफिस कहाँ से करें इसी चैनल पे प्ले लिस्ट है एम एस ऑफिस की आप ये क्लास देखोगे तो पता चलेगा ना आपको एम एस ऑफिस की इसी चैनल पे अपने वाले चैनल पे एक प्ले लिस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है एम एस ऑफिस की तो वो एम एस ऑफिस वो वाली करना आप ठीक है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ बताइए दस क्लास है एम एस ऑफिस की दस क्लास है मंगलपुर से नर्माते हैं पवन शायद शायद जानता हूँ जी शायद तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको उसमें क्या नाम है टेलीग्राम में भी नहीं डालूंगा एक लिंक देता हूँ चलो देखते हैं क्या रहेगा तो आखिरकार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद सभी को भाई आखिर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सैल्यूट है आप सभी को जय हिंद सभी को भाई एक, ए, एक रह गया बारह सो बारह निन्यानवे हो गए एक रह गया बारह हो गए एक लाइक रह गया तेरह सौ होने में तेरह सौ लाइक हो जाएंगे मटोर गांव है जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मटोर गांव है अच्छा कह रहे हो मटोर गांव है जी कोमा आपका बहुत बहुत, बहुत जी थैंक यू सो मच हाँ सीई के लिए एम ऑफिस बहुत जरूरी है भाइयों सीई के लिए एम ऑफिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है हाँ क्वेश्चन के लिए तो कर देंगे अरे क्वेश्चन के लिए तो कर देंगे क्वेश्चन की एक अलग मैराथन क्लास निकालेंगे एच एस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन क्लास जल्द होगी क्यों चिंता करते हो आप लोगों के लिए तो खड़े हैं और काम क्या है हमारे को बताओ और क्या काम है हमारे को आप लोगों के लिए तो खड़े हैं चलो थैंक यू सो मच थर्टीन थैंक यू सो मच एवरी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका आप लोगों ने इतना सहयोग किया इतना साथ दिया थैंक यू सो मच जय हिंद भाई टू ऑल ऑफ यू जय हिंद